हेलो व्हाट्सअप गाइज माने था एंड टुडे इन इन दिस वीडियो वीडियो वी विल सी 50 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स वन जी हां गाइस तो हो जाइए तैयार क्योंकि आज सिर्फ इस एक वीडियो में हम कंप्लीट 50 जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करने वाले एंड डू यू नो गाइस व्हाट इज द बेस्ट पार्ट मैंने हर एक इंटरव्यू क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग ठीक है जिसका लेंथ है 100 एंड नाउ uh, मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन दे रहा हूं इस स्ट्रिंग के बेस पे एंड दैट इज यू नीड टू फाइंड कैरेक्टर्स बिटवीन द टू इंडेसेस लेट से मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स नंबर ट्वेंटी से लेकर इंडेक्स नंबर फोर्टी फाइव के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं आप उसको रिटर्न करके मुझे दिखाओ जी हंगश तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके एंड ऐसा ही हम पचास क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लेकिन हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन को मैंने कैसे असम awesome बनाया मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा सेकेंड मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट्स एंड देन जो स्टेप्स है वो शेयर करने वाला हूँ इट मीन्स कि जो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स है उसको फॉलो करना है इससे होगा ये कि इस आपकी बहुत हेल्प होगी जहाँ पे मेरे सॉल्यूशंस को देखे बिना ही आप खुद से उस स्टेप्स को फॉलो करके इस इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो So, guys, अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी एंड इन केस गाइस अगर आप नहीं कर पाते हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में जो तीसरा पार्ट है वो ये कि मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं लाइक like, सब कुछ उसी में ही रहेगा आपको टेंशन नहीं लेना तो नोट्स में लिखा होगा कि हाँ इसको आप इस पर्टिकुलर मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो या अगर आप मेथड्स नहीं है कोई बहुत बार ऐसा होता है कि इन बिल्ड मैथड्स नहीं होते तो आप ये जो एक ट्रिक है इसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो तो वो तीसरा पॉइंट वो है कि आप उसकी हेल्प ले सकते हो एंड कैसे अगर वहां पर भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं फिर तो मैं पूरा सॉल्यूशन तो मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ तो गैस इस तरीके से हम पूरे हमारे जो फिफ्टी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे एंड इसमें एक और बेस्ट पार्ट है कि अगर किसी भी मोमेंट अगर आपको एकदम डीप डाइव करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर यू नो एंड अगर आपको उसको और बेटर तरीके से समझना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जब कोर्स अपलोड कर चुका हूं जिसका लेंथ अगर मैं आपको बताऊं तो गैस अट्ठाईस या तीस घंटे की बिलीव मी गाइस अट्ठाईस या तीस घंटे का जब का कोर्स मैंने अपलोड की है कुछ पार्ट्स में लाइक बारह बारह छः या सात घंटे की जिसमें पार्ट वन में हमारा बेसिक्स रहेगा सेकंड में इंटरमीडिएट एंड एडवांस थर्ड में ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है तो कभी भी किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आता है देन आई हाई रिकमेंड मेरा ये जो वर्ल्ड बेस्ट जबस्क्रिप्ट कोर्स को इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा एंड गैस आपके एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए इन सब का जो स्टार्टअप फाइल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वहां से आप उसको डाउनलोड करके देन आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स एंड देन वो नोट्स ऑलरेडी वहां पर पहले से ही होने वाला है तो आपको और मजा आएगा इसको फॉलो करने में तो ये है ना इतना ज्यादा ऑसम सो गाइस बताना चाहूंगा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं लेकिन साथ ही साथ गाइस इफ यू वांट टू सपोर्ट या अगर आपको अच्छा लगता है तो देन गाइस प्लीज वीडियो को लाइक दोस्तों को भर भर के शेयर कर दीजिएगा जितना करोगे मुझे उतनी खुशी होगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भुलेगा बिकॉज आवर नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ पांच हजार सब्सक्राइब है एंड इफ यू वांट माय एंटायर यू वीडियो सोर्स कोड जो मेरे दो से लेकर अभी तक का है देन गाइस उसका भी सोर्स कोड का सेल मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ टू फोर्टी में सब कुछ आप ही के लिए सब कुछ ठीक है तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा सो गाइस अब हम बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है a, uh, आप देख सकते हो राइट अट्स रिटर्न फर्स्ट एनकाउंटर एंड आई होप ये आप समझ गए कि क्या हो रहा है यहां पे इसका मतलब ये है कि हम आपको एक इतने सारे लाइक like एक सेंटेंस देंगे या वर्ड्स देंगे मल्टीपल बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा वो जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड्स कौन सा है एंड अगर लेट्स से कि जो लॉन्गेस्ट वर्ड अगर मल्टीपल होंगे तो उसमें से जो सबसे पहले एनकाउंटर मतलब जो सबसे पहले आ गया उसको आप रिटर्न कर दो समझ गए ना like, ये फॉर uh, एग्जांपल ये हमारा फंक्शन है और उसके अंदर हमने ये आर्गूमेंट पास कर दी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है टेक्नीकल जावा स्क्रिप्ट आई गेस इट्स जाओस्क्रिप्ट तो जाओ स्क्रिप्ट सबसे बेसिकली uh, इसका जो लेंथ जे ए वी ए एस तो ये सबसे ज़्यादा है तो ये हमें रिटर्न होना चाहिए सिंपल ठीक है ऑल राइट तो अब हमें क्वेश्चन लिखना है देखो तो कैसे कुछ कॉन्स्टेंट दिया उसको भी हम एक बार देख लेते हैं द इनपुट स्ट्रिंग में कंटेन अल्फाबेटिक कैरेक्टर डिजिट स्पेस और पंचुएशन ठीक है कोई नहीं स्ट्रिंग नॉन एम होना चाहिए द इनपुट स्ट्रिंग में कंटेंट्स मल्टीपल वर्ड्स ठीक है ये नॉर्मल है ओके नोट्स दिया है वो देख लेते हैं बताए है कि अगर इनपुट का स्ट्रिंग एम रहेगा या ओनली वाइट स्पेस वो कंटेन करता है देन फंक्शन शुड रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू या सिंपल फॉल्स है ना दैन द फंक्शन शुड इग्नोर द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग वाइट स्पेसिस एंड वेन डिटरमाइनिंग द लॉन्ग ठीक है मतलब इनशियली एंड दैन एंड का जो व्हाइट स्पेस है वो उनको नहीं चाहिए वो हम पहली टैकल कर लेंगे ठीक है सो गाइज दिस इज द चांस पॉज द वीडियो राइट नाव अब भी आपको वीडियो पॉज करना है एंड खुद से आपको ट्राई करना है एंड अगर नहीं आइडिया समझ में तो ये वाला जो जब उसक्रिप्ट कोर्स पार्ट वन है इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको मजा आ जाएगा यहाँ पे अब ये हो रहा है कि हमें एक एक वर्ड को कंपेयर करना है एंड ये चेकआउट करना है कि किसका लेंथ सबसे ज्यादा है या कौन सबसे लॉन्गेस्ट है एंड वेन इट कम्स टू योर कंपेयर एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करना है ना तो अब आप ये सोचिए कि हम क्या ही कर सकते वी हैव दिस स्ट्रिंग है ना आप सोचो कि स्ट्रिंग में कोई कंपेरिजन फंक्शन था हमारे पास या नहीं आपको ये सोचना होगा देन आपको ये सोचना है कि अगर स्ट्रिंग में कोई कंपेरिजन फंक्शन हमने नहीं पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा फिर आई I मीन mean, <laughs>

यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो एक कांस्टेंट है कि भाई एम नहीं होना चाहिए और अगर वाइट स्पेस है तो रिटर्न फॉल्स वो कर देते हैं ना तो स्ट्रिंग एस बेसिकली ट्रिम इफ यू रिमेंबर ट्रिम बेसिकली लीडिंग एंड देन ट्रेलिंग जो स्टार्टिंग एंड देन जो लास्ट का वाइट स्पेस है उसको हटा देगा डॉट अगर हम लेंथ कर दे ठीक है उसको हटाने के बाद जो उसकी लेंथ अगर इट्स ट्रिपल इक्वल टू जीरो देन रिटर्न फॉल्स खत्म चलो ये ए, ये जो दोनों था ये तो खत्म हो गया इसी में अब बस हमें ये देखना है कि हम कैसे पता लगाए गाइस एक सेकंड में इसको जूम भी नहीं कर पा रहा हूँ चलो ठीक है अब हम कैसे पता लगाए कि लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है तो सबसे पहले तो मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है लेट आ, लेट भी क्या करना है एस टी आर को ही एस टी आर ए आर कर देता हूँ एस टी आर डॉट स्प्लिट ठीक है मैंने स्प्लिट कर दी अब इसको मैंने अगर स्प्लिट कर दी तो ये दिक्कत कैसा रहा होगा आपके मन में आ रहा होगा ना सवाल तो है ना तो मैंने कोड रनर की मदद से इसको रन की इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे चलता हूँ सो यू कैन सी कि मुझे एरे मिल गया ये अनडिफाइन आ रहा है बिकॉज मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ इस फंक्शन से एंड ये कंसोल डॉट लॉग है इसलिए तो अब मुझे ना क्या करना है यहाँ पे एक इस तरीके से रख देना द मोमेंट स्प्लिट मेथड के अंदर मैंने बेसिकली एक डबल कोट्स दे दी दब आप देखना क्या होता गा कुछ ऐसा हो गया अब इसको तो मैं कंपेयर जाके भी नहीं कर सकता राइट right? क्या कंपेयर करूँगा तो इंडिविजुअल्स है मुझे वर्ड्स मतलब जैसे ये एक मेरा एलिमेंट ये मेरा दूसरा एलिमेंट ये मेरा तीसरा एलिमेंट मुझे ये चाहिए तो आपको एक स्पेस देना है नाव वॉट यू आर इज कि ये जो स्ट्रिंग है ये जहां जहां आपको स्पेस दिख रहा है उसके बेस पे उसको स्प्लिट कर दो स्प्लिट मतलब अलग कर दो है ना अलग कर दो जैसे कुछ भी होगा इसको मैंने बीस से फाड़ा अब मैंने दो कर दिया इट्स ए स्प्लिट है ना बस उसी तरीके से यहाँ पे आप मैं स्पेस दे दी मैंने मतलब अब देखना क्या होता है तो अब नाव ये एक एक इंडिविजुअल एरे बन जाएंगे और आपको मतलब मजा आ जाएगा देखो सो नाव गाइस यू कैन क्लियरली सी एक सेकेंड आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमें चाहिए था मिल गया ठीक है अब मैं इंडिविजुअली इसको 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 इन सबको मैं कंपेयर कर सकता हूँ राइट सो so कैसे अब बस हमें कंपेरिजन फंक्शन चलाना है क्योंकि एरे मुझे मिल गया ठीक है अब कंपेरिजन फंक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है मैं यहाँ पर चलता हूँ इसमें इतना कुछ समझाने वाला है ही नहीं तो ये जो आपका होगा एस टी आर ए आर आर है ना एक काम करता हूँ क्या ये थोड़ा सा वेट सा लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों तो भी लेट्स को विथ वर्ड्स है ना वर्ड्स जो था डॉट आपको शॉर्ट मेथड यूज़ करना है सो so गैस इसको मैं कंट्रोल कंट्रोलाइज सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जाके इसको मैं रन करता हूँ ठीक है तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे ये देखो शॉर्टिंग हो चुका है बेसिकली आपको थोड़ा सा वेड़ लग रहा होगा कि ये किस तरीके का शॉर्ट हो रहा है बट हाँ गाइस ये शॉर्ट हो चुका है अगर आप ध्यान से देखोगे इनिशियली ये जो मेरे को स्टार्टिंग के तीन बेसिकली uh, एलिमेंट्स मिल रहे हैं कुछ ये वाले तो आप देखो इट्स ए टी टी एंड देन डब्ल्यू एंड देन अगेन वो सी जे ओ एंड देन वाई ये बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लास्ट के ये चार देखते यू you नो know? अगर हम लास्ट के ये चार देखें ये तो आप कहते हो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी सबसे पहले आता है देन जे आता है देन वी हैवे ओ एंड देन वी हैव अ वाई तो ये एकदम परफेक्ट है कभी भी आप शॉर्ट मेथड यूज करते हो तो जो भी वर्ड्स हो उसको आप भूल जाओ खाली उसका ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना बस आप उसको ध्यान में दीजिए अगर आप उसको ध्यान में देते हो तो आप देखिए ना सी जे ओ वाई परफेक्ट बट वहीं पे ही ऊपर मुझे टी टी डब्लू अगेन हाँ फिर से आप इसको भी भूल जाओ तो गाइस अगर आप देखते हो अगेन तो ये एकदम परफेक्ट है लाइक डब्लू के पहले टी आता है राइट सो दिस इज इट गाइस इसने हमें करके दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट बेस्ड ऑन एबीसीडी बल्कि बेस्ड ऑन यूनिकोड वैल्यूज अब ये यूनिकोड वैल्यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग में रखना है कि शॉर्ट जो भी बेसिकली uh, जब भी आप शॉर्ट मेथड यूज करते हो तो ये गाइस आपका जो यूनिकोड वैल्यूज है जो भी वर्ड उसका जो फर्स्ट लेटर उसके बेस पे ये सॉर्ट कर रहा है इन अ असेंडिंग ऑर्डर मैं अगर यहां पे दिखाता हूं तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे यूनिकोड वैल्यू रखा है फ्रॉम कैपिटल ए टू जेड एंड देन स्मॉल ए टू जेड एंड ये जो कैपिटल ए टू जेड होता है वो सबसे पहले आता है एंड देन जो आफ्टर स्मॉल uh, वाला जो ए टू जेड वो बाद में आता है तो फिलहाल इनका पता नहीं क्या है ये गूगल क्रोम का ऐसे दिखता नहीं है बट अगर मैं ऐसे करता तो तब आपको दिखाई दे रहा होगा देखो अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे तो सी दिस इज आवर टी राइट तो जो स्मॉल टी है वो तो 116 है बट जो कैपिटल uh, वाला जो टी है वो आप देखो तो 84 है इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैपिटल लेटर है अगर उसको मैं आपको दिखाऊं तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 65 एंड देन एंड होगा आपका जेड ये यहाँ पे आप देख सकते हो 90 तो जो कैपिटल uh, जेड है उसका यूनिकोड वैल्यू कितनी है नाइन्टी लेकिन वही जो हमारा स्मॉल ए है अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका एक कितना है गाइस यूनिकोड इट्स नाइनटी सेवन तो बाय डिफॉल्ट हमें ये पता चल रहा है कि जो कैपिटल ए टू जेड है उसकी यूनिकोड वैल्यू क्या है स्मॉल ए टू जेड के मुकाबले कम है तो नो मैटर व्हाट जब भी अगर आप शॉर्ट करने जाओगे तो जो कैपिटल लेटर है फर्स्ट वाला जो भी कैपिटल होगा वो सबसे पहले आएगा क्योंकि उनकी वैल्यू कम है एंड देन उसके बाद जो स्मॉल ए बी सी डी वो शॉर्ट होंगे सो so गाइस ये जो यूनिकोड के बेस पर आपका ये शॉर्ट हो रहा है दैट इज द रीजन वाई क्यों आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्यों आपको स्टार्टिंग के टी टी डब्ल्यू फिर सी आ गया आप सोच रहे हो ये क्या हो गया सी से पहले डब्ल्यू तो नहीं आना चाहिए था बट टी कैपिटल है एंड देन डब्ल्यू भी कैपिटल है तो जो ये कैपिटल थे वो सॉर्ट हो गए उसके बाद अब ए बी सी डी करके सी आएगा फिर जे आएगा फिर वो आएगा एंड देन फिर वाई आएगा तो परफेक्ट ये हमारा काम हो गया आप समझे ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑलरेडी मैं अपने वर्ल्ड बेड जावास्क्रिप्ट कोर्स में इसको भी मैं बहुत डेप्थ में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बट ये हमारा जावास्क्रिप्ट इन हंड्रेड डेज है तो मैं चाहता था फर्स्ट डे आपको पता चले कि क्या कुछ आपको सीखने मिलने वाला है इतना इन डेप्थ में ठीक है आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा सो नाउ वट वी नीड कि हमें ना उनको कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ दियर लेंथ है ना कि लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है तो हमें उनका लेंथ पता लगाना है लेकिन वो हम डायरेक्टली ऐसे तो पता नहीं लगा सकते है ना क्योंकि मैं यहाँ पे शॉट डॉट लेंथ नहीं लिख सकता सो नाउ वी नीड टू यूज द कंपैरिजन फंक्शन एंड बिल्व में कंपेरिजन फंक्शन बहुत ही ज्यादा ईजी है बिहाइंड द सीन तो आई I मीन mean, बहुत कुछ होता है उसमें तो मैं वर्ल्ड बेस्ट कोर्स में अपलोड कर चुका हूँ जरूर चेकआउट कीजिएगा यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है एक कॉल बैक फंक्शन बेसिकली फैट एर फंक्शन ए माइनस बी खत्म सिर्फ ये आपको ना कहीं चाहो तो आप रट्टा मान लो शॉर्ट फंक्शन के अंदर अगर आप एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हो विद टू पैरामीटर एंड उसको आप ए माइनस बी या बाइनस ए या इफ ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न वन इफ़ बी इज ग्रेटर माइनस वन ये दो तरीके है बस इतना ही है ये अगर आप समझ गए ना आपका मतलब दुनिया का जो भी चीज को आप सॉर्ट कर सकते हो इन असेंडिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर सिर्फ मैं इतना लिखता हूं अगर मैं इतना लिखता हूं इसको क्लीन करके अगर मैं रन करता हूं कंट्रोल एस सेव करने के बाद तब आप देखोगे सो so सोगैस कुछ ना कुछ तो हुआ है दिस टाइम अगर आप देखोगे तो नाउ डब्ल्यू सबसे पहले आया फिर टी फिर टी फिर जे सी ओ एन कहीं कहीं वाट थापा टेक्निकल जावास्क्रिप्ट कोर्स ऑन यू <laughs> <laughs> ये तो वही चीज़ है बट जो भी हो यहाँ पे हमें कुछ पता क्यों नहीं चल रहा पता है क्योंकि हमने ए माइनस भी कर दिया लेकिन हमें शॉर्ट आई मीन आप शॉर्ट कैसे करोगे इसमें क्योंकि ऑलरेडी हम तो शॉर्ट कर ही चुके थे वो अल्फा यूनिकोड के बेस पे सो so ना हमें क्या करना होगा जब हम इसको रन करते हैं ना तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा ना इस ये जो वर्ड दिख रहा है हमें इनका अगर लेंथ पता चल जाए तो बहुत ईजिली हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट तभी काम आता है ये सो so, हमें यहाँ पे नो मैटर वॉट लेंथ लगेगी बी डॉट लेंथ बस खत्म तो ए एंड देन बी जो है ना आपको इतना दिमाग में नहीं लगाना बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट ए है सेकेंड एलिमेंट बी है तो वन बाय वन उनका चेक होते जा रहा है और हम इस पर क्या करें डायरेक्टली लेंथ के साथ खेल रहे तो इधर असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में आपको आउटपुट आने वाला है ठीक है मैं चलता हूँ देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे देखो यही तो मुझे चाहिए था राइट right? आप देख सकते हो यहाँ पे ओ ऑन ब्लू तो अब यहां पे न, आप ये मत देखिए वो पहले आता है कि डब्ल्यू पहले आता है बिल्कुल नहीं अब आपको सिर्फ लेंथ देखना है इसमें दो जीरो आई मीन वन एंड देन बेसिकली दो कैरेक्टर है इसके अंदर पांच इसके अंदर पांच 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 में भी देखो किस तरीके से कोर्स यूट्यूब टेक्निकल एंड जाओ तो मुझे अब ये पता चला चाहे कुछ भी वजह जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड होने वाला है तो आप यहाँ पे कर सकते हो ना इस तरीके से और रिटर्न वर्ड्स uh, अब ये एरे है एरे का अगर लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे अब माइनस वन लिख नहीं सकते सो वी हैव एरे डॉट एट एंड देन माइनस वन याद है मैंने आपको अपने कोर्स में बताया था एक्मेस्टी ट्वेंटी टू में नाउ वी हैव दिस एट मेथड जिसके चलते आप बहुत ईजिली अगर आप करते हो तो इसको अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे तो अब आप देख सकते हो कि मुझे अनडिफाइंड आ रहा है एंड या आई गेस सॉरी आपको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है वो यहां पे मैं चलता हूं इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ इसको मैं रन करता हूँ फिर से इस तरीके से एंड बूम गैट सी वी हैव अवर स्क्रिप्ट ये कहीं कही ना कहीं अगर आपको ये थोड़ा सा वर्ल्ड आई मीन वेर्ड लग रहा है तब आप एक काम कीजिए ये जो ए माइनस बी एंड देन बी माइनस ए था ना इसका अपोजिट कर दो आप बी माइनस ए कर दो ताकि आप आपको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले तब आपको ना इसको हटाते एक बार के लिए तब देखना क्या होता है अब ठीक है इसका अपोजिट होगा अब पहले वो छोटे से बड़ा था अब बड़े से छोटा आपको मिला जाव ठीक है ये तो अब इजी हो गया आपके लिए कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट होगा तो अब आप क्या कर सकते हो वो जो रिटर्न अभी हमने किया उसके बदले आप इस तरीके से वर्ड्स एंड डायरेक्टली अब आप ये कर सकते हो ठीक है ये आई थिंक बहुतों को नहीं आइडिया होगा लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना बट फर्स्ट तो आप कर सकते हो है ना तो मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड बम गाइस सी ये देख लीजिए आप देख सकते हो वी हैव अ जावास्क्रिप्ट उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से ऑसम awesome, थापा टेक्निकल है ना तो ऑसम awesome थापा टेक्निकल आप लिख सकते हो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो नो मैटर व्हाट अब हम हमारा लॉजिक खत्म हो गया अब आप कुछ भी देखो जो सबसे पहला होगा वो ऑलवेज लॉन्गेस्ट वर्ड होने वाला है तो आप समझ रहे हो गैसे कितना ज्यादा ऑसम था राइट तो ये तो एक तरीका था करने का लेकिन गैस इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं अब मैं आपको एक और तरीका से दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ रिड्यूस मैथड सो so या yeah, ये था गाइस आज का हमारा फर्स्ट डे का प्रोग्राम एंड बाय द वे ये जो प्रोग्राम इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे तरीके हैं ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि स्ट्रिंग को मुझे एरे में कन्वर्ट करना पड़ा ताकि मैं कंपैरिजन फंक्शन यूज़ करूँ एंड एक बार मैंने उसको एरे में कन्वर्ट कर दी कंपैरिजन फंक्शन यूज कर दिया मैंने सोचा भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि आप में से बहुतों अभी भी हजम ही नहीं हो रहा होगा कि ये क्या हो गया यहाँ पे बट इसके लिए गाइस आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा है ना लाइक ये है ही ऐसे ये कंपेरिजन फंक्शन का सीन ही यही है ठीक है और राइट right. यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते थे ये जो पार्ट है इसको मैं हटाता हूँ इसको भी मैं हटाता हूँ ध्यान से देखना हम इसमें रिड्यूस मेथड यूज़ कर सकते थे क्योंकि एक बार वो एरे में कन्वर्ट हो गया हमें क्योंकि लॉन्गेस्ट इट मीन सिर्फ एक वर्ड निकालना एंड वेन एवर इट कम्स टू लाइक सिंगल वैल्यू जैसे कि सम ऑफ नंबर या एवरेज फाइंड आउट करना या कुछ भी हो तो हम रिड्यूस मेथड यूज करते हो राइट सो इसको मैं रिड्यूस की मदद से भी कर सकता था जिसमें रिड्यूस ऑब्वियसली सेम यही लॉजिक रहेगा वहाँ पे भी बट इट यहाँ पे आपका एक्यूमलेट तो जो जमा होगा आपका जो भी करेंट वर्ड कह दीजिए है ना यहाँ पे हम चलेंगे एक कॉमा देना पड़ेगा यहाँ पे बाय द वे इनिशियल वैल्यू हम इसको एम रख देते हैं हमें नहीं मालूम क्या इसकी इनिशियल वैल्यू थी है ना हम जस्ट क्या करेंगे ये जो मेरा करेंट वर्ड है ठीक है करेंट वर्ड डॉट उसकी जो लेंथ क्योंकि ये तो हमें चाहिए इफ इट इज़ ग्रेटर than हमारा ये जो एक्यूमलेटर डॉट लेंथ समझ रहे हो ना अगर ऐसा होता है तो ये जो मेरा करेंट वर्ड है उसको रिटर्न कर दो अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो accumulator है उसको रिटर्न कर दो एंड इनिशियल तो मैंने एम्प्टी दे रखी है यहाँ पे सिंपल लेट चेक इट आउट लेट चेक इट आउट है ना ये करके देखते हैं रिटर्न uh, तो मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे कुछ आई गेस इसी को रिटर्न करना पड़ेगा एक सेकेंड गाइस इसको हम रिटर्न भी लिख देते हैं क्योंकि फिर आएगा तो नहीं ना तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ या एक सेकेंड ये इसी का ही कोड है ना कंट्रोल एस सेव करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ इसको क्लीन करता हूँ कंट्रोल सेव फिर से रन या बूम गाइस सी देखिए दो तरीके से कर दिए तो अब आपको जो अच्छा लगे आप उस पर जा सकते हो बट आई रिकमेंड टू गो विद दिस पार्ट क्योंकि वेन एवर इट कम्स टू लाइक सिंगल वैल्यू ना तब हम मोस्टली रिड्यूस ही यूज़ करते हैं एंड ये करके तो मुझे पता चल गया कि मुझे लेंथ निकालना ही पड़ेगा आई I मीन mean, आप बताओ लाइक like, करने के बहुत तरीके अगर आपको इन दोनों तरीका के अलावा भी दूसरा तरीका मालूम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि जो भी दूसरे देखेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी है ना इससे मिलकर एक साथ हम काम कर सकते तो बिना किसी देर तरीका मिड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अश डेट जनरेट हैश अग फ्रॉम अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग द शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोस फंक्शन दिया गया है उसमें कुछ स्ट्रिंग्स भी दी गई है आपको उसको हैश टैग में कन्वर्ट करना है एंड वो हैशटैग में कन्वर्ट करने के लिए आपको किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो इन्होंने यहाँ पे बताई है सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है शुड बी कन्वर्टेड टू अ हैशटैग फॉर्मेट जहाँ पे हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा इट मस्ट बी कैपिटलाइज एंड कॉन्केटिनेटेड टूगेदर विदाउट अ स्पेस तो जितने भी स्ट्रिंग है उन सबको हमें कॉन्केट करना है एंड जितने भी इंडिविजुअल वर्ड्स है उसका जो फर्स्ट लेटर उसको हमें कैपिटल में करना है सो so आप देख सकते हो कि कुछ उसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए लाइक दिस इज द लाइक फंक्शन जिसमें मैंने क्या लिखा है माई नेम इज थापा टेक्निकल एंड आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे स्पेस है राइट एंड देन ये जो एक एक फर्स्ट फर्स्ट जो लेटर है वो सबकी स्मॉल है बट जब हम इसका एक्चुअल में आउटपुट निकालेंगे देन इट शुड लुक लाइक दिस माई एम कैपिटल है एन कैपिटल है आई टी टी कैपिटल है एंड इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है एंड देन हम एक हैश टैग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सो so यही है इसका आज हमारा मेन मकसद तो गाइस uh, यहाँ पे भी वही बताया है uh, एक सेकेंड एक और चीज़ है यहाँ पे एंड डैट इज़ कि दो कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड लीडिंग एंड देन ट्रोलिंग जो वाइट स्पेस है वो भी नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है देन गई रिटर्न फॉल्स कर दो मतलब निकलो अदरवाइज द फंक्शन शुड रिटर्न द जनरेटेड हैश टैग रिफिक्सड विथ हैश टैग ऑब्वियसली मैंने तो बताया था आपको प्रीफिक्स लगाना ही पड़ेगा बेसिकली स्टार्टिंग में हैशटैग आपको ऐड करना है सो नाउ गाइस अगेन इट्स योर ऑसम चांस टू चेक योर जस्ट नॉलेज सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो ये आप ही की भलाई के लिए मैं बोलो आप वीडियो को पॉज करो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कैसे मैं इनको कॉन्टैक्ट करूँ कैसे हैशटैग को प्रीफिक्स करूँ कैसे हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को मैं कैपिटल करूँ आप सोचिए इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए एंड uh, जब तक आपसे प्रैक्टिस नहीं होता गाइस कीप प्रैक्टिसिंग एंड अगर फिर भी नहीं होता तब आप वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा एल्स मैं रिकमेंड करना चाहूँगा प्लीज़ आप इस एक बार इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए इसमें स्ट्रिंग्स वाला जो टॉप चैप्टर्स है उस पर जाइए एंड चेकआउट कीजिए कि स्ट्रिंग को हम कॉन्केट कैसे कर सकते हैं एंड उसके साथ हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके वर्ड्स को ठीक है और राइट right, तो हम यहाँ पे चलते हैं तो सबसे पहले तो मुझे ये जो फंक्शन है उसको डिफाइन करना है राइट सो इट्स अ कॉन्स्ट जनरेटेड नहीं generated का, has, है ये जनरेटेड कहाँ है ठीक है सो हमें ऑलरेडी एक स्ट्रिंग दी गई है ठीक है वी हैव वन स्ट्रिंग ये आपके पैरामीटर हो गया जिसमें 280 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सो so, स्ट्रिंग की जो लेंथ है एल ई एन जी टी एच ये इफ इट इज ग्रेटर देन 280 और अगर ये जो स्ट्रिंग है इसको अगर हमने ट्रिम कर दिया इसका वाइट स्पेस निकाल के एंड उसकी जो लेंथ है एक सेकेंड या ट्रिपल इक्वल टू अगर जीरो होती मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया देन वी नीड टू रिटर्न वॉल वी नीड टू रिटर्न फॉल्ट सिंपल इसमें तो कुछ ऐसा हाईफाई था नहीं ये 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 प्रोग्राम भी कोई इतना हाईफाई नहीं है बट हाँ फिर भी आ, अच्छा है बेसिक वालों के लिए बेस्ट है जिसमें अब आप आपको ये सोचना है कि चलो वो बेसिकली लेंथ दो सस्ती से बड़ा ना हो और हम ट्रिम करके निकाल दिए तो हो गया था लेकिन अब मैं इनको कैसे कॉन्केट करूं है ना एंड ये फर्स्ट लेटर को मैं कैसे आप कह सकते हो कि लाइक like कैपिटल में कर दूँ एंड द थिंग इज कि अगर ये प्लेन स्ट्रिंग में रहेगा तो क्या इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट लेकिन हाँ किसी तरीके से अगर इसको मैं फिर से जो हमने डे वन में किया था अगर इसको मैं एरे में कन्वर्ट कर दूँ तो शायद कुछ हो सकता है क्योंकि अगर मैंने द मोमेंट एरे में इसको कन्वर्ट कर दी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जिसकी मदद मतलब से इसका मैं फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर सकता हूँ एंड एट द एंड में उस एर को मैं वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा एट द एंड तो मुझे रिजल्ट ये चाहिए ना ये थोड़ी बोला है कि इसी को ही भाई स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के थ्रू ही करो ऐसा तो कुछ है नहीं राइट right? यही तो क्रिएटिविटी है ना कि आपको हट के सोचना है जबकि हम बेसिक करें बट फिर भी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सो वी हैव एस टी आर विल बी कॉन टू लाइक एस टी आर डॉट स्प्लिट एंड ऑलरेडी uh, बता चुका हूँ कि आपको एक स्पेस देना है जिससे आपका ये जो स्प्लिट है वो बराबर हो जाए अब अगर इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे मैं हटाता हूँ चलाता तो अब आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है ना अब ये अलग अलग हो गया अब तो बहुत ज़्यादा इजी है कि मैं हर एक एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर उसको मैं बहुत ईजीली क्या कर सकता हूँ कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि वी हैव वन मेथड टू अपर केस है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे एस टी आर ऑफ लेट से माई नेम नेम क्या है सेकेंड पोजिशन पे बट uh, उसका जो इंडेक्स नंबर इट विल बी वन है ना तो एस टी आर ऑफ वन डॉट टू अपर केस एंड आई नो पी ट्रिपल हो गया यहाँ पे कंडोल एस सेव इसको मैं रन करता हूँ इसको मैं हटाता हूँ इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर से या yeah, सी आप देख सकते एक सेकेंड या yeah. आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि पूरा का पूरा नेम कैपिटल हो गया बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था खाली जो फर्स्ट लेटर है जो सिर्फ अपना फर्स्ट लेटर है सिर्फ मुझे उसको कैपिटल करना था लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको पता चल गया कि मैं अब इंडिविजुअली टारगेट कर सकता हूँ एंड जो भी टेक्स्ट उसको मैं कैपिटल कर सकता हूँ इतना तो आपको पता चल गया है ना तो अब बस हमें ये दिमाग लगाना है कि ये अगर मैं इंडिविजुअल करूँगा तो कैसे का काम आएगा नहीं है ना लाइक एस टी है ना फिर एस टी तो वो तो काम आएगा नहीं हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं राइट right, कि एक साथ में सबको कर सकूं एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक एक साथ वाली बातें एक साथ सबको लेके चलना है देन हमें लूप चलाना पड़ेगा अब एरे को अगर हमें लूप चलाना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे पास फॉर ऑफ लूप है फॉर इच लूप है मैप मेथड है फिल्टर है बट हाँ हम ईच या फॉर uh, बेसिकली मैप के साथ जा सकते लेकिन अगर ईच हम यूज़ करते तो हम उसमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते बट यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है जरूरी है क्योंकि एरे को मुझे बाद में जाके स्ट्रिंग में भी तो कन्वर्ट करना है तो बचा हमारे पास मैप मेथड ठीक है तो इसको मैं हटाता तो इसको डिलीट कर देता हूँ ठीक है so सो ये तो एक मेरा स्ट्रिंग बन चुका है ना एस टी आर विल बी एस टी आर डॉट मैप मेथड हेयर वी हैव अ करेंट एलिमेंट ठीक है ये आपका फैट एरो फंक्शन होगा यहाँ पे इस तरीके से चलो ठीक है अब ध्यान से देखना मुझे एक वर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेटर को कन्वर्ट करना है इनटू अपर केस सो अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैं अगर करंट एलिमेंट कर दू एक सेकेंड या दिस इज इट है ना तो ध्यान से देखना क्या होता है इसको क्लीन करता कंट्रोल से तो ये देखो मुझे इंडिविजुअली माई नेम इस थापा टेक्निकल इस तरीके से आ रहा है अब ध्यान से देखना अब गए इस मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका भी मैं जीरो कर रहा हूँ ठीक <laughs> है मैंने क्या कर दी इंडेक्स ऑफ जीरो लेट्स इसको मैं क्लीन uh, करता हूँ एंड देन रन करता हूँ एंड बूम गाइज सी ये देखिए जरा माई नेम इज थापा टेक्निकल अब आप हैरान हो गए होंगे अरे ये तो स्ट्रिंग था ये कैसे हो गया तो गाइस हम स्ट्रिंग को भी इंडेक्स नंबर की मदद से इस तरीके से उसको हम जो uh, उसके जितने भी लेटर्स है उसको हम कॉल कर सकते हैं राइट एंड डैट्स वाई आपका इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट यू लाइक एयर इज एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज हम इस तरीके से इंडेक्सेस यूज कर सकते हैं हम उसमें फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं समझ रहे मेरा काम हो गया दिस इज इट बस मैं क्या करूंगा इसकी मुझे बिल्कुल भी नीट नहीं अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ ठीक है इसको मैं हटा रहा आपको पता चल गया ना कि मैं फर्स्ट लेटर को कैसे गेट कर पा रहा हूँ देखना मेरा जो करेंट एलिमेंट है वो पूरा एक वर्ड है डॉट मुझे रिप्लेस करना है ठीक है रिप्लेस के अंदर हमें किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है मुझे मेरा करंट एलिमेंट में जो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे है उसको मुझे रिप्लेस करना है मेरे करंट एलिमेंट में जो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे है लेकिन टू अपर केस वाले केस से आई I मीन mean इस तरीके से समझ रहे हो या दिस इज इजिट मेरा काम हो गया अब अगर मैं ये कर दूंगा ना तो मैंने क्या किया हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कन्वर्ट कर आई मीन रिप्लेस करो विद देयर कैपिटल वाले से बट द थिंग इज अब अगर मैं रन करता हूँ क्लीन करके इसको रन सो ये देखो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे क्यों क्योंकि मुझे ना ये जो एस टी आर इसको रिटर्न करना पड़ेगा इस तरीके से है ना एंड रिटर्न करने से uh, बात नहीं बनेगी पहले मैं कंसोल डॉट लॉग एस टी आर करके दिखाता हूँ आपको इसको फिलहाल अभी हटा दो ठीक है लेट्स सी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ क्लीन यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज़ इट सी मेरा काम हो गया भाई ये देख लो आप माई नेम इज थापा टेक्निकल हो गया हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो चुका है यहाँ पे बा एंड हम मैप मेथड यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये हो गया ठीक है इसको करने के और भी तरीके थे बट ये मेरा काम हो गया ना वॉट आई नीड टू डू कि मुझे अब इनको कॉन्केट करना है एक साथ ठीक है तो मैं कैसे कर सकता देखो इस सिंपल है हाँ आप कभी भी आप स्क्रिप्ट सीखोगे एस टी आर डॉट स्प्लिट उसको वापस लाइक इस एरे टू स्ट्रिंग का ना हो तो एस टी आर डॉट ज्वाइन यही है यही दो है इसी में दुनिया चल रही है सो so, मैं ये क्या करता हूँ एस टी आर डॉट मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ ज्वाइन है ना अब इसको मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ मैं जानबूझ के एक एक कंसोल करके आपको दिखाता हूँ ताकि ये देखो माई था आई मीन माई थावा बोल रहा हूँ फिर माई नेम इस थापा टेक्निकल हो गया बट यहाँ पे अभी भी कॉमा है तो अब मुझे वो कॉमा नहीं चाहिए गाइस एंड बाई डिफॉल्ट हमें कॉमा मिलता है लेकिन मैं क्या बोलूँगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैंने एक एम टी स्ट्रिंग दे दी इट मीन्स मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब अगर इसको मैं रन करूँगा इसको क्लीन करके वंस अगेन रन ये देखो मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया जो मुझे चाहिए था वो कॉन्क्रेट भी हो गई है हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल हो गया नाउ आई नीड टू फ्री एट डैट हैश टैग एकदम स्टार्टिंग में है ना तो वो अब मैं क्या करूँगा मैं मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकता हूँ इट्स लाइक कि इसको मैं अगर बैगटिक यूज कर दूँ है न बैगटिक यहाँ पे डॉलर अली ब्रेसेस एंड यहाँ पे खाली मुझे हैश टैग तो ऐड करना है हो गया मेरा काम तो अब यही जो है इसको मुझे अब रिटर्न करना है अब तो अब दो दो आउटपुट आएगा मुझे इसको क्लीन कर देता हूँ तो अब आप देख लीजिए मेरा काम एक सेकेंड सो गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखो दो दो और आ रहा है क्योंकि एक तो कंसोल कर रहा हूँ तो आपको टेंशन नहीं लेना बट ये वाला जो है ये तो मेरा यही यही तो मुझे चाहिए था ना माय नेम इज था टेक्निकल एंड आगे हैश टैग दिस इज इट सो या गाइस ये था आपका गाइस हैश टैग जनरेटर लेकिन इसको करने के एक और तरीके ये था कि ये जो आपका करंट एलिमेंट है इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर ये जो करंट एलिमेंट है इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे याद है कि करंट एलिमेंट डॉट एट सॉरी कैरेक्टर एट ये हमारे पास एक मेथड है जिसमें जो भी जीरो इंडेक्स पोजिशन पर होगा उसको गाइस मुझे आ, टू अपर केस करना होगा ठीक है अगर सिर्फ आप इतना करते थे ठीक है एंड अगर इसको मैं रन करता हूँ इसको मैं हटा रहा हूँ तो अब आप देखो मुझे क्या आ रहा है मुझे सिर्फ हैश टैग एम एन आई टी टी तो मतलब हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया नहीं हैश टैग ऐड हो गया लेकिन भाई बाकी के वर्ड्स कहाँ गए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गाइस आपको एक्ट करना पड़ेगा एंड अब आप एक बताओ कि मुझे स्ट्रिंग में या बेसिकली एरे में है ना फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी रिमेनिंग सेक sec, जो सेकेंड लेटर से पूरा मेरे को आ, जो भी मेरे वर्ड्स कैरेक्टर है सब चाहिए हम क्या कर सकते हैं सोचो यही तो है ना लाइक like, तभी आपका लॉजिक बिल्ड होगा कि हम ऑलरेडी ये कैरेक्टर एट हमने पढ़ा है अपर केस हमने पढ़ा है, है रिप्लेस भी हमने पढ़ा ही था स्प्लिट भी हमने पढ़ा था मैप भी हमने पढ़ा था ज्वाइन भी हमने पढ़ा था ये टैम्पलेट लेटर भी हमने पढ़ा था अभी भी अगर आपको डाउट आता है इतना पढ़ने के बाद भी मैं फिर से चाहूँगा आप इस वीडियो को एक बार बस देखिए और आपको सिर्फ देख के जो भी मैंने पढ़ा है उसको बस समझना है उसके पीछे का लॉजिक अच्छा है इससे ये होता है अभी मैंने आपसे क्या बोला अब आपको लॉजिक ये लगाना है कि जैसे मेरा ये नेम है ठीक है इससे क्या हो गया वो एन कैपिटल हो गया और ये जो ए एम ई है वो मुझे नहीं मिला तो मुझे अब ए एम ई चाहिए खाली वो मैं कैसे ला सकता हूँ आपको याद है कि इस स्ट्रिंग में वी हैव समथिंग कॉल्ड स्लाइस या स्प्लाइस इन दोनों के बीच में भी अब आप आपको समझना पड़ेगा स्लाइस मीन्स टू गेट टुगेदर स्लाइस मीन्स आप काट रहे हो हमें यहाँ पे क्या करना है हमें काटना है तो इट्स अ स्लाइस है ना अब मैं डायरेक्टली स्लाइस तो लिख नहीं सकता करेंट एलिमेंट डॉट स्लाइस और मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे स्लाइस दे दो आफ्टर वन वन मतलब उसका बेसिकली इंडेक्स नंबर जीरो एंड देन वन वन से लेके बाकी सब मुझे दे दो मैं पूरा खा लूँगा तो मैंने बीच में कॉन्क्रेट कर दी है अगर ये मैं करता हूँ या दिस इज़ इट सी हो गया मैंने दो तरीके से आपको करके दिखाया आप इसको कैसे कर सकते हो मैं हर एक वीडियो में दो नहीं करूंगा बट जब जब मुझे लगेगा दो तो मैं बता दूंगा तो भैया मेरा काम हो गया सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो को लेते होप आपको वीडियो पसंद आएगा ये दोनों तरीके के अलावा अगर आपने थर्ड तरीके से की थी सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो प्लीज आप वो भी कमेंट कर दीजिए तो मैं गाइस उसके ऊपर भी जरूर वीडियो अपलोड करूंगा ठीक है अब हमें क्या करना है लाइक वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन जिसका नाम है काउंट uh, कैरेक्टर जो कि दो पैरामीटर ले रहा है एक स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर टू काउंट द फंक्शन शुड रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स द स्पेसिफाइड कैरेक्टर अपीयर्स इन द स्ट्रिंग लेट्स से वी हैव दिस अपी है ना वी हैव दिस वर्ड मिसिसिपी अब इस मिसिसिपी वर्ड में ये जो कैरेक्टर है आई वो कितने बार रिपीट हो रहा है या कितने बार आ रहा है या आ रही है जो भी है उसका काउंट हमें चाहिए जैसे ये आई है सो वी कैन सी लाइक हेयर इज वन टू थ्री एंड देन फोर सो आवर आउटपुट विल बी लाइक फोर यहाँ पे आप फोर देख सकते हो सो so ये जो है गाइस आपको एक फंक्शन ऐसा लिखना है जिसमें हमें दो आर्गूमेंट पास करेंगे एक तो होगा अपना एक्चुअल वर्ड दूसरा होगा सिर्फ कैरेक्टर अब हमें ये चेक करना है कि वो जो भी कैरेक्टर हम पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्ड में वो कितनी बार रिपीट हो रहा है तो उसका जो टोटल काउंट है उसको हमें यहां पे एज एन आउटपुट रिटर्न करना है इट ठीक है सो गाइस यहां पे इन्होंने कुछ टू डू कॉन्स्टेंट बट बताया दैट इज कि केस सेंसिटिव होना जरूरी है द फंक्शन शुड हैंडल बोथ द लोअर केस एंड देन अपर केस कैरेक्टर एंड ठीक है ये तो आज के कैरेक्टर प्रिंट आप पढ़ लीजिए इसको बेसिकली जो भी है है ना या दिस इज इट सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले वीडियो को आप कीजिए पॉज तभी आपकी लॉजिक इससे बिल्ड होने वाली है आप सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ कैसे मैं इसको पता लगा सकता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है इस वर्ड में कितनी बार रिपीट हो रहा है गाइस आप थोड़ा सा अपना जो दिमाग के खर्च कीजिए इस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है ऑल राइट तो आ, मैं आशा करता हूँ गाइस आपने वीडियो पॉज की एंड आप लाइक like, आप ट्राई कर चुके अगर नहीं होता इट डजेंट मैटर बट एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ तो किया ना जिससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा हिंट आया होगा ठीक है तो आप चेकआउट कर लीजिए अब मैं जो करता हूँ है ना अगेन इसके करने के बहुत सारे तरीके होंगे लेकिन मैं कोई एक तरीका कर रहा हूँ तो इट्स अ कांस्ट कांट कैरेक्टर ठीक है एंड मैं यहाँ पे चल देता हूँ एस टी आर ठीक है चलेगा स्ट्रिंग या वर्ड्स लिख सकते थे यहाँ पे वर्ड्स लिख देते क्योंकि एक ही वर्ड है ना ऑल राइट ठीक है अब सबसे पहले ओ सॉरी एक और चीज़ करना पड़ेगा वर्ड एंड देन कैरेक्टर क्योंकि दो दो है अब हमें एक चीज करना है डैट इज ये जो वर्ड है हमें वो लोअर केस या अपर केस को हमें हैंडल करना है राइट right? तो हम एक काम करते हैं सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं टू लोअर केस ठीक है एंड वी हैव अ कैरेक्टर विल बी कैट डॉट टू लोअर केस परफेक्ट ठीक है तो मेरा पहला काम तो हो गया लाइक दोनों को हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है ठीक है एटलीस्ट इतना हो गया अब हमें क्या देखना है कि इस वर्ड में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है एंड आउटपुट जो है वो एक सिंगल वैल्यू है बेसिकली सिंगल वैल्यू है एंड मैंने कितनी बार कहा है या अगर आपने मेरा जास्क्रिप्ट का कोर्स देखा होगा या इवन इससे पहले जो दो वीडियोज थे उसमें से भी जो डे वन का हमारा वीडियो था मैंने क्लियर एक चीज़ आपसे कहा है वेन एवर इट कम्स टू सिंगल डिजिट या सिंगल वैल्यू चाहे जैसा भी वैल्यू स्ट्रिंग हो जो भी हो आपका नंबर हो जब भी सिंगल वैल्यू की बात आती है ना लेट्स से सम ऑफ अ नंबर एवरेज नंबर है ना एंड इवन यहाँ पर भी वो काउंट आ रहा है सिंगल जो भी आएगा तो ऑलवेज वहाँ पे आप रिड्यूस मेथड यूज़ कर सकते हो जो कि बेस्ट है करने के बहुत तरीके लेकिन रिड्यूस मेथड का काम ही है कि एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना लेकिन ये तो एक स्ट्रिंग है अब मैं स्ट्रिंग में रिड्यूस मेथड तो यूज़ नहीं कर सकता वांस अगेन अब मुझे स्ट्रिंग को एरे में पहले कन्वर्ट करना होगा उसमें मैं रिड्यूस मेथड यूज़ करूँगा उसमें मैं ये चेकआउट करूँगा कि मेरा जो करेंट कैरेक्टर है क्या वो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से मैच कर रहा है या नहीं एंड अगर वो मैच करता है तो मेरा जो एक्यूमलेटर है उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा एंड उसका जो टोटल काउंट आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा तो वो बेसिकली मुझे मिल गया फिर समझ रहे एंड बाय द वे गाइस ये मैं एक दो बार एक दो बार तो क्या बोलना मैं एक बार प्रैक्टिस कर चुका था बट जो भी मैंने आपको बताया कि आपको इस तरीके से सोचना होगा लेट्स डू वन थिंग टोटल काउंट विल बी देखना कैसे सबसे पहले तो ये जो भी आपका वर्ड है राइट right? उसको आप स्प्लिट कर दीजिए एंड गाइस आप मुझे बताओ अगर आप स्पेस दोगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा क्योंकि वर्ड तो एक ही है स्पेस देने की नीड नहीं है बिल्कुल हम स्पेस नहीं देंगे अब इससे क्या होगा एम अलग आई अलग एस अलग एक सेकेंड दिखाई देता हूँ इसको हटाओ यहाँ पे चलो तो आप देख सकते हो एम आई अब तो कितना इजी हो गया ना गाइस कितना इजी हो गया सब अलग अलग है खाली मुझे चेक करना है क्या ये जो पर्टिकुलर करंट मतलब अगर आप मैप भी चलाते हो जो भी तो ये है या नहीं लाइक like, इससे समझ रहे हो लाइक like, बहुत ईजी अब कंपेयर करना है इनको सो so, मैं ना चेनिंग मेथड यूज़ करो रहा हूँ जहाँ पर डायरेक्टली यहीं पर ही रिड्यूस मेथड यूज़ करूंगा एक सेकेंड रिड्यूस uh, है ना सो so, uh, एक इनिशियल वैल्यू जीरो दे देता हूँ फ़िलहाल इसको uh, यहाँ पे गाइस वी हैव एक्यूमिलेट जिसमें जो भी जमा होता है एंड देन वी हैव एक्चुअल करंट कैरेक्टर है ना करेंट का कैरेक्टर ऑल राइट सो वॉट वी कैन डू इज़ यहाँ पे हम चल देते हैं जहाँ पे इफ अगर मेरा ये जो करेंट कैरेक्टर है इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू ये जो भी कैरेक्टर है जो भी हमने पास की है उसके बराबर ये अगर होता है देन वाट वी कैन डू इज एक्यूमलेटर को हम प्लस प्लस कर देंगे एक्यूमलेटर को हम क्या करें इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड एट दी एंड में जो भी उसका टोटल आई मीन बना हमने उसको रिटर्न कर दी एंड या yeah, हो गया लाइक like इतना ही करना था इसमें गाइस फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इसको हटाता हूँ एंड चार आएगा आउटपुट मेरा चार आ भी गया अब जस्ट मुझे अनडिफाइंड आता है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं की है तो इसकी मुझे नीड नहीं है बट आई कैन डू इज रिटर्न यार लगे तो आप डायरेक्टली उसको ही रिटर्न कर सकते थे बट इट्स फाइन रिटर्न टोटल काउंट या एंड बोम गए मेरा काम हो गया ये अपना काम यहाँ पे हो चुका है एंड इट्स अ हो जो मुझे चाहिए था मेरे को ये टोटल वैल्यू आ गई है या दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के इतना ही मेरे पास कोई दूसरा नहीं है मतलब हम इसको कर सकते थे और भी बहुत सारे तरीके से लेकिन मैंने जानबूझ के रिड्यूस ऑन द स्पॉट यूज की क्योंकि सिंगल वैल्यू है एंड वेन एवर इट्स कम वेन एवर इट कम्स टू यर सिंगल वैल्यू देन इट्स बेटर टू गो विथ रिड्यूस है ना जिसमें लाइक बहुत हीजी एक्यूमलेटर में आपका चीज़ें जमा हो रही होती है एंड करेंट कैरेक्टर तो वन बाय वन आपको मिल ही रहा है लाइक like, पहले में एम आएगा फिर में आई आएगा फिर एस आएगा फिर एस आएगा जस्ट कंपेयर कर रहे हैं जितनी बार वो मैच हो गया उतनी बार हम एकुमलेटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड फाइनल में हमने उसको रिटर्न कर दी राइट एंड बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हमने जरूर दे रखी थी एंड अगर आपको रिड्यूस मेथड का नहीं आइडिया तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैप फिल्टर एंड रिड्यूस ये तीन ऐसे एक मेथड है या फंक्शन भी आप कह लीजिए जो इंटरव्यू वाले पूछते ही पूछते एंड ये आना ही चाहिए नो मैटर वॉट आप बिगिनर कह लो एडवांस कह लो इंटरमीडिएट कह लो अपने आपको ये तीन आपको आना ही चाहिए तो अब रिड्यूस का काम आ गया ना यहाँ पे राइट इफ इफ और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो नॉर्मली था है ना सो या गाइस दिस इज आज इस वीडियो और लेट मी द कमेंट सेक्शन आपको आई मीन I mean, आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मैंने जो ये तरीका यूज किया अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरा तरीका यूज किया है तो प्लीज वो जो आउटपुट है ना आपका आंसर कमेंट कर दीजिएगा इससे बाकी की भी हेल्प हो जाएगी अच्छा इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं है ना मतलब अच्छा लगेगा यार है ना एंड आई गेस अभी तक का सबसे सिंपलेस्ट एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन ही होने जा रहा है ठीक है आपको मजा आ जाएगा देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बाय द वे मैंने ये इसलिए रखा ताकि आपका जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए क्योंकि हम सब भूल चुके हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल है वी हैव दिस ट्राइंगल इस तरीके से है ना ये जो ट्राएंगल का अगर तीनों ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल देन हम उसे क्या बोलते हैं अगर कोई भी ट्राइंगल है उसका अगर कोई दो साइड्स इक्वल है या उसके दो एंगल इक्वल है देन हम उनको क्या बोलते हैं या कोई एक ऐसा ट्राइंगल है ना जिसका बेसिकली को, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है देन उसको हम क्या बोलते हैं आप आई नो गाइस 90 परसेंट आप सब भूल चुके होंगे लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन गाइस आपको याद था या नहीं अगर आपको याद था देन यस लिखिए अगर आपको याद नहीं था तो नो no लिख दीजिए बस इतना यस नो यस नो कर दीजिए ये आपकी मर्जी जो आपको लिखना तो आप देख सकते हो अगर कोई भी ट्राइंगल के ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देन रिटर्न इक्विलेटरल क्या बोलते हैं हम उसको इक्विलेटरल तो एक जनरल नॉलेज है आज का ये वीडियो है ना तो ताकि अच्छा इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया कि अगर कोई भी ट्राइंगल के दो साइड से इक्वल है हम उसको क्या बोलते हैं ओ माई गॉड ये तो हमने सोचा ही नहीं था बट मैं आज बता रहा हूँ आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैं ठीक है तो अगर तीनों उसका जो लेंथ इक्वल है या तीनों एंगल इक्वल है लाइक 60 60 60 डिग्री देन वो आपका इक्विलेटरल हो गया अगर कोई भी ट्रायंगल में इफ टू साइड्स आर इक्वल ओनली टू साइड्स तीन होते तीन में से अगर कोई भी दो साइड्स आर आप इक्वल लेंथ देन रिटर्न आई सो ये स्पेलिंग जो है प्रोनाउंस करना भी थोड़ा सा पता नहीं अब वो लाइक ये वर्ड यूज ना कर करके थोड़ा मुश्किल हो गया बट इट्स आई सो सिलेस और आप कमेंट करके बताना कि आप इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हो या नहीं एंड देन थर्ड वन इट्स लाइक इफ ऑल द थ्री साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ तीनों की तीनों टोटली डिफरेंट लेंथ है डिफरेंट एंगल है कोई 60 कोई 40 कोई 90 तीनों अलग हो गया ना देन उसको हम क्या बोलते हैं स्केलिन स्केलिन आई गेस लास्ट का ई इसमें साइलेंट है सो इट्स अ स्केलिन स्केलीना स्केलिन जो भी हो बट आई होप आपको पता चल गया सो आज हमें बस यही फिगर आउट करना है क्या देखो ना थ्री 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 मतलब तीनों इक्वल है थ्री फोर थ्री मतलब कोई दो इक्वल है फाइव एट सिक्स मतलब एक भी इक्वल नहीं है तो हमें इसको आज टैकल करना है एंड मैंने कहा था ये अभी तक का सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है जिसमें कुछ इतना है ही नहीं इट जस्ट अब आपको ये देखना है कि कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो एंड बाय द वे यहाँ पे टोटल तीन आर्गूमेंट हमने पास की है तो मैंने तीन पैरामीटर ले लेता हूँ सो इफ अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो कैसे इफ़ ए इट्स ट्रिपल इक्वल टू बी एंड एंड मतलब बी ट्रिपल इक्वल टू सी इट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कंडीशन है ये ट्रू होना चाहिए एंड ये वाला जो कंडीशन है ये भी ट्रू होना चाहिए अब मैं यहाँ पे ए ट्रिपल इक्वल टू सी क्यों नहीं लिख रहा क्योंकि अगर ए और बी दोनों बराबर है एंड अगर ये जो बी है वो सी के बराबर है तो इसका बाई डिफॉल्ट तो मतलब यही हुआ ना कि ए जो है वो सी के भी तो बराबर हुआ तो क्यूँ लिखना फालतू का वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन सो ये भी अगर ट्रू होता है ए अगर बी के ट्रू होता है एंड देन बी अगर सी के ट्रू होता है तो अगर दोनों कंडीशन इज ट्रू एंड देन ट्रू देन वी विल डू वी विल रिटर्न ट्रू रिटर्न ट्रू आई मीन रिटर्न ट्रू नहीं सॉरी इट्स अ इक्विलेटरल है ना तो इट्स अ इक्विलेटरल ठीक है अब ये जो पार्ट है हम डायरेक्टली इसको एज इट इज लिख सकते हैं परफेक्ट नाउ यहां पे एक और कंडीशन अब अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल होता है तो अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं कैसे देखो इफ ए इज ट्रिपल इक्वल टू बी एंड और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा हम ऑलरेडी हमारा ये जो जास्क्रिप्ट के कोर्स है इसमें मैंने आपको बताया है जब आप इसमें हम कंपेरिजन ऑपरेटर एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर जब पढ़ रहे थे तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा इफ ए इज ट्रिपल इक्वल टू बी बी इज ट्रिपल इक्वल टू सी एंड यहां पे मुझे अब कंडीशन लगाना पड़ेगा इफ ए इज ट्रिपल इक्वल टू सी वाला फाइनली अगर ये हुआ ठीक है देन वॉट वी विल डू वी विल रिटर्न ये आईसोसीस अब आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट यहां पे आ सकता है <laughs> समझ रहे हो यहां पे अब आपका डाउट थोड़ा सा आ सकता है अरे भाई ये क्या हो गया इतना सारा कंडीशन है यहां पे तो हमने क्या बोला कि कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो आपका आईसो कहलाता है यहां पे हमने कंडीशन तीन तीन लिख दिए एंड जब भी आप और ऑपरेटर यूज करते हो ना और ऑपरेटर का क्या फंड है जब तक तीनों के तीनों या दोनों के दोनों या बेसिकली जितने भी कंडीशंस है सबके सब अगर फॉल्स नहीं होते हैं तो फॉल्स वैल्यू नहीं आता है अगर चार फॉल्स uh, है लेकिन कोई एक ट्रू हो गया तो भी वो ट्रू आ जाएगा वहां पे समझ रहे यहां पे लेट्स से ये वाला जो ए जो है बी के बराबर नहीं है ये जो बी है वो सी के बराबर नहीं है लेकिन ए और सी वो तो है बराबर तो ये ट्रू हो गया खत्म दो, दोनों के दोनों फॉल्स हो गए ये भी फॉल्स हो गया बट एक ट्रू हुआ तो मतलब ये आपका ट्रू हो गया क्योंकि ए और सी ये एक साइड ये दूसरा साइड दो साइड जैसे भी करके ट्रू हुआ ना या दिस इज इट एंड लास्ट में तो आपको डायरेक्टली रिटर्न स्केल इन कर देना स्केल इन या दिस इज इट इस तरीके से सिंपल ख़त्म और कुछ नहीं करना था अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको हटाता हूँ एंड देन रन करता हूँ बोम गाइस इक्विलेट्रल आइसोसिलेस एंड स्केलिन एक काम करता हूँ इसको भी मैं अब फाइव uh, कर देता हूँ ठीक है फर्स्ट वाले को भी मैंने फाइव कर दी तो नाउ इट्स विल बी लाइक आइसोसिलेस आइसोसिलेस एंड देन स्केलिन अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ फिर से रन करता हूँ एंड बोंग सी देखिए हो गया जो मुझे चाहिए था तो हमने हमारी लॉजिक लिख दी आज का बहुत ही ज़्यादा सिंपल था लेकिन यूजफुल था हमारे लिए क्योंकि हमारा जनरल नॉलेज बड़ा अच्छा क्योंकि हम ऑब्बियसली गए इसमें तो भूल गया था मुझे इक्विलेटरल याद था बट ये जो अगर दो साइड से इक्वल होती है या एक भी साइड इक्वल नहीं होती तो क्या बोलते मैं तो कस्म बोलो मैं भूल गया था मैंने बचपन में पढ़ी थी एंड मैंने एक बार पढ़ा तो याद हो गया एंड अगर आप भी बोले तो कोई बुरी बात नहीं भाई नॉर्मल है ह्यूमन कौन वो बचपन थर्ड फोर्थ में पढ़ा हुआ याद रहेगा अभी आई I मीन mean, <laughs> वो याद है लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स थोड़ी याद रहेंगे समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं बट एटलीस्ट हमें पता तो चला अब कोई अगर फोर्थ क्लास का बच्चा हमसे पूछे बताओ भैया दो साइड इक्वल हो तो क्या बोलेंगे हम बोल सकते भाई एस 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 हमें नहीं मालूम क्या इतना भी समझ रहे हो वी हैव एन एरे एरे के आई I मीन mean, आप देख बेसिकली हैव अ फंक्शन जिसके अंदर मैंने हमारा जो एक एक ही आर्गूमेंट है वो भी आपका एरे है जिसके अंदर हुआ है टोटल फोर एलिमेंट्स अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि आई मीन फाइंड आउट नहीं करना हमें इनको सॉर्ट करना है इन अ एसेंडिंग ऑर्डर तो ये वाला क्वेश्चन ही सबसे पहले हम इसको टैकल करेंगे सिंपल एंड यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि लाइक द फंक्शन शुड टेक एन एरे ऑफ नंबर एज इनपुट ऑब्वियसली वो तो दे ही रहे राइट एंड इसकी कोई नीड नियम इट शुड रिटर्न अ न्यू एरे सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर इसको न्यू एरे रिटर्न करना है वे द नंबर ऑर्डर देन द ओरिजिनल एरे शुड रिमेन अनचेंज्ड ओके ओरिजिनल एरे को बिना चेंज करे मतलब फॉरिच यूज नहीं कर सकते आप या तो मैप मैथड या कुछ तो भी देखना पड़ेगा एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज द बिल्ट इन शॉर्ट मैथड ओके सिर्फ शॉर्ट मैथड यूज नहीं कर सकते बोला लेट चेक इट आउट आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा सो वन सेकेंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ आप वीडियो को कीजिए पॉज आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है जिसमें हमने आर्गूमेंट के नाम पर एरे पास कर रखी है उसमें कुछ नंबर्स है आपको उसको सॉर्टिंग आई मीन सॉर्ट करना है इन एन असेंडिंग ऑर्डर सिंपल बस इतना ही आपको करना है एंड आज का आपका कोटा कंप्लीट या आई गेस या दिस इज़ इट सो मुझे मैं आई I मीन mean, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने ज़रूर ट्राई किया होगा दो आपने सॉल्व नहीं कर पाए इट डजेंट मैटर एटलीस्ट आपने ट्राई की वो मेरे लिए बहुत है ठीक है सो so देख लीजिए सो कॉन्स्ट अगर आपने मेरा वीडियो वो कोर्स पूरा देखा होता तो जरूर आप कर पाते गए इस इसमें इतना कुछ था नहीं क्योंकि क्या करना है शॉर्ट करना है एंड जब भी हमें लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना होता है मैंने बताया ना कंपैरिजन फंक्शन सिंपल कुछ कर नहीं सकते हो एंड ये तो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं पहले से ये तो लाइक इजी होगा ये भी सो इट्स अ शॉर्ट असेंडिंग यहाँ पे ए आर आर ए कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन भी नहीं है यहाँ तो सिंपल है रिटर्न ये आपका ए आर आर डॉट गाइस शॉर्ट अगर मैं सिर्फ इतना भी कर देता ना देखो क्या होता है यहाँ पे इसको क्लीन कर रहा हूँ यहाँ पे चलता हूँ ये देखो वन थ्री फाइव एट यूँ 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 यू, ऐसे चुटकी में हो जाता है बट शॉर्ट मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते मतलब शॉर्ट कर सकते हैं लेकिन सिंपली शॉर्ट का हम यूज़ नहीं कर सकते ये हमें बताया गया था पता है क्यों क्यों क्योंकि ये मेरा काम तो हो गया बस इतना ही करना था लेकिन कल के दिन अगर ये एक के बदले अगर मैं दस कर दूंगा सो नाउ व्हाट विल बी लाइक क्या होना चाहिए आउटपुट अब है ना देखो फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूँ इसको रन करने पे जो भी एरर आएगा है ना बट ये देखो थोड़ी देर पहले मुझे क्या आउटपुट आया मैं यहाँ पे वापस दिखाता हूँ आप लोगों को है ना ये देखिए वन थ्री फाइव एट असेंडिंग ऑर्डर एकदम परफेक्ट है बट यहाँ पे ये क्या हो गया यहाँ पे टेन पहले कैसे आ गया भाई एक बात बताओ दस दिन ये तो क्या होना चाहिए था थ्री फाइव एट एंड देन ये टेन यहाँ पे होना चाहिए लास्ट में बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मेथड यूज़ करते हो देन गाइस वो तो न्यूमेरिक डिजिट जो भी नंबर्स पे परॉपरली काम नहीं करता है दो वो स्ट्रिंग्स पे प्रॉपरली काम करता है एंड इसने उसको स्ट्रिंग इस में कन्वर्ट कर दिए उसने वन पहले देखा इसलिए वो वन वहाँ पे आ गया तो ये तो गड़बड़ हो गया ना तो मैंने क्या कहा था जब भी बात आती है कंपेयर करने असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो हमारे पास शॉर्ट मेथड के अंदर कंपेयर फंक्शन है ना किस बात का टेंशन है कुछ भी नहीं करना आपको सोचना भी नहीं है बस ए कॉमा भी बस ए माइनस भी कर दो खत्म बस इतना कर दो एंड गाइस से हो गया मेरा काम देख लिए ये देखिए तीन पाँच आठ दस अगर आपको नई आइडिया ये क्या हुआ तो आप क्या करो बी माइनस ए करके देख लो बी माइनस ए कंडोलैस सेव यहाँ पे चलो ये देखो दस आठ पाँच तीन एसेंडिंग भी डिसेंडिंग भी ए माइनस भी बी माइनस ए समझे तो गाइस आज जो हमारा डे सिक्स है उसका क्वेश्चन आप देख सकते हो कि वी नीड टू डिटरमाइन डिटर गिवन स्ट्रिंगड्रोम और नॉट वो पेलिंड्रोम है या नहीं ठीक है क्या होता है पेलिंड्रोम इज अ वर्ड फ्रेज नंबर और अदर सिक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब आप लाइक उसको आगे से या लाइक अगर आप उसको बैक या पीछे से भी अगर रीड करते तो वो सेम लाइक साउंड करता सेम प्रोनाउंसिएशन उसका निकलता है ठीक है जैसे अभी देख सकते हो सिंपल बोलने से तो जैसे ये रेस कार है इसको अगर अब मैं रिवर्स कर दो लाइक आर ए सी ई सी ए आर तो, तो भी वो रेस कार ही कहलाएगा समझ रहे हो क्या कह रहा हूं तो ये गाइस आपका पैलिन्रोम कहलाता है तो आज हमें ऐसा फंक्शन लिखना है या प्रोग्राम लिखना है जिसके चलते हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी वर्ड या सेंटेंस जो भी हम पास करें वो पैलिन्रोम है या नहीं राइट तो कुछ कॉन्स्टेंट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक दी इनपुट स्ट्रिंग में कंटेन लेटर्स डिजिट स्पेसेस पंचुएशंस एंड देन स्पेशल कैरेक्टर्स ये जो फंक्शन है शुड बी केस इनसेंसिटिव केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए वो इनसेंसिटिव होना चाहिए मतलब अगर कोई आर कैपिटल लिख रहा है तो उसको गाइस हमें लाइक जो ये दिख रहा है गाइस स्मॉल आर उससे वो दोनों मैच होने चाहिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैपिटल आर है एंड यहाँ पे स्मॉल आर है तो नहीं बोथ आर नॉट इक्वल ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है दोनों को सेम हमें कंसिडर करना है वी नीड टू इग्नोर द स्पेसेस पंचुएशन स्पेशल कैरेक्टर्स चलो वो सब हम देख लेंगे एंड द फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज अ पेलिंड्रोम अदरवाइज फॉल्स चलो ठीक है तो मेरे पास ऑलरेडी तीन कंडीशन दिए हुए हैं तो अब हमें क्या करना है हमें फंक्शन लिखना है सो लेट्स सिंपली राइट अ फंक्शन जहाँ पे कॉन्स्ट इज पैलिंड्रोम है ना ओके okay. यहाँ पे हम चलते हैं इस तरीके से सिंपल चलो ठीक uh, है एंड आई नो कॉन्स्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है डेट्स वे कुछ उस तरीके से आ रहा था अब गाइस यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि यह पैल रोम है या नहीं लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं सबसे पहले चाहूंगा प्लीज़ पॉज द वीडियो राइट नाउ आप थोड़ा सा सोचिए अपना दिमाग लगाए कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ आई होप गाइस आपने पॉज किया होगा तो सिंपल है सबसे पहले तो हमें ना ये एक चीज़ टैकल करना है डैट इज़ इग्नोर द केस इन सेंसिटिविटी जो भी है ये इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल हो हमें उसको एक समान ट्रीट आई मीन ट्रीट करना होगा ठीक है तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक आर्गूमेंट देखो ये भले ही ए मैन कॉमा फिर ए प्लान देन कॉमा ए कैनल बहुत सारी चीजें है ये बट रियलिटी में ये सिंगल कोट के अंदर इट मीनस इज स्ट्रिंग मतलब इस सिंगल स्ट्रिंग है वो तो एक एस टी आर लिख दीजिए ठीक है ऑल राइट ना अब हमें उसको केस इंसेंट जो भी था वो है ना सेंसिटिव वाला जो पार्ट है उसको हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं जहां मैं ये बोल दूंगा मेरा ये भी जो स्ट्रिंग होगा है ना जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो किस में गए लोअर केस में इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर दी चलो ठीक है अब हम बहुत बार इवन मेरा ये जो कोर्स आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे है ना मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट वाले में कि हम कैसे लाइक like, कोई भी स्ट्रिंग को बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो कैसे कर सकते देख लीजिए सो so, हम क्या करते हैं मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लेट रिवर्स स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है ना तो जिसमें स्ट्रेयर को सबसे पहले तो मैं स्प्लिट कर दूंगा स्प्लिट करना मीन्स अब हम उसको एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरीके से ठीक है मैंने स्प्लिट कर दी देन वी हैवे रिवर्स का फंक्शन एंड देन मैं अब उसको कर दूंगा ज्वाइन एंड ज्वाइन में मुझे एक सिंगल कोड एक सेकेंड बार आ गया वो मुझे यहाँ पे एंड में जाकर इस तरीके से सिंगल कोड देना होगा दिस इज इट कंडोले से तो मैं अब आप आपको यहाँ पर ये यह जो मेरा कंसोल डॉट लॉक करके ये दिखा था कि अभी जस्ट मैंने ये रिवर्स स्ट्रिंग जो बनाया वो कैसा दिख रहा होगा तुम तो? ठीक है क्योंकि हम बहुत बार देख चुके हैं एंड हमारा जो जास्किप्ट का पार्ट इसमें भी मैं आपको दिखा चुका था तो अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है बट कोई नहीं अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए ये जो भी वैल्यू आपको दिख रही है ये ये देखो हेलो को ओला या ओले इस तरीके से जो दिख रहा है इट इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेलो था उसको हमने एकदम प्रॉपर तरीके से रिवर्स तो कर दिया बस मुझे किसी तरीके से ये जो रिवर्स वाला आई मीन वर्ड है एंड देन हमारा जो एक्चुअल वर्ड है उसको कंपेयर करना आर बोथ इक्वल और नॉट सिंपल ठीक है तो वो हम एक बार कर लेते हैं अब देखो इतना मेरा काम हो गया अब खाली रिटर्न करना है हमें रिटर्न ट्रू करना है कब जब हमारा ये एस टी आर विल बी ट्रिपल इक्वल टू आर अंडर स्कोर एस टी आर तब हमें रिटर्न कर दो ट्रू एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स सिंपल ठीक है ये मेरा काम हो गया कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तब आप देखो कि एक तो फॉल्स आ रहा है दूसरा मुझे ट्रू आ रहा है एंड ये मुझे फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये मेरा काम कर रहा अगर कोई एक ऐसे आर्गूमेंट uh, हम पास कर रहे हैं जिसमें ना तो कोई स्पेस हो ना कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो लाइक like ये वाला वर्ड एंड देन ये वाला वर्ड तो इनके लिए तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा ये जो फंक्शन हमने जो लिखा है प्रोग्राम ठीक है बट व्हेन इट कम्स टू कुछ इस तरीके का आर्गूमेंट जिसमें वी हैव अ स्पेस यू नो आप देख सकते हो वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस देन हमारे पास एक कॉमा भी है तो बेसिकली यहाँ पे स्पेसिस भी है आप uh, देख सकते हो स्पेशल कैरेक्टर भी है तो अब हमें इस प्रोग्राम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा जहाँ पे कि अगर कल के दिन कुछ स्पेस हो तो उसको भी हम हटा दें एंड अगर कुछ इस तरीके का अगर स्पेशल कैरेक्टर्स हो तो उसको भी हम हटा दें तो हम स्पेस हटा सकते हैं हमने ट्रिम देखा था लेकिन ट्रिम क्या करता and, and back, है एंड आप फ्रंट एंड बैक खाली वहीं से हटाता है इन बिटवीन हटाना तो वो भी हम देख चुके हैं उसके भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन एक सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ जहां पे जब भी हम लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर देंगे ना उसके बाद मैं क्या बोलूंगा भाई एक काम करो ना आप ना रिप्लेस कर दो जितने भी मेरे नॉन वर्ड्स है उनको आप रिप्लेस कर दो विथ एमटी स्पेस एमटी स्पेस ने मतलब लाइक उसको चिपका दो उसको बस है ना सो so कैसे देखो हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने जा रहे हैं लाइक ये आपको लाइक स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग आपका बैक स्लैश एंड देन जी फॉर ग्लोबल यहाँ पे गए आपको फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आपको कैपिटल में डब्ल्यू लिखना पड़ेगा अगर आप स्मॉल डब्ल्यू लिख दोगे देन वो जितने भी वर्ड्स है है ना उसको वो गाइस रिप्लेस कर देगा लेकिन मुझे नॉन वर्ड को रिप्लेस करना है तो मैंने कैपिटल डब्ल्यू लिखा तो अब जितने भी नॉन वर्ड है नॉन वर्ड मतलब क्या है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा डोंट वरी आप देख सकते हो स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जैड एंड देन जीरो से नाइन को छोड़ के इतने पार्ट को छोड़ के बाकी जो आई के सी यहाँ पे अंडर स्कूल भी ये सब को छोड़ के बाकी जो भी होगा उसको आप रिप्लेस कर दो किससे एकदम एमटी पार्ट से मतलब कुछ भी मत रखो लाइक उसको हटाई दो आप इस तरीके से कंट्रोल सेव तो बस यही तो एक प्रॉब्लम हो रहा था ना अब भी जितने भी नॉन वर्ड है उसको मैंने रिप्लेस कर दी विद दिस एकदम एमटी स्पेस ठीक है कंट्रोलर इसको कंट्रोलर सेव कर देता हूँ अब अगर मैं रन करूंगा क्योंकि हमारा कोड ऑलरेडी परफेक्ट था ये देखो गाइस देखा क्या हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ डैट वन रिप्लेस वाला पार्ट तो मेरा वो जो पार्ट कुछ ऐसा हो गया देखो ये रिप्लेस वर्ड ऐसा है एंड फाइनली अब ये ट्रू आ गया है रेस कार्ड जो है वो देखो अगर हम उसको रिवर्स करते तो भी पढ़ने में एकदम वही आ रहा है तो ट्रू आ गया ये भी लेकिन हेलो को ये ओ oh, ले ये तो नहीं हो रहा लाइक हेलो एंड उसको रिवर्स करने पे भी वो हेलो प्रोनाउंस नहीं हम कर पा रहे हैं डैट्स वा इट्स अ फॉल्स सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो को इतना नहीं होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप कि आपको हमारा ये जो ऑसम हंड्रेड डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट जिसमें हम कोडिंग चैलेंजेस या इंटरव्यू क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि इसमें आज आपको फिर से क्या सीखने मिला ये एक न्यूज चीज जो है आपको सीखने मिला कि कैसे आप नॉन वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो अगर आप इसको स्मॉल डब्लू कर देते है ना तब आप सोचते रह जाते अरे भगवान ये क्या होगा क्योंकि स्मॉल डब्लू मतलब आप अब उल्टा कर रहे हो देखो आपको क्या मिला स्पेस मिला और कॉमा 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 मिल रहा क्योंकि उसने वर्ड को ही रिप्लेस कर दिया समझ लो लेकिन मुझे तो ये ये दिख रहा है यहाँ पे जो अभी दिख रहा है बेसिकली उसको रिप्लेस करना था डेट्स वाई जस्ट मेक श्योर करना ये कैपिटल डब्ल्यू हो या दिस इज इट वी नीड टू राइट अ फंक्शन टू फाइंड मैक्सिमम क्या लिखा है array, array में आपको जो सबसे मैक्सिमम नंबर है यू हैव टू फाइंड आउट आपको वो फाइंड करना है जो सबसे मैक्सिमम uh, नंबर होगा इन एन एरे तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता रही है ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है मैं तो ये छुट्टी में कर दूंगा ऑल राइट गाइड्स अगर आप छुट्टी में कर सकते हो तो वीडियो को अभी के अभी करो पॉज एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपने इसको किस तरीके से छुटकी में सॉल्व किया ठीक है ठीक है तो इसको करने के देखो अगेन बहुत सारे तरीके होते हैं मैं आज आपको एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ एंड ये सच में सिंपल तो है अगर थोड़ा आपको आइडिया है कि हम इसको कैसे सिंपल बना सकते हैं तो तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो लाइक टोटल वी हैव दिस थ्री पार्ट्स है ना बेसिकली तीन कंसोल्स दिए गए सो लेट्स अ कॉन्स्ट वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ये जो भी एरे की वैल्यू होगी ठीक है तो आप देख सकते हो कि इसमें ना हम बेसिकली एक एरे पास कर रहे हैं ठीक है लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि लेट्स से कि अगर हम हमारे पास एरे नहीं होता एंड हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते तब हम कैसे जो मैक्सिमम नंबर है उसको फाइंड आउट कर सकते थे ठीक है तब मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है लेट्स सो वी हैव अ मैथ ऑब्जेक्ट हम सबको मालूम है ऑलरेडी जाके जो हमारा कोर्स पार्ट वन था उस पर मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया है एंड देन वी हैव वन मेथड कॉल मैक्स ठीक है जिसमें से मैक्सिमम हम पता लगा सकते हैं लेट्स मैं जानबूझ के इस तरीके से पास कर रहा हूँ एंड एक काम करता हूँ इसको मैं थट्टी कर देता हूँ ठीक है तो ये मैंने एक पास कर दी अब डायरेक्टली मैं इस तरीके से तो लिख नहीं सकते बिकॉज एक काम करते हैं लेट्स uh, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ अगेन इट्स लाइक योर फाइंड मैक्सिमम एंड बस दिस इज इट एंड ये जो फिलहाल तीन वाले जो पार्ट है इसको मैं कर देता हूं कमेंट ठीक है सो मैंने कंट्रोल एस सेव कर दी अगर मैं यहां पे चलता हूं तो आप देख सकते हो कि मुझे थर्टी आ रहा है एक काम करता हूं लेट्स से इसको मैं हंड्रेड कर देता हूं ठीक है एंड वी नीड टू लाइक क्रॉस चेक कि ये प्रॉपरली काम कर क्योंकि बहुत सिंपल है चलो हंड्रेड मेरा काम कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सिर्फ नंबर्स होते हैं लाइक दिस इज इस तरीके से तब आप मैथ डॉट मैक्स का यूज कर सकते हो ठीक है ऑलराइट राइट ये आपको पता चला है ना इसको फिलहाल मैं कमेंट करके रख देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा कंडोलैस से अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं फिर से अनकमेंट करता हूं चलो ठीक है यहां पे हमारे पास ऑलरेडी आर्गुमेंट दिए तो मैं एज एन एज अ पैरामीटर उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं है ना ये जो पार्ट है अब क्यों ना मेरे पास नंबर्स तो है ऑलरेडी यहाँ पे भी लाइक आई मीन आप देख सकते हो राइट बट इट जस्ट कि वो एक एरे के फॉर्मेट में तो मैं एक काम करता हूं क्या मैं एरे को एज इट इज मैथ डॉट मैक्स के अंदर रख सकता हूं ऐड कर सकता हूँ कि नहीं लेट्स हाँ, क्या होता है मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हम डायरेक्टली एरे पास कर सकते हैं या नहीं लेट्स सी अब मैं अगर यहाँ पे इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो इट्स नॉट अ नंबर दो मुझे यहाँ पे आ रहा है ये लास्ट में मुझे फाइव तो भी आ रहा है क्यों क्योंकि तब एक ही नंबर है अगर एक ही नंबर होता है तो मतलब एक काम कर रहा है हाँ, बाय द वे लेकिन अगर एक से ज्यादा नंबर हो रहा है तो नॉट अ नंबर आ रहा है क्योंकि ये तो एक एरे है ना तो अब मुझे किसी तरीके से इस एरे को नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे यहां पर आप आप आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी लाइफ उतनी ईजी हो जाएगी एंड दैट इज नाउ वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर दैट इज अ डॉट 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 थ्री टाइम डॉट्स आपको यूज करना है कंट्रोल एस सेव करना है तो ये क्या चीज है ये एक्सपीरियंस आप कह सकते हो जब हम बहुत बात करते हैं सो इट्स नाइन माइनस टू एंड देन फाइव इज द मैक्सिमम नंबर जो आपको आपके इस एरे के एलिमेंट्स में मिलने वाले हैं जो कि एकदम करेक्ट है सो so, अब आपके मन में आ रहा होगा ये डॉट 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 लिखने से क्या हो गया था तो गाइस कुछ हुआ नहीं था ये जस्ट वो स्प्लिट हो गया था आप कह सकते हो कि लाइक उसने एरे को नंबर में कन्वर्ट कर दिया सिंपल ठीक है सो so, ये स्प्रेड ऑपरेटर इसने इसको स्प्रेड कर रह, फैला दिया है ना पहले वो एक एरे के बंधन में था बट अब उसने उस बंधन से उसको आजाद कर दिया तो इसलिए आपको स्प्रेड इस 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 एंड देन रेस्ट पैरामीटर वाला पार्ट जरूर देख सकते हो आप तो मैं यहाँ पे डॉट 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 ए आर आर कर देता हूँ ठीक है अब आपको डबल डबल कंसू एक सेकेंड कंट्रोल एस सेव करना था एक तो मैक के की में मुझे आदत नहीं है ना टाइप करने की इसलिए थोड़ा ऐसा हो जाता है बट अगर आप देखोगे सो हेर वी हैव दिस देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ये कुछ ऐसा हो गया था और जब मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहा था तो इसमें से नाइन जो है सबसे बड़ा है नेगेटिव के केस में कुछ आप देख सकते हो नाउ ये एक एरे नहीं है ये आपको एक एरे नहीं दिख रहा है सिंपल एक नंबर्स दिख रहे एंड इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास सिर्फ नंबर्स होता तो आप क्या कर सकते थे तो अब हमने वही कर दिया जो array को numbers में convert कर दिया और मेरा एक काम हो गया। फैक्टोरियल सो द फैक्टोरियल ऑफ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोटेड एज एन एंड एक्सक्लेमेशन कि हमने बचपन में पढ़ा था कि सिक्स सेवेंथ में पढ़ा होगा ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करना exactly याद नहीं आ रहा मुझे बट या yeah, जो भी हो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं वन एवर इट कम्स टू लाइक फैक्टोरियल ऑफ जीरो ध्यान में रखना जीरो का फैक्टोरियल जीरो नहीं होगा इट विल बी वन वन का तो ऑब्वियसली वन होने वाला है टू का भी टू uh, ही होने वाला है बट थ्री का सिक्स होने वाला है अब ये कैसे हो मैं आपको बताता तो? हूँ ये ऐसा होता है देखो थ्री जो है ना सो इट्स अ थ्री इन टू एक सेकेंड इन टू टू वन तो ये इसका तरीका मतलब जो भी नंबर होगा उसको हमें माइनस वन करते जाना है जब तक वो वन नहीं आता एंड हमें उन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है सो इट्स ए थ्री टू जस सिक्स सिक्स वन जस सिक्स सो इट्स योर सिक्स ठीक है अब उसी तरीके से ये जो ट्वेंटी फोर कैसे आया होगा तो फोर का बोलने से फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर माइनस वन इज योर थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री माइनस वन इज योर टू मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस वन इज योर वन ठीक है आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो सो इट्स फोर थ्री जो टूवेल्व टू ज ट्वेंटी फोर ठीक है इस तरीके से भी एल्स इसका लॉजिक है ऑलरेडी हमारे पास यहां पे एंड मैं आपको बताता हूं वो ठीक है बट आपको पता चल गया होगा जो भी नंबर होगा माइनस वन करना है जब तक वो वन नहीं आ जाता है बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है सो इट्स योर लाइक इस तरीके से आपका बन जाता है सो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो ये जो भी आएगा टोटल आईगे वन ट्वेंटी ही आना चाहिए तो ये आपका फैक्टोरियल कुछ आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो सो so, ये जो हमारा गाइस जावास्क्रिप्ट इन हंड्रेड डेज इसमें आप देख सकते हो कि बचपन में हमने जो मैथ्स पढ़े थे फाइनली यहाँ पे वो चीजें हमें वापस से सुनने मिल रही है है ना तो अब हम ये तो बोल सकते कि हाँ भाई हमने जो पढ़ा था थोड़ा बहुत काम तो आ रहा है एटलीस्ट राइट सो ठीक है अब गाइस हम इसको प्रोग्राम लिखना है कि हम ये जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई अगर बोल दे फैक्टोरियल ऑफ फाइव तो मुझे आउटपुट चाहिए वन ट्वेंटी सो नाउ गैस इट्स योर चांस आप वीडियो को करो अभी के अभी पॉज एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपने इसको कैसे सॉल्व किया ऑलराइट तो आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा बिकॉज ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी सो इट्स अ फैक्टोरियल एंड हमने एक आर्गूमेंट पास कर रखी है तो वो जो पार्ट है उसको फिर मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ ठीक है एंड लेट्स गो विथ नम ले लेता हूं मैं ठीक है ऑल राइट ठीक है सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं देखो एक सिंपल है कि मुझे जो भी नंबर दिया है माइनस वन मतलब बेसिकली वन एक एक माइनस जो है ना डिक्रीमेंट करते जाना एंड अगर आपको याद हो मेरा ये जो जास्क्रिप्ट का कोर्स था इसमें जब हमने लूप्स पढ़े थे तब बहुत इजीली मैंने आपको दिखाया था अगर आपको किसी का टेबल निकालना हो है ना तो मैंने आपको बताया था कैसे आप कर सकते हो या वाइल लूप फॉल लूप या कुछ भी लूप लगा के मैंने दिखाया था आप वन टू थ्री फोर फाइव कैसे प्रिंट कर सकते हो या फाइव फोर थ्री टू वन कैसे आप प्रिंट करा सकते हो वो सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो आज फाइनली वो जो हमने देखा था ना यहाँ पे काम आने वाला है तो मुझे अगर किसी तरीके से ये पाँच चार तीन दो एक में निकाल पाऊं ना तो मुझे तो खाली उनको मल्टीप्लाई ही तो करना है राइट right? तो वो हम ट्राई कर लेते एक काम करते सो लेट्स गो विथ फॉर लूप ठीक है लेट एक आई की वैल्यू मैं दे देता हूँ वन देखो मैं यहाँ पे जीरो नहीं दे सकता क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ लाइक ए जीरो इट विल बी ऑलवेज जीरो तो आपका आंसर जिंदगी में ऑलवेज जीरो ही आ जाएगा फिर इसलिए एटलीस्ट हम वन चलते हैं ये जो आई है इट्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू मेरा जो भी नंबर होगा समझ रहे हो एंड देन आई प्लस प्लस सिंपल ठीक है सो इट विल बी लाइक योर आई एक सेकेंड ये मैक का कीबोर्ड जो भी हो तो हम यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे आते चलो ठीक है अब हम एक काम करते हैं ना कंसोल डॉट लॉक करते हैं एंड सिर्फ आई को प्रिंट करते ठीक है लेट्स सी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे एंड मैं अगर यहाँ पे इसको रन करता हूँ तब आप देखोगे सो इट्स ऐ वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन वन टू थ्री चलो जो भी हो मुझे वन टू थ्री फोर फाइव मिल गया अब हम यहाँ पे एक काम बहुत इजीली कर सकते हैं या तो मैं इसको नेगेटिव में भी पाँच चार दो तीन आई मीन पाँच चार तीन दो एक निकाल सकता था लेकिन मैंने वन टू थ्री फोर फाइव कर दिया तो एक काम करते ना मैं क्या करता होगा गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ ऊपर है ना इसके एकदम एंड में चलूंगा इस तरीके से एंटर हिट करूंगा मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट्स से फैक्ट करके जिसकी वैल्यू मैं वन दूंगा बाई डिफॉल्ट अब देखो क्योंकि मुझे वन टू थ्री तो मिल ही रहा है मैं क्या बोल दूंगा मेरा ये जो भी फैक्ट है इन टू बेसिकली इट विल बी इक्वल टू लाइक फैक्ट ये जो भी आई की वैल्यू होगी समझ रहे हो फर्स्ट टाइम क्या होगा वन इंटू वन सेकेंड टाइम क्या होगा वन इंटू आई की वैल्यू विल बी टू अब फैक्ट की वैल्यू टू हो जाएगी सो टू इंटू थ्री समझ रहे हो इस तरीके से वो चलने वाला है यहां पे सिंपल एंड ये जो फैक्ट की वैल्यू होगी इसको मैं रिटर्न कर दूंगा इस तरीके से फैक्ट बोल के ठीक है सो इट्स अ एस सेव एंड बाय द वे मेरा ये काम हो चुका है इतना अगर आप करते हो इसको रन करते हो एंड बुम सी अब आप देखो कि आपको ये वन ट्वेंटी आ रहा है एंड ये जो मुझे जगह जगह इस तरीके से आ रहा है ना वो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट तो इसको फिलहाल के लिए मैं एस सेव कर देता हूं एंड मैं इसको फिर से रन करता हूँ सो बुम गाइसी अब आप देख सकते हो इट्स अ वन ट्वेंटी देन अगेन इट्स अ वन एंड देन इट्स अ सिक्स आई थिंक तीन तीन कंडीशन दिया है क्या कंसोल पे सो वन ट्वेंटी वन एंड देन सिक्स ऑसम तो एक चीज आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट था इसको मैंने लाइक like, बिना इसके बारे में सोचे ही ऑटोमेटिक ही वो आ गया क्यों क्योंकि चाहे ऑटोमेटिकल जीरो रखी थी तो भले ही ये जीरो भी हो जाए तो मेरा ये फैक्ट की वैल्यू तो ऑलवेज रहेगा ना तो आप चाहे कुछ भी हो जाएगा इस हमें टेंशन तो होगा ही नहीं क्योंकि फैक्ट विल बी ऑलवेज वन मिनिमम वन तो रहेगा ही रहेगा चाहे अब जीरो हो कुछ भी हो तो वन तो रहेगा ही रहेगा सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के इतने होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड बाय द वे यहां पे आप देख सकते हो इसको मैं रिकर्सिव फंक्शन की मदद से भी कर सकता हूं ठीक है जहां पे मैं वापस इस जगह पे इसी फंक्शन को वापस कॉल कर दूंगा तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन वो हम बाद में देखेंगे मुझे ये नहीं आइडिया कि एज अ बिगिनर आपको रिकर्सिव फंक्शन के आइडिया है या नहीं सो so, मैंने उसको नहीं रखा अभी एल्स मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं कि आप में से बहुत सभी लोगों को ऑलरेडी शायद आता होगा रिकर्सिव तो आप रिकर्सिव फंक्शन भी कर सकते हो एंड अगर आपने किया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस बट मैंने सोचा कि मैं जितना सिंपल हो सकता उतना सिंपल रखूँ ताकि आपको ये पता चले कि कैसे हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते थे So, आप देख सकते हो वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल कैलकुलेट एवरेज दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड रिटर्न दोस नंबर्स तो याद है मैंने आपसे कितनी बार कहा होगा ना जाने कि जब भी आपके पास बहुत सारे डेटा हो एंड एट जो रिजल्ट है वो एक सिंगल वैल्यू हो या एक सिंगल नंबर हो या सिंगल डिजिट हो देन इन एरे वी हैव वन मेथड जिसको आपको यूज करना मैंडेटरी है मैंडेटरी नहीं बोलूंगा बट अगर आप यूज करते हो तो लाइक जो इंटरव्यूअर वो मतलब इंप्रेस हो जाता है वायर बंदे को ये आता है मतलब ये मेथड एंड दैट इज नथिंग बट योर रिड्यूस मेथड क्योंकि अब हमारे पास एरे का इनपुट है अब मुझे एक एवरेज निकालना अब एवरेज कहो सम कहो ये एक ऐसी लाइक पार्ट है जिसमें आपका नंबर एक ही मिलने वाला है एवरेज मतलब एक ही वैल्यू होगा ना एवरेज राइट सम होगा तो उसका टोटल सम होने वाला है तो उसी तरीके से ना फंक्शन शुड एक्सेप्ट एन एरे ऑफ नंबर एज इनपुट ओके कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द नंबर इन डिवाइड द सम ये तो गाइस आपके लिए तो ये तो सोने पे सुहागा वाला होता है ना जहाँ पे कितना सिंपल पहले पूरा स्टेप ही दे दिया अब आपको तो खाली आंख बंद करके इसको करना है ठीक है लाइक वीन यू टू डिवाइड दिस सम बाई द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द

इतना तो ऑलरेडी है यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है सो इट्स अ कैलकुलेट एवरेज यहाँ पे हम चलते हैं सिंपल देखो एरे है तो लेट्स गो विथ ए आर आर ठीक है अब यहाँ पे एक काम करते हो लेट टोटल सबसे पहले तो टोटल निकालना है ना टोटल निकालना तो ये एकदम ईजी है हाँ का ए आर आर रिड्यूस मेथड आपको यूज करना होगा इसके अंदर वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन चाहे वो मैप हो चाहे फिल्टर हो फाइंड जो भी हो वी हैव अ करेंट एलिमेंट है ना देन वी हैव इंडेक्स एंड देन वी हैव एरे एंड देन दिस आर्गूमेंट लेकिन रिड्यूस एक ऐसा मैथड है जिसमें एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट हमें आई मीन या एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड देट इज योर एकटॉ इस अक्यूमिलेटर का एक्यूम करना मतलब जमा करना ठीक है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा मैं सिंपल बोल दूंगा एक्यूमिलेटा प्लस आपका ये एक सेकेंड ये मैक में प्लस साइन किधर है प्लस ओके ओवर यो प्लस एंड देन करंट एलिमेंट एंड आपको एक कॉमा देना होगा बाई डिफॉल्ट मैंने एक सिंगल लाइन में लिख रहा हूँ एंड ब्यूटी ऑफ फैट एरो एरोक्शन इसकी सिंगल लाइन में लिखती हूँ तो आपको रिटर्न क्यू लिखने की नीड नहीं है कल्ली ब्रेसेस देने की नीड नहीं है सो डैट सॉय आपको कुछ इतना शॉर्टकट जैसा लग रहा होगा एंड देन जीरो ये जो मैंने इनिशियल वैल्यू दी है वो है मेरी एक्यूमुलेटर की ये लाइक एक सिंपल वन लाइन है जो आई थिंक मुझे तो रट चुका है अब सच बोलू तो मैं समझने से भी ज्यादा मुझे ये रट चुका है क्योंकि इतनी बार ये हो गया काम इस पे ठीक है तो अब मैं काम करता हूँ ना कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे टोटल आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है ठीक है तो अब आपको सिंपल है कि पाँच दस पंद्रह एक सेकेंड दस आठ अठारह दो बीस पच्चीस ठीक है ये कुछ तो पच्चीस इसका टोटल आना चाहिए अगर मैं यहाँ ऑल रीक है पच्चीस आ रहा अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको मैंने कुछ रिटर्न तो किया नहीं अब देखो ना अब सिंपल आप रिटर्न लिख दो यहाँ पे ये आपका टोटल तो आपको मिल गया अब एवरेज मतलब क्या होता है अगर मेरे पास दो लोग हैं और मेरे पास दस टॉफ़ी है ठीक है क्या है मैंने क्या कहा इक like मेरे पास दो मेरे दोस्त है दो फ्रेंड है एंड मेरे पास टोटल टेन टॉफी है या जो भी है टॉफी है जैसे भी हो ठीक है तो अब अगर मुझे मेरे दोनों दोस्तों को एकदम इक्वल एकुल इक्वली डिवाइड करना रहा टॉफी मैं क्या करूंगा मैं मेरा ये जो टोटल टॉफी है डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं सो इट विल बी लाइक योर फाइव तो मतलब दोनों को मैं पांच पांच टॉफी दूंगा तो ये एवरेज है तो उसी तरीके से मेरे पास टोटल है अब मेरे को ये टोटल जो है लाइक like, एवरेज फाइंड आउट करना बट कितने लोग हैं एरे में कितने एलिमेंट्स है तो मुझे तो वो नहीं मालूम कितने एलिमेंट्स है तो मैं क्या करूंगा मेरा जो भी एरे होगा वी हैव अ लेंथ मेथड ठीक है प्रॉपर्टी बेसिकली जिसके चलते मैं अब पता लगा सकता हूँ लाइक मुझे अब टेंशन नहीं है जितना भी होगा होगा उसका यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू एंड उसको हम डिवाइड कर देंगे और उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो जो थोड़ी देर पहले अनडिफाइंड आ रहा था अब एटलीस्ट वो अनडिफाइंड नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी सो इट्स अ कंटोलाइज सेव बता भी रहा है कि सिक्स पॉइंट टू फाइव आना चाहिए एक सेकेंड नोट्स दिया हुआ था यहाँ पे बट कोई नहीं अगर मैं यहां पे चलता हूँ एंड बुम गाइस सी इट्स योर टोटल एंड देन इट्स योर एवरेज सो गाइस ये है तरीका गाइस जिसके थ्रू आप बहुत इजीली लाइक एवरेज फाइंड आउट कर सकते थे ठीक है सो गाइस आप देख सकते हो कि आज हमारा डे टेन है वा ऑसम दस दिन एंड गाइस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आप में से कितने लोग हैं जिनका टेन डेज नॉन स्टॉप एज स्ट्रीक है वो बरकर आ रहा है ठीक है सो so, कैसे आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो लेट्स से हैश टैग टेन डेज आपकी जो मर्जी आप कर दीजिए जिससे ये पता चले कि दस दिन आप कंटिन्यू इसको चेकआउट कर रहे हो ऑल राइट तो आज का जो टेन डे बेसिकली टेन है तो आज का जो प्रॉब्लम है वो ये है प्रोग्राम भी कह लीजिए दैट इज वी नीड टू राइट अ फंक्शन एरे आर इक्वल ऑल राइट सो बेसिकली वी हैव टू एरे एरे वन एंड देन एरे टू एज इनपुट एंड रिटर्न इट्स ट्रू इफ एरे आर इक्वल्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर एंड फॉल्स अदरवाइज ओके सो नाउ द थिंग इज आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि दो एरे हमें दी गई है सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि उन दोनों में जो टोटल एलिमेंट्स है वो बराबर है यानी बिकॉज यहाँ पे तीन है इसकी भी तीन है ठीक है बेसिकली उसकी लेंथ बराबर है यानी एंड सेकेंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि सिर्फ एलिमेंट इक्वल हो तो मतलब ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं है हर एक एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है लेट्स इसके इंडेक्स नंबर पे जो ये जो फर्स्ट एरे इसकी मैं बात कर रहा हूँ इसका जो फर्स्ट

एल्स खाली आउट करके हो जाता तो कितना ईजी था फिर है ना एंड ये भी ट्रू है क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है चलो गाइस अब यहाँ पे चीजें बताई हुई है कुछ तो आप इसको जरूर रीड कर लीजिएगा नोट को मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा एंड मैं सोच रहा हूँ इसको गीठा पे भी पोस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए और ज्यादा ईजी हो जाए सो नो गाइस इट्स योर चांस अभी की अभी आप कीजिए वीडियो को पॉज एंड कोशिश कीजिए कि इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो ठीक है या आई होप गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा पांच दस पंद्रह बीस मिनट मैक्सिमम आप लगने दीजिए कुछ नहीं होता है ऑल आइट right, तो देख लीजिए सो इट्स अ कास्ट एरे आर इक्वल एंड आई नो इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक ओवर हियर सो इट्स अ कांस्ट यहाँ पे हम चलते हैं इक्वल टू फैट एरो फंक्शन आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से ठीक है एंड यहाँ पे ना देखो कॉमा बीच में आ गया इट मींस नाउ वी हैव टोटल टू आर्गूमेंट्स हाँ तो दो आर्गूमेंट्स से बोले तो इसको एक एरे वन कर देते हैं इसको ए आर आर टू कर देते हैं चलो ठीक है ऑटोमेटिक सजेशन आ गया जो कि चलो अच्छी बात है है ना तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो कैसे सिंपल है कि इनकी लेंथ बराबर है यानी वो तो लाइक like, सिंपल है है ना जो हमने आई गेस डे एट या कुछ में किया था इट्स ए एल ई एन जी टी एच लेंथ इफ इट इज नॉट इक्वल टू ए आर आर टू एंड आप देख सकते हो कि कैसे इस पर मेरा वो फॉन्ट जो है है ना वो एनेबल नहीं है इसलिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा वरना मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको वो थोड़ा अलग दिखता था ठीक है अगर मेरा ये जो एरे वन की लेंथ एंड देन मेरी एरे टू की लेंथ इक्वल नहीं है तो हम क्या कर देंगे फिर तो निकलो बाहर है ना सो इट्स अ रिटर्न एंड देन फॉल्ट डायरेक्ट वो हमारे फंक्शन के बाहर चला जाएगा मतलब हमें वैल्यू चेक करने की नीड ही नहीं है ना और नहीं होता तो फिर वो इसके अंदर आएगा अब अब यहाँ पे देखो करने के ना बहुत सारे तरीके हैं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं अब आपको एक न्यू मेथड बताता हूँ इन एरे जिसकी मदद मतलब से आप बहुत ईजीली कोई भी दो एरे की जो वैल्यू है वो सेम है यानी उसको आप चेकआउट या बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है सो लेट्स गो विथ एरे वन डॉट वी हैव दिस एवरी करके एक मेथड है जिसके अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूं ठीक है मैंने कॉल बैक फंक्शन पास कर दी एंड इसमें सेम हो है जो हम हर बार वो फाइंड uh, uh, आप कह सकते हो आपका वो मैप फिल्टर है ना जिसमें वी हैव अ करेंट एलिमेंट बट दिस टाइम मैं करंट वैल्यू लिख रहा हूँ एंड देन यहाँ पे वी हैव अ इंडेक्स अब मैं क्या बोलूंगा मेरी ये जो करंट वैल्यू है मेरी ये जो करंट वैल्यू है क्या ये ट्रिपल इक्वल टू मेरा ये जो एरे टू है उसमें ये जो यू नो स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं इंडेक्स पास कर दूं, तो उसके बराबर है क्या ऑब्वियसली देखो ना खत्म मेरा काम इतने हो गया लाइक आप समझ रहे हो करंट वैल्यू एंड देन इंडेक्स कोई बड़ी बात नहीं है करंट वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी यूर वन अब किसका ए आर आर वन लेकिन मैं क्या कर रहा हूं स्ट्रिक इक्वालिटी के थ्रू ये चेक कर रहा हूं क्या ये जो मेरा एरे वन का पहली वैल्यू बेसिकली पहला एलिमेंट जो है क्या वो मेरे एरे टू का इंडेक्स वन इंडेक्स जो भी होगा ऑब्वियसली इट विल बी जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम सो ये आपका हो जाएगा जीरो तो क्या ये जो फर्स्ट वैल्यू है एरे वन का ए आर आर ऑफ जीरो बेसिकली इसके बराबर है तो ये गैस इस तरीके से आपका काम कर रहा है ठीक है एंड कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गैस वो फॉल्स आ जाएगा यहां पे सिंपल एंड मैं यहाँ पे चल के खाली इसको रिटर्न कर दूंगा दिस इज इट मुझे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स या यहाँ पे ट्रू ये सब करने की बिल्कुल भी नीड नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही अगर सब बराबर है तो ट्रू आएगा अगर एक भी गलत हो गया तो फॉल्ट मुझे वो दे देगा तो आई होप गाइस आज डे ट थोड़ा स्पेशल था तो आपको कुछ स्पेशल सीखने मिला होगा विद दिस एवरी मेथड अब मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ एंड मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ सो बुम गाइस सी इट्स योर ट्रू फॉल्स एंड देन ट्रू ठीक है है एंड बता रहा कि इट्स अ ट्रू फॉल्स एंड देन ट्रू या दिस इज इट आज आज गाइस पसंद आगे एंड आज आपको कुछ न्यू सीखने मिला होगा एंड दैट इज योर एवरी मेथड तो इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे तरीके थे आप फॉलोअप के थ्रू भी लगा सकते थे यहां पे बट गाइस लेट मी लेटमी कमेंट सेक्शन कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व किया होगा क्योंकि आई थिंक आप में से बहुतों को शायद एवरी का आइडिया नहीं होगा अगर आप एक बिगिनर हो तो बट अगर जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है बट आई होप अब आपको पता चल गया कि वी हैव एवरी ऑल्सो जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है तो आज कुछ हम एक सिंपल uh, सा प्रोग्राम देखेंगे लेकिन कुछ नया जरूर सीखने वाले हम ठीक है एवरीडे कुछ ना कुछ नया जरूर होगा तो so ना आज हमारा डे इलेवन का क्या आई मीन I mean प्रोग्राम है आप देख सकते हो राइट अ फंक्शन दैट टेक्स नंबर एज इनपुट एंड रिटर्न द सम ऑफ इट्स डिजिट ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो वन टू थ्री एंड देन फोर तो ये क्या हो रहा है बेसिकली यहां पर कुछ ऐसा है ये आप ऐसा समझ लो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो इनको अगर हम प्लस करते हैं देन योर लाइक आउटपुट विल बी टेन इसका टोटल बेसिकली टेन होगा राइट देन अगर इसको हम टोटल करते हो तो ट्वेंटी वन होने वाला एंड आई होप ग आप ऑलरेडी समझ चुके हो सो नाउ इट्स योर चांस वीडियो को करिए अभी के अभी पॉज एंड एटलीस्ट टेन ट्वेंटी मिनट्स आप सोचिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं अगेन इसको गाइस सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आई मीन बहुत सारे तरीके आप कोई भी अप्रोच अपना सकते हो तो देखिए मैं कौन सा अपनाता हूँ सो लेट्स डिफाइन आवर फंक्शन है ना सिंपल एंड हम एक आर्गुमेंट उसमें पास कर रहे हैं तो एक काम करते हैं उस आर्गूमेंट हम कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है सो लेट्स ओके इट्स अ नंबर सो लेट्स गो विथ नंबर ठीक है देखो गाइस एक सिंपल फंडा तो ये है कि अगर मुझे सम निकालना हो इनका तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके लेकिन एक बहुत सिंपल तरीका ये है एंड मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि कभी भी सम निकालना हो एवरेज निकालना हो या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम लिखना हो जिसका आउटपुट एक सिंगल डिजिट हो देन हम रिड्यूस मेथड यूज़ करते हैं एंड ये जो रिड्यूस मेथड है ये तो आपका एरे के अंदर आता है बट दिस इज़ योर नंबर ये तो आपका एक नंबर है ना तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भी टाइप ऑफ में अगर मैं ये नंबर करता हूँ है ना लेट्स सी हमें क्या देता है ये मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो नंबर 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 या ऑब्वियसली अनडिफाइंड तो क्योंकि हमने इसको रिटर्न कुछ नहीं किया बट इट्स अ नंबर एंड नंबर पे मैं ना रिड्यूस मेथड यूज़ नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना है मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है ठीक है मैं एरे में कन्वर्ट करता हूँ अगेन मैं ये जो अप्रोच अपना रहा क्योंकि मुझे एरे मेथड्स पसंद है इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बट लेट चेक इट आउट कि इसको हम कैसे कर सकते हैं ठीक है सो लेट ए आर कर देता हूँ वी हैव अ एरे डॉट फ्रॉम है ना हम इसका यूज कर सकते हैं हम एरे बेसिकली हम स्प्लिट मेथड भी यूज कर सकते थे बट वो आपका स्ट्रिंग में काम करता है राइट सो लेट्स डू वन थिंग इस नंबर को अगर मैं यहाँ पास कर देता हूँ एंड ये वाला जो पार्ट है एक सेकेंड यहाँ पे मैक में आप वो ऑल्ट प्रेस करके नीचे कैसे आता है वो देखना पड़ेगा बट जो भी मैं वापस से लिख देता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे अब क्या मिल रहा है यहाँ पे ठीक है सो आप देख सकते हो गाइस मुझे एक एम टी आ रहा है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा मुझे एक एम टी आ रहा है ठीक है हाँ मैं अब क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ ये जो पार्ट आपको दिख रहा है क्यों ना इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ क्योंकि स्ट्रिंग को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रिंग बेसिकली आपका एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है एंड कोई भी इटेरेबल ऑब्जेक्ट को हम बहुत इजीली एरे डॉट फॉर्म की मदद से एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं है ना ये हम ऑलरेडी हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में पढ़ चुके थे अब अगर ये मैं करता हूँ एंड बूम गाइस सी ये देखिए एक दो तीन चार चार तीन बेसिकली जो भी मुझे एरे में बन के मिल गया बट दी ओनली प्रॉब्लम इज कि ये ना अभी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में अब अब, अब देखना ये एरे तो बन चुका है सो वट आई कैन डू इज रिटर्न अब कैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है हम बहुत बार देख चुके हैं एंड अभी तक अगर आपने नहीं देखा देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ इस वीडियो में जो रिड्यूस मेथड है उसको चेकआउट कीजिएगा आपको मजा आ जाएगा ठीक है तो हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं यहाँ पे वी हैव अक्यूमिलेट टॉ एंड देन गाइस वी हैव आवर करेंट एलिमेंट ठीक है अब यहाँ पर तो अब कुछ नहीं करना आपका ये जो एक्यूमिलेटर होगा प्लस इक्वल टू तो आपका ये करेंट एलिमेंट कर दो तो, एंड एक डिफॉल्ट वैल्यू जीरो दे दो तो हो गया ख़त्म अब आपको लग रहा है आपका काम हो गया ठीक है मैं आप अगर एंटर हिट करता हूँ तब आप देखोगे कि गाइस हमारा काम बराबर हो है बट दी प्रॉब्लम इज जब भी आप किसी स्ट्रीम को कभी भी लाइक यू नो एडिशन करना चाहते हो देन वो एडिशन होता है बट वो क्या किस तरीके से एडिशन करता है बोलने से एक दो तीन चार जीरो वन टू थ्री जीरो क्यों बिकॉज हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जीरो थाटर का तो ये क्या कर रहा है कर रहा है यहाँ पे मुझे तो इनको एडिशन करना था तो एडिशन तब होगा जब इसको हम वापस नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो एक सिंपल फंडा जब यह डॉट मैथड यूज करते हुए हो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जहां पे आप बोल दो कि मुझे जो भी वैल्यू नंबर फॉर्मेट में चाहिए कंट्रोल एस से स्प्लिट कर रहा हूँ नंबर ठीक है तो अब अगर इसको मैं रन करता हूं एंड बूम गाइस सी इट्स दस दस एंड देन इक्कीस मेरा काम हो गया तो आप देख ही सकते हो गाइस कितनी इजीली जस्ट एक वर्ड लिखने से हमारे हमें बेसिकली एरे मिल गया वो भी नंबर फॉर्मेट में तो हर एक एलिमेंट का अब अगर मैं आपको टाइप चेक कराऊंगा ना तो आपको नंबर ही मिलेगा सो so इट yeah आज इस वीडियो लिए लेते होप आपको वीडियो पसंद आगेगा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट अगेन आपको कुछ न्यू चीज जरूर सीखने मिलने वाला है एंड दैट इज़ आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि वी नीड टू राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ इंटीजर एज इनपुट ओके एंड रिमूव्स ये इंपॉर्टेंट है रिमूव्स एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिटर्निंग अ न्यू एरे विथ ओनली द यूनिक एलिमेंट्स परफेक्ट लाइक वी हैव दिस आप देख सकते हो इट्स एन एरे लाइक वी हैव वन टू थ्री टू ओके सो एलिमेंट टू एंड देन वन जो है ये रिपीट हो रहा है राइट सो आवर आउटपुट वुल वन टू थ्री एंड देन फोर ठीक है चलो यहाँ पे सेम हो मतलब आई होप आप समझ चुके हैं एंड इफ इट्स एन एम टी एरे दैन तो अब उसका तो क्या रिमूव हटाना है कुछ है ही नहीं ना डुप्लीकेट तो एज इट इज उसका हमें आउटपुट आना है एंड कॉन्स्टेंट uh, में आप देख सकती हूँ तो दी इनपुट एरे uh, में कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव नंबर ओके

सेवन एट एंड देन नाइन ऐसा ना हो कि आगे पीछे जो एलिमेंट है वो यू नो अपना जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहे हो या इंडेक्स नंबर चेंज कर रहे हो वो ऐसा नहीं होना है और लड़का इस तो बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले इट्स अ चांस फॉर यू कि आप वीडियो को करो अभी के अभी पॉज एंड सोचिए कि आप इस जो एरेव है इसमें से आप डुप्लीकेट्स एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हो करने के बहुत सारे तरीके हैं सो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड आप खुद से ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिए ऑल अर गाइस आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा तो अब आप देख सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ ठीक है सो इट्स रिमूव डुप्लीकेट्स है ना वी हैव लेट्स टेक इट एज एन एरे मैंने एरे ले लें ले क्योंकि हम एरे ही पास करें काइंड ऑफ है ना सो so, uh, uh, एक सिंपल चीज़ है वी हैव समथिंग कॉल्ड सेट हाँ इस एरे को ना मैं सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्या होता है डॉट 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 ए आर आर ए आर आर ठीक है इसको मैं एरे में कन्वर्ट करता हूँ बस इतना ही लेट्स सी बस इतना मैं करता हूँ मुझे देखना है ये क्या होता है ये सो इट्स अ वन टू थ्री नहीं कुछ नहीं हुआ यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन वन टू थ्री फोर नहीं ये नहीं हुआ ठीक है नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं गाइस कोई बात नहीं मैं जस्ट चेक कर रहा था तो देखो ये जो भी हमारा आर्गूमेंट है वो तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया एज एन पैरामीटर ठीक है तो गाइस हमारे पास एक बहुत औसम awesome अपॉर्चुनिटी है देट इज टू यूज द सेट ऑब्जेक्ट एंड द स्प्रेड ऑपरेटर इन दोनों की मदद से हम बहुत ईजिली डुप्लीकेट जो वैल्यूस है उनको रिमूव कर सकते हैं ठीक है सो लेट न्यू ए आर आर कर देता हूं यहां पर हुई यह है व न्यू एंड देन सेट ये बेसिकली आपका का सिंटेक्स है एंड यहाँ पे अब आप आपको वो जो भी आपकी वैल्यू थी पास कर देनी है ठीक है so, सो क्या है ये न्यू सेट ऑब्जेक्ट देखो आप देख सकते हो ये एक बेसिकली मेथड है इन जास्क्रिप्ट क्रिएट्स अ न्यू सेट ऑब्जेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एंड ये जो सेट ऑब्जेक्ट है ना इज अ कलेक्शन ऑफ अ यूनिक वैल्यूज ये क्या है इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज एंड सेम लाइक एरे आप यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो वेद प्रीमिटिव और ऑब्जेक्ट रेफरेंसेज ठीक है सेम लाइक ए रे बट थोड़ा डिफरेंस इसका अपना खुद का ऑपरेशन एड ये सब रिमूव एंड ऑल है ना तो ये मैंने कर दिया है ना अब एक काम करता हूँ ना लेट्स अगर मैंने उसको सेट में कन्वर्ट कर दी सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा लिया तो ये क्या दिख रहा होगा मुझे एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं तो अब अगर आप देखोगे तो सी कुछ वो आपको सेट इस तरीके से दिखाई देता है आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इस द मोमेंट मैंने सिर्फ सेट मेथड क्या यूज़ की उसने देखो ना रिमूव आई मीन जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उसने उसको रिमूव भी कर दिया इट जस्ट मुझे अब वो एक एरे फॉर्मेट में चाहिए तो वाट आई कैन डू इज़ मैं उसको इस तरीके से एरे बेसिकली जब भी आप स्क्वायर बॉक्स यूज करते हो इट मीन्स वो एक एरे है ना अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तब आप देखोगे कि कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है अब आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है बट इट्स एन एरे एटलीस्ट ये एक एरे है अब मुझे ये जो सेट फोर इसमें ये जो सेट फाइव फाइव बेसिकली कितने एलिमेंट्स है उसका लेंथ बता रहा है ये तो मुझे नहीं चाहिए मुझे तो खाली वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे वी विल यूज द dot dot डॉट थ्री uh, dot जो कि आपका स्प्रेड ऑपरेटर है तो स्प्रेड कर दे रहा है द मोमेंट ये लिखते हो सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस इससे ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन परफेक्ट अब मुझे बस करना ये होगा uh, कि ये जो पार्ट है इसको मुझे रिटर्न करना होगा रिटर्न न्यू ए आर आर ठीक है सो इट्स अ कंट्रोल एस सेव करता हूँ अब ये जो अनडिफाइन था वो नहीं आएगा क्योंकि मैं रिटर्न भी कर रहा हूँ ये देखो मेरा काम हो गया डबल आ रहा है क्योंकि मैं कंसोल डॉट लॉग भी कर रहा था सो so मैं वापस इसको रन कर देता हूँ एंड या दिस इज इट मेरा काम हो गया सो या का दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही होप आपको मजा आएगा सो so इसमें आपने एक तो सेट ऑप ये जो मेथड है उसका आपको फंडा पता चला जो कि मैं ऑलरेडी अपने जाप्ट के कोर्स में अपडेट कर चुका हूँ इस वाले पार्ट में एंड साथ ही साथ स्प्रेड ऑपरेटर भी मैंने आपको बताया है जो कि मेरे पार्ट टू में है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको मजा आ जाएगा ठीक है सो so, आगाए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते एंड दैट इज नाउ वी नीड टू राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इनपुट ठीक है एंड रिटर्न्स द काउंट ऑफ द बबुल्स इन दैट स्ट्रिंग ओके उस बेसिकली uh, हमारा जो आर्गुमेंट है ठीक है वो एक स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स आ रहे हैं उसको हमें काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ जाट प्रोग्राम एंड आप देख सकते हो वॉवल्स इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज वॉवल्स देन ये जितने भी हमारे अल्फाबेट से छब्बीस उसमें उसमें ये जो ए ई आई ओ यू टोटल वी हैव फाइव राइट ए ई आई ओ एंड देन यू अगर ये जब भी ये लेटर्स uh, अगर रिपीट होते हैं तो ये आपके वॉवल्स कहलाते हैं सिंपल तो जैसे कि आप देख सकते हो वी हैव दिस हेलो स्पेस एंड देन वर्ल्ड तो इसमें ए ई आई ओ यू कितनी बार रिपीट हो रहा है तो वो हमें बताना है लेट्स से यहाँ पे तीन बता रहा है देखो एक तो ई e हो गया दूसरा डबल ओ हो गया एंड देन वी हैव अगेन ओ माई गॉड सो इज इट रियली थ्री गाइस आई जस्ट रियलाइज कि हेलो में तो ई e है देन दो ओ है देन एक और ओ है तो चार होना चाहिए ये बट ये हमें तीन दिखा रहा है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कोई बात नहीं अभी हम जब इसको टैकल करते तब तो चेकआउट करते कुछ तो भी इन्होंने कॉन्स्टेंट भी दिया डेट इज द इनपुट स्ट्रिंग में कंटेंस लेटर ओके इधर अपर केस भी हो सकता है लोअर केस भी हो सकता है तो हमें दोनों को काउंट करना है द आउटपुट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव कभी माइनस वन तो हो ही नहीं सकता आई I मीन mean, कैसे होगा माइनस वन हो ही नहीं सकता नेगेटिव में कि एक बार ए आ सकता था लेकिन नहीं आया अगली बार आएगा इसलिए माइनस वन मतलब नहीं आ सकता नेगेटिव में राइट सो आई होप गाइस आपको एटलीस्ट क्वेश्चन पता चल गया है नाउ दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लॉजिक को बिल्ड करने के लिए तो अभी तक अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं किया अभी के अभी वीडियो को करो आप पॉज आप खुद से कोशिश कीजिए ट्राई कीजिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो लगने दो तो दस मिनट बीस मिनट इट डजेंट मैटर एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा अच्छा इसको मैं इस तरीके से कर सकता था एंड अगर आपसे सॉल्व नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं बट एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ खुद से ट्राई तो किया ना कहीं ना कहीं तक तो आप पहुँचे होंगे उतना ही बहुत इस धीरे धीरे इस जो हमारा सीरीज है ना वहाँ पे आप बेटर हो ही जाओगे बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होगा जो आपको पता चल जाएगा मेथड्स की बात हो रही ना कि क्वेश्चन है ना ऑल राइट सो आई होप गाइस एटलीस्ट आपने ट्राई किया होगा सो लेट्स डू इट ठीक है देखो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं मैं हर हर बार बोलता हूँ कि मुझे एरे के मैथड्स के साथ इतनी लगाव हो चुका है कि मैं मोस्टली एरे के थ्रू ही सोच रहा हूँ मेरे मन में बस यही है कि अभी मेरे को कहीं से भी यू नो ए ई आई ओ यू का कोई कुछ तो है नहीं तो मैं एक वो वेरिएबल बना लूँगा एरे वाला है ना एंड ये जो मेरा स्ट्रिंग है इसको लूप में चला के एक एक लेटर एच ई एल एल ओ ओ हर एक लेटर को मैं चेक करूँगा कि उसमें वो ए आई ओ यू है या नहीं ठीक है कैसे मैं बताता हूँ देखो कॉन्स्ट यहाँ पे लेट्स गो विथ काउंट बबल्स ठीक है एंड ठीक है देखो सबसे पहले तो हम लूप चलाएंगे ठीक है मैं यहाँ पे ना एस कर देता हूँ इसको ठीक है मैं लेट यहाँ पे बबल्स लिख देता हूँ एंड जो कि एरे में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लूप चलाना है वन बाय वन चेक करना है है ना सो एक कॉमा एक काम करता हूँ यहाँ पे ए सो या परफेक्ट सो मैंने एक एरे बना लिया सिंपल सा बबल्स का ठीक है अब मैं पता क्या करूँगा मैं ये वाला जो मेरा पार्ट है सिंपल है ना इसको मैं लूप पे चलाऊँगा एंड मैं डायरेक्टली लूप पे तो नहीं चला सकता मुझे स्ट्रिंग को जो है एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली है ना सो so उसके लिए हम क्या करते हैं लेट ए आर आर विल भी इक्वल टू हमारा ये जो भी एस टी आर है डॉट वी हैव अ स्प्लिट मेथड ठीक है एंड मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि भाई सबको इंडिविजुअली स्प्लिट कर दो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए आर आर आपको करके दिखाऊँ जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं मुझे तो पता नहीं ऐसा लग रहा है ना जाने कितनी ये देखो आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड देखो क्या हो गया एच ई -E एल एल ओ ओ स्पेस W ओ तो पूरा एक इंडिविजुअल हो गया ना अब मैं बहुत ईजिली इस पर लूप चला सकता हूँ लूप चला के मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे एच में बेसिकली मैं क्या करूँगा मेरे इस वल वाले एरे में ये एच है या नहीं मेरे इस वल वाले एरे में ई प्रेजेंट है या नहीं एंड कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है या नहीं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं सोचो आपने सोचा या इट्स योर इंक्लूड मेथड ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अब मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ आप चाहो तो कोई भी लूप चला आई मीन I mean चला सकते थे एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट कैरेक्टर ऑफ विच एरे ये वाला एरे एक एक है ना सो ए आर आर ठीक है अब क्या होगा ना गाइस पहले मुझे एच आएगा फिर ई e आएगा फिर एल आएगा फिर एल आएगा सो देन तो मैं क्या कर सकता हूँ इफ़ है ना मेरा ये जो बॉबल्स है वी हैव वन मेथड कॉल इंक्लूड्स है ना सिंपल आप समझें ना अभी पहले सबसे पहले एच की बात हो रही है यहाँ पे यहाँ पे सिंपल आप लिख दीजिए आपका ये जो भी कैरेक्टर है बेसिकली डॉट टू लोअर एंड देन केस क्यों मैंने लोअर केस की क्योंकि अपर केस भी तो हो सकता है ना एंड बाय डिफॉल्ट मुझे तो अच्छे से मालूम है कि मैंने जो बबल्स बनाई हैं वो सभी के सभी ऑलरेडी स्मॉल लेटर में है ठीक है तो ऑबियस था कि इनमें से ही जो भी आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं वो इधर लोअर भी हो सकता है या तो अपर केस भी हो सकता है सो so, मैंने सब कुछ जो भी है लोअर है तो लोअर रहने दो अगर अपर है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो क्योंकि मेरे ये जो ए ई आई ओ यू है ये तो लोअर केस में है अब मैं सिंपल इतना बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो एरे है बबल्स वाला क्या उसमें ये जो एच है प्रेजेंट है या नहीं अगर नहीं है इट डजेंट मैटर बट अगर है देन वी नीड टू हैव वन एलिमेंट जिसको मैं ना इंक्रीमेंट कर सकूँ ठीक है अब हमारे केस में वो इंक्रीमेंट वाला कोई वैल्यू तो है नहीं एंड मैं यहाँ पे लेट काउंट इक्वल टू जीरो कर नहीं सकता देन व्हाट आई कैन डू मैं फॉर लूप के बाहर चलता हूँ लेट वी हैव अकाउंट इक्वल टू जीरो सबसे पहले जीरो काउंट देते हैं ना है ना या दिस इज इट तो अब जब जब मेरे इस वबल में इंडिविजुअली पहले एच आएगा फिर ई अरे मेरे इस वबल्स में ई जो है वो तो इंक्लूडेड है कितनी बार है जितनी बार है आई मीन I mean, जब जब होगा इसकी वैल्यू वो इंक्रीमेंट होती जाएगी एंड एट द एंड में मुझे रिटर्न तो करना पड़ेगा राइट सो इट्स अ रिटर्न एंड देन काउंट कंट्रोल कंट्रोलेव लेट्स यहां क्या होता है मैं मेरे को जस्ट चेकआउट करना है ओ माई या दिस इज इट परफेक्ट ऑसम आप देख सकते हो कि इवन यहां पे मैंने क्यू थ्री लिखा आई डोंट नो ऐट इट इट्स शुड बी फोर राइट सो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे फोर आ चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे फाइव आ गया है यहाँ पे मुझे जीरो आ रहा है एंड दिस इज इट सो so गैस ये था आज आपका प्रोग्राम एंड इसमें थोड़ा बहुत आपको मज़ा आया होगा थोड़ा बहुत आपको समझने मिला होगा आप में से शायद बहुतों ने इसको फिल्टर मेथड या मैप मेथड पता नहीं क्या होगा कुछ ना कुछ, कुछ ऐसे बट अगर आपका आउटपुट आता है तो भी इट्स फाइन आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड जो भी है वो सब चेकआउट कर सकते हो उस पर भी इतना नहीं चलते हम लोग बट जो भी हो अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है इट जस्ट आपको और प्रैक्टिस करना है ताकि आप उसको कम से कम में एंड मोर कैसे बना सकते हो you know, सब सब कॉम्प्लेक्सिटी तो टाइम है बट अगर आपने खुद से किया तो गैस वही बहुत है समझ रहे हो आपको कोई एकदम बिलगेट्स नहीं बनना अभी के अभी। आपको बस कैसे कोई भी प्रोग्राम को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो वो अभी फिलहाल आपके लिए बहुत मैटर करेगा so, guys, Uh, आज का हमारा जो फोर्टीन वाला जो पार्ट है ये अगेन सिंपल है लेकिन आपको uh, सोचना है कि इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं एंड एट दी एंड में मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं आज फिर से याद है मैंने आपको इससे पहले आई गेस डे इलेवन में दिया था या ट्वेल्व में दिया था तो होमवर्क आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी इट्स कंपल्सरी फॉर यू गाइस ठीक है तो क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले राइट अ फंक्शन कॉल्ड इज पावर ऑफ टू ओके डैट टेक्स एन इंडीजस नम एज ठीक है इनपुट एंड रिटर्न ट्रू इफ नंबर इज अ पावर ऑफ टू ओके एंड अदरवाइज सो हम एक फंक्शन लिख रहे हैं प्रोग्राम लिख रहे हैं एंड उसमें हम एक नंबर जो है पास कर रहे हैं एज एन आर्गूमेंट अब आपको ये चेक करना है कि जो भी आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं एज ए नंबर क्या वो टू का पावर है या नहीं टू रेज टू पावर जो भी करते हैं ना तो क्या वो वैल्यू आता है या नहीं जैसे एट के केस में टू uh, रेस्ट टू पावर टू कितना होगा इट विल बी फोर ठीक है देन टू रेस्ट टू पावर टू और लाइट तो मैं वापस इसको ठीक कर दे रहा हूँ एंड अगेन मैं अगर टू लिखता हूँ एंड फिर से मैं मल्टीप्लाइड एंड देन टू लिखता हूँ टू रेस्ट टू पावर थ्री विल बी यूर एट तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है उसकी वैल्यू हमें ट्रू मिलनी चाहिए एंड देन ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू हमें फॉल्स मिलनी चाहिए क्योंकि हमें मालूम है कि सेवन कभी भी टू का पावर में आ ही नहीं सकता राइट तो हमें अब वो प्रोग्राम लिखना है हम कैसे कर सकते देखिए सबसे इजी पार्ट तो ये है आज के टाइम में एंड डैट इज़ गाइस कि हमारे पास एक बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी है लाइक आई गेस इन 2021 या yeah, समथिंग ये जो मेरा सेकेंड uh, पार्ट है ना जाक्रिप्ट एडवांस कोर्स का सेकंड पार्ट में हमने एक्मा स्क्रिप्ट को कवर किया है ठीक है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पावर है ना ये अब हम बहुत ईजिली कर सकते पहले मैथ डॉट पाव था आई गेस बट नाउ टू जो भी आपका बेस है आ, इस तरीके से आपको थ्री लिख देना है सो ये जो है टू रेस टू पावर थ्री इसका कहने का मतलब ये होता है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे क्या वैल्यू आ रही है इट्स एट मतलब ये मेरा काम कर रहा है सो गाइस गैस मुझे क्या करना होगा थ्री के बदले ना मैं कोई तो भी रैंडम नंबर रख दूंगा है ना एंड मुझे ये जस्ट ये चेक करना है क्या इट इज़ इट इक्वल टू एट और नॉट कुछ मेरा लॉजिक इस तरीके से बनने वाला है ठीक है देखो हम चलते हैं यहाँ पे सो इसको एज इट इज़ ये रखते नीचे यहाँ पे चलते हैं इट्स अ कॉन्स्ट एंड हाँ बाय द वे दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गैस टू पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई योर सेल्फ नो मैटर वॉट लगने दो दस मिनट बीस मिनट आप खुद से ट्राई कीजिए बहुत ही ज्यादा सिंपल ही एटलीस्ट ये तो आप कर लोगे मुझे आप पे भरोसा है थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए बस या तो वीडियो देखिए अगर आपने वीडियो देखा तो आप कर चुके हो इसको अभी तक ठीक है सो इट्स अंड कौन सा वीडियो मेरा अपना जहा वाला वीडियो इज पावर ऑफ टू इस तरीके से है ना यहाँ पे आप पास कर दीजिए ये जो भी आपका नंबर है ठीक है देखो सबसे पहले तो मुझे ना खाली ट्रू या फॉल्स बताना है ठीक है बता रहा था इनपुट नंबर विल बी अ पॉजिटिव ठीक है जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट कंसिडर द पावर ऑफ टू अच्छा बता रहा है कि अगर जीरो या नेगेटिव हो तो कभी टू की वैल्यू नहीं हो सकती ऑब्वियसली बेसिकली उसका पावर हो भी नहीं सकता एंड अगर ट्रू है तो आई मीन अगर वो नंबर मिलता है पावर होता है तो ट्रू रिटर्न करना है एल्स फॉल्ट ठीक है एक काम करते हैं ना मैं पहले से ही एक वैल्यू ले लेता हूं आउटपुट बोल के फॉल्स मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि भाई तू तो फॉल्स है निकल यहां से है ना अब इफ मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता मुझे ये आइडिया ही नहीं है कि ये जो भी नंबर हम पास कर रहे हैं टू रेस्ट टू पावर वॉट टू रेस्ट टू पावर क्वेश्चन मार्क तब जाके ये एट आए समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ ये वाला जो लॉजिक मैंने बताया ना यहाँ पे टू रेस्ट टू पावर में कौन सी वैल्यू लिखूं जिससे मुझे एट आए एंड ऑब्वियसली मुझे क्या करना है ये जो भी एट होगा मैं यहां पे एट तो लिख नहीं सकता तो मैं ये जो नंबर होगा उससे एक कम मैं यहां पे जस्ट चेक करना चाहूंगा लूप चला दूंगा पहले एक से चेक होगा फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छ फिर सात अब आठ तो मैं क्यों करूँ आठ तो मैं क्यों करूं हाँ अगर वन के केस में होता तो एक अलग बात है बट हम टू की बात कर रहे हैं तो एट तो नहीं मैं सात तक चल दूंगा जो भी नंबर दिया है माइनस वन मुझे लूप चलाना है ठीक है अब अब गाइस अब आप सोचो खुद से क्या कर सकते कैसे ऑब्वियसली लूप पे लेट आई इज इक्वल टू वन है ना एंड देन आई शुड बी लेस देन आपका ये नंबर कॉमा आई प्लस प्लस एक सेकेंड यहाँ पे प्लस प्लस ठीक है इस तरीके से हो गया तो मुझे अब वन टू थ्री मिलेगा कहाँ तक सेवन तक एट के केस में और सेवन वाले इसके केस में मुझे सिक्स तक मिलेगा मुझे बस ये चेक करना है क्या मेरा ये जो वैल्यू है टू इस तरीके से पावर आई इफ इट इस ट्रिपल इक्वल टू ये जो भी नंबर है द मोमेंट अगर ये हो गया देन वॉट यू विल डू लाइक ओ पी विल भी इक्वल टू योर ट्रू है ना मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी ट्रू में एंड लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा उस ओ पी को ठीक है कंट्रोलेट सेव अब मैं यहाँ पर चलता हूँ इसको रन करता हूँ लेट चेक इट आउट क्या आता है वी हैव अ ट्रू एंड देन वी है आई मीन वी आर गेटिंग फॉल्ट तो हो गया मेरा काम खत्म सिंपल लाइक like, इतना ही था राइट right? आप समझ गए ना देखो कितनी इजीली हमने इसको टैकल कर दिया अब इसको टैकल करने के बहुत सारे तरीके में ये नहीं बोलता कि मैं जो तरीका यूज करता हूँ तो एकदम बेस्ट है मुझे जो लाइक like, फटाक से लगता है मुझे लगता है कि ये अगर मैं आपको इस तरीके से बोल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा तो आई I मीन mean, आप लोगों के लिए वो ईजी भी होगा डैट्स वाइब मैं वो अप्रोच अपनाता हूँ है ना करने को तो बहुत सारे तरीके हैं उनमें से एक तरीका बीट वाइस ऑपरेटर है जो कि लाइक मजा आ जाएगा जो कि इससे भी बेटर तरीका है लेकिन वो आपके लिए होमवर्क होगा जहां पे यूनिट टू सॉल्व इट यूजिंग द बीटवाइस ऑपरेटर सिंपल ये आपका चांस है आपको लाइक बीटवाइस ऑपरेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अगर आप बीटवाइस के अलावा कुछ और तरीके से भी सॉल्व करते हो बहुत अच्छी बात है एंड अगर आपने स्टार्टिंग में जो भी जिस तरीके से भी आपने सॉल्व किया होगा आप कमेंट कर दीजिएगा ठीक है दिस इज अ क्वेश्चन जहां लिखा गया वी नीड टू राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलीमेंट्स इन एन एरे ओके ठीक है फॉर एग्जाम्पल बता रहा है देखो गिवन दर सपोज आपको एक एरे दी गई like तो, uh, है जिसके अंदर वी हैव ओनली थ्री एलिमेंट्स दैट इज लाइक योर वन टू एंड थ्री नंबर तो इट्स शुड रिटर्न फोर्टीन क्यों अब यह हमें फोर्टीन देना चाहिए आउटपुट में हमें एक सिंगल वैल्यू आ रही है ध्यान से सुनना आउटपुट में हमें एक सिंगल वैल्यू आ रही है एंड थ्रू आउट दिस कोर्स या कह लीजिए हमारी सीरीज में मैंने बहुत बार बोला है अगर आप जावस्क्रिप्ट में काम कर रहे हो एंड अगर आपको बात आती है लाइक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करना देन हमारे पास एक ऑसम awesome मेथड है इन जारिप्ट जिसकी मदद मतलब से हम यू चुटकी में उसको सॉल्व कर सकते हैं आई होप आपके दिमाग में वो घंटी बच चुकी होगी right, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा अब पहले ये देख लीजिए आपको फोर्टीन कैसे है लाइक वी हैव दिस वन वी नीड टू फाइन दिस द स्क्वायर्स लाइक वन इंटू वन देन वी नीड टू लाइक एड करना है विथ टू इंटू टू एंड देन थ्री इंटू थ्री सो वन इंटू वन तो वन ही हो गया दो दूनी चार तीन तीन नौ तो नौ दस चार पंद्रह कुछ सॉरी या दस चार चौदह ओ माई गॉड ब आई होप आप समझ गए राइट तो गाइस देखिए बहुत ही ज्यादा ईजी है तो so, सबसे पहले तो एक तरीका जो मैं आपको हजार बार बोल चुका हूँ एंड दैट इज विद दी हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड राइट सो गैस नाउ इट्स योर चांस अब भी कीजिए वीडियो को पॉज एंड ट्राई योर सेल्फ आई होप गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा अगर आपसे आउटपुट नहीं आया इट डजेंट मैटर बट एटलीस्ट आपने ट्राई की राइट right? कुछ ना कुछ तो आपको मिला ना कहीं ना कहीं तो आपको कुछ पता चला है ना बस वही है मेले बहुत सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट एंड देन वी हैव बस सम ऑफ स्क्वायर्स है ना यहाँ पे लेट्स गो वही एंड या परफेक्ट ठीक है तो हमें यहाँ पे एक एरे मिल रहा है तो मैं ए आर कर देता हूँ गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर मैं सिंपल रिड्यूस मेथड यूज़ करता हूँ यू नो वी हैव सिंपल इस तरीके से यहाँ पे वी हैव फर्स्ट आर्गूमेंट में एक्मलेटर ले लेता हूँ देन वी हैव अ करेंट वैल्यू ठीक है या करेंट एलिमेंट आप कुछ भी कह लीजिए याद है हम क्या करते आपका जो एकटर रहता है यहाँ पे वी हैव अक्यूमिलेट विल भी इक्वल टू एक्मिलेटव प्लस आप यहाँ पे न ब्रैकेट दे दीजिए और आपका ये जो करेंट एलिमेंट है इन टू आपका ये जो करेंट एलिमेंट है सिंपल है ना क्योंकि अब हमें सिर्फ प्लस ही करना है लेकिन हमारा जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर हमें चाहिए सो so, जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम नंबर तो करंट एलिमेंट इनटू करंट एलिमेंट प्लस मेरा ये एक्यूमुलेटर एंड मुझे एट दी एंड में एक्यूमुलेटर का जो मेरा इनिशियल वैल्यू मैं इसको पुट कर देता हूँ दिस इज इट मेरा काम हो गया है एंड मैं ऑल आई मीन मैं ऑलरेडी इसको रिटर्न भी करा रहा हूँ अब अगर इसको मैं रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी आप देख सकते हो मुझे फोर्टीन यहाँ पे आउटपुट आ रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था अगर आपको रिड्यूस मेथड आता है देन फॉर यू इट्स ईजी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ लेट्स से आपको रिड्यूस मेथड नहीं पता था बट मैं ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स उसमें चेकआउट कीजिए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक और तरीका देखो आई नो आप में शायद बहुतों ने ये वाला तरीका अपनाया होगा जहाँ पे हम क्या करते हैं लेट एक वैल्यू ले, ले लेता हूँ सम विल बी इक्वल टू जीरो है ना एक्यूमलेटर के बदले मैं खुद से एक वैल्यू ले रहा हूँ जिसका नाम है सम एंड मैं यहाँ पे लूप चला दूंगा आप कोई भी लूप चला सकते हो मैं फॉर ऑफ लूप चला रहा हूँ बिकॉज द मोमेंट आप ऑफ लूप चलाते हो वो आपको वैल्यू देती है एंड द मोमेंट आप फॉर इन लूप चलाते हो आपका इंडेक्स नंबर देती है इन फॉर योर इंडेक्स ऑफ आप समझ जाओ आप बचा वैल्यू खाली है ना सो so, लेट आप यहाँ पे लिख दीजिए एलिमेंट ऑफ वॉट एलिमेंट ऑफ माई एरे है ना एंड या दिस इज इट अब बस मुझे कुछ नहीं करना माई सम विल भी इक्वल टू सम प्लस ब्रैकेट में आपका ये जो भी एलिमेंट होगा इन आपका ये एलिमेंट ठीक है या दिस इज इट बस इतना ही आपको करना था एंड आपकी सम की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लाइक अपडेट हो ही रहा होगा एट द एंड में मुझे ये जो मेरा सम है उसको रिटर्न करना होगा बस सिंपल दिस इज इट तो इधर यू कैन गो विथ ओनली वन लाइन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड और यू कैन गो विध दिस फॉर ऑफ लुप तो कहीं ना कहीं का बहुत सभी लोग ये अपनाएंगे एंड इट्स टोटली फाइन कोई बात नहीं है क्योंकि छोटा सा ही कोड है एंड अगेन वी आर गेटिंग फोर्टीन तो देख सकते हो क्या डे नंबर सिक्सटीन का इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है गाइस ये इजी है बट मुझे जानना है कि आप इसको किस तरीके से करते हो क्या आप हार्डवे जाते हो या सिंपल वन लाइनर की ओर जाते हो ठीक है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज है ना लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन समझिए फिर आप ट्राई करना सो व्हाट वी नीड टू डू लाइक वी नीड टू फाइंड द मिनिमम ओके वी नीड टू राइट अ फंक्शन फाइंड मीन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड रिटर्न द मिनिमम वैल्यू फाउंड इन दी एरे तो बेसिकली आपके पास एक फंक्शन है फाइंड मीन करके जिसके अंदर हम एरे पास कर रहे हैं एंड उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि एक नंबर्स होने वाले इट मे बी लाइक पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर्स लेकिन आपको क्या करना वी आई मीन यू नीड टू फाइंड द मिनिमम अमाउ ऑल दिस एलिमेंट अब अगर नेगेटिव आ गया तो क्या नेगेटिव भी मिनिमम होता है ना लाइक like इस केस में अगर आप देखोगे तो माइनस सेवन जो है वो सबसे छोटा होता है सो so, हमें आउटपुट में माइनस सेवन आना चाहिए इस केस में टू इज़ द लोएस्ट तो टू आएगा अब इस केस में तो कुछ है ही नहीं तो इधर यू कैन गो विथ लाइक फॉल्ट रिटर्न करा दो या अनडिफाइन बोल दो या एक मैसेज करा दो लाइक एरीज एंड एरीज एम टी या कुछ भी यू नो सो इट्स टोटली अप टू यू सो नाउ गाइस इट्स योर चांस टू लाइक पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई योर सेल्फ आई वो गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा क्योंकि ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एंड आप कॉन्स्टेंट जो भी था यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ठीक है एंड इज दर इज एनी थिंग या ओके ठीक है So, देखो मैं बताता हूं सबसे सिंपलेस तरीका तो गाइस कभी भी अगर आपको कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है तो सोचने वाली बात ही नहीं बिकॉज इन जब वी हैव सॉर्ट मेथड एंड उस शॉर्ट मेथड के अंदर भी वी हैव अ कंपेयर फंक्शन तो उसकी मदद से भी हम ये चुटकी में इसको प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक और अवसम awesome तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू मतलब आप बहुत इजीली सिर्फ एक लाइन में इसको टैकल कर सकते हो सो अगेन आज इस वीडियो में भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको टैकल करने के दो इट में पॉसिबल और भी तरीके हो सकते हैं ठीक है सो so, देख लीजिए वी नीड टू राइट इसका जो भी फंक्शन है राइट सो इट्स अ कॉन्स्ट वी हैव अ फाइंड मीन यहाँ पे हम चलते हैं इक्वल टू इस तरीके से सिंपल एंड या दिस इज इट सो एक एरे है तो मैं एरे को इस तरीके से लिख लेता हूँ यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं क्लियर दिखा सकूँ ठीक है अब अब हम क्या कर सकते हैं देखो गाइस मैंने बताया कि वी हैव अ शॉर्ट मेथड सो ए आर आर डॉट शॉर्ट है ना इसके अंदर वी हैव अ कंपेयर मेथड जिसके अंदर आपको ए कॉमा बी देना रहता है एंड यहाँ पे सिंपल है ए ग्रेटर देन बी खाली आप अगर आप इतना लिख के भी छोड़ दोगे सिर्फ अगर आप इतना लिख के छोड़ दोगे लेट चेक इट आउट हमें क्या मिलता है पाँच दस दो आठ ओ माई गॉड कुछ भी नहीं हुआ अब आप जादू देखना क्या होगा जस्ट यू नीड टू राइट इफ ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न माइनस वन ठीक है अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस तरीके से क्यों दिख रहा है क्योंकि फैट एरोक्शन में अगर आप एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो देर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दी कली ब्रेसेस बट मेरे केस में तो डबल डबल कंडीशन हो गया ना तो अब वो थोड़ी भाई ऐसा चलेगा है ना तो ये नहीं चलता है सो वॉट यू नीड टू डू सबसे पहले तो कली ब्रेसेस क्लियर करो यहाँ पे है ना एंड बाय द वे गाइस इस मैं एक्चुअली अपने सेटअप स्टूडियो में नहीं हूँ है ना लाइक like, मेरा इंटीरियर का काम चल रहा तो मुझे लाइक like, बहुत मैं ऑकवर्ड पोजिशन पर बैठा हुआ बट वीडियो बनाना जरूरी है अब हम क्या करें है ना सो या एंड बाय द वे आप डायरेक्टली इस तरीके से भी नहीं लिख सकते आपको यहाँ पे इफ कंडीशन देना ही पड़ेगा फिर यहाँ पे इफ ये देन आप यहाँ पे इसको रिटर्न इस तरीके से करा सकते हो परफेक्ट एंड वन मोर थिंग इज़ ये आपका रह गया था कंट्रोल एसिफ दिस इज इट लेट्स चेक इट आउट अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो क्या होता है एंड बूम गाइस सी अगर मैं इसको क्लीन कर दूँ फिर से देखना मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ सो टेन एट फाइव एंड देन टू बारह पाँच शून्य माइनस थ्री माइनस सेवन मेरा काम हो गया तो ये कोड अगर मैं लिखता हूँ तो जो मेरा सबसे लोएस्ट जो मेरा मिनिमम वैल्यू है वो मुझे सबसे लास्ट में मिल रहा है तो अब मैं गाइस बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ एट मेथड जो कि एक्टमाइस्क्रिप्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में लाइक uh, रिलीज like, हुआ था उसकी मदद मतलब से जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट होगा मुझे पता है वो मेरा मिनिमम होने वाला है लेकिन एक काम कर दू ना इफ ए इज ग्रेटर देन था अगर मैं क्या हो अगर इफ़ बी इज ग्रेटर देन ए एंड देन माइनस वन कर दू गाइस दो ही है इधर ए विल बी ग्रेटर देन बी और इधर बी विल बी ग्रेटर देन यू इधर वी कैन गो रिटर्न वन और रिटर्न माइनस वन रिटर्न वन मतलब कीप इट एज इट इज रिटर्न माइनस वन मतलब स्वैप दी वैल्यू ये सिंपल है मैं ऑलरेडी अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स में बता चुका हूँ प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा ये आप चाहो तो रट भी लो मैं तो बोल देता हूँ आपको चाहो तो आप रट भी लो क्योंकि ए ग्रेटर देन बी बी ग्रेटर देन बी आई मीन बी ग्रेटर देन ए रिटर्न वन रिटर्न माइनस वन कुछ भी आप लिख के एक बार ट्राई करो आपको मिल जाएगा देखो थोड़ी देर पहले मुझे क्या मिल रहा था लाइक इट्स इन आप कह सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर बट राइट नाउ इट्स इन असेंडिंग ऑर्डर दो पाँच आठ दस माइनस सेवन माइनस थ्री है ना तो अब जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का वो मेरा मिनिमम होगा राइट right? तो कैसे अब मैं यहाँ पे बहुत इजीली जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट रहा होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा है ना अब अगर डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है ऐसे क्यों करूँ तो यू कैन गो विथ लाइक ए आर आर विल बी इज इक्वल टू एज इट इज़ एंड यू कैन गो विथ लाइक रिटर्न ए आर आर ऑफ़ लाइक जो भी इसका इंडेक्स नंबर ज़ीरो होगा यू you नो know? कंट्रोल एस एसिव अगर आप सिर्फ इतना भी रिटर्न कर देते हो इसको मैं क्लीन करता हूँ फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे टू माइनस सेवन एंड देन अनडिफाइंड ठीक है ये अनडिफाइंड क्यों आए क्योंकि लाइक हमें नहीं आईडिया क्योंकि एम टी आ रहा था इसलिए बता रहा आउटपुट विल भी अनडिफाइंड एल से आप अपना खुद का कंडीशन लिख सकते हो इफ़ ए आर आर इज एम टी कुछ भी आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे हम ये तरीका हमने अपनाया नो प्रॉब्लम ठीक है इसको मैं करता हूँ कमेंट मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँ शॉर्टकट नहीं है जो कि बहुत यूजफुल है बिकॉज वी हैव अ मैथ ऑब्जेक्ट राइट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो विथ रिटर्न वी हैव अ नॉट मैप वी हैव अ मैथ ऑब्जेक्ट हमारे पास मेन मैथड है ना वो अरे पास कर दो खत्म कंट्रोलाइज सेव अगर ये आप करते हो तब नॉट अ नंबर नॉट अ नंबर एंड देन जीरो आपको मिल रहा है एक काम कर दें यहाँ पे अब अगर मैं डॉट 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 यूज कर दूँ यू नो कंट्रोलाइज सेव कर दूँ एंड अब जादू देखोगे गाइस एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया मैं क्लीन कर रहा हूँ रन कर रहा हूँ तो टू माइनस सेवन एंड देन इन्फिनिटी मेरा काम हो गया कितनी ईजिली जस्ट एक लाइन में, में मेरा काम हो गया राइट अब यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी अब आप आपको मिला तो एक चीज़ आप कर सकते हो इफ़ ए आर आर डॉट लेंथ है ना अब ये लिख दो एल ई एन जी टी एच लेंथ अगर ये ट्रिपल इक्वल टू जीरो होती है देन यू कैन गो विथ लाइक रिटर्न एरे इज एम टी या अनडिफाइंड या जो भी आपके मन में लिख दो अगर ये हुआ तो ये रिटर्न हो जाएगा एल सी वाला आके रिटर्न हमें मिल जाएगा सो या सी एक सेकेंड मैं यहाँ कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ तो क्या सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए यहाँ पे चलते हैं एक सेकेंड क्लीन कर देता हूँ फिर से मैं रन करता हूँ ये देखिए दो आई मीन टू माइनस सेवन एंड देन एरे इज एम टी सो गाइस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन की इन दोनों में आपको कौन सा बेस्ट लगा है ना क्या आपको यह मालूम था दिस इज कॉल्ड योर स्प्रेड ऑपरेटर आप यहां पर देख सकते हो ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर है इज यूज टू एक्सपेंड एन एरे इंटू इंडिविजुअल एलिमेंट एरे को अगर एक्सपेंड करना हो इंटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स देन आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो स्प्रेड का, का काम क्या है फैलाना वो एक एरे के अंदर जुड़े हुए थे स्प्रेड ऑपरेटर ने उसको फैला दिया एक इंडिविजुअल एलिमेंट बना दिए नाउ इन दिस फंक्शन ये जो डॉट 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 ए आर आर इज यूज टू स्प्रेड द एलिमेंट ऑफ द इनपुट एरे ए आर आर जैसे पाँच दस दो आठ एक एरे के अंदर थे अब वो एक इंडिविजुअल फाइव टेन टू एंड देन एट हो गया जिसके कारण अब हम मैथ ऑब्जेक्ट में इसका यूज ले सकते हैं सो डैट्स वाई अब मैथ में तो बाई डिफॉल्ट मैथ डॉट मैक्स मैथ डॉट मीन अगर मैक्सिमम बोलता तो आपको खाली यहाँ पे मैक्स लिखना था आपका यूं चुटके में काम हो जाता है राइट एंड एक दूसरा तो कंपेयर फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमें जावास्क्रिप्ट देता ही देता है सो गैस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपको कौन सा बेस्ट लगा एंड इसके अलावा अगर आपने कोई तीसरे तरीके से सॉल्व किया था तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिए ताकि बाकी की हेल्प हो जाए एंड अगर आपने लाइक like, जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने गए एंड वहाँ पर उन्होंने आपसे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा रहा होगा तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिएगा मैं इसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सके है ना सेवेंटीन को हिंदी में क्या बोलते हैं सतराह मीन्स खतरा यू नो तो आज का जो वीडियो का इस थोड़ा सा खतरा हो सकता है आप लोगों के लिए जहाँ मैं आज आपको बताऊंगा एक चेनिंग मेथड फाइनली क्योंकि हम धीरे धीरे यू नो लाइक सत्रह फिर बीस तीस चालीस तो अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी वो हम बढ़ाएंगे बट आज मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बढ़ाया है बट आपको मजा आ जाएगा ठीक है सो so, देखो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड दैट इज वी नीड टू कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग इनटू इधर कैमल केस एंड ए स्नेक केस जिसमें से कैमल केस तो मैं आपको बताऊंगा बट बत ये जो स्नेक एंड स्कोर केस जो है वो आपको एज अ होमवर्क खुद से करना होगा एंड ये होमवर्क आपको करना ही होगा गाइट्स नो मैटर वॉट एंड आप कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा ठीक है सो गाइस सिंपल है आज का क्वेश्चन तो हमें कोई भी ये जो स्ट्रिंग दिया होगा उसको हमें क्या करना है कैमल केस में कन्वर्ट करना है एंड हमारा आउटपुट कुछ फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट uh, लेटर है वो तो नॉर्मल रहेगा लेकिन उसके बाद से जो सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन चलता जाएगा उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करना है एंड वी नीड टू लाइक कीप इन माइंड एंड डैट इज़ की सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही हमें कैपिटल करना है उसके बाद चाहे जैसे यहाँ पे ए आप देख सकते हो कैपिटल है मुझे उसको स्मॉल करना होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सभी लोग यहाँ पे भूल जाएंगे सोना गैस इट्स असम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्राई इट योर सेल्फ तो अभी कीजिए वीडियो को आप पॉज एंड ट्राई कीजिए बस आप ठीक है और एट गैस तो आई होप आपने ट्राई किया होगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं देख लीजिए सो सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट टू कैमल केस है न तो इस तरीके से हम चल लेते हैं यहाँ पे एंड लेट्स सॉरी इट्स नॉट एंड एरे इट्स ए स्ट्रिंग तो हम सबसे पहले काम कर लेते हैं ना यहाँ पर हम ये जो मेरा एस टी आर है गाइस उसको मैं क्योंकि देखो मुझे तो खाली कैमल केस में चाहिए एंड कैमल केस में कोई स्पेस नहीं होता है राइट सो व्हाट आई कैन डू इज लेट्स गो विथ एस डॉट ट्रिम सबसे पहले मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ ठीक है देन मैं उसको क्या कर दूंगा गाइस स्प्लिट कर दूंगा अलग अलग विद द हेल्प ऑफ डैट स्पेस दिस इज़ इट ठीक है तो मैं सिंपली कंट्रोलर सेव कर देता हूँ यहाँ पे चलता हूँ आप लोगों को कंसोल डॉट लॉग एस करके दिखाता हूँ ठीक है अगर ये मैं करता हूँ तब आप देखो हेलो वर्ल्ड एंड देन थापा मुझे आ गया है नब ऑसम अब मैं इसको बहुत ईजिली लाइक यू नो ये तो अब एक एरे हो गया एंड एरे के हर एक एलिमेंट को मुझे आई मीन एरे के हर एक एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करना होगा कैपिटल करना होगा लेकिन जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे उसको छोड़ के बाकी सबका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करना होगा राइट तो अब आप ये सोचिए कि एक एरे है एंड मैं अब उसको कैसे कर सकता हूँ बस अब आप आपको आप इतना सोचना है क्योंकि मैं ऑलरेडी आर्य में कन्वर्ट कर चुका हूँ तो सोचिए हम क्या कर सकते हैं आई होप गाइस आपने सोचा होगा ठीक है देखो ऑब्वियसली लूप तो मुझे चलाना है मैं फॉर ऑफ या फॉर इन नहीं चला सकता मैं फॉर फॉरिच नहीं चला सकता क्योंकि वो रिटर्न नहीं करता है बट हाँ आई हैव अ मैप फिल्टर एंड सो ऑन बट लेट्स गो विथ मैप यू नो लेट्स गो विथ मैप मैं यहाँ पे चलता हूँ एस टी आल बी इक्वल टू गाइस एस टी आ डॉट मैप मैथड ठीक है एंड मैप में भी वही आपका सो वॉट वी हैव वी हैव अ करेंट एलिमेंट जो भी आपका होगा राइट देन वी हैव अ इंडेक्स बट आई डोंट थिंक कि हम इंडेक्स की कोई नीड है राइट एंड या by द वे आई या मुझे इंडेक्स की नीड है मैं बताता तो हूँ क्यों सबसे पहले अगर हमारा जो इंडेक्स है ठीक है इफ़ इट इज ट्रिपल इक्वल टू जीरो मतलब जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा उसको तो रिटर्न कर दो एज इट इज उसको कुछ नहीं करना है हमें उसको छूना भी नहीं है रे बाबा उसको एज इट इज रिटर्न कर दो राइट तो इतना तो मेरा काम हो गया राइट अब हम एक और काम करते हैं यहाँ पे आ, एल्स अगर ये फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी जितना भी रहा मुझे क्या करना होगा गाइस आई नीड टू रिटर्न जो भी मेरा करेंट एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप फर्स्ट लेटर को कैसे टारगेट कर सकते हो सोचो कि एक एरे में एक एलिमेंट का सिर्फ एक फर्स्ट लेटर या कैरेक्टर को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो इट्स इजी वी हैव ऑप्शन राइट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके जिसमें वी हैव कैरेक्टर एट जीरो इंडेक्स पे जो भी रहेगा उसको टू अपर केस कर दीजिएगा एंड अभी देखो भी क्या होता है मैं अगर आप इतना सिर्फ करके इसको रन करोगे ना इसको मैं हटाता हूँ इसको रन करता हूं तो ये देखो हेलो वर्ल्ड एंड देन थापा एक सेकेंड ये क्या हो गया एस सेव कर रहा हूँ ठीक है आ, ओके, ओके ओके ओ सॉरी ये पता क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि कंसोल डॉट लॉक तो मैं वहाँ पे कर रहा हूँ मुझे अब वो वहाँ पे नहीं यहाँ पे करना होगा कंट्रोल एस सेव करता हूँ अब मैं अगर रन देखा क्या हुआ अगर फर्स्ट इंडेक्स नंबर है आई मीन इफ द इंडेक्स नंबर इज ट्रिपल इक्वल टू ज़ीरो तब तो एज इट इज़ रहेगा उसके अलावा जितने भी आपके एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दो देखो W एंड दें T बराबर हुआ लेकिन ये W के पति O R L D फिर टी में भी ये H A P है ये कहाँ गया तेल लेने कहाँ गया ये नहीं मालूम राइट तो हम क्या करेंगे मुझे उसको कॉन्केटिनेट करना होगा फर्स्ट लेटर को तो मैंने कैपिटल कर दिया उसके बाद का लेटर का क्या भाई वो आप मुझे कहाँ से मिलेगा सोचो अभी आपको ये सोचना है कि आपने स्ट्रिंग्स पढ़े हैं अगर जाव में जो कि आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स बहुत अच्छे से पढ़ाया था पूरा एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया था यह भी बताया था कि अगर आपके पास एक वर्ड है उस वर्ड को अगर आपको ऐड करना है रिमूव करना है डिलीट करना है अपडेट करना है या खाली रीड करना है अगर पांच लेटर है तो अगर आपको तीसरा चौथा पांचवा ही चाहिए या खाली एक ही चाहिए वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ आपको जस्ट कन्फ्यूजन हो सकता है इधर वी शुड गो विथ स्प्लाइस मेथड और अ स्लाइस मेथड बट यहाँ पे हम स्लाइस के साथ जा सकते हैं लेट्स हैव करेंट एलिमेंट डॉट स्लाइस मतलब मुझे एक हिस्सा चाहिए खाली नॉट ए स्प्लाइस इट्स अ स्लाइस है ना स्लाइस में मैं लिख दूंगा वन एंड मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ डॉट टू लोअर केस मतलब खाली उसको छोड़ के है ना लोअर एंड देन केस तो बाकी जो भी सबको लोअर केस भी कर दो आप लगे तो यहाँ पर भी आप इसको भी डॉट टू लोअर केस कर सकते हो टू लोअर केस इस तरीके से ठीक है या दिस इज इट कंट्रोल एस सेव अब अगर इसको मैं रन करता हूं एंड फिर से मैं रन करता हूं यू नो एंड बुम गाइस सो इट्स हेलो वर्ल्ड एंड देन थापा मेरा काम हो गया अब मुझे क्या करना है आई जस्ट नीड टू लाइक ज्वाइन है ना जैसे स्प्लिट की थी अब मुझे बस इसको ज्वाइन कर देना है तो so मैं यहाँ पे चलता हूँ रिटर्न ये जो भी मेरा एस टी आर डॉट ज्वाइन एंड मुझे एक इस तरीके से लिखना होगा एंड इसको मुझे ऊपर करना होगा ठीक है बस मैंने ज्वाइन लिख दिया एंड मेरा काम हो गया अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूं तो देखो हेलो वर्ल्ड थापा मेरा काम हो गया ये ये इस पर मत ध्यान दो क्योंकि वो तो वो है ये है हमारा कंसोल है ये इसको फिलहाल के लिए आप मैं क्या कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल एस सेप अब अगर इसको मैं रन करता हूँ सो इट्स अ हेलो वर्ल्ड एंड था यू ईजिली मेरा काम हो गया राइट सो या दिस इज इट आज इस बीडो रिता लेकिन मैंने आपको कहा था सतराह मीन्स खतरा इसको अब मैं ना यहाँ पे ना कह इसमें चेनिंग मेथड यूज़ कर सकता था या मेथड चेनिंग आप कुछ भी कह सकते हो मेरा गला बैठ गया आज बट कोई नहीं देख लीजिए इसको मैंने हटाया अब ये जो मेरा स्प्लिट के बाद मैंने डॉट मैप कर दी ठीक है ये जो मेरा जॉइन वाला जो पार्ट है इसको भी मैं हटा रहा हूँ स्ट्रिंग को भी हटा रहा है डॉट कर दिया कंट्रोल एस से देखो ये आपका क्या हो गया मेथड चेनिंग हुआ कि नहीं अरे ये जो पार्ट दिख रहा है एंड बस अब यहाँ पे भी ये इस तरीके से लिखने की नीड ही नहीं है खाली आई नीड टू रिटर्न ये जो भी मेरा स्ट्रिंग था मेरा काम हो गया कंट्रोल एस सेव ठीक है तो एस टी आई को सबसे पहले मैंने ट्रिम किया उसका जो भी आउटपुट है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया उसका जो भी आउटपुट आया रिजल्ट मैंने मैप मे मेथड चला दी एंड उसका जो रिज़ल्ट आया मैंने उसको ज्वाइन कर दिया सो ये इस तरीके से आई गेस अभी तक का हमारा ये जो सीरीज़ था उसमें ये जाके आपको कहीं ना कहीं एक, एक यूजफुल लगा अच्छा यार मैं तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ है ना करने के बहुत तरीके लेकिन मैंने जानबूझ के ये तरीका दिखाया स्टेप बाय स्टेप मैं गया आउटपुट दिखा एंड मैंने ये पता कि ये आप अगर कर लेते हो उसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे राइट इसको भी अगर मैं रन करता हूँ तो आना मुझे सेम ही है वही आपका जो भी आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड थापा इस तरीके से कैमल केस में ठीक है एंड आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि दो इट्स लुकिंग सिंपल लेकिन ये लाइक आपको मतलब आना चाहिए मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एक आज कैरेक्टर मतलब क्या होता है एक यूनिकोड मतलब क्या होता है एंड हमें कैसे पता लगा है कि कोई भी लेटर अगर मैं आपको सामने रख दूं तो इधर आई मीन इजी ट अपर केस और अ लोअर केस वो आप कैसे पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ के प्रोग्राम तो वो आज हम इस वीडियो में टैकल करने वाले सो गाइस इट्स अ ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्राई इट योर सेल्फ तो अभी तक अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए पाँच दस पंद्रह बीस मिनट लीजिए सोचिए हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं एंड मैं अगेन आज इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको आप बहुत ईजिली टैकल कर सकते हो एक थोड़ा सा लेंदी होगा लेंदी नहीं होगा आई मीन I mean होगा तो वो भी एक या दो लाइन का ही लेकिन उसमें हमें एक्स्ट्रा नॉलेज लगेगा दूसरा होगा एकदम बच्चों वाला मतलब आप सोच भी नहीं सकते अरे इतना ईजी है ना तो या लेट्स डू इट है ना सो so, देख लीजिएगा इस एक चीज़ में आपको क्लियर कर देता हूँ हमने हमारा जो जाब्क्रिप्ट का वर्ल्ड बेस्ट कोर्स है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसमें भी हमने जब स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे यू ना उसमें बात आई थी लोअर केस अपर केस एंड उसमें बहुत सारी बातें आई थी लाइक काउंट करना या हमें लाइक आस के कैरेक्टर या यूनिकोड फाइंड आउट करना था कैरेक्टर्स के तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर्स के अलग होते हैं स्मॉल लेटर्स के अलग होते हैं फिलहाल इस केस में मैं यहाँ पर एस कर रहा हूँ एंड एक चीज़ है कि हम सिर्फ एक ही लेटर पास करेंगे ठीक है सबसे पहले लेट्स गो विथ लाइक अपर केस एंड अगेन आज होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको एंड दैट इज की लोअर केस आपको खुद से करना होगा ठीक है देख लीजिए कैसे सो इट्स अ कॉन्स्ट इज अपर केस राइट यहाँ पे हम चलते हैं इस तरीके से सिंपल एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ अ कैरेक्टर देख लीजिए इफ मैं एकदम uh, फटैक्स इसको कर दूंगा क्योंकि मेरा ये जो कैरेक्टर है अब यूनिकोड आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्मॉल लेटर्स के अलग होते हैं कैपिटल लेटर्स के अलग होते हैं एंड वेन इट कम्स टू योर कैपिटल लेटर तो यूनिकोड जो ए का है वो है आपका सिक्सटी फाइव एंड देन जो फाइनल जेड है या जी आप कह लीजिए वो है आपका नाइनटी तो मैं एक सिंपल सा साइब कंडीशन लिख सकता हूँ डैट इज़ कि अगर मेरा ये जो कैरेक्टर का कैरेक्टर कोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर कोड एट ठीक है मैंने क्या लिखा कैरेक्टर कोड एट हमने जो भी कैरेक्टर पास की है या बेसिकली यूजर ने जो भी कैरेक्टर दिया है उसका कैरेक्टर क्या है उसका यूनिकोड क्या है इफ़ वो जो यूनिकोड है अगर इफ़ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 मतलब या तो 65 के बराबर या उससे ज़्यादा क्योंकि कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से ठीक है एंड हाँ मुझे यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगेगा क्योंकि ये जो कंडीशन है इट मस्ट बी ट्रू एंड मैं अभी जो सेकेंड कंडीशन दूंगा इट ऑल्सो मस्ट बी ट्रू दोनों अगर ट्रू होते हैं इट मीन्स कि यूजर ने चाहे वो ए से लेकर जेड के बीच में कुछ भी लिखा हो वो कैपिटल लेटर कहलाएगा तो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर चलता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ अब ये बोलूँगा कि ठीक है सिक्सटी फाइव के बराबर या उससे बड़ा होना तो ठीक था लेकिन इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू योर नाइन्टी क्योंकि नाइन्टी आपका जेड का वैल्यू दिस इज इट बस खत्म यहाँ पर अब आप आपको कुछ नहीं करना है. यू नीड टू रिटर्न सिंपल ट्रू या ख़त्म बस इतना ही आपको करना था अगर ये नहीं होता है देन नीड टू रिटर्न अ फॉल्ट है ना आपको फॉल्ट भी तो बताना पड़ेगा ना सो इट्स रिटर्न एंड देन फॉल्ट खत्म अब यहाँ पर मुझे एर आएगा फॉर दिस लोअर केस तो क्या इस लोअर केस का आप समझ गए लोअर केस में जो ए की वैल्यू होगी एंड देन जो जेड की वैल्यू होगी वो आपको कंपेयर करना है बस मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ इसको क्लीन करता हूँ मैं रन करता हूँ एंड बाय द वे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है एंड ये कैसे हो सकता है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग रिटर्न में ट्रू कर रहा हूँ अगर ये मैच नहीं होता है देन वो रिटर्न फॉल्ट होता है तो कंट्रोल एस सेव मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी इट्स अ ट्रू है ना इट्स अ ट्रू अब एस के बदले मैं छोटा एस कर देता हूँ क्योंकि छोटा एस का जो यूनिकोड है ना वो ऑब्वियसली नाइन्टीज से तो ऊपर ही है है ना तो ये होने वाला नहीं है तो अगेन मुझे आ गया यहाँ पे फॉल्ट तो कितनी ईजिली हमने ये चेक किया कि कोई भी कैरेक्टर अगर हमें यूजर लाइक like, दे रहा है एंड तो हमें बताना है कि वो कैपिटल है या नहीं बेसिकली अपर केस है या नहीं अब ये तो एक तरीका हो गया दूसरा तरीका आप सोच भी नहीं सकते गैस वो कितना ज्यादा ईजी था सिंपल हा दूसरा पता क्या था यू नीड टू रिटर्न एंड यू नीड टू कंपेयर है ना सिंपल कि जो भी यूजर ने कैरेक्टर दिया है ट्रिपल इक्वल टू है ना जो भी लेटर दिया है डॉट टू अपर केस टू अपर केस सो गैस आप समझे यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रिक देखना जरा ध्यान से अगर ये जो कैरेक्टर है ये ये जो कैर आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे ये वाला जो भी है ये तो चलो नॉर्मल है ठीक है बट उसको मैं क्या कर रहा होगा उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू अपर केस अगर यूजर ने बाय डिफॉल्ट मुझे अपर केस दिया होगा तो जब मैं उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा तो दोनों सेम ही होगा तो ये तो मेरा बराबर हो गया लेकिन अगर यूजर ने लेट्स इमेजिन है ना कि स्मॉल एस लिखा हुआ है फिलहाल अभी हमारे केस में क्या है स्मॉल एस जब मैं उसको अपर केस में कर दूंगा तो वो क्या होगा बड़ा एस तो स्मॉल एस एंड देन कैपिटल एस तो बराबर नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा मतलब इतना सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है एंड मतलब यू मतलब हो गया बस मैं खुद हैरान था ये क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वाला ट्रिक अपनाया था होता है ना जब आप थोड़ा ओवर स्मार्ट हो जाते हो तो आप थोड़ा लॉन्ग कट आई मीन शॉर्टकट ना दे के आप वो फॉलो करने लग जाते हो बट ये तरीका भी बराबर है अगर इसको मैं रन करता हूँ फिर से तो देखो मुझे बराबर फॉल्ट आ रहा है है ना क्योंकि मैंने स्मॉल एस लिखा है बट वहीं अगर मैं कैपिटल एस लिख के कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस सेव एंड अगर मैं रन करता हूं तो मुझे ट्रू आने वाला है तो ये है ना कितना ज्यादा ऑसम सो या गाइस दिस इज इट आज इस बीड इतना तो आप देख सकते हो कि गाइस आज का जो क्वेश्चन है अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन

मतलब सब स्ट्रिंग क्या है लाइक like आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही है बस सब स्ट्रिंग हो गई है तो हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है ये एक सब स्ट्रिंग है तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि हम जो भी सब स्ट्रिंग दे रहे हैं क्या हमारे स्ट्रिंग उस सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है या नहीं इसको आज हमें चेक करना है तो गैस बिलीव में ना ये ना इजी है लेकिन अगर इजी उनके लिए है जिनको मालूम है कि वी हैव वन बिल्ट इन मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ठीक है अगर वो आपको मालूम है तो आपके लिए ईजी होगा एल्स आपके लिए कैसे ईजी होगा आपको मालूम ही नहीं है है ना तो गाइस मैं अब आप आपको दो तरीके से करके बताता हूँ देखिए वी हैव वन फंक्शन कॉल स्टार्ट्स विथ ठीक है एंड आप बिलीव नहीं करोगे ये जो स्टार्ट्स विथ लिखा है ना इन्होंने वो भी एक रहस्य है लेकिन सबसे पहले सबसे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं किया तो अभी के अभी कीजिए वीडियो को पॉज खुद से सोचिए वो बिल्ट इन मेथड्स कौन सा है एंड जो सेकंड अल्टरनेट तरीका होगा वो आपको खुद से करना है विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन मेथड तो दो तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है आज के इस दिन ठीक है तो यही है आपका प्रैक्टिस ऑल आर गैस आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा क्योंकि ट्राई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड लेट मी नो इन नी कमेंट सेक्शन आप में से कितनों ने कंप्लीट किया इसको ठीक है एंड कौन सा कोड लिखा आपने उसको कंप्लीट करने के लिए ठीक है तो आप देख सकते हो कि क्या मैंने कुछ इस तरीके से लिखी एंड जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं दो आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ वन इज आवर एक्चुअल स्ट्रिंग दी अदर वन इज आवर सब स्ट्रिंग ठीक है तो ये जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसको तो एस टी आर कर देता हूँ एंड जो मेरा सब स्ट्रिंग है उसको सब एस टी आर कर देता हूँ सिंपल है ना तो यहाँ पे तो एक एक लाइनर है देखो सबसे पहले तो मैं बिल्ट इन मेथड यूज़ करता हूँ जिसमें मेरा जो स्ट्रिंग है क्या वो स्टार्ट्स होता है देखो ना एक बिल्ट इन मेथड ही स्टार्ट विथ जान के मैंने फंक्शन का नाम स्टार्ट स्विथ रखा था ताकि आपके दिमाग की घंटी बजे आपको पता चले अरे स्ट्रिंग में तो स्टार्ट स्विथ करके एक मेथड है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा हमारा ये जो भी बेसिकली uh, स्ट्रिंग है उसमें क्या वो पर्टिकुलर वर्ड से हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है या नहीं वो ये आपका स्टार्ट विथ इन मेथड आपको बताता है कुछ नहीं करना आपको खाली स्टार्ट्स विथ लिखना है एंड यहाँ अब आपको ये जो सब एस टी आर है वो पास कर देना है दिस इज इट इफ इट इज़ ट्रू देन तो ट्रू अगर नहीं तो फॉल्स आ जाएगा है ना इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ सो इन बोथ द केस वी आर गेटिंग फॉल्स तो क्यों हमें फॉल्स मिल रहा है द रीजन बिहाइंड इट वेरी सिंपल एंड दैट इज गाइस हमारा ये जो एच है दैट इज अ फर्स्ट लेटर वो स्मॉल लेटर में है बेसिकली लोअर केस में है एंड हमारा ये जो हेलो है वो क्या है कैपिटल बेसिकली अपर केस में कैपिटल बेसिकली अपर केस क्या बोलना तो हमें क्या करना पड़ेगा ये जो केस सेंसिटिविटी है उसको भी यहाँ पे हमें चेकआउट करना है ठीक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते इट्स सुपर इजी खाली जो है इसको टू लोअर केस कर दो ना ये भी तो हमारे पास एक मेथड है एंड देन उसके बाद स्टार्ट स्टार्ट विथ ये जो मेथड है उसको चलाओ एंड देन अगेन यहां पे आओ सब एस टी आर डॉट स्टार्ट विथ है ना सॉरी ये क्यों लिख रहा हूँ मैं टू लोअर केस एंड गाइस अगर आपको मेरा वॉइस थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी लाइक like, मॉर्निंग सुबह के साढ़े पाँच छः बज रहे है अभी है ना अब क्या करें वीडियो तो बनाना पड़ेगा एवरी डे एंड घर में एक्चुअली इंटीरियर का, का काम चालू है तो इसलिए मेरे पास समय भी नहीं होता पूरे दिन भर में तो इसलिए सुबह या रात में करना पड़ रहा है बहुत जल्द आऊँगा मैं ठीक है तो आप देख सकते हो कि गैस कुछ इस तरीके से आप हमने लिख दिया अब अभी थोड़ी देर पहले जो आपने को फॉल्स आ रहा था ना एंड ओके टू लोअर के स्पेलिंग रॉन्ग है बाय द वे यहाँ पे सी एस सी के सी एस सी परफेक्ट अब अगर मैं रन करता हूं थ्री टू वन एंड बुंग्स तो ये एकदम परफेक्ट है ये अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं ठीक है देखो एक और तरीका विदाउट यूजिंग द बिल्टिन मेथड एंड दैट इज गैस कैसे देखो हमारे पास ना बहुत सारी चीजें मैंने आपको बहुत औसम तरीके से बताया था आप स्लाइस स्प्लाइसेस सब एस्टेयर भरे पड़े जिसमें से हम स्लाइस का यूज ले सकते हम स्लाइस मतलब जैसे मैंगो का आप स्लाइस करते हो ना एक टुकड़ा वैसे ही मैं बोलूँगा मेरे एस का एक टुकड़ा लो लो आई I मीन mean, टुकड़ा काटो एंड डैट इज़ की जीरो इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक मुझे चाहिए जैसे ये हेलो वर्ल्ड है ना तो ये हेलो वर्ल्ड में हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये एच ई डबल एल ओ बेसिकली इसमें पांच कैरेक्टर है या लेटर्स भी आप कह लीजिए लेकिन मैं वो स्पेसिफिक काउंट नहीं करूँगा मैं क्या बोलूँगा मेरा ये जो भी सब एस है है ना जो भी ये सब एस टी आर दिया है तो सब एस टी आर डॉट एल ई एन जी टी एच ठीक है अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ गाइस ठीक है अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है वो देख लेते एक बार तो आप देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा क्लियरली मुझे क्या मिलता है यहाँ पे मुझे मिलता है हेलो एंड देन हेलो मुझे दो बार हेलो मिल रहा है क्योंकि हम दो बार कंसोल डॉट लॉक कर रहे हैं एक बार हेलो चेक करने के लिए दूसरा वर्ल्ड चेक करने के लिए ले। लेकिन दोनों केस में मुझे क्या मिला जीरो से स्टार्ट होता है सब एस टी आर डॉट लेंथ करता तो मुझे ये हेलो एंड देन हेलो मिल गया अब कुछ नहीं मुझे इसको ट्रिपल 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 इक्वल टू इस तरीके से मुझे खाली ये सब एस टी आर पास कर देना दिस इज इट तो मैंने जो सब एस टी आर पास किया है एंड देन स्लैश मेथड की मदद से जो मेरा एक्चुअल स्ट्रिंग है उसमें मुझे जो ये स्टार्टिंग uh, के जितने भी ये लेंथ सब एस्टीआर का लेंथ की जो भी वैल्यू है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू मतलब बोथ आर बो इक्वल देन तो ट्रू हो ही आई I मीन mean हो ही गया ना तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो अगेन गाइस मुझे फॉल्ट मिलेगा डू यू नो वाई दिस टाइम तो आपको बहुत क्लियर आइडिया आ चुका है क्योंकि हम केस सेंसिटिविटी का जो फंडा है उसको चेकआउट नहीं कर रहे तो जो हमने ऊपर किया था गाइस फिर वही कर दो और क्या करोगे कॉपी यहाँ पे पेस्ट या ओवर हियर पेस्ट एंड देन अगेन डॉट स्लाइस एंड सेम विथ हियर यहाँ पे सब एस्ट डॉट ठीक है हो गया खत्म अगर अब मैं ये करता हूं एंड बूम गाइस सी इट्स अ ट्रू एंड देन फॉल्स जहाँ पे फाइनली हमें क्या करना है गाईस? एक रिवर्स करना है हमारे कोई भी स्ट्रिंग को विदाउट यूजिंग बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड जी हाँ गाइस तो बताना चाहूंगा आज से हम हमारा जो क्वेश्चन है उसको एक स्टेप फर्दर उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है उसको हम इंक्रीज करने वाले एंड आई होप गाइस आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो एंड आप लोग भी डेली इसको प्रैक्टिस कर रहे जिस हो जिससे क्या होगा ना गाइस एट द एंड ऑफ द दंड्रेड डेज आपको बहुत कुछ आइडिया आ चुका होगा आपको बहुत ईजी फील होगा जावास्क्रिप्ट को लेकर ठीक है Guys, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जार्ट कोर्स अपलोड कर चुका अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है एंड साथ ही साथ बताना चाहूंगा कैसे, अभी के अभी आप वीडियो को कर लीजिए पॉज एंड खुद से कोशिश कीजिए कोई भी स्ट्रिंग को अगर आपको रिवर्स करना हो विदाउट यूजिंग बिल्ट इन जॉसक्रिप्ट मेथड तो आप कैसे कर सकते हो एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में लेकिन आप पॉज कीजिए अब भी अभी एंड खुद से ट्राई कीजिएगा ठीक है तो आप देख सकते हो इट्स सिंपल एंड हम कैसे कर सकते हैं सो क्वेश्चन तो सिंपल सा रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग बिल्ट इन मेथड्स और इवन लाइब्रेरीज ये जो फंक्शन है इट शुड अ स्ट्रिंग एज इनपुट एंड रिटर्न अ रिवर्स स्ट्रिंग ओके देख लीजिए कैसे कर सकते हैं तो अब आपको सोचना होगा कि मुझे बस ये एच ई डबल एल ओ को ओ डबल एल ई एच करना है ठीक है तो कैसे हो सकता है देखिएगा सिंपल है हम एक लूप चलाते हैं ठीक है सो कॉन्स्ट रिवर्स स्ट्रीट यहाँ पे हम चलते हैं दिस इज इट एक एस टी आर लेता हूँ मैं यहाँ पे ठीक है एंड मैं एक फॉलोअप लगा लेता हूँ सिंपल uh, है ना जिसमें uh, लेट आई लेता हूं. एक आई की वैल्यू में कर देता हूँ जीरो है ना आई शुड भी लेस देन इक्वल टू मैं कर देता हूँ मेरा एस टी आर डॉट एल ई एन जी टी एच एंड देन आई को मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ ठीक है अब मुझे कुछ नहीं करना फिलहाल के लिए मैं जस्ट कंसोल डॉट लॉ करके आपको अगर मेरा ये जो एस है उसको अगर मैं आई एज अ लाइक स्त्री के से पास कर दूँ सो so ये तो आपको मालूम होगा कि इन दाउस्किप्ट एवरी थिंग इज एन ऑब्जेक्ट राइट एंड एस भी जो कहीं ना कहीं आपका एक इट्यूरेबल है क्यों क्योंकि इसको मैं कहीं इस इंडेक्स नंबर की मदद से इसको आ, इसकी जो भी वैल्यू इसको मैं गेट कर सकता हूँ तो आपको तो लग रहा होगा कि हम ये तो खाली एरे के साथ करते थे बट ऐसा नहीं है इवन आप स्ट्रिंग में भी अगर आप यू नो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके इंडेक्स नंबर देते हो लेट से फॉर जीरो वन टू थ्री इस तरीके से मुझे यहाँ पे हालांकि एस्टिया डॉट लेंथ की जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन इसको रिफ्रेश करता तो अब देखो एच ईट डबल एल एल ओ मुझे इस तरीके से आ रहा है मतलब इंडिविजुअली मुझे डेटा तो आ गया राइट right? अब मैं क्या कर सकती हूँ इसको लेट से मुझे उल्टा करना है एच ईट डबल एल ओ के बदले मुझे ओ डबल एल ई एच करना है इसका मतलब अभी फिलहाल मैं आ, बेसिकली स्टार्ट टिल एंड जा रहा हूँ अब मुझे एंड से स्टार्ट की ओर आना है समझ रहे हो एंड हम ही ऑलरेडी फॉलो अप में कर चुके मतलब इंडेक्स नंबर अगर मैं उल्टा कर दू तो जैसे पाँच है ना पहले पांच इंडेक्स नंबर दिखाओ फिर चार का दिखाओ फिर तीन का दिखाओ फिर दो का दिखाओ फिर एक का दिखाओ तो ऐसे करूंगा तो मुझे बराबर ओ एल एल ई एच आएगा ना तो मुझे किसी तरीके से आई की वैल्यू को अब उल्टा कर देना तो मैं क्या बोल दूंगा मेरी आई की वैल्यू जीरो ना होके okay, मैक्सिमम चाहिए मुझे तो मेरा एस टी आर डॉट लेंथ खत्म ठीक है अब मेरी आई की वैल्यू क्या होगी जो इसकी लेंथ थी परफेक्ट उसके बाद अब मुझे क्या करना है आई को एक कंडीशन देना है कि कब तक मुझे वो चलाना होगा मुझे तब तक चलाना है जब तक मेरी आई की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर नहीं हो जाती अब मुझे आई को प्लस तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि एस टी आर डॉट लेंथ ऑलरेडी वो फाइव है तो सेकेंड इटरेशन में मेरा वो सिक्स हो जाएगा लेकिन मुझे तो नेगेटिव चाहिए आई I मीन mean चार चाहिए तो मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर दूंगा ठीक है तो इस तरीके से मैंने क्या की आई की वैल्यू एकदम मैक्सिमम रख दी जो एस टी आई डॉट लेंथ कर दी कंडीशन ये लगा दिया कि कभी भी जीरो से छोटा नहीं होना बस एक बार जीरो आया मतलब आप उसको टर्मिनेट कर दो एंड देन आई को मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ ठीक है तो अब मैं यहाँ पे आई की वैल्यू पास कर दूंगा कंट्रोल से अगर ये मैं करता हूँ ठीक है एंड देन अगर मैं हीट करता हूँ रन ठीक है ध्यान से देखने क्या होता है ओ एल एल ई एच एंड लेकिन मुझे ना स्टार्टिंग में अनडिफाइंड आता है मैंने आपको क्या बोला सो so, गाइस ये तो हम सबको मालूम ही है कि हमारा जो भी इंडेक्स नंबर होगा प्लस वन कर देंगे तो वो आपका एस टे डॉट लेंथ होता है लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस वन ताकि मुझे बराबर जो मेरा सबसे लास्ट वाला जो डेटा है वो मुझे बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हो जाए सिंपल फंडा यही है फिलहाल तो अनडिफाइंड आ गया था ना अभी क्योंकि वो लास्ट वाली वैल्यू होती नहीं तो ओ एल एल ई -E एच खत्म हो गया रिवर्स मेरा हो गया मुझे बस ये जो वैल्यू इसको कहीं पे स्टोर करना है तो लेट्स डू विथ रिवर्स है ना आर अंडर स्ट्रिंग एज इट इज़ मैं छोड़ देता हूँ एंड कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हमें अंडर इसको लिखना होगा ठीक है इसको फिलहाल मैं एक एम टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ यहाँ पे ये जो डेटा था उसको मैं क्या कर देता हूँ आर अंडर स्कोर एस टी आर विल भी इक्वल टू आर अंडर स्कोर एस टी आर प्लस हमारा ये जो एस टी आर है स्क्वायर ब्रैकेट आई की वैल्यू ठीक है या दिस इज इट मेरा काम हो गया ऑल राइट राइट एंड बस मुझे रिटर्न करना होगा मेरा ये आर अंडर स्कोर एस टी आर सिंपल देखो ना मैंने आपको तो दिखा दिया था कि मुझे वो बेसिकली ओ एल एल ई एच आ भी रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बस उसको किसी तरीके से स्टोर करना है अब मैं डायरेक्टली एस टी आर में ही तो उसको नहीं कर सकता था ना तो मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया सिंपल सा एंड खाली उसी में नॉर्मल सा ये वाला एडिशन हमने कर दी लगे तो आप ये भी हटा दो और डायरेक्टली यहाँ पे प्लस रख दो इस तरीके से वो भी आप कर सकते थे लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ जितना सिंपल हो सके वो मैं कर दो एंड ऑब्वियसली जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो रिटर्न तो करना पड़ेगा ही ना बिना रिटर्न के तो आने से रहा आपका आउटपुट जो भी है इसलिए रिटर्न तो लिखना ही पड़ता है कंट्रोल एस सेप्स थ्री टू वन एंड बुम गए सी ओ डबल एल ई एच एल साहब रिवर्स मेथड यूज़ करती हूँ चुटकी में हो जाता जो कि मैं नहीं करने वाला वो आप कर सकते हो लेकिन आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आज हमारा था डे नंबर ट्वेंटी तो आ, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए था राइट कितना हम बिल्ट इन मेथड यूज करते यार तो विदाउट यूजिंग बिल्ट इन मेथड आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो फाइनली देखने जा रहे कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि हमने बचपन में मैथ्स में पढ़ी थी नो गाइस जब भी हम ट्वेल्थ पास करके नो कॉलेज में जाते हैं देन जॉब फाइंड आउट करने जाते हैं हमें ऐसी फील आती है यार हमने मैथ्स पढ़ लिया बचपन में लेकिन क्या काम स्कूल में जो पढ़ा उसका क्या काम तो फाइनली वो जो एक डाउट था वो आज क्लियर हो जाएगा क्योंकि बचपन में हमने जो मीन मोड एंड देन मीडियन जो हमने पढ़ा था गाइस तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ सो टुडे वी विल सॉल्व मीन टुमारो विल बी मीडियम एंड देन डे आफ्टर टुमारो ग देखने वाले तो guys, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला एंड फाइनली मेरा घर का जो इंटीरियर वो कम्पली हो चुका है तो आई गेस कल परसो या तरसो से गैस में लाइक रेगुलर जैसे मैं नॉर्मली बनाता हूँ वैसे मैं स्टार्ट हो जाऊंगा ठीक है और अगर गाइस तो बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है वॉट इज मीन तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो क्या इस मीन का सिंपल मतलब होता है इज द एवरेज ऑफ अ सेटअप नंबर्स तो कोई भी सेटअप नंबर्स अगर आपको दिया जाए तो उसका जो एवरेज है उसको हम मीन बोलते हैं और द न्यूमेरिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर्स या कोई तो एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है एकदम सेंटर पॉइंट को ठीक है तो आई होप कहीं ना कहीं अब आप एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो एंड दैट इज कि मीन का कहीं कही ना कहीं मतलब होता है टू फाइंड आउट एन एवरेज एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब भी बात आती है सिंगल वैल्यू की तो कह आंख बंद करके दिमाग को एकदम लाइक चुटकी में आपको बोलना ओके वी नीड टू डू समथिंग स्पेशल एंड दैट समथिंग स्पेशल इज रिड्यूस मैथड इन आवर जाव स्क्रिप्ट एंड ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि पहले से ही जो हमें आर्गूमेंट पास किया गया है वो पहले से ही हमारे पास क्या है एक एरे में है तो गाइज आई गेस ये हम ऑलरेडी so awesome so, कर चुके सो नाउ इट्स ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू एक्सप्लोर सो अभी कभी कर लीजिए आप वीडियो को पॉज एंड खुद से ट्राई कीजिए कि आप कैसे मीन को फाइंड आउट कर सकते हो सो आई होप गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई कर लिया होगा तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे सो so, गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ कांस्टेंट एंड दैट इज द इनपुट एरे में कंटेन पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर ठीक है पॉजिटिव या तो नेगेटिव इंटीजर वो कंटेन कर सकता है द इनपुट एरे में भी एम टी वो एम टी भी हो सकता है एंड इन केस अगर वो एम टी होता है देन द फंक्शन शुड रिटर्न अ जीरो वैल्यू और आई होप तो, आप समझ गए होंगे लेट्स डू इट है ना सो so, मेरे हिसाब से तो ये एकदम बेसिक सिंपल सा होना चाहिए क्योंकि अगर आपको रिड्यूस मेथड आता है देन एंड हम बहुत बार ऐसे एवरेज फाइंड आउट कर चुके हैं सो लेट्स डिफाइन ऑफ फंक्शन सबसे पहले यू नो सो कैलकुलेट मीन ऐसे कर लेता हूँ एंड या ठीक है हम एक आर्गूमेंट पास करें तो मैं उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ ठीक है एज एन पैरामीटर चलो ठीक है तो सबसे पहले लेट्स टैकल कि अगर इन केस हमारा एरे एम होता है वी नीड टू रिटर्न जीरो वैल्यू ठीक है सो इफ अगर मेरा ये एरे का जो लेंथ है ठीक है अगर ये ट्रिपल इक्वल टू जीरो मतलब वह एम टी है ना चाहे स्पेस हो चाहे जो भी हो अपने को मतलब भी नहीं अब इट्स शुड रिटर्न योर जीरो या तो आप फॉल्स वैल्यू लिख दीजिए यू नो फॉल्स वैल्यू बाईल जीरो ही तो रिटर्न करेगा है ना ना वी नीड टू फाइन दज उसके लिए मैं क्या करता हूँ लेट सम विल भी इक्वल टू कैस देखवाए बहुत ही ज्यादा ईजी है वी नीड टू गो विद रिड्यूस मेथड एंड इफ यू ड नो वट इज रिड्यूस मैथड इन ये यू कैन चेक आउट दिस वीडियो राइट नाउ आपको आइडिया आ जाएगा प्लीज देख लीजिए आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला मैप फिल्टर रिड्यूस ये तीन ऐसे मेथड है जो आपको आना ही चाहिए नो मैटर वॉट इंटरव्यू में एकदम पूछते हैं ठीक है सो so, एक स्पेशल बात है कि वी हैव अब एक्यूमेलेटर जहाँ पे चीज़ें जमा होती रहती है एंड दूसरा तो नॉर्मल फिर वही है आपका करंट एलिमेंट इंडेक्स जो भी है वो सब है ना सो so, इस तरीके से चल देता हूँ बाहर चलते हैं अब देखो मैं ना सिंगल लाइन में लिखने वाला हूँ जहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्यूमलेटर प्लस मेरा जो करंट एलिमेंट होगा खत्म मेरे को इससे क्या मिलने वाला है सम मिलने वाला है तो कहीं कही ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि आ, ये आज इस एक प्रोग्राम में हम दो चीज देख रहे हैं इज हाउ टू फाइंड दिस सम ऑफ एन एरे राइट सम ऑफ एन नंबर्स या इंटीजर्स दूसरा सम मिल गया देन उसका हम एवरेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले यह सम है एंड देन ये जो जीरो में लिख रहा हूँ बेसिकली मेरा जो एक्यूमलेटर है उसकी जो इनिशियल वैल्यू वो मैंने डिफाइन कर दी एंड दैट इज़ जीरो ठीक है सो नाउ इट विल बी लाइक जीरो प्लस वन जो भी उसका आ, आएगा यू नो एडिशन करके देन डैट नंबर विल बी एड विथ टू नंबर फिर उसका जो एडिशन आएगा उसको थ्री से प्लस हो जाएगा तो ऐसे करता जाएगा ये तो इससे मुझे क्या होगा इससे मुझे मिलने वाला है सम ऑफ डैट नंबर ठीक है सो मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ सो इट विल बी लाइक फिफ्टीन सिक्सटी जीरो एंड देन जीरो परफेक्ट यू नो अगर आप इस पर्टिकुलर इंटीजर्स को सम करते देन फाइव प्लस वन सॉरी फाइव प्लस फोर विल बी 9 एंड देन 1 विल बी 10, 3 विल भी 13, 2 15. तो 15 आए ना ये 30 और 20, 50, 10, 60. तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ वी है वह 15 एंड देन 60 एंड रिमेनिंग टू हमें 0 मिल रहा क्योंकि माइनस 1 प्लस वन अब माइनस मतलब मैंने आपको एक टॉफी दी आपने मुझे एक टॉफी दे दी खत्म कुछ बचा ही नहीं आपके पास आपके पास वो 0 का 0 ही रहेगा खाली कहने के लिए ये होगा कि मैंने आपको टॉफी दी थी याद है बट आपने तो मुझे रिटर्न कर ही दिया था मैं तो आपके पास कुछ रहा ही नहीं जीरो एंड देन अब एम टी है तो वो तो जीरो हो गए, तो यहाँ पे हो गई तो ये टैकल चुका है नाउ हमें सम मिल गया नाउ हाउ टू फाइंड दी एवरेज एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज एवरेज भी क्या बोलना अब हम बोलेंगे मीन कैसे फाइंड आउट करना है क्योंकि बचपन हमने मीन मोड मीडियन पढ़ा था तो हम मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मीन का सिंपल फंडा क्या रहता है पता है एवरेज ही है वो एक प्रकार से है ना और एवरेज कभी भी अगर आपको फाइंड आउट करना रहा तो जो भी आपका टोटल नंबर होगा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको आपने सम करके वो निकाला नंबर ठीक है इन आवर केस लाइक वी हैव अ टोटल फाइव एलिमेंट्स ओवर वही अब मुझे पांच एलिमेंट है बोल के तो नहीं आइडिया अब क्योंकि सेकेंड पार्ट में वी हैव ओनली थ्री तो मैं यहाँ पे ना तो फाइव लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे थ्री लिख सकता हूँ मुझे कुछ तो भी चाहिए सो वट वी कैन डू हमारा जो भी ये पैरामीटर था मैं बोल दूंगा भाई तेरा जो भी लेंथ होगा खत्म दिस इज इट तो अब जो भी लेंथ होगा डिवाइडेड बाय द सम इट विल गिव अस क्या एवरेज सिंपल बेसिकली क्या बोलेंगे अब मेन हमें मिल गया यहाँ पे ठीक है सो थ्री टू वन एंड बूम बोमगैससी इट्स सॉरी इसको मैं क्लीन कर देता हूँ एंड या इट्स अ फिफ्टीन का तीन साठ का बीस बाकी जीरो जीरो वो आपको डबल डबल दिख रहा है क्योंकि अब मैं इसको हटा देता हूँ मैंने कंसोल डॉट लॉग हटा दी अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ गाइस सी अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें आ गया है थ्री ट्वेंटी जीरो एंड देन जीरो बराबर आउटपुट वही मुझे मिलना था सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो को इतना ही होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आगेगा जहाँ मैंने आपको दिखाया हाउ टू तो फाइंड मीन इन आवर जावर स्क्रिप्ट ठीक है तो फाइनली अच्छा लग रहा होगा आपको ये देखिए कि बचपन में हमने जो मैथ्स पढ़ी थी वो फाइनली यहाँ पर काम आ रहा है अब कल हम देखेंगे मीडियन एंड देन हम देखेंगे मोड तो बचपन में हमने मैथ्स में मेन मीडियम एंड देन मोड पढ़ा था एंड उस समय हमें लगा होगा यार ये तो कभी कहीं काम आ नहीं रहा है लेकिन फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि ये काम आ रहा है राइट ऑल राइट तो मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपने कल की वीडियो देखी थी होगी तो आज हमें देख रहे हैं मीडियम तो क्या होता है मीडियम देख ली देख लीजिएगा इस सिंपल सा है ठीक है सो so, uh, मीडियम को भी आप कहीं ना कहीं बेसिक मीडियम कह लीजिए मीडियम को भी कहीं ना कहीं आप एक एवरेज की तरह समझ सकते हो लेकिन इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लाइक वेन दी हैज़ एन ऑड नंबर बेसिकली जब भी अगर आपको कोई सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हो अगर वो ऑड होता है देन द मीडियम विल बी द मिडिल एलिमेंट लेकिन उससे पहले हमें उनको सॉर्ट करना जरूरी इन असेंडिंग ऑर्डर ठीक है ये रूल है इफ इफ यू यू नीड टू फाइंड आउट द देन गाइस आई रिकमेंड प्लीज जो टॉप में आपको वीडियो दिखाई दे रहा है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ठीक है राइट तो फिर से वही बता रहा होगा इस सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया गया होगा उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है उसके बाद ये चेक करना है क्या वो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इफ इट्स ऑड देन द मिडिल वन विल बी द सिंपल राइट काइंड ऑफ सिंपल सा है। लेकिन अगर हमने लाइक like, जब उसकी लेंथ फाइंड आउट की एंड डिवाइड बाय टू किया एंड अगर वो इवन नंबर निकला देन कैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द टू मिडिल एलिमेंट्स समझ रहे हो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बहुत देख, देख, देख लीजिए यहाँ पे लाइक इट्स अ थ्री थ्री फाइव एंड देन नाइन तो देख लीजिएगा इस देख लीजिए जैसे ये है ना मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है राइट कुछ इस तरीके से सो so, अब देखो कैसे होगा मैं लेट से करता हूँ फिर फर्स्ट वाले को मैंने कट किया और मैं लास्ट वाले को कट करूंगा तो मेरे पास अभी तीन बच्चे फिर मैं इसको कट करूंगा फिर मैं इसको कट करूंगा तो मेरे पास क्या बचा मेरे पास बचा सिर्फ एक नंबर डैट इज फाइव सो so, ये जो फाइव दिख रहा है ये मेरा मीडियन हो गया क्या हो गया मेरा ये मीडियन हो गया परफेक्ट तो आप मतलब बचपन में हमने इस तरीके से की थी राइट लेफ्ट से काटो राइट से काटो फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे काटते जाओ बीच में जो बचा वो आपका मीडियन तो ये तब भी काम करता है ये फॉर्मूला या ये ट्रिक जब आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स हो वो अगर ऑड होंगे क्या होंगे गाइस अगर वो आपके ऑड हुए तो ही वो काम करेगा है ना वरना नहीं करेगा अब सोचो अगर इवन हो जाता तो ये भी कट हो जाता वो भी कट हो जाता तो ये तभी काम करता गाई जब आपके होंगे टोटल नंबर ऑफ सेट्स में जो भी बेसिकली वैल्यू आप टू करेंगे तो ऑर्डर आना चाहिए तब ये काम करेगा लेकिन अब देखना अगर क्या हो कि हमें देखो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे तो तीन पाँच सात एंड नौ बाय बाय द वे ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इसको सॉर्ट करने की नीड नहीं है अब है ना फॉर एग्जांपल मैंने इसको की कट मैंने इसको की कट मैंने इसको की कट मैंने इसको की कट भाई तो कुछ तो बचा ही नहीं यहाँ पे अब मैं क्या करूँ का है मेरा मीडियन बताओ आप नहीं है तो अब यहाँ पे ये तो सीओर है कि ये जो फॉर्म ट्रिक है ये तो अगर इवन नंबर हो ना जैसे एक दो तीन एंड देन चार टोटल चार ये इवन नंबर हो गया डिवाइड बाई टू करूंगा तो अपने को रिमाइंडर जीरो आने वाला सो इट्स एन इवन नंबर तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करता यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मिडिल नंबर होगा अब इसको मैंने कट की इसको मैंने कट की आपको तब तक इसको आप कट करते रहना जब तक लास्ट में आपके पास दो वैल्यू बच नहीं जाते द मोमेंट आपके पास अब दो वैल्यू बच गए तो इन दोनों वैल्यू को आपको करना है प्लस एंड डिवाइड बाय टू तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी सिक्स तो ये ऑलवेज जरूरी नहीं है कि आपके पास जो सेटअप एलिमेंट दी गई हो उसी में से ही कोई एक आपका मीडियम हो नहीं है मीडियम हो ये जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि मेरे इस केस में अगर इवन होता तो मुझे मीडियन मिला सिक्स बट इन रियलिटी मेरे ये जो सेटअप नंबर्स है इसमें ये क्या था ये आई गेस थ्री था थ्री फाइव सेवन नाइन सिक्स तो कहीं था ही नहीं समझ रहे हो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से आपको समझना जरूरी होगा अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब जो भी लेंथ होगा डिवाइड बाई टू कर देंगे अपना काम आ गया यहाँ पे सिंपल ठीक है सो या गाइस दिस इज इट अब मैं आपको करके बताता हूँ इसको कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं सो आई आईव गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है ठीक है अब हम इसको प्रोग्राम में सॉल्व करते हैं आपको और मज़ा आ जाएगा एंड आप टॉप पे वीडियो देख सकते हो प्लीज़ उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा कैसे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा और अर गाइस तो दिस इज ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू ट्राई योर स्किल्स यू नो कितना आपको ज्यादा स्क्रिप्ट आता है तो अभी के अभी कीजिए वीडियो को पॉज एंड ट्राई योर सेल्फ और अर गायस आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा सो आपने जो भी प्रोग्राम लिखा लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ठीक है सो so, मैंने आप देख सकते हो वे ऐप टोटल थ्री कंसोल डॉट लॉक बेसिकली हम तीन बार फंक्शन को कॉल करें विथ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स एंड बेसिकली ये एक एरे है ठीक है एंड एक चीज़ तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि ये जो भी आ, सेट सेटअप नंबर्स है ये बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं है ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना ही ये असेंडिंग ऑर्डर है ये टाइम पास है ऑर्डर और, है ठीक है हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले पहला रूल ये है दूसरा वी नीड टू चेक द एरे लेंथ क्या वो है क्या वो या वो इवन है राइट यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद अगर इवन है तो उसके लिए हमारे पास अलग फार्मूला है एंड अगर वो ये हम कितनी बार देख, चुके एन में एक सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना सॉर्ट करने के लिए तो ये तो बच्चों वाला काम है देखो ये जो फंक्शन है मैंने यहाँ पे डिफाइन की एंड ये जो भी आर्गूमेंट है उसको मैं एज एन पैरामीटर मैंने ए आर आर बोल के लिया तो अब ए आर आर विल रिप्रेजेंट ये वाली एरे ठीक है ये जो भी है सो so, मैं मुझे इसको शॉर्ट करना है ना सो ए आर आर डॉट शॉर्ट दिस इज इट मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ और मैं छोड़ सकता हूँ बट द प्रॉब्लम इज हमने बहुत अच्छे से मेरे वर्ल्ड बेट जाप्ट कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका है उसको भी चेकआउट नहीं किया तो गाइस इस प्लीज चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा इन डेप्थ में आपको कहीं नहीं मिलने वाला वो ठीक है सो शॉर्ट में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप नंबर्स के साथ डील्स करोगे डील करोगे तो गाइस वो परफेक्टली काम नहीं करता है so, राइट समझ रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बोल रहा हूं मैंने चलो कंट्रोल कर लेता हूं। है ना? सो कंसोल डॉट लॉग या परफेक्ट इसको मैं हटाता हूं ध्यान से देखना ऊपर के दो तो काम करेगा लास्ट वाले के साथ हलवा बनने वाला है देखो वन थ्री फाइव सेवन नाइन नो परफेक्ट आई मीन नो प्रॉब्लम टू फोर सिक्स एट नो प्रॉब्लम बट ये क्या हो गया भाई वन एंड देन इलेवन फिर थ्री फाइव सेवन नाइन एक बात बताओ ये इलेवन कहाँ से आ गया भाई समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ ये इलेवन कहाँ से आ गया इलेवन तो नहीं आना चाहिए लेकिन यही प्रॉब्लम है मैंने आपसे क्या कहा जब भी आप शॉर्ट यूज करते हो विथ नंबर देन पता है इलेवन क्यों आया वन तो चलो ठीक था उसके बाद इलेवन में सबसे पहला नंबर क्या है वन है तो उसने लगा अरे ये तो वन मतलब ये तो ऑब्वियसली तीन पाँच सात नौ से तो छोटा ही है इसलिए वो गैस ऐसा हो गया तो फॉर मोर डिटेल प्लीज मेरा वो वर्ल्ड बेस्ट कोच्च चेकआउट कीजिए आपको पता चल जाएगा पहला इतना ध्यान रखना स्ट्रिंग होता तो नो प्रॉब्लम बट इफ देयर इज ए नंबर देन वी नीड टू गो विद द कंपेयर फंक्शन जिसमें ए कॉमा बी यहाँ पे आपको ए माइनस बी खत्म बस इतना कर दो आप आपका असेंडिंग ऑर्डर बन गया एंड बुम गैस सी अब देखना है यहाँ पे ये देख लीजिए एक तीन पाँच सात नौ दो चार छः आठ एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह परफेक्ट मेरा पहला स्टेप इज डन लाइक इट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अब ये वाला पार्ट मुझे ये चेकआउट करने हैं इज इट लाइक इवन और ऑर्ड है ना तो मैं क्या काम कर लेता हूँ लेट uh, मैं यहाँ पे लेंथ uh, लिख लेता हूँ इस तरीके से ए आर डॉट लेंथ ठीक है एंड अब मैं एक कॉन्स्ट मीड या मीडियम बना लेता हूँ मीड जहाँ पे मैं लिख देता होगा सिंपल मेरा ये जो भी होगा लेंथ डिवाइडेड बाई टू ठीक है दिस इज इट कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ एंड ए कंसोल डॉट लॉग अब आप आपको मैं मीट दिखाता हूँ क्या मुझे मिलने वाला है यहाँ पे ठीक है सो मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे फॉर द फर्स्ट एरे मुझे टू पॉइंट फाइव आ रहा है ठीक है फॉर द सेकेंड फंक्शन मुझे टू आ रहा है जो कि अच्छी बात है एंड देन फॉर द लास्ट वन मुझे जो वैल्यू आ रही है वो है थ्री अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये थ्री क्या चीज़ है आई I मीन mean, ये कौन सा आई uh, मीन I mean, ये क्या है ये इज इट दल वैल्यू या कोई ये इंडेक्स uh, नंबर है या कुछ भी है ये है क्या ये भाई ये थ्री कहाँ से आ गया इतने सारे नंबर में ये थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई सभी हमने जो निकाला वो था आपका इंडेक्स नंबर सो एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो राइट सो इट्स अरो वन टू एंड देन थ्री तो ये पता चल रहा है कि सेवन हमारा यहाँ पे हो सकता है उसी तरीके से टू है सो so, ये तो चार हो गया यहाँ पे कितना एक दो तीन चार पाँच चलो ये तो इजी हो जाएगा ऐसे अपने को यहां पे फाइव आएगा देखो कभी भी ये जो टू पॉइंट फाइव आता है ना ऑब्वियसली टू पॉइंट फाइव तो होने से रहा ये अपना इंडेक्स नंबर है अब एरे में टू पॉइंट फाइव कौन सा इंडेक्स नंबर होता है भाई बताना जरा नहीं पता हमें तो हम क्या करेंगे ये एरे ऑलवेज लाइक जीरो से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ ओनली ए आर आर डॉट लेंथ सॉरी नॉट ओवर हियर ओवर हियर इंस्टेड ऑफ ओनली लैंड डिवाइडेड बाई टू वाट यू विल डू हम भाई हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट है उसमें वी हैव डैट फ्लोर मेथड मतलब अगर टू पॉइंट फाइव रहा या टू तो पॉइंट सिक्स कुछ भी रहा तो वो आपका जो लोएस्ट वैल्यू है इनिशियल डेसीमल से पहले जो वैल्यू होगा वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा एंड अगेन फॉर मोर इनडेप्थ फ्लोर सील राउंड पता नहीं क्या क्या थे उन सबके ऊपर मैथ ऑब्जेक्ट में बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका अभी तक चेकआउट नहीं किया तो गैस प्लीज कीजिएगा बाईस घंटे का वीडियो कौन बनाता है बताओ आज के टाइम में भाई मैंने बना के दिया हुआ है ताकि आपकी हेल्प हो आपको मोटिवेशन मिले आप अपना लाइक इंटरव्यू जॉब क्लियर कर सको प्लीज इतना तो आप कर सकते हो देख के एक लाइक like, कमेंट कर दीजिए है ना अब अगर मैं यहां पे चलता इसको हटाता हूँ तो अब आप देखना बराबर दो दो तीन मुझे मिल रहा है सो जीरो वन एंड देन टू फाइव इज माई इंडेक्स नंबर खत्म इतना ही जी चलो मेरा ये ये भी काम हो गया इसको मैं हटा रहा हूँ ना वी नीड टू फाइंड आउट अगर इवेंट है तो उसका फॉर्मूला अलग है अगर है तो उसका फार्मूला अलग है ठीक है भाई साहब इफ अगर हमारा ये जो लेंथ है इफ इट अगर हम ये करते हैं नॉट डिवाइड है नो वाट वी विल डू रिमाइंडर यूज करेंगे यहाँ पे हम या कंट्रोल एस सेब ओके बेसिकली फार्मूला है नहीं ही ऑल आइट परफेक्ट तो इसको तो मैं सबसे लास्ट में रख देता हूँ सबसे पहले ये ठीक है थीके? अगर अगर हमारी ये जो लेंथ है ठीक है अगर ये डिवाइड होती है टू से है you नो know, अगर हम करते बेसिकली डिवाइड टू से एंड रिमाइंडर अगर मुझे जीरो आता है इसका मतलब क्या है कि ये तो इवन नंबर है राइट तो अगर ये इवन नंबर है देन वी विल रिटर्न देखो क्या करता हूँ मैं मेरा ये जो ए है उसमें हमारा ये जो मीड है माइनस वन क्योंकि रूल यही है ना लास्ट के अगर दो वैल्यू बचेंगे तो रूल क्या था जो भी मेरा मीडियम होगा प्लस ए आर आर यहाँ पे मीडियम प्लस वन फार्मूला यही था राइट एंड उसको हम डिवाइड कर रहे थे टू से यहाँ पे वही तो किया हमने है ना ये देखो ना इसको हाँ, हटाया यहाँ पे क्या किया हमने वही तो किया है अगर क्या हो अगर इवन हो तो हमने इसको काटा इसको काटा जब तक लास्ट के दो वैल्यू नहीं बच जाते बीच के उन तब तक हमें बस काटते रहना था हमारे केस में सिर्फ चार ही वैल्यू थे हम क्या करें है ना तो ये जो लास्ट के दो वैल्यू जो बचे उसको मैंने ऐड कर दिया एंड डिवाइड बाई टू कर दी और मुझे सिक्स आ गया तो इस केस में तो क्या हो रहा है फाइव एंड देन सेवन है ठीक है राइट right? आप ये भी समझ सकते थे कि सात मिला और उससे एक माइनस कम किया तो फाइव वाली वैल्यू आ गई मतलब उसका इंडेक्स फिलहाल एरे में आपको इंडेक्स की तरह समझना है अब नहीं मैं यहाँ पे प्लस नहीं कर सकता प्लस पता है मैं क्यों नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी एरे जो है हम क्या कर रहे हैं लेंथ फाइंड कर रहे हैं एंड हमारी जो लेंथ होती, होती है ये ऑलवेज वन ग्रेटर होती है देन इंडेक्स नंबर समझ लो अगर इंडेक्स नंबर टू है देन लेंथ विल बी थ्री है ना तो ये तो मतलब ऐसे सही नहीं है तो उस हिसाब से क्या हुआ ये जो ए आर आर मेट था ये ऑलरेडी हमारा प्लस वन वाला पार्ट है एंड तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि मुझे एक उससे कम वाला नंबर लगेगा दूसरा इंडेक्स नंबर तो हम माइनस कर देंगे है ना तो फंडा तो सिंपल था कि लास्ट के जो बीच में जो दो वैल्यू था उसको हमें एडिशन करना है लेकिन हम लेंथ देख रहे थे ना और लेंथ ऑलवेज एक ग्रेटर होता है इसलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस कर दिया इससे बराबर आपके जो भी हो ना ये सेंटर के दो ही आते हैं ऑलवेज़ ठीक है एंड डिवाइड बाई टू कर दी तो जो वैल्यू आया सो so आया एल्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं ऐसे हटाता हूँ एंड यहाँ पे एल्स लिख के ये करके इसको हटा देता हूँ तो अब स्टेप फोर्थ क्या है मेरा अगर वो रहा अपना वॉट अगर वो ऑर्ड रहा होगा ऑब्वियसली तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है खाली मीट कर दो ये तो आपको पता चला ना ये तो आपको पता चल गया अगर ऑर्ड रहेगा तो ए आर आर ऑफ मीड मतलब जैसे उस समय टू आया था ना इसके केस में हमने जब मैट डॉट फ्लोर किया तो ए आर आर ऑफ टू होगा क्या यहाँ पे जीरो वन एंड देन टू तो बेसिकली ये तो अभी फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बट असेंडिंग ऑर्डर में होता तो इट विल बी वन थ्री एंड देन फाइव तो फाइव आउटपुट आ जाता कंट्रोल एस ए दिस इज इट खत्म मेरा काम हो गया इसको मैं हटाता हूँ रन करता हूँ सो इट्स अ फाइव इट्स अ एट एंड इट्स अ नाइन पॉइंट फाइव गाइस इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा एक गड़बड़ हो गई है डैट इज की ये एट तो हो ही नहीं सकता लास्ट वाली जो वैल्यू वो कैसे मीडियन हो सकती है मीडियन तो ऑलवेज सेंटर वाली वैल्यू होती है एंड यह नाइन पॉइंट फाइव कैसे आ सकता है नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता तो हूँ ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है इसको आपको एक ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है ठीक है परफेक्ट राइट पैरेंथिस के अंदर मैंने ऐड कर दी तो अब होगा ये कि पहले इन दोनों का एडिशन होगा वो जो टोटल वैल्यू आएगी देन हम उसको डिवाइड करेंगे विथ सिंपल सिंपल इतना ही ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूं so अब इसको अगर मैं क्लीन करता, बहुत ही ज्यादा पसंद होगा ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत ही ज्यादा बेसिक एंड सिंपल है इट जस्ट हम एरे के साथ डील कर रहे थे एंड हमने लेंथ फाइंड आउट की सो दैट्स द रीजन गाइस हमने माइनस की वर्ना एल समझ सकते हो मोस्टली हम बीच के जो मिडिल नंबर है उसके साथ ही खेलना रहता है बस यही उसके पीछे का रीजन है और कुछ नहीं है ये के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेसिक था ये है ना सो गाइस लेट मी दी कमेंट सेक्शन आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया होगा एंड या वन मोर थिंग वन मोर थिंग आई जस्ट रिलाइज यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है ये ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ कहीं इससे भी कुछ प्रॉब्लम ना हो क्यूंकि एरे को तो जैसे भी हमें सॉर्ट करना ही है नो मैटर वॉट तो फाइव फाइव सिक्स सो गाइस ऐसा प्रॉमिस हमने पहले देखा मेन देन देखा मीडियम तो आज हमें देखना था मोड लेकिन आज हम मोड ना देख के वो देखेंगे कल क्योंकि जब मैं मोड को सॉल्व कर रहा तो उसमें मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दिया मुझे लगता है जिसको हम इंडिविजुअली भी सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा जिससे हम जब मोड को सॉल्व करेंगे तो फिफ्टी हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा देखिए गाइस प्रॉब्लम जो है वो तो सिंपल है लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा वो माय गॉड मैं कैसे कर सकता हूँ इसको राइट right, देखो सिंपल है वी हैव एन एरे हमारे पास एक एरे है एंड वी हैव मल्टीपल एलिमेंट्स जो कि इंटीजर के फॉर्म में है तो अब आपको बस करना ये है कि ये जो एलिमेंट है लेट्स ए नंबर वन पहला एलिमेंट इज़ योर वन तो ये जो वैल्यू है या ये जो एलिमेंट है इस एरे में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है लेट्स वी हैव दिस वन देन टू टू थ्री देन वन तो बेसिकली हमारे इस एरे में वन जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है तो आप देख सकते हो कि हमें उसको देन ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ की एंड देन वैल्यू तो ये जो एलिमेंट है वो हो जाएगा आपका की एंड देन उसका टोटल अकरेंस जो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी देन अगेन वी है बट टू सो इट्स अ टू एंड देन टू एंड देन अगेन इट्स अ टू तो टू हमें एक ही बार लिखना है एज अ की बट उसका जो टोटल अकरेंस है उसको हमें एज अ वैल्यू लिखना है देट इज योअर थ्री तो तीन तो एक बार है चार एक बार है सो so गाइस अभी के अभी कीजिए आप वीडियो को पॉज राइट नाउ एंड ट्राई इट योर सेल्फ सो आई गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोड में हमें इसको फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा जो वैल्यू uh, है या जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है वो मोड में हमें वही फाइंड आउट करना रहता है जो कि हम कल देखेंगे लेकिन आज ये आपको करना है तो आप देख सकते हो मैं, मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस बता दिए कैसे आपको करना है आपको बस एरे मिलेगा जो भी आपकी एलिमेंट है उसको इन द फॉर्म ऑफ आप की आपको यूज़ करना है एंड उसका टोटल अकरेंस को आपको उसकी वैल्यू बनानी एंड मेक श्योर जैसे दो तीन आई I मीन mean ये जो टू है ये तीन बार रिपीट हो रहा है तो टू 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 इस नहीं आपको सिंगल वैल्यू ही ऐड करना है जो भी एलिमेंट है उसको डुप्लीकेट हटा के सिंगल वैल्यू को ही की रख के उसका टोटल अकरेंस यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐड करना जरूरी होगा ठीक है तो आई नो अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये क्या चीज़ है ये तो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये क्या चीज़ है ये स्ट्रिंग में क्यों है वैल्यू एज ए नंबर में क्यों है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं लेकिन आई एम हेयर ओनली टू हेल्प यू राइट तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताना चाहूँगा वर्ल्ड बेड जाक्रिप्ट कोर्स अपलोड कर चुका हूँ उसमें आप जाके ऑब्जेक्ट वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है टॉपिक उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी बट फिर भी मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ जब भी अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो इन जावास्क्रिप्ट तो वी यूज़ दिस कली ब्रेसेस सिंपल And when it comes to your uh, array, then it's a square bracket. चलो ठीक है And in JavaScript, everything is an object. And the best part, पार्ट जब भी आप इस तरीके से square bracket देखोगे तो आप में से बहुतों को ये लग सकता है अरे हम तो index number find कर रहे हैं क्योंकि array में हम एरे एंड देन इंडेक्स नंबर जो भी लिखते तो उसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल जाती है बट इन ऑब्जेक्ट वी डोंट हैव इंडेक्सेस इट्स योर की ऑब्जेक्ट में आप जो भी डेटा स्टोर करते हो वो करते हो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पे राइट सो इट्स योर की एंड देन इट्स योर वैल्यू तो अब अगर कोई भी लाइक किस तरीके से ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर की के बदले कैसे आपका ये आ जाएगा नेम एंड यहाँ पे वैल्यू के बदले आपकी आ जाएगी वो थापा समझ रहे हो एंड लेट से अब आपको कल के दिन ये जो वैल्यू है थापा उसको एक्सेस करना हो इन ऑब्जेक्ट देन हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट जो भी है उसका नाम एंड देन उसका जो की है वो हम पास कर देंगे तो इन आउटपुट विल गेट दी वैल्यू थापा आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट में अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें इट मीन्स वी आर एक्सेसिंग द कीज द की एंड उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है वो हमें मिल जाता है बस इतना आपको याद रखना है इंडेक्स नहीं इट्स योर की चलो ठीक है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम पे एंड वन सेकेंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा यू नो हम हंड्रेड डेज तक देखने वाले आज हमारा ट्वेंटी थर्थ डे है तो देख लीजिए कैसे कर सकते हैं लेकिन हाँ गाइस फिर से बोलो वीडियो को पॉज कीजिए खुद से एक बार ट्राई जरूर करो आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुझे देखना है आप कैसे करते हो एंड कमेंट जरूर कर देना ऑब्जेक्ट में तो स्टोर करना है बोलने से तो लेट्स काउंट विल बी इक्वल टू एक एम्प्टी एरे आई नॉट एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं ठीक है एंड अब मुझे इसको इटरेट तो करना ही पड़ेगा नो मैटर वॉट मुझे इटरेट करना है ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है कितनी बार रिपीट हो रहा है ठीक है वो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं हमारे पास फॉर फॉरिच है फॉर इन है फॉर लूप है मैप है भरे पड़े बट लेट्स को विद सिंपल फॉर ऑफ लूप लेट एलिमेंट ऑफ आवर नंबर्स ठीक है एंड यहां पे मैं क्या करूंगा मेरा ये जो काउंट्स ऑफ ये जो मेरा एलिमेंट है पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझा देता हूं ठीक है सो इट्स अकाउंट्स विल क्योंकि मुझे देखो ना ये जो वैल्यू है ठीक है ये जो एलिमेंट है मुझे उसको की तो बनाना ही है नो मैटर वॉट तो मैंने की बना दी सो इट विल भी समथिंग लाइक दिस फॉर द फर्स्ट अकरेंस राइट तो इस तरीके से विल भी इक्वल टू ध्यान से देखना ये जो मैं करने जा रहा हूं तो सेम मैं काउंट्स लिखूंगा एंड देन में सेम यह एलिमेंट्स पास कर दूंगा एंड और ऑपरेटर यूज करके मैं जीरो दे रहा हूँ प्लस वन कर रहा हूं दिस इज इट सिर्फ इतना भी मैं अगर करता हूँ करता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरा यह जो काउंट है ऑब्जेक्ट उसको अगर मैं पास करके रन करता हूँ सो थ्री टू वन एंड बुम गाइसी मेरा काम हो गया एक दो बार रिपीट हो रहा है दो तीन बार हो रहा है तीन एक बार हो रहा है चार एक बार हो रहा है तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा ओ माई गॉर्डी कैसे हो गया तो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखना फॉर दर्स्ट लूप या फॉर द फर्स्ट इट्यूरेशन तो वैल्यू तो अपनी वन है सो so ये एलिमेंट अपना हो जाएगा वन एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो अपना एलिमेंट वन है तो ये हो जाएगा वन अब आप एक बात बताओ हमारा ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल एम है तो उसमें काउंट्स ऑफ वन अगर मैं पास कर रहा हूँ लेट से मैंने यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ नेम पास की थी तो आई मीन ओवर हियर इस तरीके से तो इसकी वैल्यू क्या थी थापा मुझे मिल गई बट इन आवर केस ये तो बिल्कुल एम है यहाँ पे कुछ ऐसा तो है ही नहीं ना यहाँ पे कुछ वन की वैल्यू भाई आ, कुछ भी ऐसा तो कुछ है ही नहीं राइट तो क्या होगा कि इस केस में ये अनडिफाइंड ठीक है तो वैल्यू हो गई ये जीरो ये अनडिफाइंड तो आप इसको कुछ ऐसा समझ लो अनडिफाइंड ही समझ लो फिलहाल कुछ भी आप एंड जीरो एंड और ऑपरेटर जीरो विल बी योर जीरो सो जीरो प्लस वन विल बी योर वन सो ना हमने क्या कर दिया हमने हम बाय बाय डिफॉल्ट की जो है ना मोस्टली स्ट्रिंग में हो जाता है तो हमारी अब ये जो काउंट्स ऑफ वन है इसकी वैल्यू हो गई है अब वॉट वन ठीक है इसकी वैल्यू अब वन हो चुकी है यहाँ पे अब उसी तरीके से जब सेकेंड इटरेशन आएगा सो अगेन इट्स अ टू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमने जो कंडीशन लिखा था वहाँ पे भी टू तो था नहीं क्योंकि टू तो इधर है नहीं ना की अब टू है नहीं है तो वो भी कैश अगेन उसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी यहाँ पे आप समझ रहे हो जो फर्स्ट टाइम अगर हो रहा है ना तो उसकी वैल्यू हम क्या कर दे रहे काइस तो उसकी वैल्यू को हम वन से आई मीन पास कर दे रहे वन उसकी वैल्यू बाई डिफॉल्ट हम ऐड कर दे रहे हैं बट जब ये थर्ड वाला जो अकरेंस आ गया ठीक है ये जो थर्ड वाला जब आया इटरेसन तब अगेन इट्स टू राइट तो उसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना जब थर्ड वाला आएगा ना तो इट्स समथिंग लाइक दिस राइट जीरो एंड इसको मेक श्योर sure करना कि ये आपका एक पैरेंथिस के अंदर हो एंड देन प्लस आपको वन करना है ठीक है तो जब थर्ड इटरेशन आता है गाइस ये वाला तब तो मेरे पास काउंट्स ऑफ टू जो है देखो ना मेरे पास तो है ये राइट right? मेरे पास मेरे ऑब्जेक्ट में मेरे पास काउंट सब टू है जिसकी वैल्यू मैंने वन कर दी थी सो इट विल बी योर वन सो गाइस वन एंड देन और ऑपरेटर में जीरो आप यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा ये यू नो अ वन जब अगर दोनों जीरो होता है तो ही जीरो होगा एल्स और ऑपरेटर विल बी ऑलवेज वन तो ये अब आपका क्या हो गया इस तरीके से वन प्लस वन इट विल बी टू तो अब हमारी जो ये अकाउंट ऑफ टू जो था उसकी वैल्यू अब क्या हो गई टू से अपडेट हो गई तो यहाँ पे अब वन अब वो टू हो गया तो उसी तरीके से ये लास्ट इटरेशन जब आएगा ना तो इसकी वैल्यू वो थ्री हो जाएगी एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू थ्री हो जाएगी एंड तीन तो एक बार है ही वन की वैल्यू एक और बार थी यहाँ पर तो ये टू हो जाएगा तो इस तरीके से गाइस ये चल रहा है एंड या गाइज दिस इज इट तो आज इस वीडियो को इतना ही वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड गाइस आप लोगों के लिए ये जो एक नोट है वो मैं नीचे फॉरवर्ड कर दूंगा तो अब यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है थर्ड इटरेशन में क्या हो रहा है आपको बहुत से पे समझ में आ जाएगा हाउ टू फाइंड मोड इन एरे जी हा गाइस इससे पहले हमने देखा था मेन हमने देखा मीडियन टाइम फॉर आवर मोड तो कल की वीडियो में हमने ये फाइंड आउट किया था कि लेट से वी हैव एन एरे है ना लेट से वी हैव दिस एरे एंड इस एरे में हमें ये देखना था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हमने कोड लिखा था अभी तक अगर आपने कल का वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा तो वो आज हम देखेंगे एंड देन उसके साथ साथ अब ये जो मोड है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे सो so, आप देख सकते हो राइट अ फंक्शन कॉल फाइंड मोड दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एज इनपुट स मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोई भी आपके पास अगर एलिमेंट्स uh, हो जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल लेट्स यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन है मतलब सिर्फ दो टाइम्स उसी तरीके से कहीं से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ लेट्स गो विदू तो दो एक दो एंड देन तीन तो ये जो टू है वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है थ्री की बात करें तो सिर्फ एक ही बार है एंड देन फोर की बात करें तो सिर्फ एक बार है इट मीनस कि हमारा ये जो टू वाला जो एलिमेंट है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है मतलब सबसे ज्यादा ये रिपीट हो रहा है सो आवर आउटपुट शुड बी लाइक टू तो वो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देख लीजिए तो कल हमने एक बहुत औसम awesome तरीका बताया था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन उनमें से जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको जस्ट हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे ठीक है

ठीक है जो की स्ट्रिंग होगा एंड देन देयर वी यहां पे नहीं हेर वी हैव अ वैल्यू ठीक है कुछ इस तरीके से तो ये आपका की है ये आपकी वैल्यू है राइट तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूं की एंड देन वैल्यू तो कुछ जो इस तरीके से आपका काम कर रहा है फिलहाल अभी अब काउंट्स ऑफ एलिमेंट अब एलिमेंट क्या है हमारा ऑब्वियसली इट विल बी लाइक फर्स्ट वन देन टू फिर टू है ना तो सबसे पहले वन आएगा अब एक काउंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ वन क्या है अब ये क्या हो रहा है हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं काउंट्स ऑफ वन अभी हम हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वो तो बिल्कुल एम है इट मींस इट्स अनडिफाइंड तो ये क्या हो जाएगा खाली जीरो हो जाएगा ठीक है सो जीरो प्लस वॉट इट विल बी इक्वल टू योर वन तो अब फाइनली हमारा काउंट्स ऑफ वन का वैल्यू क्या आ गया गाइस हमें वन मिल गया इट मीन्स हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया है ठीक है जिसमें वी हैव वन की जिसकी वैल्यू है वन इस तरीके से समझ रहे हो उसी तरीके से टू का एक वन बन जाएगा तो कैसे चलता जाएगा तो बस ये वही कर रहा हूँ मैं खत्म नहीं यहाँ पे इसको वापस अंडू कर देता हूँ सब कुछ एंड खाली अपने एक काम करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैं ये जो काउंट्स ऑफ एलिमेंट है उसको मैं गाइस रिटर्न करा देता हूँ कुछ इस तरीके से अब अगर इसको मैं रन करता हूँ फिर से देखना ध्यान से तो कुछ आपको वन वन टू वन टू वन थ्री दिखाई दे रहा है चलो अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन ये जो फॉर ऑफ लूप को छोड़ के अगर मैं बाहर चल दू सो कंट्रोल सेव कर लीजिए यहाँ पे आइए तो एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड आई एम रियली सॉरी हम बाहर कैसे लिख सकते हैं एलिमेंट को ऑफ के बाद नहीं लिख तो मैंने सिर्फ काउंट्स को पास कर दी एंड बूम गाइस सी अब आप देख सकते हो कि मेरा ये जो वन है ठीक है यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि वन जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है मेरा ये जो टू है वो तीन बार रिपीट हो रहा है तीन जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है चार जो है वो मेरा सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है तो इससे तो मुझे एकदम क्लियर हो चुका कि क्लियर क्लियर जो विनर है अपना वो ये टू है क्योंकि वो तीन बार रिपीट हो रहा है लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट में से भी मैं कैसे बताऊं कि भाई टू इज द एक्चुअल विनर राइट तो उसके लिए भी मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा मेरा ये जो फॉर ऑफ लूप है इसी के अंदर मैं चलूंगा ठीक है फॉर ऑफ के अंदर मैं चला एंड मैं यहां पे एक कंडीशन लिखूंगा इफ अब इफ से पहले मुझे यहां पे दो चीज लगेंगे लेट में सबसे पहले तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ कि जो भी वैल्यू होगा सबसे बड़ा वो उस पर ऐड कर दो मैक्स नंबर बाइडिपोल को वित्त जीरो ठीक है क्योंकि सभी इंटीजर्स ही अपने पास तो इधर कोई टेंशन नहीं लेट मोड इसको मैं एम्प्टी छोड़ दे रहा हूँ ठीक है तो अब देखना ध्यान से ये बहुत ईजी है अगर मेरा ये जो काउंट्स ऑफ एलिमेंट की जो वैल्यू है इफ इट इज ग्रेटर देन मैक्स नंबर देन सिंपल समझ गए ना मैक्स नंबर तो जीरो है अगर इसकी जो वैल्यू है काउंट्स ऑफ एलिमेंट मतलब आप समझ गए ना क्या हो रहा है पे? यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे तो अभी जो मैंने काउंट्स ऑफ एलिमेंट लिखा तो ये फर्स्ट टाइम अगर मैं काउंट्स देन ब्रैकेट में वन लिखता हूँ तो मुझे टू वैल्यू आएगी काउंट्स ब्रैकेट में अगर वो जो टू आता तो मुझे वैल्यू थ्री आएगी समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी लेट से फॉर द फर्स्ट इटरेशन इट विल बी वन एंड देन काउंट्स ऑफ वन तो हमने देखा ना टोटल टू था राइट right? उसी तरीके से जो सेकेंड इटरेशन आएगा उसमें क्या होगा काउंट्स ऑफ एलिमेंट में टू आ जाएगा अब हमारे केस में टू का जो है इफ यू रिमेंबर तो आप देख सकते हो तो टू की वैल्यू तो थ्री है राइट तो यहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी काउंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ टू विल बी योर थ्री तो मैक्सिमम नंबर से तो बड़ा थ्री है तो हम क्या करेंगे ठीक है तो हमारा मैक्स नंबर विल बी इक्वल टू आवर काउंट्स ऑफ एलिमेंट्स इस तरीके से मैं कर दूंगा समझ रहे हो तो बस हो गया मेरा काम एंड मेरा जो मोड होगा इट विल बी इक्वल टू योर मैक्स नंबर खत्म अब मैं एकदम एंड में आके ये कंसोल ना करा के विटर्न एंड देन मोड कर दूंगा मैं ठीक है बस मेरा काम हो गया समझ गया ना किस तरीके से बस मैं चेक कर रहा था कि कौन सबसे बड़ा है जो सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू में मैक्स नंबर में डाल दूंगा एंड वो मैं मोड कर दूंगा ठीक है चलो ठीक इतना हो गया मेरा काम अब अगर मैं इसको रन करता हूँ हिट करता तो आप देख सकते हो मुझे थ्री आ रहा है बट इन रियलिटी बट इन रियालिटी हमें तो मालूम है कि आउटपुट मुझे टू आना चाहिए तो हो ये रहा है कि मुझे आउटपुट टू ही आ रहा है लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग दी की क्या वैल्यू एक सेकेंड मैं एक और काम करता हूं यहां पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन ये जो अकाउंट है वो भी कर देता हूं मैं ठीक है मैं दोनों करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है ये हमारा आउटपुट है तो कैसे मुझे यहां पे थ्री मिला है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये वाली वैल्यू मिल रही है ये नहीं है रियालिटी इसकी ये वाली जो पर्टिकुलर पार्ट part दिख रहा है आपको टू मुझे ये वाला थ्री मिला है मुझे लेकिन वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं मुझे मतलब ये है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है एंड वी कैन क्लियरली सी कि वो आपका टू है तो अब बस मुझे करना ये है कि मुझे वैल्यू नहीं चाहिए मुझे चाहिए सिर्फ की राइट फिलहाल अभी मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इंस्टेट ऑफ दिस ये मोड में ये जो मैक्स नंबर के बदले एलिमेंट हमें मालूम है एलिमेंट इज आवर एक्चुअल की तो ये ना लिख के मैं लिख दूंगा एलिमेंट ये मैंने के रॉन्ग लिखा था ताकि आपको पता चले कि क्या आपको मिल रहा है यहां पे अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ थ्री टू वन एंड बुम गाइज सी अब मुझे आ गया ना टू बराबर यहां पे राइट सो दिस इज योर मोड सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि सबसे पहले हमने देखा मेन देन देखा मीडियन नाउ आज हमने कंप्लीट कर लिया है मोड

तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ वॉट इज रिकर्सन एंड उससे भी पहले मैं ये बता देता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा वर्ल्ड बैच जा चेकआउट नहीं किया प्लीज गाइस उसको देख लीजिएगा आपको मजा आ जाएगा बहुत मेहनत की है आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है तो आप देख सकते हो गाइस रिकर्सन का क्या मतलब होता है रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इट सेल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जहां पे फंक्शन अपने आप को कॉल करता है ताकि कर सके दिस इज योर रिकर्सन इन एसेंस और सिंपल तरीके से इट्स अ फंक्शन डैट कॉल्स इट ऐसा फंक्शन जो अपने आपको कॉल करता है विथ स्मॉलर और सिंपल इनपुट अंटिल इट रीचेस द बेस केस तो अभी हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा बट दो चीज है जो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी वेन डीलिंग विथ रिकर्सन एंड दैट इज द बेस केस एंड देन यूर रिकर्सिव केस तो बेस केस बेस मतलब क्या होता है एकदम निचला हिस्सा राइट तो रिकर्सन में क्या होता है एक फंक्शन अपने आपको कॉल कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा कंडीशन देना जरूरी है जहाँ हम ये बता सके कि हाँ भाई अगर आप इस पर्टिकुलर पोजिशन तक पहुँच जाते हो ठीक है तब आपको स्टॉप करना है अपना ये आई मीन I mean, तब बस आप रुक जाइए क्योंकि अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता ही जाएगा तो इन्फिनेट लूप हो गया फिर कोई तो एक ऐसा कंडीशन चाहिए ना जिस जो लाइक like, फुलफिल होते ही वो स्टॉप हो जाए तो डैट लास्ट कंडीशन

जिसके चलते वो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है दैट इज योर रिकर्सिव केस एंड एट द एंड में जो सबसे लास्ट वाला कंडीशन होगा जिसमें पहुंचते ही वो स्टॉप हो जाता है दैट इज योर बेस केस एंड रिकर्सिव केस तो चलो कोई बात नहीं लेकिन बेस केस होना इज अ मस्ट दैट्स इट अब हम बिना किसी तरीके बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सो so, देख लीजिए यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ फाइव हमें फाइव का फैक्टोरियल चाहिए सो वॉट इज दिस फैक्टोरियल एक्चुअली मीन्स तो अगर बात होती है फाइव की तो इट विल बी लाइक फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो एक चीज नोटिस कर ली होगी यहाँ पेट इज एज्यूम फाइव इज योर एन या then, आप पहले तो नंबर है उसको हम इंटू कर रहे हैं दूसरे में क्या नंबर माइनस वन इंटू नंबर माइनस टू इंटू समझ रहे हो तो यही ऑब्वियसली यही हो रहा है ना एंड देन नंबर माइनस थ्री इंटू नंबर माइनस फोर इंटू नंबर माइनस फाइव सो इट्स अ फोर थ्री टू वन सॉरी ये वाला जो लास्ट का पार्ट नहीं आएगा तो ये एक पैटर्न बन रहा है जहां पे हम एक एक माइनस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हमें इतने सारे चीजें को जो बार बार खुद से हम माइनस कर रहे हैं वो तो हमें आइडिया नहीं है एंड ये लास्ट वाला कौन सा कंडीशन है नम माइनस फोर डेट इज नथिंग बट योर वन तो हमारा जो बेस केस है वो वन है कि मतलब जैसे ही वन में पहुंच जाएगा भाई रुक जा क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये नम माइनस फोर कर दिया ये तो चलो वन आता लेकिन अगर मैं इंटू नम माइनस फाइव कर दूंगा तो एक बात बताओ नम माइनस फाइव क्या होता है नम इज ऑलरेडी फाइव राइट अगर वहाँ पे नम माइनस मैंने फाइव कर दी ये तो जीरो हो गया एंड द मोमेंट जीरो हो जाता है एंड अगर आप कोई भी दुनिया का एकदम खतरा नंबर बिलियन डॉलर को ही जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका जीरो होने वाला है गया पैसा फिर समझ रहे हो तो हमें कभी भी जीरो वाले को इन करना ही नहीं है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा इसको मैं जिटिज रख देता हूँ तो देख लीजिए वी नीड टू फाइंड द फैक्टोरियल राइट तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कैसे करना है आप देख लीजिए सो इट्स अ कॉस्ट वी हैव अ फैक्टोरियल परफेक्ट यहाँ पे हम चलते हैं एंड इट्स अ नंबर ले लेते हैं ठीक है थेके? तो सबसे पहले तो आपको एक कंडीशन देना है एंड दैट इज की इफ हमारा ये जो नंबर है इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू वन देन इट शुड रिटर्न वन टू वन कर दो रिटर्न ठीक है सिंपल एल्स अब आपको पता चला ना ये जो मैंने अभी लिखा है दिस इज योर बेस केस द मोमेंट वन पे आता भाई रुक जा अपने आपको कॉल मत करना लेकिन वन के अलावा भाई अगर कुछ भी रहा देन वे नीट टू रिटर्न हमारा क्या फॉर्मूला था नंबर इंटू नंबर माइनस वन सो नंबर इनटू नंबर माइनस वन अब एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है ये जो नंबर माइनस वन है ठीक है देखना ध्यान से क्या होता है? अगर ये मैं करता हूं एंड देन रन करूंगा तो मुझे सिर्फ ट्वेंटी फोर आएगा तो क्या सब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ट्वेंटी फोर कैसे आएगा तो मैं आपको सिंपल बता देता तो हुआ क्या कि देखो हमारा बेस किस का तो यहाँ पे कोई नेट भी नहीं था फिलहाल अभी क्योंकि हमने रिकर्सन यूज ही नहीं किया यहाँ पे मैंने खाली नम मल्टीप्लाइड बाई नम माइनस वन तो हमें क्या लगा होगा गाइस हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए डेट इज फाइव इंटू फाइव माइनस वन ठीक है फाइव माइनस वन तो आपको लगा होगा five five four, ये इट शुड बी फाइव इन फाइव माइनस वन इज फोर एंड देन ये जाके आना चाहिए फोर फाइव जो ट्वेंटी बट इन रियलिटी ये नहीं होता है गाइस अगर आपने बोर्डमेंस थ्योरी या सिंपल प्रियोरिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो रियालिटी में होता क्या है ना कि फाइव इंटू फाइव एंड देन माइनस वन है तो ये जो मल्टीप्लाइड है एंड देन ये माइनस ये दोनों मध्य ये जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो हुआ ये कि इन्होंने क्या कर दिया कि फाइव माइनस वन ना करके इन्होंने कर दिया पहले मल्टीप्लीकेशन सो इट्स अ फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव एंड देन माइनस वन समझ रहे हो तो इस तरीके से कैसे आपका आ गया ट्वेंटी फोर तो ये भी बहुत ही ज्यादा औसम था आपके लिए समझना कि अरे ये ट्वेंटी फोर कैसे आया तो कैसे अगर आप में से जिसने भी फिगर आउट कर लिया कि ट्वेंटी फोर क्यू आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो इससे तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं ये फंडा तो काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि मुझे हर बार एक कम करना है इसको पहली बार तो चलो चार हो गया लेकिन से, सेकेंड टाइम तो मुझे थ्री चाहिए एंड देन अगेन मुझे टू चाहिए तो मैं क्या करूंगा ये जो पार्ट है इसको मैं वापस इसी फंक्शन में कॉल कर दूंगा क्योंकि वन बाय वन मैं इसको कम करते जा रहा हूं ना तो अगर इसको मैं फैक्टोरियल में यही सेम फंक्शन देखो रिकर्सन क्या है सेम फंक्शन जब अपने आपको कॉल करता जाएगा तो खत्म नम इंटू फैक्टोरियल माइनस देखो पहले मैंने फैक्टोरियल फाइव था बट नाउ नम माइनस वन विल बी योर फो समझ रहे हो फिर वापस जब ये चलेगा तो वापस इस जगह पे आएगा तब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहां पे ध्यान से देखना तो फर्स्ट केस इफ इट्स फाइव है ना कैसे हो रहा है देखो तो नंबर इस फाइव फाइव इंटू आप देख सकते हो यहां पे ऑल राइट फाइव इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन नम माइनस वन ठीक है सबसे पहला कंडीशन तो यही है फर्स्ट लूप में राइट right? तो अभी जो फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस वन है ये तो खुद एक फंक्शन है आई मीन फंक्शन कॉल कर रहा है तो वापस वो इसको कॉल कर देगा तो जब उसने इसको कॉल किया ठीक है तो ये तो आपका चार हो गया तो नाउ इट्स अ फैक्टोरियल ऑफ फाइव के बदले वी नीड टू गो गोथ फैक्टोरियल ऑफ फोर तो जब बात आती है फैक्टोरियल ऑफ फोर की तो अगेन वो यही चेक करेगा क्या ये वन है वन तो ऑब्वियसली नहीं है ये तो नंबर है तो इट्स अब इन टू अब अगेन ए फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस वन इस तरीके से बट दिस टाइम हमारा जो नम था वो तो फोर था तो फोर माइनस वन विल बी योर थ्री सो अगेन इसने क्या किया अब फैक्टोरियल ऑफ थ्री को कॉल कर रहा है तो जब इसने फैक्टोरियल ऑफ थ्री को कॉल कर दिया तो इट्स अ थ्री इन टू तो फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस वन फिर से अब ये जो नम था वो तो थ्री था सो इट्स अ थ्री माइनस वन विल बी योर टू और फैक्टोरियल ऑफ टू फिर चेक होगा क्या वो नम वन है ये तो ऑब्वियसली वन तो नहीं है तो वापस इसको कॉल कर देगा तो ये जो पार्ट है ये वापस आपका टू इन टू यहां पर आएगा ये आपका फैक्टोरियल of num 1 ठीक है अब दिस टाइम ऑबवियसली ये जो num 1 है अब ये टू क्या हो गया ये तो 2 हो गया तो 2 1 विल बी योर 1 तो दिस टाइम फाइनली हमारा जो नंबर है वो तो 1 हो गया द मोमेंट ऑफ 1 हुआ वो इस वाला जो बेस केस है ओ माय गॉड बेस केस आ गया अब भाई अब रुक जाओ अब अपने अपनों को मत करना else 0 आ जाएगा फिर सब 0 होने वाला है तब जाके ये 1 को क्या कर देगा रिटर्न कर देगा तो ध्यान से देखना गाइस ये जो पार्ट है अब ये यहां गया और ये वन रिटर्न हो गया द मोमेंट ये वन रिटर्न हुआ तो ध्यान से देखना क्या होता है इस तरीके से एंड यहां पे पर लगेगा है ना तो इस तरीके से रिटर्न हुआ तो अब फाइनली द मोमेंट बेस केस पे पहुंचता है ना तब जाके एक्चुअल में हमारा जो आउटपुट है वो रिटर्न होने लगता है तो सबसे पहले मुझे टू इन वन मिलेगा दैट इज योर टू द मोमेंट मुझे टू आउटपुट आया अब समझ रहे हो तब वो हमने जब ये फैक्टोरियल ऑफ थ्री को जब कॉल किया था तब उसका अब हमें आउटपुट आएगा तो बैकवर्ड आउटपुट आता है तो थ्री टू जहाँ पे मैं चलता हूं इट्स ऑल राइट अब मुझे फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ थ्री का भी आउटपुट आ गया तो अब फैक्टोरियल ऑफ फोर का आउटपुट मुझे आएगा तो इट्स अ फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर एंड देन अब फाइनली इतना हो गया तब तो जाके फाइव इंटू ट्वेंटी फोर तो इंटू कितना आइए तो फाइव आई गए तो इस तरीके से आपका ये जो रिकर्सन है ये काम करता है समझ रहे हो एंड या दिस इज इट तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं तो रिकर्सन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी स्पेशली आपका ये बेस केस क्योंकि द मोमेंट बेस के साथ आता है तब जाके आपका जो एक्चुअल वैल्यू रिटर्न होने लगता है एंड वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन आपको पता चलता अच्छा इसका आउटपुट ये है वरना बहुतों को क्या लगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री नहीं भाई पहले सबसे लास्ट वाला का आउटपुट आता है फिर वो इसको देता है फिर वो उसको देता है ऐसा चलता है ये अब मैं ये करूंगा सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस सी इट्स अ वन ट्वेंटी सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेब्युनासी सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ प्रिकॉशन तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है जो फिमुनासी सीरीज जो है इसको क्या है आई I मीन mean, ये क्या चीज है ये एंड ये सब हम ऑलरेडी बचपन में मैथ्स में पढ़ चुके तो अभी हम फिलहाल जो बचपन में हमने मैथ्स में सीखा था समझा था जाना था वो अब हम भी समझ रहे ठीक है तो बहुत क्लियरली देख सकते हो द फिमोसी सीरीज इज अ सिक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रिसीडिंग वंस तो मतलब जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो प्रीवियसली जो उससे पहले जो दो नंबर आए उनका सम था वो एडिशन था इट स्टार्ट विथ जीरो एंड वन ये ऑलवेज हम बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी नंबर दोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर नंबर का फिबोनाची सीरीज निकालना तो कुछ ऐसा हटके नहीं है सभी का सेम होगा इट जस्ट उस पर्टिकुलर पोजिशन पर कौन सा नंबर हमें मिल रहा है वो उसका आउटपुट होने वाला है फॉर एग्जाम्पल फिबोनासी ऑफ जीरो अगर आप देखोगे तो पहला तो जीरो ही हो गया तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ऑफ वन मतलब इस सेकेंड पोजिशन पे अब फिबोनासी ऑफ टू तो यहां पे आप देख सकते हो जीरो वन एंड देन टू इस तरीके से फिबोनासी ऑफ थ्री तो जीरो वन टू एंड देन थ्री टू आ रहा है फोर में थ्री आ रहा है फाइव में फाइव आ रहा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव या परफेक्ट तो गाइस कुछ तो 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 इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है एंड आई होप आप समझ गए होंगे तो ये है आपका फिबोनासी सीरीज जहां पे जीरो प्लस वन इज अ वन

जहां पे गैस आपको दिखा रहा है कि फेमुनासी वन कह लो या फेमुना सीअप टू कह लो आना आपको आउटपुट वन ही है सिंपल ठीक है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना आउटपुट वन है चाहे वो वन हो चाहे वो टू हो आना आपको गैस क्या है वन ही आउटपुट है एंड आई होप आपको ये फार्मूला पता चल गया होगा ऑब्वियसली वही हो रहा है राइट right? अगर मैं बात करता हूँ लेट्स थ्री का मुझे चाहिए तो uh, फार्मूला बस आपको ये ऐड करना है डैट इज थ्री माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू ट इज नथिंग बट गाइस पुस्ट तो वो आपका फेमुनासी ऑफ एफ uh, ऑफ एक सेकेंड फॉल्ट नहीं चाहिए थ्री माइनस वन इज योर टू प्लस एफ ऑफ थ्री माइनस टू इज योर वन सो अब आप ये देखो कि एफ ऑफ टू क्या है जीरो वन इज टू इट्स वन एंड इसका वन है तो ये आ गया आपका वन ठीक है एंड यहाँ पे भी आपका ये वन आ गया सो वन में वन इंटू वन आई मीन वन प्लस वन इज योर टू इस तरीके से सो so, अगर हम थ्री की बात करते तो ये देखो मुझे बराबर यहां पे टू आ रहा है राइट सो so, आई होप गाइस आप समझ गए होंगे सो नाउ इट्स योर चांस कि अभी के अभी आप कीजिए रिकर्सन तो मैं आपको कल के वीडियो में बता ही चुका हूं तो यहां पे भी सेम हुई है सो आई होप गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा एंड प्लीज अभी तक ट्राई नहीं किया तो जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल भी उतना ही है इट जस्ट अब हम रिकर्सन के साथ खेल रहे हैं यहां पे लेट्स गो विथ नंबर है ना तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सो कैस देखो अगेन वी नीड टू हैव अ बेस केस ना नो मैटर व्हाट तो एन जो है इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू वन जब तक हमारा एन जो है हमारा ये जो एन है सॉरी नॉट एन हमारा ये जो नंबर जो है ये वन या उसके बराबर नहीं होता समझ रही हो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी ने जीरो दिया तो आउटपुट तो जीरो होना ही होना है राइट समझ रहे हो या अगर वन भी होता है तो भी आउटपुट सेम है तो जीरो और जो भी हमारा ये जो वन है इनके केस में जो भी हम नंबर पास कर रहे हैं आउटपुट वही है आई होप गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरा कहने का मतलब ये है सो यहाँ पे आप देख लीजिए ना कि अगर कोई जीरो का फिबना से निकाल बोलता है तो वो तो जीरो है ही है ना अगर उसी तरीके से कोई वन का बोलता है तो भी वो वन है इट जस्ट कि जब वो टू होगा तब जाके उसका आउटपुट चेंज हो रहा है तो मैं ये बोल बोला कि नम जो है अगर वो वन या उससे छोटा होता है तो रिटर्न कर दो वॉट सेम वही नंबर जो उन्होंने भेजा था अगर जीरो होगा तो जीरो आ जाएगा वन है तो वन आ जाएगा एल्स अग, अगर यह नहीं है देन वी हैव अ फॉर्मूला एंड दैट इज एफ नॉट अ एफ इट्स अ फिबोनाची ऑफ नम माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ नम माइनस टू दिस इज इट इतना अगर आप कर दोगे एंड रन कर तो बुम गाइस सी यहाँ पे अगर मैं चलूंगा सो इट्स जीरो वन वन टू थ्री एंड देन फाइव सो या गया इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही मैं इतने डीप में नहीं जाऊँगा सो ना इट्स अ होमवर्क आप नीचे कमेंट में बताओ कि मुझे इसका आउटपुट कैसे आ रहा है क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसे आप रिकर्सिव ये फंक्शन का यूज कर सकते हो जहां पर यह अपने आप को ही कॉल कर रहा है एंड वी हैव अ बेस केस ओवर हियर एंड दिस इज योअर रिकर्सिव केस तो देख लीजिएगा इस आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिंपल है अगर आपको आता होगा तो फिर से मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं देख लीजिए वॉट वी नीड टू डू वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल द रिपीट स्ट्रिंग दैट टेक्स टू आर्गूमेंट जो कि दो आर्गूमेंट ले रहा है वन इज यहां पे आप देख सकते हो वन इज योर स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग दैट नीड्स टू बी रिपीटेड एंड देन वन नंबर एंड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स द स्ट्रिंग शुड बी रिपीटेड फंक्शन शुड रिपीट द इनपुट स्ट्रिंग एस टी आर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स नम एंड रिजल्टिंग स्ट्रिंग सिंपल यहां पर एक फंक्शन है जो कि दो आर्गूमेंट पास कर रहा है ठीक है दैट इज योअर ए बी सी वन इज योअर स्ट्रिंग एंड देन सेकेंड इज द नंबर ऑफ टाइम्स हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट करवाना है तो अब हमें यह प्रॉब्लम ही इस तरीके से लिखना है आई I मीन mean, तो क्या साहब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या साहब हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आई I मीन mean, जब भी कोई इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करे तो ये जो ए बी सी वो फाइव टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो आपको ए बी सी दिख रहा है ए बी सी देन ए बी सी देन ए बी सी ए बी सी एंड देन ए बी सी करके ये मुझे पांच बार आ रहा है तो ये नंबर ऑफ टाइम्स ये जो भी नंबर है जितना भी चेंज होगा उसके बेस पे ये कम ज़्यादा होते रहना चाहिए तो क्योंकि बिना किसी तरीके का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले

देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा कि इसको रिपीट करना है अब आपके माइंड में ये चीज आ सकता है कि मैं रिपीट कैसे करूं लाइक like, रिमूव तो मुझे पता है रिप्लेस मुझे पता है स्प्लाइस स्लाइस बहुत सारी चीजें जो हम ट्राई कर सकते हैं सोच सकते हैं लेकिन अगर आपने कभी भी रिपीट वाला ये जो काम कभी भी पहले किया होगा तो आप कभी लाइफ में नहीं बोलोगे एंड दैट इज इन जस्ट वी हैव वन मेथड कॉल रिपीट समझ रहे एक मेथड ही है हमारे पास रिपीट जिसमें ये जो भी स्ट्रिंग आप पास करते हो डॉट रिपीट अगर आप लिखते हो देन यहाँ पे बस अब आप आपको नंबर ऑफ टाइम्स उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपको रिपीट कराना है वो पास करना होगा इन इन आवर केस इट्स अ नम ओनली दिस इज इट खत्म कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ एंड देन इसको मैं रन कर दूँ तो इसको मैं हटाता हूँ एंड देन इसको मैं अगर रन करता हूँ सो so, देखो मुझे फाइव टाइम्स रिपीट हो गया बट वॉट हैपेंड अगर ये जीरो रहा या एकदम एम रही है ना तो इस केस में क्या हो सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एस सेव करता हूँ एंड मैं रन करता हूं तब आप देखो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था हम ये काम कर सकते हैं ना क्यों ना एक सेकेंड आ, इसको तो चलो रखता हूँ एक काम करता हूँ इसको भी मैं हटा देता हूँ ये भी एक कंडीशन दिखाता हूँ ना कुछ भी हो सकता है अगर जीरो रहेगा तो कंट्रोल एस सेव एंड देन मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तब देखिएगा इस इवन जीरो रखने पे भी मुझे कुछ नहीं आ रहा एटलीस्ट जीरो मीन्स तो कुछ तो आना चाहिए था मुझे यहाँ पे एटलीस्ट ए बी सी ही सही मुझे आ जाता तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे डैट इज कि हमारा ये जो नंबर है इफ़ इट इज ग्रेटर देन जीरो कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो देन एंड देन ओनली आप ये पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना एल्स मैं यहाँ पे चलता हूँ यहाँ पे आप वो जो एस टी आर है वो पास कर देना मतलब अगर जीरो रहा या उससे कम रहा या नेगेटिव में रहा तो वो जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ मिल जाएगा लेकिन जीरो के ऊपर इट मीन्स अगर वन टू थ्री कुछ भी रहा तो हम उसको रिपीट करा रहे सिंपल अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको रन करता हूँ सो थ्री टू वन एंड बोमगैस सी ये देखो ए बी सी आई क्यूँ क्योंकि हमने वहाँ पे जीरो लिखा हुआ था भले ही जीरो लिखा हो मतलब एक बार भी रिपीट मत करो जो है एज इट इज़ आप उसको रिटर्न कर दीजिए अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ थ्री सेव करता शॉर्ट एंड सिंपल था लेकिन आपको पता तो चला ना कि नेक्स्ट टाइम अगर रिपीट वाला कुछ भी आता तो हमारे पास ऑलरेडी रिपीट करके एक मेथड है एंड हमने एक और कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे देखा टर्नरी ऑपरेटर का भी हमने देखा ओके okay, हम टर्नरी ऑपरेटर को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट तो देख लीजिएगा इस आज का हमारा क्वेश्चन क्या है सिंपल है बट ये आप लोगों को पता होना जरूरी कि इसको हम कैसे सिंपल बना सकते हैं तो आप देख सकते हो इट्स अ ट्रंकेट स्ट्रिंग सो वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल ट्रंकेट स्ट्रिंग दैट टेक्स टू पैरामीटर ओके जो कि दो पैरामीटर ले रहा है वन इज द स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग दैट नीड्स टू बी ट्रंकेट ट्रंकेटेड मतलब अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है ना उसको छोटे टुकड़ों में वो कर देना छोटा सा टुकड़ा दिखाना खाली ट्रंकेट करना काट देना आप इस तरीके से समझ लीजिए Then we have the second parameter that is your uh, maximum length, an integer representing the maximum length of the string allowed. iska matlab ये ki jo bhi string aap pass kar rahe ho usme ye jo maximum length di gayi hai तो at the end of the uh, like program हमें क्या चाहिए कि हमें, I mean हमने जितना भी ये number दिया है ना, मुझे बस उतने ही characters यहाँ पे दिखाने हैं। ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ इसका 8 character दिखाना, है, so it will be something कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे आप देख सकते हो आउटपुट में ए हाइफन टिस्केट बस खत्म क्योंकि ये टोटल आठ हो गया उसके बाद डॉट 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 हमें एट द एंड में खुद से ऐड करना है बता भी रहा है द फंक्शन शुड ट्रंकेट द इनपुट स्ट्रिंग एस टी आर इफ इट्स लेंथ एक्सीट्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ तो ये पढ़ के हमें पता चल रहा है कि कंडीशन हमें देना है कि हमारा ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम लेंथ सबसे पहला कंडीशन इफ ट्रंकेशन अकर्स अगर ट्रंकेट होता है

एंड देन नंबर चलो ठीक है तो ये मैक्सिमम लेंथ आप इसको कुछ भी ले लिख uh, सकते हो इट्स टोटली अप टू यू तो uh, एक काम करते हैं इसको हम काउंट ले लेते हैं ठीक है सो so, इफ सबसे पहला कंडीशन तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ एल ई एन जी टी एच इफ इट इज ग्रेटर देन नम अगर ये नंबर से बड़ा होता है सॉरी मैं ये नंबर क्यों लिख रहा हूँ इफ इट इज ग्रेटर देन योर काउंट एक्चुअल में ठीक है अगर काउंट से बड़ा होता है तो ही गाइस मुझे क्या करना होगा मेरे को ये जो है ट्रंकेट करना है अब अब आप मुझे ये बताओ कि हम ट्रंकेट करें तो करें कैसे हमारे पास स्ट्रिंग में कोई ऐसा मेथड है जिसमें मैं ये बोल सकूं कि ये देखो मेरा इतना लंबा सेंटेंस है मुझे इसके सिर्फ स्टार्टिंग के टेन कैरेक्टर्स स्टार्टिंग के सिर्फ फिफ्टी कैरेक्टर्स दिखाओ तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये वर्ल्ड वे जब्रिप्ट कोर्स का जो पार्ट वन है इसमें जब स्ट्रिंग वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने कवर किए मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया कि इंस्टाग्राम में आई गेस कुछ तो वन uh, एट्टी या ट्विटर में 250 फिफ्टी वर्ड्स तक ही हम आई मीन कैरेक्टर कैरेक्टर्स ही हम दिखा सकते हैं तो वो सब मैं ऑलरेडी आपको करके बता चुका हूँ बहुत सारे मैथड्स है ना तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पे एक मेथड है जिसको हम टैकल करने जा रहे हैं डेट इज़ योर स्लाइस मेथड जहाँ पे हमें हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर एंड देन एंडिंग का इंडेक्स नंबर देना है एंड उस बीच में जो भी हमें कैरेक्टर्स मिलता है वो एज अ आउटपुट हमें रिटर्न हो जाता है एंड यहाँ पे आप बहुत औसम awesome एनिमेशन भी अभी आप देख पा रहे हो ये मैं ऑलरेडी हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स उस पर मैंने बहुत इनडेप में बताया है प्लीज उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा स्लाइस है सब स्ट्रिंग बहुत सारे भरे पड़े तो लेट्स गो विथ स्लाइस ठीक है यहाँ पे मैं चलता चलते मैं बोलता हूँ मुझे जीरो इंडेक्स नंबर से लेके मेरा ये जो काउंट इंडेक्स नंबर है वहाँ तक मुझे मेरा डेटा चाहिए दिस इज इट ऑल ऑर गेस्ट तो इसको सिंपली कंट्रोल कंट्रोलाइज सेव कीजिए एंड इसको मैं अब रन करता हूँ तो आप देखिए कि मुझे ए हाइफन टिस्केट आ गया मतलब जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे आ चुका है खाली अब मुझे यहाँ पे डॉट 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 को एड करना है तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके जिसके थ्रू हम कर सकते हैं लेकिन एक सिंपलेस्ट तरीका ये है कि हमने से बहुतों ने बाप है ये बाट वर्ड बहुत सुना है एंड इसका एक मेथड भी है ये स्ट्रिंग है तो डॉट 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 हम कॉन्केट मेथड को जो है इस पर मैं चेनिंग कर दे रहा हूँ है ना अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ सो देख लीजिए मेरा आउटपुट आएगा तो इसी बात पर एक लाइक like तो बनता है लेकिन ये तो चलो ठीक है वाट हैपन कि अगर एट के बदले अगर मैं जीरो कर दूँ जीरो करने का मतलब तो ये है कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है उसको एज इट इज रखिए उसको ट्रंकेट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है नहीं लास्ट में डॉट 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 ऐड करने की नीड है जीरो का मतलब यही हुआ राइट बट अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो अब आप देखना मुझे वेड्स आउटपुट आएगा एंड दैट इज कि मेरा स्ट्रिंग ही गायब हो गया स्ट्रिंग गायब हो गया मुझे सिर्फ डॉट 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 आ रहा है क्यों क्योंकि हमने कंडीशन ऐसा लिखा है कि हमारा जो स्ट्रिंग का लेंथ है इफ इट इज ग्रेटर देन जो भी काउंट दी गई है तो ऑब्वियसली हम उसको क्या कर सकते हैं गाइस हम उसको टैकल कर सकते हैं टैकल से मेरा मतलब था कि हम उसको ट्रंकेट कर सकते बट वेन इट कम्स टू यू जीरो तो ऑब्वियसली ये जो जीरो है यहाँ पे आ जाएगा एंड इसकी लेंथ तो देख के पता चल रहा है हद से ज़्यादा है तो ये वापस वो इस कंडीशन के अंदर चला गया जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कंडीशन ये चेक करेंगे कि मेरा ये जो काउंट की वैल्यू है इफ इट इज़ इक्वल टू जीरो या तो लेस देन जीरो क्योंकि नेगेटिव में भी वैल्यू दे सकते हैं ना एंड नेगेटिव में देने का मतलब ये तो नहीं कि मैं और एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर दूँ तो जीरो या उससे अगर छोटा हो जीरो से छोटा या उसके अगर बराबर हो तो मुझे बस क्या करना है रिटर्न जो भी स्ट्रिंग है एज इट इज एल्स या तो आप फिर तब जाके आप एल्स लिख दो इस तरीके से यहां पे इफ अगर ये जीरो से बड़ा रहा तो जाके आप इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कीजिएगा ये देखो अब मुझे बराबर जो मुझे चाहिए था आ गया कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व की राइट right? अब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का दैट इज विद हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कैसे देखो सबसे पहला तो वी नीड टू रिटर्न लिखना ही पड़ेगा वी हैव अ काउंट ठीक है इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो अगर ऐसा होता है तो स्ट्रिंग जो है एज इट इज रिटर्न कर दीजिएगा एल्स हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है इसको आप रिटर्न कर दीजिएगा तो दिस इज देखो यहाँ पे मुझे चार लाइन अब कोड लिखना पड़ा बट यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोड मैंने लिखा और ये मेरा काम हो गया इफ दिस कंडीशन इज ट्रू ये जो एस टी आर है ये हमें मिलने वाला है एंड इफ़ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो ये आफ्टर कॉलन ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसका हमें आउटपुट आने वाला है अब अगर मैं यहाँ पर चलता है इसको रन करता हूँ एंड बुंगई सी मुझे मेरा आउटपुट आ गया बट अभी फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है एज इट इज़ दिख रहा है बिकॉज हमने जो आर्गूमेंट पास की है डेट इज़ मैक्सिमम लेंथ वाला उसको अब मैं एट कर देता हूँ ठीक है एंड ऑब्वियसली हमारा ये जो एट है वो काउंट से तो आई मीन जीरो से तो छोटा या उसके बराबर तो नहीं है इट मीनस कि मेरा ये जो सेकेंड कंडीशन है वो चलेगा अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस सी ये देख लीजिए मुझे मेरा आउटपुट आ गया इसको मैं क्लीन करता हूँ इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे मेरा आउटपुट आ गया तो so क्या कैसा लगा आपको आज का वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये जो कॉन्केट के बदले आप plus, operator, या प्लस ऑपरेटर या टैम्पलेट लिटरल्स आई मीन बहुत सारी चीज़ें जिसके आप हेल्प ले सकते थे एंड you स्लैस know, के बदले आप सब स्ट्रिंग यूज कर सकते थे बहुत सारी चीजें जो आप स्ट्रिंग के मेथड में के साथ भी चेंज कर सकते थे खेल सकते थे एंड फॉर फर्दर एकदम इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना समझना है तो का कम्प्लीट कोर्स है उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ऑल गाइस तो आप देख सकते हो तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो होने जा रहा हो नंबर रेंज जनरेटर ठीक है तो वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल्ड नंबर रेंज दैट दिनरेट एन एरे कंटेनिंग कंजीक्यूटिव नंबर फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी इज इंक्लूसिव जिसमें से ए जो है ना ये एक इंटीजर है स्टार्टिंग नंबर ऑफ द रेंज एंड बी इज अगेन एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग दंबर ऑफ द रेंज ए आर आर ये तो एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो आप चाहो तो दे सकते हो एल्स आप नहीं दे सकते आउटपुट में एंड एर एक्ट कंटेनिंग दूटिव नंबर फ्रॉम ए टू बी इंक्लूसिव कॉन्स्टेंट आप देख सकते हो सो हो क्या देखो थोड़ा तो सा जूम कर देता हूं एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे लाइक ये एक फंक्शन आपको लिखना है जहां पे ए इज योर जीरो एंड देन बी इज योर फाइव तो आपको जीरो से लेके फाइव के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपको लिखने होंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे लाइक एरे में आपको एज एन एलिमेंट पास लिखना होगा या बेसिकली आउटपुट में दिखाना होगा सो इट्स लाइक जीरो वन टू थ्री एंड देन फोर एंड देन फाइव अगर थ्री से कोई सेवन तक दे तो थ्री इज योर स्टार्टिंग नंबर सेवन इज योर एंडिंग नंबर एंड इंक्लूसिव मतलब ये कि सेवन को भी हमें ऐड करना है सो इट्स लाइक लेक थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन तो तीन और सात के बीच में जो भी नंबर आता है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड वेन इट कम्स टूर नेगेटिव इंटीजर्स तो माइनस टू की बात क्या आना चाहिए माइनस वन आना चाहिए एंड देन जीरो एंड देन वन एंड देन जो लास्ट का बी है इंक्लूसिव दैट इज योर टू तो गाइस दिस इज ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योर सेल्फ सो आई होप कि गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा एंड बिलीव मी ये ईजी है यू नो लाइक ये सच में इजी अगर आप सोचोगे तो देखिए मैं यहां पे चलता हूं सो लेट्स क्रिएट वन फंक्शन है ना फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख दीजिए सो लेट्स ओ माय गॉड वी हैव अ नंबर रेंज ठीक है मैं यहां पे चलता हूं ऑल राइट right, आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ये चलो ठीक है अभी एक चीज आप मुझे बताओ लाइक ए और बी तो मुझे लेना पड़ेगा ठीक है जिसमें ए तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एंड बी इज माई एंडिंग वाला अब मुझे क्या करना है जीरो से लेके फाइव के बीच में अगर मुझे नंबर दिखाना रहेगा तो जस्ट इमेजिन यू नो आपको इसी तरीके से सोचना है फिलहाल अभी आपको ये एरे मत देखो बस आप इतना सोचो कि जीरो से लेके फाइव जो ये मेरा नंबर है अगर मुझे जीरो वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव अगर मुझे दिखाना रहता तो मैं तब क्या करता आपको ऐसे सोचना होगा लॉजिक बिल्डिंग के लिए तब तो हमारे पास ऑप्शन है लाइक ऑब्वियसली मुझे लूप चलाना है इधर वी कैन गो विथ वाई लूप और अ डू वाई लूप और अ फॉर लूप इवन अगर एरे में तो वी ना वी है फॉर ऑप लूप एंड देन फॉरिन लूप तो अब हम क्या कर सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट तो वाइल्ड लूप है नो लाइक हेयर विन इट टू पास वन कंडीशन एंड देन आपका जो भी होगा अब कंडीशन मेरा ये है कि मेरा ये जो स्टार्टिंग नंबर है ये कभी भी मेरे एंडिंग नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए राइट right? ये एक मेरा ऑब्वियसली मेरा कंडीशन ये है अब इसको बेस केस भी कह लो रिकर्सन की बात आई आती है तो जो कि मैं कल की वीडियो में बताऊँगा अभी ये जीरो should ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द बी अब मैं ऐसे जीरो और फाइव नहीं लिख सकते क्योंकि कल के दिन अगर मेरे को कोई ये सेकेंड वाला फंक्शन रन करना रहा तो मुझे यहाँ पे मैनुअली थ्री एंड देन सेवन टाइप करना पड़ेगा ये वाले के लिए मुझे माइनस टू एंड देन टू करना पड़ेगा बट हमने ऑलरेडी एज एन पैरा एज ए पैरामीटर तो उसको मैं ले चुका हूँ ना सो ए एंड देन बी ये तो आपको पता चल गया राइट ऑल राइट ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ मुझे क्या करना टू प्रिंट uh, ये जो भी ए है एंड देन मुझे क्या करना होगा ये कंडीशन को तब तक चलाना है आई I मीन mean, अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा ये लाइक इन्फिनाइट लूप चला जाएगा राइट right? मुझे कंडीशन देना जरूरी जिसके चलते एक पॉइंट में ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा एंड हम इसके बाहर आ जाएंगे सो so, मुझे क्या करना है एक एक नंबर एड करना है राइट right? क्योंकि जीरो के बाद वन चाहिए देन मुझे टू चाहिए देन थ्री चाहिए सो इट्स ऑब्वियसली कि मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या यू कैन गो विथ लाइक ए प्लस वन कुछ ऐसा कर सकते हो या तो आप इंक्रीमेंट कर दो डायरेक्ट इस तरीके से दिस इज इट सो द मोमेंट सिर्फ आप इतना लिखते हो आपको एटलीस्ट ये जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है एंड देन जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच का आपको नंबर मिलेगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट कर दी कंडीशन लगा दी और वाइल लूट तो मैं चला ही रहा हूं तो अगर मैं यहां पे चलता हूं एक सेकंड इसको हटाता हूं तब आप बहुत क्लियरली देख सकते फॉर द फर्स्ट वन आई एम गेटिंग लाइक जीरो वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव ऑब्वियली मुझे यही चाहिए था राइट तो मेरा काम तो हो गया थर्ड वाले का भी मेरा काम हो गया एंड देन जो मेरा लास्ट वाला था आपको लग रहा होगा माइनस टू के बाद माइनस वन कैसे आता है तो मुझे वो आ भी गया है इट जस्ट कि मुझे अब ये जो भी डेटा मुझे मिल रहा है ना इनको मुझे एरे में स्टोर करना है राइट अब अब आपके माइंड में अब ये सोचना है चलो ठीक है लूप तो मैंने चला दी वैल्यू भी मुझे मिल रही है बराबर बस मुझे इसको एरे के अंदर स्टोर करना है अब हमने ऑलरेडी मेरे वर्ल्ड बेस्ट जास्किप कोर्स में पार्ट वन पार्ट टू आप देख सकते हो इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था जब आप एरे के साथ खेलते हो अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐड करना हो तो वी हैव अ पुश और अ शिफ्ट या ऑनसेप्ट आई गेस तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है राइट तो अब हम क्या करेंगे लेट्स गो विथ वन मोर एरे यू नो सो बिलीप मिंग सब तो बहुत ईजी हो गया ना लेट्स क्रिएट वन एरे सबसे पहले ऑब्वियसली एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करना है तो मुझे एरे लगेगा अब एरे में मैं कैसे स्टोर कर सकता हूं मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं मेरे वर्ल्ड बेड जाप्ट कोर्स में मैंने बताया था एरे में स्टोर करना हो तो वी नीड टू हैव लाइक कोई तो मेथड होगा राइट इट बेट चाहे वो आपका पूस हो या पॉप हो अब आपको ये सोचना है अरे पॉप से तो शायद हम डिलीट या रिमूव करते हैं ना कि एड ऑब्वियसली नहीं करते उसके लिए हम पू यूज करते और दूसरा था है शिफ्ट या तो अनशिफ्ट राइट right? और भी बहुत सारे तरीके लेकिन ये जो पूस वाला नहीं कहने ना कहीं सिंपलेस्ट तरीका होता था ए आर आर डॉट पूस जो कि एकदम एंड में आपका डेटा को ऐड कर देता है मैं ए को मैंने ऐड कर दी तो पहले मेरा ऐड होगा वॉट वन देन आई आई मीन सबसे पहले तो जीरो आएगा जो भी ए है फिर इंक्रीमेंट होके वन हो जाएगा फिर टू फिर थ्री तो जस्ट मैंने इतना कर दिया कंट्रोल या सेव करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ सो ऑल राइट ऑल राइट एक सेकंड कंट्रोल ओ माई गॉड वन मोर थिंग अब हम यहाँ पे कंस्रोल डॉट लॉक कर रहे हैं ठीक है जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो एंड देन जब आप इस तरीके से डिफाइन करते हो तो देखो ना मुझे आउटपुट में कुछ डेटा नहीं आ रहा जो आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंस्रोल डॉट लॉक अब अगर इसको भी मैं हटा दूंगा तो मुझे कुछ भी डेटा नहीं आने वाला है आई एम गेटिंग ओनली अनडिफाइंड अनडिफाइंड एंड देन अनडिफाइंड तो उसके पीछे का रीजन है कि फंक्शन आप जब भी कॉल करते हो यू नीड टू रिटर्न समथिंग एंड हमारे केस में हमें वो एरे को रिटर्न करना है क्यों जो कि पहले एम था बट अब मैंने उसको फिल कर दी है एंड मैं अब उसको रिटर्न कर रहा हूँ सो थ्री टू वन एंड बोम सी ये देखो मेरा काम हो गया सो so, कितनी ईजिली हमने ये सिंपल क्वेश्चन को टैकल की जहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप गए भाई पहले चलो लुप चला के नंबर निकाल लेते हैं फिर चलो यार हम इसमें पूछ करके देख लेते हैं एंड देन लास्ट में हमने रिटर्न की तो अब ये वाला जो पार्ट है आप इसको क्रिएट ना करके आप खुद से भी यू you नो know, आप एक काम कर सकते थे एंड दैट इज ये जो एरे वाला पार्ट है आप डायरेक्टली टॉप पे इस तरीके सेन डू दिस राइट हम एक्स्ट्रा अपना खुद का पैरामीटर एड कर सकते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर जो भी है तो मैंने ये ऐड कर दी अगर मैं इस तरीके से भी करता हूं एंड देन इसको रन करता हूं तो भी आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट यू नो एंड ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कल का वीडियो हम इस सेम प्रॉब्लम को टैकल करेंगे बट यूजिंग रिकर्सन राइट एंड मैंने आपको बताया रिकर्सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसका सिंपल मतलब है अ फ़ंक्शन कॉल इट सेल्फ यू नो तो वो हम कल देखेंगे सो गाइस नाउ इट्स अ होमवर्क फॉर यू कि अब ये वाला जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको आप रिकर्सन की मदद मतलब से कैसे टैकल कर सकते हो मी नो इन द कमेंट सेक्शन बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा

And B is again an integer representing the ending number of the range, and then ARR, an optional parameter representing the array to store the numbers in the range, defaults to an empty array. Okay, okay. Now, output means an array containing consecutive numbers from A to B, and B should be inclusive. Constraint, you And A and B will be integer, A will be less than or equal to B. ठीक है तो कंडीशन हमें पता चल ही रहे है ना सो हेरी वी हैव द फंक्शन एंड देन हम uh, हम बेसिकली दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं दैट इज योर ए एंड देन बी सो कल जो था ये सेम वही प्रॉब्लम है सो गाइस नाउ इट्स एन ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्राई योर जास्क्रिप्ट नॉलेज एंड कितना आपको आता है वो आप आप जस्ट वीडियो को अभी के अभी कीजिए पॉज एंड ट्राई इट योर सेल्फ ऑल गाइस तो मैं आशा करता हूँ आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा यू you नो know, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कल टैकल किया था बट आज आपको रिकर्सन करना है मतलब आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो उस फंक्शन को खुद कॉल करता जाए वेन अ फंक्शन कॉल इट्स सेल्फ अगेन एंड अगेन इट्स योर रिकर्सन बट हाँ एक बेस केस का भी होना जरूरी है सो डैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड प्लीज ये जो फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन है ये हमारा कौन सा डे ट्वेंटी फिफ्थ डे इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा ठीक है आपको मजा आ जाएगा ऑल राइट right, तो देख लीजिए सो लेट्स क्रिएट आई मीन लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन इस तरीके से है ना सो so, uh, यहाँ पे मैं चलता हूँ इसको इस तरीके से रन कर देता हूँ ऑल राइट ये पेज ट्रांजिशन इवेंट कहाँ से आ गया इसको हटाओ सो बेसिकली है वी हैव टू आर्गूमेंट्स तो मैं ए कॉमा बी मैंने दो पैरामीटर एक्सेप्ट किए बट मैं यहाँ पे एक ऑप्शनल पैरामीटर uh, लिख रहा हूँ इस तरीके से खुद से एंड मैंने उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी डैट इज एन एम टी ठीक है अब ये इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो एक सिंपल कंडीशन ये है कि मुझे जीरो से लेके फाइव के बीच क्योंकि पहला वाले का तो यही है ना दो आर्गूमेंट जीरो से लेके पाँच के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको दिखाने हैं उनको बेसिकली मुझे डिस्प्ले कराना है एंड जो भी टोटल मेरा एलिमेंट्स या वैल्यू रहेगा उनको मुझे एरे में स्टोर करना है अब कल के वीडियो तो मैंने वाइड लूप चला के दिखा दिया बट आज तो मुझे रिकर्सन करना है मतलब वो जो अपने आप जो चलना चाहिए वो मुझे अब रिकर्सन के थ्रू करना है ना सो व्हाट आई कैन डू इज मैं कंडीशन देता हूँ बेस केस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एल्सोप आपका इन्फिनेट लूप में चला जाता है सो दिस इज माई बेस केस कि द मोमेंट ये कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब ख़त्म वहाँ से फिर रिटर्न रिटर्न हमें आउटपुट आता जाएगा तो हमारा कंडीशन यही है कि जब तक मेरा जो ए की वैल्यू है बी के बराबर या उससे छोटा नहीं रहता तब तक मुझे इस कंडीशन को चलाना है जिसमें मुझे कुछ नहीं करना खाली मुझे एरे में मेरा डेटा को पोस्ट करना है सिंपल ये हमने कल कर लिया था इसलिए मैं डायरेक्टली अभी लिख दे रहा हूँ लेकिन कल के वीडियो में तो हम मोबाइल लूप यूज़ कर रहे थे जिसके चलते अगर मैं ए प्लस प्लस भी लिख देता हूँ तो क्या हो रहा था ये जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता या फॉल्स नहीं होता ये चलते जा रहा था बट आज के दिन मैं अगर ए प्लस प्लस लिख के छोड़ दूँ तो ये कुछ होगा ही नहीं क्यों क्योंकि ये फंक्शन एक बार चलेगा अरे क्या ए छोटा है बी से तो पुश कर दो एक बार मैं दिखाता हूँ एंड uh, आपको एज इट इज़ लिख के काम नहीं होगा यू नीड टू रिटर्न समथिंग यू नो सो रिटर्न ए आ रहा ठीक है अगर ये करता हूँ मैं एंड देन इसको अगर मैं रन करके दिखाता हूँ सो जीरो थ्री एंड देन माइनस टू डू यू नो द रीजन वाई आई एम गेटिंग ओनली जीरो थ्री एंड देन माइनस टू क्योंकि सबसे पहला कंडीशन ही जीरो था सो so, जीरो जो है ये कंडीशन पूज हो गया इंक्रीमेंट से लेना देना नहीं क्योंकि कहीं ये यूज होगा हो नहीं एंड डायरेक्टली हमने रिटर्न कर दी डेट्स वाइज जीरो थ्री के केस में भी ए की वैल्यू थ्री थी बी की वैल्यू सेवन क्या थ्री जो है सेवन से छोटा या बड़ा है ऑब्बियसली छोटा है इसकी बात हो रही है सेकेंड वाले की है ना तो ए आर आर डॉट पूज उसमें मैंने थ्री को क्या कर दी पूज कर दी एंड इंक्रीमेंट करके कोई फायदा नहीं था क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है डायरेक्टली मैंने रिटर्न कर दिया तो इस तरीके से थ्री एंड माइनस टू के में से माइनस टू लेकिन मुझे तो जीरो फिर वन फिर टू एंड देन जब तक ये लास्ट वाली वैल्यू आनी जाती तब तक मुझे इसको प्रिंट कराना है तो कहीं ना कहीं तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा एंड हम लूप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें बोला गया है यू नीड टू यूज रिकर्सन तो अब हम क्या करेंगे यहां पे एक चीज़ में कर सकता हूं रिटर्न मैं फिर से ये जो मेरा प्रॉब्लम है उसको आ, ये आई I मीन mean, मेरा ये जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करूंगा एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ मैनुअली ए प्लस प्लस मैं क्या कर दूंगा डायरेक्टली यहाँ पे ए प्लस वन तो मतलब जब मैं सेकेंड टाइम ये फंक्शन मेरा कॉल हो रहा होगा ए की वैल्यू को मैं एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बी विल बी एज इट इज़ एंड ए आर आर को मैं एज इट इज़ पास कर रहा हूँ तो अब क्या होगा ना पहली बार तो चलो थ्री मुझे मिले आई मीन चलो इसकी हम बात कर लेते हैं हम इस वाले की बात करते हैं फर्स्ट वाले की ठीक है पहला का हमारा स्टेप क्या होगा सबसे पहले जीरो सो so, जीरो गया है ए में बी में क्या है फाइव फाइव गया है ए आर आर हमारा एम टी है सो इट्स योर जीरो इट्स योर फाइव ठीक है क्या ये जो जीरो है फाइव से छोटा है या उसके बराबर ऑब्वियसली छोटा है तो क्या हुआ ए आर आर डॉट पुश तो हमारा जो एम टी आ रहा था उसमें जीरो पुश हो गया ठीक है एंड द मोमेंट ए कंडीशन हुआ यू नो एंड जीरो पुश हो गया उसके बाद हम वापस क्या कर रहे हैं इस फंक्शन को कॉल कर रहे वापस से फंक्शन कॉल हो रहा है एंड दिस टाइम हमने क्या कर दी ए प्लस वन सो पहले जीरो जो था अब वो प्लस वन करने पे कितना हो गया वो ए की वैल्यू अब वन हो गई सो इट्स नाउ वन क्या वन जो है फाइव से छोटा या बड़ा है ऑब्वियसली छोटा है सो so, कॉमा हम क्या करें पुश कर दे रहे उस वैल्यू को ए की वैल्यू को मैंने वन आ गया सो नाउ इट्स जीरो कॉमा वन ऑल राइट थोड़ा सा ऑर्जो कर देता आप लोगों के लिए ठीक है अब उसके बाद जो अब फिर से जैसे ही वन हुआ फिर से रिटर्न करके मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ द मोमेंट मैंने फंक्शन को कॉल की ए की वैल्यू तो अब मेरी वन थी ना सो इट्स अ वन प्लस वन विल बी टू सो दिस टाइम इट विल बी टू क्या टू है तो क्या इस तरीके से ये टू चलेगा फिर थ्री चलेगा फिर फोर चलेगा ठीक है अब हम देख लेते अगर जब फोर हुआ सो ए प्लस आई मीन फोर प्लस वन विल बी फाइव सो इट्स अ फाइव एंड फाइव वाले ही फाइव से छोटा नहीं है बट बोथ आर इक्वल राइट इक्वल टू साइन तो है तो ये जो है फिर पूछ हो गया फाइव तो यहां पे आया नाउ जब फाइव इधर आया तो, 5 plus 1 will be 6. तो अब ये वाला फाइव प्लस बेस कंडीशन है यहां तो से, तो से बड़ा है तो यह वाला जो ए आर आर डॉट पूछता वो नहीं होगा नहीं ये वाला फंक्शन चलेगा क्योंकि कंडीशन मेट नहीं हुआ तो यह मेरा इफ लूप फाइनली यहां पे खत्म होता है तब जाके रिटर्न ए आर आर, आर तो इस केस में ये एक ऐसा रिकर्सिव केस है जहाँ पे हम कोई डेटा रिटर्न नहीं करा रहे हम द मोमेंट रिकर्सिव करते जा रहे थे मेरा आउटपुट बनते जा रहा था एंड फाइनली मेरा एआरआर तो देखिए ना जो मुझे चाहिए मिल गया जीरो वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव राइट सो इस तरीके से कैसे हमारा ये रिकर्सन काम कर रहा है थोड़ा सा हटके रिकर्सन था ये बट यस या आई मीन या इट्स अ रिकर्सन ऑनली ऑल so we need to write a function called simple password validator that takes a single parameter okay jo ki ek single parameter le raha hai but password dekh lijiye a string representing the password to be validated the function should validate the password based on the flowing criteria ठीक है तो कौन-कौन से criteria जिसका fulfill होना जरूरी है तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये password जो है वो valid है तो सबसे पहले criteria आता है that uh, the password must कंटेन एटलीस्ट वन लोअर केस वन अपर केस लेटर एंड देन वन डिजिट तो कम से कम एक अपर केस एक लोअर केस और एक डिजिट न्यूमेरिक इंटीजियर वो होना जरूरी है एंड द लेंथ ऑफ द पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट मिनिमम एट कैरेक्टर्स का होना जरूरी है द फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू इफ दासवर्ड मेट्स ऑल द क्राइटेरिया अदरवाइज इट्स शुड रिटर्न फॉल्स ओके ए नॉन एम्टी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग पासवर्ड टू बी वैलिडेटेड ट्रू या तो फॉल्स आएगा में द इनपुट स्ट्रिंग कैरेक्टर एंड पंचुए गाउ इन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू ट्राई योर जॉब स्किप्टॉलेज सो पॉज दीडियो राइट नाउ एंड ट्राई योर सेल्फ जी हाँ गाइस तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप वीडियो को करो पॉज एंड खुद से कोशिश कीजिए कि कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि तो पासवर्ड का जो लेंथ है वो मिनिमम एट कैरेक्टर्स कैसे हो सकता है आई के सी तो आप बहुत इजीली टैकल कर लोगे देन आपको ये चेक करना है कि क्या उसमें एटलीस्ट कोई भी एक लेटर या कैरेक्टर लोअर केस का है या नहीं अपर केस का है या नहीं या उनमें से कोई एक भी डिजिट है या नहीं वन बाय वन आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए एंड देन उनको एक साथ मिला के देखिए कि कैसे आप ये पासवर्ड वैलिडेटर बना सकते हो एंड बिलीप गाइस ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक साथ लिखना है यहाँ पे इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं एंड आई गेस मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बताया था जहाँ पे मैंने ये दिखाया था कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी आ, अगर वर्ड या लेटर या कैरेक्टर मैं आपको देता हूँ तो वो अपर केस है या नहीं या वो लोअर केस है या नहीं आई गेस वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं right? राइट अब मुझे वो दिन तो कौन सा है वो याद नहीं है ना क्योंकि मैंने प्रॉब्लम ही तो नहीं लिखा है यहाँ पर बट मुझे अच्छे से याद है हमने वो ऑलरेडी टैकल किया हुआ है ये तो मेन मोड मीडियम है बट जो भी होगा इस मैं देखता हूँ उस पर बट हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं कि वो लोअर केस है या नहीं या अपर केस है या नहीं चलो वो तो हमने कर लिया था तो ये आपके लिए अच्छी बात है बट आप एक कैसे पता लगाओगे कि वो डिजिट है या नहीं एटलीस्ट एक भी डिजिट प्रेजेंट है या नहीं तो अब इन तीनों को आपको एक साथ चेक करना है इंडिविजुअली तो हम कर सकते लेकिन एक साथ आप कैसे चेक करोगे कि चलो ठीक है लोअर केस है डन उसके बाद क्या अपर केस भी है डन क्या डिजिट भी है तो ये आप कैसे कर सकते हो वो मुझे देखना है तो प्लीज़ आप खुद से ट्राई करके कमेंट कीजिएगा मैं जरूर चेकआउट करूंगा बट अभी मैं अपना तरीके से आपको करके बताता हूँ ठीक है एंड uh, एक और चीज़ ये जो वन वीडियो इसमें आई गेस इस पे या इस पे या आई थिंक जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा है उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कैसे कोई भी कैरेक्टर्स है उसका हम आज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उस वैल्यू की मदद मतलब से ये देख सकते हैं क्या वो अपर केस या लोअर केस है या नहीं ठीक है मैंने क्यों पहले बताया क्योंकि मैं आपको उसके थ्रू करके बताने वाला हूं सो इट्स अ पासवर्ड वैलिडेशन ठीक है जूम कर देता हूं ओल राइट सो हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं यहां पे सो लेट्स को विथ पासवर्ड लिख देता हूं तो so, मैंने एज अ पैरामीटर में उसको गेट कर ली ठीक है सो नाउ माई पासवर्ड विल कंटेन ये 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 वाली वैल्यू ऑल राइट तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें है वेरिएबल जो मैं लेके रखना चाहूंगा क्यों क्योंकि देखो ये जो स्ट्रिंग uh, है इन जास्ट ग्रप्ट एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट वो हम सबको मालूम है एंड वो ऑब्जेक्ट इसलिए कहलाता है इवन स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट क्यों क्योंकि मैं इसको इटरेट कर सकता हूँ मैं जैसे फॉर ऑफ लुपीज़ में यूज कर सकता हूँ फॉर लेट कैरेक्टर ऑफ माय पासवर्ड अगर ये मैं कर दूं एंड कंसोल डॉट लॉक करके अगर मैं कैरेक्टर आपको दिखाऊं सो so, uh, फिलहाल के लिए ये जो तीन है इनको मैं कंसोल कर देता आई मीन कमेंट आउट कर देता हूं तो अब अगर मैं यहां पे पर चलते इसको क्लीन करके वन मोर टाइम रन करता हूं तो आप देख सकते हो That आउटपुट uh, false क्यों बता रहा है भाई एक सेकेंड ये ये नहीं आना चाहिए कंट्रोला सेव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए एंड मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आउटपुट रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड ये पासवर्ड वैलिडेशन आ गया सॉरी यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन <laughs> का नाम ही कुछ और था चलो कोई नहीं मैं यहाँ पे चलता हूँ uh, मैं इस तरीके से रन करूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ए एफ के डी एस एफ ए डी आप देख रहे हो मुझे इंडिविजुअल डेटा uh, आ रहा है आई I मीन mean, कितनी इजीली मैंने इसको स्प्लिट नहीं की हर बार हम क्या कर रहे थे हम स्प्लिट कर रहे थे यू कैन यूज द स्प्लिट मेथड आल्सो बट विदाउट स्प्लिटिंग भी हम डायरेक्टली लाइक like, इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग भी तो आपका एक ऑब्जेक्ट है एंड वी कैन यूज द फॉर ऑफ लूप सिंपल राइट इटरेटर तभी वो कहलाता है एंड ये सब मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में बताया था तो मेरे पास जब इतने सारे वैल्यूज़ आ चुके हैं इंडिविजुअली तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ ना इफ मेरा ये जो कैरेक्टर का जो कैरेक्टर कोड ऐड करके एक जो मेथड है कैरेक्टर कोड एड इसमें मैं जीरो ऐड करो इट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स नंबर हालांकि ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि ये तो एक ही है है ना अगर ये बड़ा है या इक्वल टू है सिक्सटी से एंड वापस हम फिर से कैरेक्टर डॉट कैर कोड एट अगर फिर से जीरो अगर ये छोटा है या बराबर है नाइन्टी के तो जब भी आप कैरेक्टर कोड की बात करते हो एंड अगर आप वैल्यू में पास कर रहे हो सिक्सटी फाइव से बड़ा या उसके बराबर एंड नाइन्टी के बराबर या उससे छोटा तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो आपका एक लोअर केस है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा एक वेरिएबल में मैं उसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा मतलब कोई एक भी अगर ट्रू हो गया मीन्स ट्रू खत्म ठीक है So, मैं आप मैं हाँ पर चल रहा चलो ध्यान से देखना लेट हैज लोअर केस इक्वल टू मैं फिलहाल के लिए फॉल्स करूंगा बाय डिफॉल्ट सबको फॉल्स करने वाला has हैज अपर केस ठीक है इक, इसको भी मैं फॉल्स कर रहा हूं एंड देन लेट हैज नंबर अगेन इसको भी मैं फॉल्स कर दे रहा हूं चलो परफेक्ट सो अगर ये ट्रू होता है राइट right? देन मैं क्या करूंगा हैज लोअर केस की वैल्यू को मैं ट्रू करने जा रहा हूँ और ऑल राइट परफेक्ट अगर ये हुआ तो एल्स इफ देखो अगर ये ट्रू हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई I मीन mean, ये बाहर चला गया ना डायरेक्टली निकल गया बाहर एल्स अगर ये ट्रू नहीं होता है तो वो इसके पास आएगा वो किसके पास आएगा इस पर्टिकुलर एल्स सिप के पास आएगा जहाँ अगेन मैं ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर कंडीशन है इसको मैं कॉपी करूँगा देन मैं पेस्ट कर दूंगा दिस टाइम मुझे इसको चेक करना है कि वो अपर केस है या नहीं एंड वेन इट कम्स टू योर अपर केस देन गाइस आपकी जो वैल्यू है वो 97 से लेके वो 122 तक रहता है ठीक है 97 से ले ए आई गेस वन सेकेंड वन सेकेंड एक काम करता हूँ ये वाला जो है सो ए इज सिक्सटी फाइव जेड इज नाइन्टी ऑल आइटिया दिस इज इट मैं यही चाहता था देखना कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे कोड मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली फॉर लेट सिक्सट एक सेकेंड ये आई गेस गैस ये आपकी में प्रॉब्लम है या सिर्फ मेरे में प्रॉब्लम है अगर आप ध्यान से देखोगे ये देखो गूगल पे आप जब भी सर्च करते हो तो हमें उसकी वैल्यू मिलती ही नहीं है लाइक like, मुझे इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ रहा है एल्स इंस्पेक्ट पे जाके कलर क्या है यहाँ पे देखो ना भाई कलर तो दे देता कुछ ढंग का है ना ये देखो ये करते तब जाके वो आ रहा है एल्स नहीं आने वाला वो आप देख रहे हो ये ये अब द मोमेंट मैं रिफ्रेश करूँगा चला जाएगा तो ये गूगल को थोड़ा देखना पड़ेगा ये कि क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से जो भी हो बट ओ माय गॉड देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 65 फाइव है जेड की वैल्यू नाइन्टी इट मीन्स वो कैपिटल लेटर है सो so, ये जो भी था हैज़ अपर केस होगा यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ यार गलत लिख रहा हूँ क्या है ना यहाँ पे आके अब आपका ये ट्रू होगा अगर इसके बीच में रहता है तो इसको मैं एक बार हटा दो तो कुछ वो ऐसा दिख रहा है एक लाइन में ठीक है सिंपल हमने चलाया अगर इसके बीच में रहा तो अपर केस अगर जो भी वैल्यू हमने पास कर रहे अगर वो अपर केस में नहीं है तो वो इस वाले कंडीशन में जाएगा क्या वो लोअर केस में था ओके ठीक है अगर इसमें भी नहीं है अगर वो लोअर केस में भी नहीं था तो वो अब इस कंडीशन में जाएगा जहां पे मुझे ये देखना है क्या वो डिजिट है या नहीं अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई कैसे फाइंड आउट करूं मैं कि वो डिजिट है या नहीं क्या वो एक नंबर है या नहीं तो कैसे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना इन जावस्किप्ट वी हैव वन कंडीशन कंसोल डॉट एक सेकेंड कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ नंबर राइट ये मैंने लिखा एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से थापा ठीक है मैंने ये लिख दिया तो इज नॉट अ नंबर तो ये जो भी वैल्यू मैंने पास की है क्या वो नंबर नहीं है इज नॉट अ नंबर है ना अगर वो नंबर नहीं है तो ट्रू वैल्यू आएगी मुझे मैं इसको हटाता हूँ एंड रन करता हूँ तो ऑल राइट right, मुझे यह ऑब्वियसली ट्रू आ रहा है बट वो फंक्शन को डिफाइन नहीं किया ना इसलिए मुझे वो आयरर आ गया बट यहाँ पे देखोगे आई एम गेटिंग अ वैल्यू ट्रू क्योंकि ये नंबर नहीं है बट अगर आप नंबर पास कर देते हो यहाँ पे लेट्स से फाइव इज नॉट अ नंबर क्या फाइव नंबर नहीं है बट ये तो नंबर है सो so हमें क्या आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा देखो मुझे फॉल्स आ गया लेकिन मुझे अगर ये पता लगाना हो कि मैंने जो वैल्यू पास की है वो नंबर है या नहीं तो अगर इसको मैं नॉट ऑपरेटर यूज कर दूंगा तो फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स है ना तो अब ये क्या हो गया तो अब हमारा कंडीशन ऐसा हो गया कि क्या ये जो फाइवे नंबर है या नहीं अगर है तो ट्रू आएगा नहीं है तो फॉल्स आएगा तो इट्स अ ट्रू मैंने बिकॉज यहां पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया इसका सिंपल मतलब बस यही है कि क्या ये नंबर है या नहीं अगर आप नॉट ऑपरेटर लगा देते हो सो so गाइस आप देख सकते हो कि इसको मैंने कमेंट कर दिया बाकी सबको अनकमेंट कर दिया तो बस यहां पे वही है इज नॉट अ नंबर एंड कैरेक्टर में पास कर दूंगा वो ठीक है बट आप देख सकते हो ना यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो गाइस मेरे जारस्क्रिप्ट के कोर्स में मैंने सबसे पहले ही आपको दिखाया था कि टाइप कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हो ठीक है जिसमें स्ट्रिंग टू नंबर या नंबर टू स्ट्रिंग तो मैंने सिंपली नंबर लिख दी पार्स, इंट या पार्स बहुत अलग अलग तरीके जिसके थ्रू आप कर सकते हो बट मैंने ये लिख दिया अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ तो अगर ये ट्रू रहा अगर वो नंबर है तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी ट्रू दिस इज़ इट ठीक है तो हमने चेक की सबसे पहले क्या वो लोअर केस आई मीन अपर केस है या नहीं अगर नहीं है तो क्या वो लोअर केस है या नहीं अगर वो भी नहीं हो तो क्या वो नंबर है या नहीं तो क्या इस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं एंड एट एंड एक सिंपल कंडीशन में अब ये लगाऊंगा अगर वो लोअर केस नहीं रहा क्या एंड अगर वो अपर केस भी नहीं रहा एंड अगर वो एक नंबर भी नहीं रहा समझ लो एंड एट दी एंड में एक फाइनल जो अभी तक हमने टैकल नहीं की क्या उसका जो कैरेक्टर की लेंथ है मिनिमम एट होनी चाहिए सो पासवर्ड डॉट एल ई एन जी टी एच एल ई एन जी टी एच अगर वो लेस देन एट रहा सिंपल है ना देखो कितना ईजी है अगर वो लोअर केस नहीं है या अपर केस में नहीं है या यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर आएगा अगर वो नंबर भी नहीं है या अगर वो पासवर्ड उसका जो है पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन एट देन हम यहाँ पर रिटर्न क्या कर देंगे गाइस सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे सिंपल राइट एंड यहाँ पे अगर आके हम सिंपल क्या कर देंगे रिटर्न ट्रू खत्म मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया हमें खाली ट्रू या फॉल्स में डेटा देना था राइट right? ये हमने ऑलरेडी ट्रू 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 कर दी यहाँ पे जस्ट चेक कर रहे करे क्या अपर केस है या नहीं या लोअर केस है या नहीं या आई मीन वो नंबर है या नहीं अगर तीनों रहा तो अच्छी बात है अगर तीनों में से कुछ भी एक अगर नहीं रहा समझ रहे हो तो गाइस हमें उसकी एरर आने वाली फॉल्स आ जाएगा वो सिंपल देखो ना यहाँ पे क्योंकि हम और ऑपरेटिव करें इन चारों में से अगर एक भी नहीं रहा तो वो फॉल्स हो जाएगा एल्स अगर सभी फुलफिल हो गया तो इट्स अ ट्रू सो so, अब फाइनल गड़ी आ चुकी है थ्री टू वन एंड बूम गाइस सो इट्स अ फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड देन ट्रू क्यों ये दो तो फॉल्स है नो प्रॉब्लम ठीक है क्योंकि अपर केस नहीं है इसमें भी अपर केस नहीं है इसमें लास्ट का ए एक अपर केस है एंड देन वन है एंड यहाँ पे भी एक वन एंड देन एक कैपिटल ए है सो so गाइस इस तरीके से आपका ये पासवर्ड वैलिडेटर आपको एक सिंपल पासवर्ड वैलिडेटर भी आप इसे कह सकते हो लेकिन उसको करने के लिए आपने देखा ना हमने कितना कुछ किया हमें पता चला कैरेक्टर कोड एट 65 से 90 के बीच में अपर केस आई मीन या अपर केस है 97 से 122 के बीच में लोअर केस है नंबर है यानी वो हमें पता चला कि कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं सारे के सारे कंडीशन को एक साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फंक्शन की वैल्यू कैसे रिटर्न करा सकते हैं एंड ऑल ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है तो उस पर्टिकुलर फील्ड का जो भी इमेज है वो हमें फिल्टर होके मिलता है लेट्स से नेचर में तो मुझे नेचर मिल रहा है तो मुझे बर्ड्स मिलती है जब मैं एनिमल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एनिमल मिलता है ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे इमेजेस है वो मुझे मिलता है सो गैस कैसा लगा आपको ये ना बहुत ही ज़्यादा हौसम तो बताना चाहूंगा ये भी हमारा जस्ट इन हंड्रेड डेज का ही एक पार्ट है जो कि अभी तक हम टोटल कितना थर्टी वन डेज हो चुका है तो मैंने सोचा यार इतने सारे दिन हो चुके तो एक मिनी प्रोजेक्ट करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी आपको भी थोड़ा हौसला आएगा एंड तभी आपको भी थोड़ा एक फीलिंग आएगी चलो यार मैं कुछ तो सीख रहा हूँ राइट तो फाइनली अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उन सब की मदद से गैस आज हमें ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी मैं किसी भी टैब पे क्लिक करता हूँ तो उसके बेसिस पे जो भी इमेज है वो फिल्टर होकर हमें मिलना जरूरी है अब आपको क्या करना है गाइस अभी के अभी वीडियो को कीजिए पॉज एंड आप खुद से कोशिश कीजिए कि ये जो ऐप है या ये जो फंक्शनैलिटी है इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ऑलर गाइस तो आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा एंड आप में से अगर बहुत तो यह लगता है अब ये तो बच्चों वाला है तो गाइस बच्चों वाला तो करके बताओ फिर है ना नीचे कमेंट कर देना अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ये वाला वीडियो जो एक बार जरूर देख लो वरना कुछ नहीं हो पाएगा गाइस लाइफ में मैं पहले बता रहा हूँ अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ये मिनी प्रोजेक्ट है कोई एकदम नॉर्मल प्रोजेक्ट भी नहीं मिनी के अंदर ही आता ही है ये ठीक है एंड मैं आपको हिंट दे देता हूं कि करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे ईजीएस्ट तरीका होगा इवेंट डेलीगेशन एंड वो मैंने आपको एडवांस वाले में पढ़ा है जहां पे मैंने आपको इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग प्रोफाइगेशन इवेंट डेलीगेशन बहुत सारी चीजें करके मैंने आपको एकदम इन डेप्थ में बताया भाई जो आपको कोई यूट्यूब में बाकी जगह मिलेगा भी नहीं तो देख लो गाइस आप मैं बता रहा हूँ अगर आप ये खुद से कर पा रहे हो मतलब बहुत अच्छी बात है आप इंटेलिजेंट हो अगर नहीं कर पा रहे फिर तो मुश्किल है आपके लिए क्लियर बता रहा हूँ आपको बुरा लगे जो भी लगे बट रियलिटी यही है कि अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो देख लो कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका आप ही के लिए ये आप वो जो कोरियन सीरीज या कोई मूवी देख लेते हो दो घंटे दो घंटा भाई यही देख लो ना लाइफ तो सवर जाएगी आपकी ठीक है ऑल आर गाइज तो या बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अगर तो आप टॉप पे देख सकते हुए है भाई इंडेक्स डॉट एस्टेमल फाइल इंडेक्स डॉट जेस एंड स्टाइल डॉट सी एस एस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आई मीन एड करके रखा क्यों क्योंकि अगर मैं सी एस एस भी बताने जाऊंगा तो फिर फायदा क्या है भाई बहुत लंबा चला जाएगा ये वीडियो तो उसके लिए ऑलरेडी मैं सी एस एस कोर्स अपलोड कर चुका हूँ इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप ये वाला सिंपल एनिमेशन भी नहीं बना पा रहे हो तो फिर तो मुश्किल है क्लियर कट बोल बोलो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें एक एक लाइन एक्सप्लेन करो बाद में वीडियो देखना तो किसी को नहीं है समझ रहे हो इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है जास्क्रिप्ट का बात चल रहा है तो हम जॉस्क्रिप्ट एंड जो एस लगेगा उतना ही देखेंगे सिंपल ऑलर गैस तो ऑलरेडी uh, बता चुका हूँ ट्राई खुद से कीजिएगा इवेंट डेलीगेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं एंड फॉर मोर ऑन इवेंट डेलीगेशन आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो तो सबसे पहले लेट्स को विथ एस टी एम एल है ना तो एस टी एमल फाइव के साथ हम चलते हैं यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए लेट्स से इमेज फिल्टर लिख दीजिए इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पे आइए तो uh, अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड हाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी कॉपीपात पेस्ट तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पे ठीक है टैप्स आप कह लीजिए आपको आपकी मर्ज़ी आप जितना भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो उसके बाद तो कैसे यहाँ पे ये यह जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे के अपने एक इमेजेस है है ना ये सिंपल एक इमेजेस है अपने चलो ठीक है सबसे पहले ये जो टैप्स है इनको हम टैकल कर लेते हैं और लाइट तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक है सो लेट्स गो विथ वन सेक्शन यहाँ पे हम चलते हैं उसको एक क्लास देता हूँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको मैं मेन्यू टैब्स दे देता हूँ मेन्यू टैब या टैब जो भी आपकी मर्जी है ना यहाँ पे क्यूएल ले लेता ले हूँ एंड इसको एक क्लास देता हूँ क्योंकि मुझे इवेंट डेलीगेशन यूज़ करना है इट मीन्स कि सिंपल मैं अगर पेरेंट को क्लिक कर दूँ आई मीन अगर कोई भी चाइल्ड क्लिक करता है तो पेरेंट में जो ऑन क्लिक है उसको ट्रिगर कर देता है जो कि कितनी ईजी हो गई मतलब मुझे हर जगह ऑन क्लिक देने की जरूरत नहीं है एक पेरेंट को ऑन क्लिक दे दूंगा मेरा काम हो जाएगा सो एल पे मैं चलता हूँ इसको ऑल लिख देता हूँ यहाँ पे गाइस हम डेटा सेट प्रॉपर्टी का यूज़ करने जा रहे हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपने जा कोर्स में बता चुका हूँ तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा है ना ये एडवांस वाले में मैंने बताया है एंड डेटा सेट क्या एक रीड ऑनली प्रॉपर्टी है एस्टेमल एलिमेंट्स का इंटरफेस प्रोवाइड्स रीड राइट एक्सेस टू कस्टम डेटा एट्रीब्यूट्स ऑन एलिमेंट्स ये क्या मैं आपको बताता हूँ ठीक है फिलहाल यहाँ पे अभी अपने को आएगा जो भी आने वाला है तो यहाँ पे हम चलते हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक तो क्लास लेता हूँ जो कि कॉमन होगा ऑन लाइक एवरी एलाई एलिमेंट में एंड दूसरा यहाँ पे मैं डेटा प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ ठीक है सो इट्स ए कैटेगरी लिख देता हूँ मैं ये हमारे कैटेगरी विल बी इक्वल टू एंड ये जो डेटा सेट वाली जो पार्ट है ना ये जास्किट में एक अलग ही वैल्यू है इनकी जहाँ पे मैं कल के दिन जास्किट में ये जो डेटा कैटेगरी है विद हेल्प ऑफ डेटा सेट इसको मैं गेट कर सकता हूँ बेसिकली एक्सेस कर सकता हूँ तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना मजा आ जाएगा तो यहाँ आप बस मुझे वो नाम लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है मैंने बर्ड नहीं यहाँ पे ऑल लिखना था ठीक है इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ दो तीन एंड देन चार ठीक है तो ये जो ऑल ऑल है इसको मैं कर देता हूँ बर्ड कीजिए या एनिमल जो भी आपका मन हो यहाँ पे हम चलते हैं इस तरीके से कर देते हैं बर्ड यहाँ पे हम चलते हैं एंड इस तरीके से इसको कर देते हैं सिंपल नेचर है ना ऑलराइट मेरा काम हो गया कंट्रोलाइज सेव करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ तो ऑलरेडी इसको एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है चलो ठीक है एक काम करता हूँ मेरे पास सी एस एस तो ऑलरेडी है राइट मतलब सबको मैंने सेंटर में करके रखा हुआ है टैब्स को अलग ही पार्ट दे रखी जो अभी हम टैब्स तो क्रिएट कर ही चुके हैं दिस इज आवर टैब्स है ना तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले फ्लैक्स गैप इतना अपर केस कर दिया पॉइंटर रखा है लिस्ट स्टाइल को नन कर दिया मार्जिन बॉटम इतना सिर्फ इतना लिखने से क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं राइट एंड कुछ आपको इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बॉडी को भी डिस डिस्प्ले ग्रीड एंड देन प्लेस हाइफन आइटम सेंटर में दे चुका हूँ इसके चलते जो भी है हमारे ये मेरे टैब्स हो गए ये मेरे इमेजेस वो सब बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेंटर में मिलता है एंड उनके बीच में गैप आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैप प्रॉपर्टी जो मैं जगह जगह पे दे रहा हूँ ठीक है सिंपल ऑल राइट सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन मेरा जो सीस एस है उसको मैं आप लिंक कर देता हूँ सो कंट्रोल एस सेव मैंने कर दी यहाँ पे मैं आऊँगा तो परफेक्टली मुझे ये देखो कुछ इस तरीके से मिल भी रहा है ठीक है ऑल राइट परफेक्ट अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड uh, एक काम करता हूँ सबसे पहले uh, जो मेरा पार्ट uh, है उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ इसके नीचे वाले जो कि है हमारे इमेजे चलो ठीक है सो लेट्स गो विथ सेक्शन यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो uh, यहाँ पे हम चलते हैं क्लास एंड लेट्स गो विद मैन्यू हाई फन इमेज चलो ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूँ एक डिव ले लेता हूँ उसको एक क्लास देता हूँ जो कि अगेन सब में कॉमन होगा हाँ एंड डैट विल बी इमेजेस एंड अगैसे काम करते ये जो क्लास है इमेज वाली इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली एल आई को टारगेट कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा एंड इमेज जितने भी है वो हम हमारा जो एक्चुअल इमेज है उसको देते हैं ठीक है एंड यहाँ पर अभी जो डेटा कैटेगरी है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पर पेश कर रहा हूँ तो बेसिकली अब आप आपको पता चला ना जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा कोई भी लेट से किसी ने ये बर्ड वाले पे क्लिक कर दी इस वाले पे तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो डेटा कैटेगरी में जो वैल्यू है उसको हम हमारे सेक्शन में जितने भी इमेजेस होंगे उसमें डेटा कैटेगरी का जो वैल्यू होगा उनसे हम मैच कराएंगे क्या ये जो है इस वाले कैटेगरी के, के जो भी वैल्यू से मैच कर रहा है अगर मैच कर रहा है तो हम उनको दिखाएंगे एंड बाकी सबको हम हाइड कर देंगे तो सिंपल फंडा बस इतना ही है ठीक है right, ये तो रहा हमारा डिप अब इसमें आ जाएगा हमारा इमेज तो ये जो इमेज है तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ नहीं मैंने जस्ट पैक्सल से ये लिया हुआ है यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन रखा डेट्स वाई आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है वो वही हो ये जो दिख रहा है आपको ये मैंने एक्सटेंशन रखा हुआ इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है वो एंड बाकी तो कुछ नहीं अल्टरनेट टैग पे आप जरूर दीजिएगा फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ एंड उसी तरीके से ये हमारा पहला तो हो गया राइट तो ये पहला हो गया तो मैं बाकी के जो भी है उनको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ ठीक है सो कंट्रोलर सेव कर दिया मैंने एंड आई जस्ट रिमेंबर कि एक और बाकी है तो उसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ दिस इज इट तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं जस्ट इमेज हमारा सोर्स एट्रीब्यूट हमारा क्लास एट्रीब्यूट एंड देन ए ऑल्ट एंड देन हमारा जो ये डीब है उसमें हमारा मेन है एंड दैट इज़ डेटा कैटेगरी तो ये डेटा कैटेगरी देख लो इसमें एक में नेचर एक में एनिमल है एक में बर्ड है एक और में एनिमल है इसमें फिर से बर्ड है तो टोटल एक दो तीन चार एंड देन पांच चलेगा परफेक्ट अगर मैं यहां पे चलता हूं तो ऑलरेडी जो मुझे चाहिए था वो देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये हंड्रेड में ऐसा दिखता है चलो ठीक है सो एनिमल बर्ड नेचर एंड देन ऑल ठीक है तो अभी सबसे पहले मुझे ये करना है कि इन चारों में से ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइक ये जो चार है इन चारों में से मैंने किसको क्लिक की मुझे सबसे पहले तो उसकी वैल्यू चाहिए सबसे पहले जो डेटा कैटेगरी वाली जो वैल्यू थी ना मुझे वो चाहिए ठीक है तो हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं एंड कंसोल पे चलते हैं एंड मैं इसको एज इट इज रखता हूँ एंड ये ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव है सो so, गैस हम क्या करते हैं यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो वी नीड टू राइट दिस स्क्रिप्ट टैग सोर्स एंड वी हैव अ इंडेक्स डॉट जी एस ठीक है आपको लगे तो टाइप मॉड्यूल लिख दो जो कि uh, जो भी लेटेस्ट uh, हमारा एक एक्मे स्क्रिप्ट उसको ये सपोर्ट करेगा बहुत बार क्या होगा कि अगर आप ये टाइप इक्वल टू मॉड्यूल नहीं लिखते तो बहुत सारी चीज़ें जो शायद ना चले तो ये मिक्सचर करो ताकि आपका जो लेटेस्ट जी का जो भी कोड आप लिख रहे हो वो चल जाए बस है ना ऑल राइट तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूं तो वी हैव दिस है वेलकम टू जी एस लिख देता हूँ फिलहाल जस्ट मेक श्योर कर रहा हूं कि मुझे ऑल राइट वेलकम टू जी एस मुझे आ रहा है इट मीन्स कि मेरा ये काम कर रहा है परफेक्ट ठीक है अब ऑल राइट right. तो इवेंट डेलीगेशन अभी तक अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है देन आई हाईली जावास्क्रिप्ट कोर्स में इवेंट डेलीगेशन मैंने लिखा है आप उस पर्टिकुलर पार्ट part को एक बार चेकआउट कर लीजिए भाई लिख के देता हूँ मजा आ जाएगा आपको मैंने पूरा ये जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं प्रियोडिक प्रोडिक्टेबल सबका मैंने बताया कैसे आप कर सकते हो मजा आ जाएगा चलो तो इसको मैं हटा रहा हूँ सो वॉट वी हैव ओवर ह्योर वी हैव दिस पार्ट आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेकेंड मैं ये चल देता हूँ ये ये जो पार्ट दिख रहा है ठीक है अभी आप क्या सोच रहे हो कि चलो इसको क्लिक करें इसको क्लिक करते हैं इसको क्लिक करते हैं एंड देन इसको क्लिक करते हैं जो कि अच्छी बात है आप क्लिक कीजिए लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है इस इनको क्लिक करवाने के लिए आपको टोटल चार आप समझ रहे हो टोटल चार बार ऑन क्लिक यूज़ करना पड़ेगा लेकिन क्यों ना हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन हो कि मैं किसी को भी क्लिक करूँ कहीं पर भी ऑन क्लिक देने की जरूरत ना पड़े अगर मैं खाली पेरेंट्स को दे दूँ ऑन क्लिक एंड देन कोई भी अगर उसके चिल्ड्रेन अगर क्लिक करता है तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से चिल्ड्रेन ने क्लिक की है एंड उस वो अगर पता चल गया तो मैं ये भी पता लगा लूँगा कि उसके डेटा कैटेगरी की वैल्यू क्या थी तो यही आपका इवेंट डेलीगेशन कहलाता है सिंपल जहाँ पे Uh, जो भी इनर चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स का जो इवेंट है उसको एक्सेस कर पाता है सिंपली ठीक है ऑल राइट तो uh, यहाँ पे हम चलते हैं सो नॉट ओवर हियर ओवर हियर ठीक है तो इसमें देखो ये टैब्स जो है मुझे इसको एक्सेस करना है अब कभी भी जावास्क्रिप्ट को एस्टेमल के साथ कम्युनिकेट करना रहा या इंटरेक्ट करना रहा तो हम किसका यूज करते हैं डोम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज नथिंग बट इट्स अ मीडियम यू you नो know, ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट जो एस्टिंग के साथ कम्युनिकेट कर पाता है सिंपल डोम का मतलब बस इतना ही है वो बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया आप देख लीजिए वीडियो कोर्स पता चल जाएगा सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं सो कॉन्स्ट है ना लेट्स लेफ्टो विथ कॉन्स्ट टैप्स के साथ में चलता हूँ आप लोगों के लिए इसको मैं जूम कर देता हूँ ठीक है सो वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी भी यूज कर सकते हो या तो गेट एलिमेंट बाई आई डी भी आप कर सकते हो इट्स टोटली अप टू यू बट आई विल गुड क्वेरी सेलेक्ट हो क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है इसकी और तो बाकी तो कुछ नहीं है ऐसा ठीक है दिस इज इट राइट तो अब मुझे इस पर एक इवेंट ऐड करना है तो अब हम इवेंट कैसे ऐड करेंगे सोचो या इट्स अड इवेंट लिस्ट नो जिसमें वी हैव टू फर्स्ट एट दी इवेंट कि कौन सा इवेंट आपको फायर करना है एंड देन सेकेंड विल बी योर कॉल बैक फंक्शन राइट दिस विल बी योर कॉल बैक फंक्शन एंड एट दी एंड में कैसे एक और ऑप्शन अपने पास है आपको कैप्चरिंग चाहिए या बबलिंग फेज चाहिए जो कि आपका इवेंट डेलीगेशन में बहुत हेल्प आता है बेसिकली इवेंट प्रोफागेशन जिससे कि अभी फिलहाल हमें लेना देना नहीं बाय डिफॉल्ट हमारा जो बबलिंग फेस है एज इट इज रखेंगे अब यहां पे तो जब भी कोई करेगा क्लिक चलो ठीक है क्लिक अब यहां पे वी नीड टू हैव द इवेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं ठीक है तो इवेंट ऑब्जेक्ट में मैं कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट बस फिलहाल इतना मैं लिखता हूं ठीक है चलो मैंने इतना लिखा बस अब मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूँगा मैं एनिमल पे क्लिक करता हूँ एंड बुम गाइस से ये देखिए क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे बराबर आ गया है कि भाई जिस अभी आपने जिस भी टैब को क्लिक की है उसका ये है एक्चुअल एलिमेंट तो मुझे एनिमल आ गया चलो ठीक है बर्ड पे क्लिक करूँ तो बर्ड आ गया नेचर पे क्लिक करता हूँ तो नेचर आ गया ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या आ गया गाइस ऑल आ गया चलो ठीक है मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया लेकिन मुझे पूरा एलिमेंट नीचे मुझे सिर्फ ये जो डेटा कैटेगरी में जो वैल्यू लिखी गई है मुझे वो चाहिए तो उसके लिए कभी भी अगर आप डेटा सेट के साथ देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है वी हैव दिस डेटा सेट एलिमेंट है एंड रीड एंड राइट एक्सेस टू कस्टम डेटा एट्रीब्यूट डेटा एंड देन हाइफन लिख के आपको लिखना रहता है डेटा एट्रीब्यूट पे मैं जाऊंगा तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है देन एस्टेम डॉट डेटा सेट हमारे पास होता है जो कि अगेन यही है जो कि बहुत ईजिली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो कहीं ये देखो यहाँ पे ई एल डॉट डेटा सेट डॉट वो एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको लिखनी रहती है ठीक है सो so, कैसा रहेगा देखो एट्रीब्यूट तो हमारी कैटेगरी है सो so, अगर आपको यहाँ पे वो डेटा चाहिए होगा डॉट आपको डेटा सेट लिखना पड़ेगा एंड देन उस कैटेगरी का आई मीन वो एट्रीब्यूट का नाम डेट इज योर कैटेगरी दिस इज इट इतना अगर आप कर देते हो एंड अगर मैं रिफ्रेस करता हूँ अगर मैं क्लिक करूँ तो एनिमल बर्ड नेचर ऑल एनिमल बर्ड आप देख रहे हो गए कितनी इजीली देखो ना मैंने इनमें से किसी को भी क्लिक इवेंट दिया ही नहीं था फायर ही नहीं की मैंने इसके पेरेंट को मैंने ऑन क्लिक दी तो अब कितनी इजीली चिल्ड्रन उसको क्लिक करे तो मुझे पता चल रहा है कि हमें किस वैल्यू को मिलना चाहिए बस मुझे करना ये है किसी तरीके से ये जितने भी इमेजेस मेरे पास है उनमें भी तो मैंने सेम ये कैटेगरी वाला जो डेटा सेट है वो मैंने पास किए है ना ऐड किया हुआ है तो मुझे जब भी कोई किसी पे भी क्लिक करता है लेट्स से एनिमल पे क्लिक किया तो ये जितनी भी इमेजेस है उन सबको मुझे एक बार सर्च करना है कि ये जो एनिमल वाली जो डेटा कैटेगरी है किन किन इमेज के पास ऑलरेडी एडेड है या कौन कौन से इमेजेस में मैंने वो ऐड की हुई है बस जो भी मैच करता है उसको डिस्प्ले शो कर दो बाकी सबको हाइड कर दो बस अब मुझे ये करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ डैट इज फिल्टर या आप लिख सकते हो सर्च फिल्टर सर्च कर दीजिए एंड यहाँ पे ये जो भी आपने पास की है कॉपी कीजिए एंड देन पास कर दीजिए ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा एक फंक्शन में कॉल करना जब भी कोई भी एक बटन पे क्लिक करेगा टैप पे क्लिक करेगा तो ये जो फंक्शन है वो कॉल होगा जहां पे मैं इमेजेस को लूप में चला के सर्च करूंगा सिंपल राइट सो इसको हम कॉन्स्ट फिल्टर सर्च विल बी इक्वल टू योर फैट एरो फंक्शन कंट्रोल सेव कर देता हूँ एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास uh, कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको गेट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे वैल्यू uh, लिख लेता हूँ उसको ठीक है वैल्यू लिख देता हूँ मैं कुछ भी लिख सकते थे आप इमेज वैल्यू या डेटा वैल्यू है ना कुछ भी आप लिख सकते थे मैं यहाँ पे चलता हूँ ऑल राइट अब बस मुझे क्या करना है मुझे मेरे ये जितने भी इमेजेस है आप आप देख रहे हो ना सारे इमेजेस को तो मैंने क्या कर रखा है एक क्लास दे रखी इमेजेस एंड उनको भी मैंने कैटेगरी दे रखी तो मैं इमेजेस 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 इनको मैं गाइस बहुत इजीली एक्सेस कर सकता हूं एंड मैं एरे के थ्रू इसको लूप में चला सकता हूं तो देखो कैसे स्ट वी हैव अ गैलरी गैलीलियो बोलने जा रहा हूं मैं भी गैलरी uh, लिख देता हूँ वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट अब देखो क्वेरी सिलेक्टर आपको लिखना पड़ेगा लेकिन सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर से काम नहीं चलेगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना पड़ेगा क्योंकि इमेजेस बहुत सारे हैं और इमेजेस से मेरा मतलब एक्चुअल इमेजेस नहीं ये जो क्लास वाली जो इमेजेस है ना ये इमेजेस बहुत सारी है ठीक है अगर आप सिर्फ एक बार लिखते हो तो सिर्फ पहला वाला आपको दिखाई देता जो कि फिर काम का नहीं है सो so, डॉट चलते हैं एंड देन वी हैव अ इमेजेस चलो ठीक है so, सो कंट्रोल एस सेप मैंने कर दी अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सिंपल अब ये जो गैलरी है अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें मैप मेथड लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मुझे मिलने वाला है कौन कौन सी वैल्यू मुझे मिलने वाली तो ऐसा कैसे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जब आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करते हो तो देन आपको बेसिकली एक नोड लिस्ट मिल रहा होता है ना कि एक एस एलिमेंट ठीक है तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये नोट लिस्ट क्या चीज़ है ये एस्टेम एल एलिमेंट्स क्या चीज़ है अगर आप गेट एलिमेंट बाई आई डी करते तो आपको आई मीन बाई क्लास नेम करते तब आपको एस्टेम एल एलिमेंट्स मिल रहे होते तो ये नोट लिस्ट एस्टेम एल एलिमेंट्स क्वेरी सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाई आई डी डोम बॉम ये सब के ऊपर अगर एकदम इनडेप्थ चाहिए देन एडवांस कोर्स को आप जरूर चेकआउट कीजिए बहुत मेहनत करके बनाइए जो व्यूज आए ना गाइस सच में मुझे बहुत बुरा लगा बाकी लोग कुछ आपको लाइक हवा हवा में बता रहे मिलियन व्यूज़ देते आप उनको यहाँ पे पूरा इन डेप्थ में जो आपको इंस्टीट्यूट ना पढ़ा है वो मैंने बता दी तो कुछ है ही नहीं भाई वीडियो देखिए आप आप ठीक है और लाइट तो यहाँ पे चलते हैं तो मैप आप आपका काम नहीं करेगा पहली बता रहा हूँ तो हमें या तो फॉरेस्ट के साथ ही जाना पड़ेगा अब ठीक है तो मैं फॉरेस्ट के साथ जा रहा हूँ यहाँ पे सो so, फॉरेस्ट में भी सेम वही है आपका करंट एलिमेंट आपका जो इंडेक्स नंबर आपका वो करंट एरे राइट सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इट। चलो आप लोगों को कंसोल डॉट लॉक करके दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ मिलने वाला क्या है। तो मैं current एलिमेंट को मैं छोड़ रहा हूँ वैल्यू एज इट इजी है मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो पार्ट है ना अभी आप सोच रहे होंगे कंसोल डॉट लॉक तो कर दे कुछ मुझे मिल तो रहा नहीं है मिलेगा भी क्यों ये तो तभी आपको फंक्शन के आई I मीन mean, ये तो तभी मिलेगा ना जब हम किसी को क्लिक करेंगे तब जाके ये फंक्शन कॉल होगा लेट्स से मैं बर्ड को क्लिक कर देता हूँ ये देखो मैंने द मोमेंट बर्ड को क्लिक की तो बर्ड की तो वैल्यू मुझे यहाँ पर आ गई बर्ड की वैल्यू तो मुझे आ गई बट ये जो एक्स्ट्रा मुझे जो मिल रहा है ये क्या चीज है ये पता है क्या है ये क्या है ये है इसकी मदद से मुझे जितने भी मेरे इमेजेस है सबका डेटा मुझे यहाँ पे आ गया ये देखो ना पहला बर्ड है दूसरा आपका एनिमल है तीसरा बर्ड फिर नेचर फिर एनिमल तो सेम यह तो वही हुआ ना जो थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था अब मुझे क्या चाहिए ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे चलूंगा करेंट एलिमेंट डॉट आपका ये डेटा सेट डॉट कैटेगरी खत्म देखो कितनी इजीली ये देखो अब अगर किसी को भी मैं क्लिक करूँगा बर्ड एनिमल बर्ड नेचर एनिमल खत्म तो मैंने आई I मीन mean, यूजर ने किस टाइप को क्लिक की उसकी वैल्यू तो हमें मिल गई उसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई अब हमारे पास ऑप्शन में इतने सारे है कि भाई इतने सारे इमेज में से ये जो एनिमल किससे मैच खा रहा है इससे मैच खा रहा है और एक इससे मैच खा रहा है तो मुझे इसको हटाना है इसको हटाना है एंड देन इसको हटाना है बाकी जो मैच खा रहे है, सिर्फ उसको दिखाना है अब या अब ये तो बच्चों वाला काम है राइट सो so गाइस अभी तक अगर आपने फिगर आउट नहीं किया कि अब मैं कौन सा स्टेप करने जा रहा हूँ जिससे मैच किया तो दिखाना है एल्स नहीं दिखाना है तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस आप एक बार जास्क्रिप्ट के कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि अभी छोटी, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है यही तो आपका ये ट्यूटोरियल हैल या प्रोग्रामिंग है एक एक लाइन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ता है समझ रहे हो जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो फट से आपको आ जाना चाहिए सिंपल अब आपसे ऐसे ही होगा डेटा सेट डॉट कैटेगरी पर मैं आऊंगा ठीक है अब ये जब करेंट एलिमेंट में जो लिख रहा हूँ इट मीन्स कि मेरी एक्चुअल इमेजेस जितने भी मेरे इमेजेस है वन बाय वन सब आएंगे ठीक है अगर वो ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू वैल्यू बोले तो जो यूजर ने जिस पे भी क्लिक किया होगा वो वैल्यू में जो पास कर रहा हूँ उससे अगर वो मैच कर गया तो अब हमें क्या करना है वो पर्टिकुलर इमेजेस को डिस्प्ले करना है तो करेंट एलिमेंट डॉट उसका जो भी स्टाइल होगा डॉट उसका जो भी डिस्प्ले होगा तो मैं अब जाक्रिप्ट में भी तो हम सेसेस यूज कर ही सकते हैं ना यहाँ पे चल के मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ ठीक है एंड ये भी गाइस बोलने की नीड नहीं जाप्ट का जो ये मेरा कोर्स है इस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो आपने देखा ना एक चीज़ तो ऑलरेडी सब कुछ मैं बता चुका हूँ तो अब जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है एंड अगर आप प्रैक्टिस पे भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपने अच्छे से नहीं देखा है वीडियो अगर देखा भी है तो खाली हवा हवा में देख लिया कि कुछ नहीं है फिर ठीक है सो इट्स अ करेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले विल बी इक्वल टू मैन नन अगर वो मैच नहीं हुआ तो भाई जितने भी मेरे इमेजेस थे सबका डिस्प्ले नन कर दो खत्म यही तो मैंने तब से आपसे कह रहा हूँ ना जो मैच होता है उसको दिखाओ बाकी जो मैच नहीं होता उसको हाइड कर दो डिस्प्ले नन हम यही तो करते हैं और क्या करते हैं मैं यहाँ पे चल रहा हूँ क्लिक करता हूँ एटलीस्ट दो रख लेता हूँ एनिमल बर्ड बर्ड पे आ नहीं रहा है मुझे नेचर uh, पे भी नहीं आ रहा बट सिर्फ ओके एंड गाइस आएगा भी कैसे यहाँ पे आप देखो ना एक चीज़ करंट एलिमेंट डॉट स्टाइल होना चाहिए था ना ये क्या हो रखा है यहाँ पे अजीब सा कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ ठीक है मैं एनिमल बर्ड नेचर अब ऑल पे तो कुछ आएगा नहीं एनिमल बर्ड नेचर ठीक है अब एक प्रॉब्लम देखना अगर मैं बीच में देखो हाँ ध्यान से देखना अगर मैं बीच में क्लिक कर दूंगा ये देखो मुझे क्या वैल्यू आई मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है इस इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये कि मैंने तो पेरेंट को दिया था ना मैंने क्या किया था मैंने पेरेंट को क्लिक इवेंट दी थी तो अगर कोई इस पर या इस इसपे या इस पर या इस पर क्लिक करता तो ठीक है लेकिन ये जो बीच का ये जो पार्ट है बीच का ये जो पार्ट है इस पर भी तो लोग क्लिक कर सकते हैं ना तो मुझे क्या चाहिए कि भाई मेरे ये जो एक्चुअल एलिमेंट है ना उसी पे ही अगर क्लिक हो तो वो फंक्शन कॉल हो अगर कोई ये खाली बॉक्स पे अगर कोई क्लिक कर रहा है तब ये क्लिक नहीं होना चाहिए एंड हमने देख लिया अगर कोई खाली बॉक्स पे क्लिक करता है तो ये अनडिफाइंड लिख के आता है ठीक है तो अब ये जो फंक्शन है फंक्शन को मुझे तभी कॉल करना है जब हम वैलिड टैप पे क्लिक करेंगे सो so, इफ मेरा ये जो इवेंट है एंड देन ये जो मेरी कैटेगरी है अगर इसकी वैल्यू इज़ नॉट इक्ल टू एक सेकेंड नॉट इक्ल टू ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड ठीक है अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो ही ये जो फंक्शन है आप एक सेकेंड ये जो मेरा फंक्शन है इसको आप चलाना समझ गए ना सिंपल क्योंकि अगर हम कहीं पे भी बाहर क्लिक करते तो अनडिफाइंड मुझे मिल रहा था तो मैंने बस बोल दिया अगर कोई भी क्लिक कर रहा है एंड अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो ये फंक्शन कॉल करो बस ख़त्म अब एटलीस्ट इससे होगा ये कि एनिमल बर्ड नेचर ऑल पे तो कुछ आएगा नहीं लेकिन मैं अगर बीच में भी क्लिक करता हूँ तो भले ही यहाँ पे तो अनडिफाइंड मुझे मिल रहा है बॉटम पे तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पे बट इवेंट में मेरे को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं फंक्शन कॉल ही नहीं कर रहा हूँ अब रहा एक ऑल तो सिंपल है यहाँ पर आप एक और एल्स लगा सकते हो एल्स इफ है ना सेम यही जो वैल्यू है कॉपी कीजिए सॉरी इसकी भी नीड नहीं है अगर ये जो वैल्यू है इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू ऑल हाँ क्योंकि वैल्यू जो भी ऊपर से हमें मिल रही है अगर वो ऑल है तो पेस्ट दिस इज इट समझ गए अगर वो ऑल है तो जितने भी मेरे एलिमेंट्स है सबका जो भी डिस्प्ले है उसको ब्लॉक कर दो ब्लॉक कर दो मतलब यहां पे ब्लॉक नहीं होता है ब्लॉक का मतलब है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब वो दिखाओ उनको बेसिकली यहां पे सिंपल यही है तो अब एनिमल है बर्ड है नेचर है द मूमेंट ऑल पे क्लिक करता तो हूँ गाइस सी देखो मुझे सब आ गया एंड कितनी इजीली हमने इसको टैकल की एकदम इन डेप्थ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक एक लाइन बाय लाइन यहाँ पे आप एक और चीज़ ये कर सकते थे इसको हम और ऑपरेटर में यूज़ करके इसको कॉपी कर दो क्योंकि देखो ना सेम है ना दोनों अगर दोनों सेम हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है और मैं करके इसको पेस्ट कर दो तो अब एटलीस्ट ये जो एक लाइन है इतना दो लाइन उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा तो ये एक लाइन में मेरा हो गया इट्स एनिमल बर्ड नेचर एंड देन ऑल एनिमल बर्ड नेचर एंड ऑल एंड देन इस पर भी क्लिक करता तो कुछ होगा नहीं देखो साइड साइड में ठीक है तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आज हमें किस प्रोग्राम को टैकल करना है ठीक है सो कोडिंग का चैलेंज का नाम है रेंडम हेक्स कल जनरेटर ओके ठीक है सो नाउ वी नीड टू राइट अ फंक्शन रेंडम हेक्स कल डेट जनरेट अ रेंडम हेक्स ओके ठीक है So, uh, I hope आपको मालूम होगा कि ये hexadecimal, uh, जो कलर होता है उसे क्या मतलब आई मीन वो होता कैसा है वो दिखता कैसा है हम लिखते कैसे जब भी सेसेस में कलर्स की बात आती है हम क्या करते इधर हैंशटैग ट्रिपल जीरो ब्लैक के लिए ट्रिपल एफ व्हाइट के लिए है ना तो बेसिकली हैश टैग के बाद जो जो भी हम इस तरीके से जो कि एक दो तीन चार पांच छ होना चाहिए तो इस तरीके से पांच सो इट्स योर आर जी एंड देन बी रेड ग्रीन एंड देन ब्लू ठीक है तो ये हेक्स कोड जो है गाइस हमें उसको क्रिएट करना है बेसिकली एवरी टाइम एक रेंडम होना चाहिए एंड मैं बताना चाहूंगा कि मेरा ये जो जास्क्रिप्ट uh, का ये जो मेरा एडवांस कोर्सेज में हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट आई गेस इसमें या इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट ही था रैंडम बैकग्राउंड uh, जब जब एक मैं एक बटन पे क्लिक करता तो वो रैंडम बैकग्राउंड आ रहा था तो वो हमने ऑलरेडी की है उसमें मैंने एक अलग अप्रोच अपनाया था यहाँ पे मैं एक अलग अप्रोच के थ्रू आपको आप ये बताने वाला हूँ

दिस इज योर ऑसम अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अपना जो जाक्रिप्ट की जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हो ये देख सकते हो कि इसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो सो गाइस आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा क्योंकि ट्राई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड आपने जो भी ट्राई किया है जैसे भी आपका आउटपुट है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी ठीक है सो so देख लीजिएगा इसमें कैसे इसको करने वाला हूं तो so फिलहाल आप देख सकते हो दिस इज अ फंक्शन जहां पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया है चलो ठीक है सो लेट्स डिफाइन आवर फंक्शन है ना एंड कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है तो अपने को कोई टेंशन भी नहीं है फिर तो आप लोगों के लिए मैं जूम कर देता हूं चलो ठीक है आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा दिस टाइम ठीक है तो सबसे पहले अगर आपको रैंडम नंबर चाहिए कभी भी सो गैस इन जॉबकिट वट डू वी हैव बताओ जरा लाइक like, रैंडम नंबर पाने के लिए क्या हमारे पास ऑब्वियसली वी हैव अ मैथ ऑब्जेक्ट राइट सो वट वी कैन डू इज लेट्स रिटर्न एक रिटर्न करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वी हैव मेथड अर रैंडम एंड या दिस इज इट चलो ठीक है एटलीस्ट ये करके देखते हैं इसको मैं एक बार रन करता हूं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक रैंडम नंबर आ गया चलो परफेक्ट है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए टोटल सिक्स लेटर्स एंड uh, अगर हम एक्स टैग को भी इंक्लूड करते हैं, तो टोटल सात मुझे लगने वाला है ठीक है कहीं ना कहीं मेरा ये काम हो चुका है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलवेज मुझे इतना ज्यादा डेटा मिलने वाला है बट प्रॉब्लम बस एक होने वाला है यहाँ पे कि ऑलवेज मुझे वो जीरो एंड देन वन के बीच में जितने भी इंटीजर आई मीन जीरो जीरो से लेके नाइन uh, के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो मुझे मिलने वाला है एंड ऑलवेज मेरा वैल्यू जीरो पॉइंट समथिंग ही रहने वाला है क्योंकि मैथ डॉट रैंडम आपको जीरो कॉम वन के बीच में ही वैल्यू देता है ऑलवेज ठीक है इसलिए जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग ही हमें मिलने वाला है तो uh, देखो ये मुझे मिल गया अच्छी बात है बट मुझे तो हेजेक्ट डेमल चाहिए ना तो एक हिंट भी दे, दे रखा हमने कन्वर्ट्स द रैंडम नंबर इनटू अ हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग नो मैटर व्हाट आगे जाके मुझे इसको बेसिकली uh, स्लाइस करना पड़ेगा या स्प्लाइस करना पड़ेगा या जो भी है तोड़ना पड़ेगा टुकड़ों में ताकि मुझे सिर्फ इतने सारे लेटर्स uh, में मुझे सिर्फ और सिर्फ छह लेटर चाहिए होगा एंड वो सब हम कर सकते हैं विद स्ट्रिंग राइट तो हमें क्या करना है जो भी रैंडम नंबर हमें मिला उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्ट्रिंग ऑलराइट ठीक है सो so, नाउ मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूं ठीक है सो so, मैं अब इसको वापस रिफ्रेश करता हूं तो आपको कुछ डिफरेंस पता चलने वाला भी नहीं है आपको कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने यहां पे टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं किया बट जो भी हो अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया दैट्स फाइन बट व्हेन इट कम्स टू योर ये डेसिमल तो यहाँ पे आफ्टर नाइन जो है ना दस हम नहीं लिखते वो हम लिखते फिर ए बी सी डी ई एंड ऐप तो टोटल तो 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 एप तक जाता है तो यहां पे कभी भी मुझे ए बी सी डी इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक नहीं मिलने वाला है तो मुझे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग चाहिए होगा ठीक है या यहाँ पे लिखा गया हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग सो वी नीड टू यूज द बेस ऑफ सिक्सटीन जिससे अब पहले मैं सिर्फ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था बट नाउ अब मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं इंटू हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग तो अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं ध्यान से देखना सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस सी अब मुझे देखो यहाँ पे बी मिल रहा है यहाँ पे सी मिल रहा है यहाँ पे ई e मिल रहा है यहाँ पे बी मिल रहा है मेरा काम हो गया अब ये भी जो भी मुझे नंबर मिल रहा है ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है मुझे किसी भी तरीके से चाहो तो मैं पीछे से छह नंबर को ले लू या आगे से छह नंबर को मैं गेट कर लू मेरी मर्जी तो अब मैं क्या करूंगा मुझे सिर्फ छह लेटर कोर्स में बता चुका है प्लीज आप चेकआउट कीजिएगा जा, उसके ऊपर बहुत सारे मेथड आपको मिल जाएगा सब एसटीआर सब स्ट्रिंग ऐसे भरे पड़े तो मुझे क्या चाहिए जीरो हैव दिस डॉट एंड देन या तो मुझे ये जीरो एंड देन डॉट नहीं चाहिए सो इट्स अ जीरो मुझे टू से स्टार्ट करो और मुझे टोटल सिक्स लेटर्स चाहिए होगा अब मैं अगर दो से स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली मुझे इट विल बी तो मुझे एट तो मतलब सेकेंड इंडेक्स नंबर से लेके एट इंडेक्स नंबर तक जो भी वैल्यू कभी भी आती है वो मुझे रिटर्न कर दो तो अब मुझे ऑलवेज सिक्स डिजिट ही मिलने वाला है ये देखो इस तरीके से अब यहाँ पे हम एक और चीज करेंगे फ्यूचर प्रूफ के लिए दैट इज इनकेस कभी चांस किसी गलती से हमें छह लेटर्स नहीं मिले तो हम एट दी एंड में खुद से जीरो ऐड कर देंगे सो so uh, वी कि अगर छह टोटल कैरेक्टर्स या लेटर्स नहीं होते हैं देन आप उसमें जीरो ऐड कर दो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कल के दिन मुझे uh, इतना सब कुछ लिखने के बाद रिटर्न हुआ लेटर से फोर थ्री ए एंड टू इस तरीके से मुझे रिटर्न हुआ ये बट ये तो सिर्फ चार है एंड हेक्साडेसिमल में तो टोटल तो मुझे छह लगेंगे तो मैंने पैड एंड यूज की है ये मेथड अगेन स्ट्रिंग में जहां पे अगर जब तक ये टोटल सिक्स नहीं हो जाता तब तक आप जीरो ऐड कर दो तो अब कैरेक्टर्स के लिए एक एंड देन दो तो लास्ट में हम दो ऐसे ऐड कर देंगे वी हैव अ पैड स्टार्ट आल्सो जो कि स्टार्टिंग में जीरो ऐड करता बट हमने अब लास्ट में ऐड कर दी तो अब ये टोटल कैरेक्टर्स हो गए ना यहाँ पे सो डेट्स वाई ऑल राइट अब इतना लिखने से काम नहीं चलेगा वी नीड टू मेक इट टोटल सेवन कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग right? तो उसके लिए हम क्या करते इसको हम टेम्पलेट uh, लिटर में लिख रहा हूँ एंड द मोमेंट आप ये बैकटिक यूज करते हो तो आप यहाँ पे आप कुछ भी एड कर सकते हो इस तरीके से दिस इज इट तो मेरा ये जो प्रोग्राम था ये हमने बहुत इजिली टैकल कर ली एंड एवरी टाइम मुझे एक न्यू रेंडम हेगेडेमल का जो कलर कोड है वो मुझे मिलने वाला है अब कहीं कही ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये हमने किया है जैसा मुझे फील आ रहा है बट एग्जैक्टली exactly मुझे याद नहीं आ रहा है बट मैंने सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों के लिए एज ए रिफ्रेशर भी ये काम करेगा है ना तो वी हैव एन एरे एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाँ गाइस आपको समझना जरूरी है इसको रिमूव करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके बहुत भरे पड़े बट एक सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे लाइक वन लाइनर मैं पूरी कोशिश कर रहा करूँ कि एक लाइन में अपना काम हो जाए तो मुझे लगा ये बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी है वापस इसको टैकल करने का so uh, we need to write a remove duplicate wala function that takes an array of elements as input and returns a new array with the duplicates element removed so guys isme itna zyada batane wali baat hai kuch nahi hai so now it's your turn please pause the video right now and try it yourself तो आप खुद से इसको कोशिश कीजिए बहुत ही ज्यादा important होने वाला है एंड आई होप आप इसको जरूर कर लोगे so uh, I hope guys आपने try जरूर किया होगा so, देख लीजिए करने के बहुत तरीके लेकिन मैं सीधा बता देता तो हूँ हम इसमें यूज करने जा रहे हैं सेट्स सो वॉट इज अ सेट ये जास्क्रिप्ट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ यूनिक वैल्यूज इज वैल्यू कैन ओनली अकर वंस इन अ सेट एंड अगर आपको लाइक सेट क्रिएट करना है वी कैन पास पास एन एरे टू अ न्यू सेट ठीक है सो so, ध्यान से देखिए कैसे सो वी हैव दिस फंक्शन जिसके अंदर हमने एक आर्गूमेंट पास की है एंड हमारा ये जो आर्गूमेंट है वो एक एरे है राइट right. सो so, हम यहाँ पे चलते कॉन्स्ट ये जो भी फंक्शन का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स इस तरीके से हमने ये हमारा जो फैट एरो फंक्शन उसको हमने लाइक डिफाइन like, कर दी यहाँ पे एंड एक पैरामीटर अब हमें लगने वाला है मैं ए आर आर ही लिख देता हूँ किस लिए है ना देन देखो मैं एट दी इसको आपको वन लाइन में कन्वर्ट करके बता दूंगा लेकिन सबसे पहले न्यू एंड देन सेट आप लिख दीजिए नॉट सेट इंटरवल बट सेट एंड देन यहाँ पे आप ये जो एरे उसको आप पास कर दीजिए ठीक है सो लेट्स डू दिस एंड देखते हैं कि हमें क्या मिलता है तो uh, हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइक सेट इज नॉट डिफाइनेबल रहा कि सेट को हमने डिफाइन नहीं की है इट्स फाइन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इन्होंने जो यहाँ इन्हों पे, तो इन्हों पे किया है क्या किया है इन्होंने ये देखो एस जो है वो एक कैपिटल है तो ये मैंने जानबूझ के मिस्टेक की थी ताकि आपके माइंड में ये हिट हो जाए कि जो सेट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है कैपिटल है ऑसम ठीक है सो अब आपको पता चला ना तो इट्स अ सेट एक सेकेंड ऑल परफेक्ट तो अब हम चेकआउट कर लेते हैं इसको मैं रिमूव करता हूं एंड लेट्स क्या मिलता है देखो ऑलरेडी हाँ आप देख सकते हो लाइक इट्स अ वन टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव ऑलरेडी मेरा जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज था वो रिमूव हो चुका है इट जस्ट कि ये अभी भी मुझे एक सेट फॉर्मेट में मिल रहा बट मुझे ये एरे फॉर्मेट में ही चाहिए तो अगर आपको ये एरे फॉर्मेट में भी चाहिए होगा देन यू नीड टू मेक इट इस तरीके से एक एरे ठीक है लेट्स मेक आई मीन हम इसको एरे के अंदर डाल देते क्योंकि इसको आप ब्रैकेट द यूज करते हो आपका वो एरे बन जाता है तो मैं इसको एक और बार रिफ्रेश करता हूं तो देखो जो मुझे पहले मिल रहा था अभी भी मुझे वही मिल रहा है इट जस्ट कि अब वो एक एरे बन चुका है राइट अब यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वो अब आपका एक एरे बन चुका है अब आपको ये जो पार्ट है उसको आपको रिमूव करना है इवन ये जो आ, सेट बेसिकली आपको सेट नीचे अब आपको सिर्फ ये वैल्यूज चाहिए उसके अंदर जो भी वैल्यूज है तो उसके लिए वी हैव अ स्प्रेड ऑपरेटर दैट इज डॉट डॉट एंड देन डॉट तो आप ये थ्री डॉट यूज करते हो तो अब ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है आपका ये जो भी वैल्यूज uh, है उसको स्प्रेड कर देगा एंड बेसिकली अब ये पार्ट हट जाएगा सिंपल इसका आप इतना मतलब समझ लीजिए फिलहाल अभी के लिए एंड अब अगर मैं रिमूव करता हूँ आई मीन रन करता हूँ सो बूम गाइस सी अब आप देख सकते हो कि हमने हमें जो एरे मिला था उसमें से हमने डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर दी एंड स्टिल इट्स एन एरे ओनली ठीक है सो या गाइस आज इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा ये एक ऐसा हैंडी वन लाइनर कोड है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको देखो वन लाइनर तो आप बोलोगे तो है नहीं बट अब हो जाएगा ये वन लाइन ये देखो ये आपका बन गया वन लाइन देखो सिर्फ एक लाइन में आपने अपना कोड कितनी इजीली लाइक डुप्लीकेट जो भी वैल्यूज थी उसको आपने रिमूव कर दी तो ये नो मैटर व्हाट आपको कभी नहीं भूलना है ये सारी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन इंटरव्यू और जब आपसे पूछे एंड आप जब आप उनको बताओ कि इस तरीके से हम कर सकते रिमूव वैल्यू जो है उनको हटा सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ बेसिकली वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे ठीक है उनको भी लगेगा यार भाई इसने कुछ तो किया है एल्सो फॉर लूप लगाओ ये करो वो करो झंझट वाला काम है ये देख लीजिए सो वी नीड टू राइट अ फंक्शन एंड बेसिकली एक सिंपल फंक्शन है बट आपको थोड़ा सा वो सोचने पर मजबूर कर देगा यार इतना सिंपल वाला प्रोग्राम है फिर भी इतना सोचना पड़ रहा है क्योंकि आपको बस ये चेक करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो क्या वो एम है या नहीं आई I मीन mean, कितना सिंपल है ना ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप पास कर रहे हो इज इट एम और नॉट सिंपल जैसे ये वाला जो पार्ट है ये एम है ठीक है एंड अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये काइंड ऑफ लाइक एम नहीं है बट फिर भी कोई कोई लोग इसको एम बोलेगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू वो नल है दो वी हैव वन की एंड देन अगेन हेयर ऑल्सो वी हैव वन की बट अगेन उसकी वैल्यू एक अनडिफाइंड है तो मैं कहीं कही ना कहीं तो मैं ये तो बोलूंगा कि भाई ये एम टी तो नहीं है बट जो भी हो ठीक है यहाँ पे इन्होंने इट्स एम टी लिखा है मेरे जो भी लाइक टीम है बट आई थिंक इट्स नॉट एम टी क्योंकि एटलीस्ट वी हैव वन की तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है बहुत ही ज्यादा सिंपल है समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो देख लो आ, इसको मैं कर उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को कीजिए अभी के अभी पॉज एंड्राइट योर सेल्फ ऑल एट गाइज तो आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा एंड आप मैं जितने भी सबसे पहले यह सोचा अरे यरे तो बच्चों वाला है लेट्स ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ एल ई एन जी टी एच इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू जीरो इट मीनस इट्स एम टी है ना आप इस तरीके से लिख दो इट्स एम टी एल्स इट्स नॉट एम टी राइट आपने कुछ ऐसे ही सोचा होगा नॉट एम टी तो अब मैं इसको रन करता हूँ है ना एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं आ, क्लीन करके रन कर रहा हूँ इट्स नॉट एम टी इट्स नॉट एम टी हैं ये क्या हो रहा है भाई सभी के सभी इट्स नॉट एम आ रहा है मुझे तो बट एटलीस्ट ये जो पार्ट है ये तो एम है ये तो मुझे देख के पता चला ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो ना की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो फिर भी इट्स नॉट एम क्यों आया राइट right? इसलिए मैंने ये प्रोग्राम रखा एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुतों तो को अभी तक तो ये आइडिया ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है लाइक इन जारिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट राइट चाहे वह आपका एरे हो एरे इज एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट क्योंकि वो इटरेबल है एंड उसमें हम लेंथ प्रॉपर्टी एंड इंडेक्सेस की मदद से वैल्यू को गेट कर सकते हैं बट वेन इट कम्स टू योर ऑब्जेक्ट इट्स सेल्फ देन ना तो आप उसको लाइक like इटरेट कर सकते हो ना उसमें आप ये इंडेक्सेस यूज कर सकते हो आई गेस इंडेक्स फिर भी कर सकते होंगे बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर सकते है. एंड ना ही आप लूप चला सकते हो ना ही आप ये जो लेंथ प्रॉपर्टी उसको आप यूज़ कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा हट के दिखाना था जावास्क्रिप्ट वालों को क्योंकि सब ऑब्जेक्ट है बट अगर ऑब्जेक्ट भी वही सेम चीज़ करेगा जो सब कर रहा है तो फिर ये हट के कैसे हुआ इसलिए जो ऑब्जेक्ट में कुछ काम नहीं करता है तो ये अगर आपने सोचा होगा तो वैसे काम नहीं करता है आप कभी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं पता लगा सकते एंड ऊपर से ऑब्जेक्ट का ये पास बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू वाला जो फंडा है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने एडवांस कोर्स में बताया तो प्लीज़ देख लीजिएगा ये पास बाय रेफरेंस क्या होता है ठीक है तो ये तो काम नहीं करेगा चलो इसको तो मारो गोली तो अब हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ मुझ तो मुझे पता नहीं चला हाँ लेकिन हम इसको गाइस एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि इसकी जो की है उनको हम इटरेट कर सकते हैं तो एक हम काम ये कर सकते थे फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट ठीक है ऑफ भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हमें फ़ॉर ऑफ उसको भी मैं यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे बाय द वे एंड यहाँ पर कंडीशन सिंपल ये लगा सकते थे कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है हैज़ ओन प्रॉपर्टी करके एक मेथड होता है हमारे पास एंड फॉर सम रीजन मुझे सजेशन नहीं आ रहा उसका बट कोई नहीं मतलब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है क्या उसमें ये जो की है क्या ये उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है सिंपल इसका मतलब ये है ना हैज़ ओन प्रॉपर्टी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें ये जो नेम है क्या इसकी अपनी प्रॉपर्टी है इफ इट्स ट्रू राइट अगर ये ट्रू है देन हम क्या कर सकते हैं रिटर्न ये जो भी था इट्स नॉट एम वाला है ना कॉपी एंड देन पेस्ट ठीक है एंड आपको बैक लगेगा तभी ये काम करेगा वरना नहीं करेगा अब ये जो पार्ट है हमने रिटर्न कर दी यहाँ पे मैं एल्स uh, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आप रिटर्न कर दो एंड यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दीजिए यही सेम इट्स एम वाला समझ रहे हो तो ये तो एक तरीका है कि आप इंडिविजुअली सब कुछ चेक कर रहे हो एंड द मोमेंट कोई भी एक वैल्यू उसको मिल गई तो ख़त्म रिटर्न मतलब वो लूप के बाहर ही चला गया है ना तो ये हम एक काम कर सकते थे मैं आप इसको अगर रिफ्रेश करता हूं तो अनएक्सपेक्टेड uh, टोकन एक सेकेंड या सो वी आर गेटिंग एन अनएक्सपेक्टेड टोकन कहाँ लाइन नंबर एट लाइन नंबर एट तो ऐसा तो लाइन नंबर लाइन नंबर एट में तो कुछ है भी नहीं सो फॉर ऑब्जेक्ट इफ सब तो सही है रिटर्न ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी सही है ये जो फॉल लूप है वो यहाँ पे है तो ये कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है फिर क्योंकि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्रोल एस से रिटर्न कीवर्ड भी सही है की सही है ऑब्जेक्ट सही है तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है फिर ऑल राइट ऑल राइट सी इट्स नॉट एम इट्स एम इट्स नॉट एम एंड देन इट्स नॉट एम तो ये देखो मेरा काम कर गया तो ये आप कर सकते हो राइट right? तो मैं आपको अब आप एक और तरीका बताता हूँ चलो ये भी बहुत लंबा था यार बट दूसरा एक और तरीका ये कि वी हैव ऑब्जेक्ट क्लास है ना सो so, हम क्या कर सकते थे रिटर्न ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव सम मेथड लेट्स ए कीज अगर मैं कीज लिखता हूँ एंड वो ऑब्जेक्ट पास करता हूँ जो भी मुझे मिला है ठीक है तो अब क्या मुझे मिलता है आप वो एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे नेम वैल्यू इज एम टी की विथ नल एंड देन की विथ अनडिफाइंड तो बेसिकली जब भी आप ऑब्जेक्ट क्लास यूज करते हो उसमें कीज मेथड का यूज़ करते हो तो आप जो भी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो आप जो भी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो उसमें कितने कीज है आई मीन I mean, जितने भी कीज होंगे वो ये रिटर्न कर रहा है ठीक है तो मुझे ये मिल गया ना एक क्या अब देखो ना क्या रिटर्न कर रहा है ये ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे ये एक एरे में वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो अगर ये बात है आई I मीन mean, जब बात आती है एरे की देन एरे में तो वी कैन यूज द लेंथ मेथड आप आप ये कर लो खत्म बात अगर ये जीरो हुआ तो फॉल्ट रिटर्न हो जाएगा अगर ये एम नहीं है इस केस में तो एम होने वाला है ना जीरो वैल्यू मिलने वाली है मतलब मेरा अब ये एम है या नहीं तो हो गया देखो ना मैंने क्या कहा था कि अब हम वन वन ला, लाइनर देख रहे तो मैंने कल के दो जो प्रीवियस मेरे प्रोग्रामिंग चैलेंजेस थे से मैंने वन लाइन करके दिखाया मैंने ये भी दिखाया कि क्यों आप ये लेंथ यूज़ नहीं कर सकते करना है तो आप ये ए वाला एक तरीका कर सकते थे इटरेट करके पूरा कर दो दूसरा जब ऑलरेडी क्लास हमारे पास है ऑब्जेक्ट का हम ये कर सकते थे राइट तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ रन करता हूं एंड बूम गाइस बुम ग्रू फॉल्स एंड देन मेरा काम हो गया ट्रू आपको तब मिलता है जब ये एम टी होता है राइट इतना आपको ध्यान में रखना है बस तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा सिंपल है उनके लिए जिनको मालूम है कि ऑब्जेक्ट में जो मेथड है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं एल्स आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पे ओ माय गॉड ये मैं कैसे करूँ क्योंकि आज आपको ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना है एंड देन अगेन उस एरे को आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा सो वी नीड टू राइट अ फंक्शन विच कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू एरे एंड देन एरे टू ऑब्जेक्ट सिंपल ठीक है एंड एनसीओ द कन्वर्जन फंक्शन वर्क करेक्टली फॉर ऑब्जेक्ट्स विथ वेरियस डेटा टाइप्स एज वैल्यू सच एज स्ट्रिंग मतलब वैल्यूज कुछ भी हो सकता है कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है तो सब में वो बराबर काम करना चाहिए कॉन्स्टेंट दिए गए हैं अब इसको एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से है ना सो so गैस यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव एन ऑब्जेक्ट विद थ्री की वैल्यू पेयर्स जिसमें आप देख सकते हो नेम कोडिफायर हाइफन थापा तो आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि व्हाट इज दिस कोडिफायर तो बताना चाहूँगा गाइस मैंने अपनी एक कंपनी रिसेंटली लॉन्च की जिसका नाम है कोडिफायर डॉट कॉम जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं एंड बहुत जल्द हम फिजिकली ऑफलाइन भी लेने वाले बट फिलहाल अभी हम ऑनलाइन ले रहे हैं हमारा जो पाइथन क्लासेस है वो सिक्स मे को स्टार्ट होने वाला है सो गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड जो कंपनी में एज अ टीम लीडर है यू नो पाँच साल का एक्सपीरियंस एम कंपनी में जॉब कर रहे, वो आपको सिखाएंगे तो बहुत ही कुछ आपको सीखने मिलने वाला है बहुत मजा आने वाला है आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये जो तीस दिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है आपको इंटर्नशिप मिलेगा सर्टिफिकेशन मिलेगा बहुत कुछ मिलने वाला है मैं भी रहूँगा बहुत मज़ा आएगा यू नो तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा व्हाट्सएप भी है और रजिस्ट्रेशन नाव भी है आप जरूर चेकआउट कीजिएगा सिक्स में को स्टार्ट होने वाला है एंड हाँ एक और चीज़ प्राइस आप कहीं भी पूछ लीजिए कोई भी आपको 20 30 दस हज़ार से कम नहीं बोलेगा हम सिर्फ आपको 3999 में पढ़ा रहे एंड आई है स्पेशल कूपन अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है और right, राइट उसको अभी फिलहाल आप देख लीजिए अगर आपको मन हो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है तो आज हमें देखो देखोगेस क्या करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या करना है राइट right? तो नाउ इट्स योर चांस कि आप अभी के अभी वीडियो को कीजिए पॉज एंड खुद से कोशिश कीजिए कि इस प्रोग्राम को आप कैसे खुद से सॉल्व कर सकते हो सो आई होप गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ने आई मीन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने कैसे किया इसको ठीक है सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट पहले से तो सबसे पहले तो मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है ठीक है सो देख लीजिए आपको ऑलवेज है ना जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो ये सोचना है कि फिलहाल आप किस में काम कर रहे हो हम जाक्रिप्ट में कर रहे हैं जास्क्रिप्ट के बाद हम किस पर्टिकुलर टॉपिक्स uh, में हम काम कर रहे हैं जास्क्रिप्ट का कौन सा पार्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है अब ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना है तो मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसे मेथड्स है जिसके चलते मैं एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ अब आपको ये सोचना है तो आप सर्च कर सकते हो अगर आपने कभी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा या अगर इस तरीके का जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम अगर आप टैकल कर रहे हो जस्ट सोचो कि ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कुछ मेथड या प्रॉपर्टी है या नहीं एक बार आप सर्च कर सकते हो बट मुझे तो मालूम है कि यस वी हैव वन प्रॉपर्टी तो देखो कैसे कॉन्स्ट एंट्रीज लिख देता हूं मैं यहां पे है ना विल भी इक्वल टू मैं क्या लिखता हूं कॉन्स्ट भी क्यों लिखना लेट लिख देता हूं मैं फिलहाल ठीक है ताकि आगे अगर मुझे कुछ चेंज करना रहा तो जैसे कल के वीडियो में बताया था वी हैव वन क्लास कॉल ऑब्जेक्ट ठीक है इंटरफेस दिखा रहे हैं यहाँ पे एंड वी हैव एक प्रॉपर्टी आई मीन वन मेथड हा बाय द वे एंड दैट मेथड नेम इज एंट्रीज तो एक फंक्शन दिखा रहा है रिटर्न एंड एरे ऑफ की वैल्यूज ऑफ द इन्यूरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखा ऑब्जेक्ट अगर आप पास करते हो देन वो आपको एक एरे रिटर्न करेगा विथ की वैल्यूज़ ठीक है तो यही तो मुझे चाहिए था एंड मैंने ये कर दी एंड इस पर मेरा वो जो ऑब्जेक्ट वो मैं पास कर रहा हूँ परफेक्ट लेट चेक इट आउट अगर इसको कंसोल डॉट लॉग एंड देन एंट्रीज में पास करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एरे एरे मैप फिल्टर रिड्यूस फॉर इन फॉर ऑफ पिपूस पॉप ये सब हम देखते रहते हैं यू नो बट ऑब्जेक्ट भी तो उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ऑलरेडी uh, देखो इसी तरीके का ही आपको डेटा आने वाला है ऑब्जेक्ट को मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया है परफेक्ट राइट right? अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये किस तरीके का एरे है अरे तो एरे के अंदर एरे है क्या ये आई मीन वी हैव एन एरे परफेक्ट बट हमारी जो एक एक की वैल्यू जो पेयर है ना वो भी एक एरे के अंदर ऐड हो गई है ठीक है तो अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ एरे के अंदर चाहिए डेटा जो भी है अपना देन वॉट यू कैन डू इज आप यहाँ पे चल सकते हो ये जो एक और कंसूल डॉट लॉक कर देता हूँ मैं एंड वी हैव दिस एंट्रीज क्योंकि अब तो ये एक एरे बन चुका है एंड वी हैव फ्लैट मेथड ठीक है तो फ्लैट में आप कितनी भी वैल्यूज पास कर सकते हो उतने डीप लेवल में जाके वो जो ब्रैकेट उसको रिमूव कर देता है तो थोड़ी देर पहले आपको कुछ वैसा दिखाई दे रहा था बट नाउ अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये देखो ये आपका एक्चुअल आउटपुट है बट आफ्टर यूजिंग फ्लैट मुझे नेम एक अलग कोर्डिफायर थापा एक अलग एज एक अलग वैल्यू बेसिकली वैल्यू क्या बोलना एलिमेंट कह लीजिए इसकी अलग तो बेसिकली एक एरे के अंदर सभी मुझे एज एन लाइक की वैल्यू पेयर सर मेरे लिए बराबर हो गए सभी मेरे लिए एक एलिमेंट की तरह मुझे काम करते हुए मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या था कि ये एक वैल्यू है ये एक अलग वैल्यू है एंड ये मेरी एक अलग वैल्यू क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज थी ना तो इन्होंने इसलिए ऐसा किया अगर आपको एक इंडिविजुअल चाहिए रहता देन वी कैन गो विद दिस फ्लैट मेथड बट मैं फ्लैट को एज इट इज रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसको कंसोल पे ही रखा बाकी कुछ नहीं किया एक्चुअल में ठीक है अब एंट्रीज जो है वो तो अब मेरा एक एरे बन चुका है ना मुझे उस एरे को बैक टू नॉर्मल लाइक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा अब देख लो फिर से हाँ अब आप एरे के साथ डील कर रहे हो एंड उस एरे को अब आप आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि एरे में कुछ ऐसा मेथड uh, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अगर मैं यूज करूँ तो वो कन्वर्ट हो जाए वापस ऑब्जेक्ट में ये अब आपको एक बार सोचना पड़ेगा कुछ इस तरीके से एल्स आप अगर ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो तो क्या ऑब्जेक्ट में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि जिसमें अगर मैं एरे पास कर दूँ तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दे दे क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीस में जब मैंने ऑब्जेक्ट पास की तो उसने मुझे एरे दे दिया तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे प्रॉपर मैथड हो जिस पर अगर मैं एरे पास कर दूँ तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दे दे ये दो तरीके से आपको सोचना है फिर आपको ऑनलाइन सर्च करना है ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ देखो जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा लेट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट ठीक है विल बी इक्वल टू देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लास है ऑलरेडी यहाँ पे वी हैव वन मोर आप कह सकते हो एक मेथड ऑफ फ्रॉम एंट्रीज सो रिटर्न एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाई अ की वैल्यू एंट्रीज फॉर द प्रॉपर्टीज एंड देन मेथड आई मीन आप समझ जाओ यहाँ पे कि ये आपको रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आई I मीन mean, एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है तो फ्रॉम एंट्रीज पे आप जाइए एंड यहाँ पे वो जो एंट्रीज था आपको आप उसको एंटर कर दीजिए एंड देन यू नीड टू लाइक कंसोल डॉट लॉक ताकि आपको वो वैल्यू देखने को मिले कंट्रोल एस सेव एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ तो इनको मैं हटाता हूँ यहाँ पे मैं क्लीन करता हूँ तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो ये तो मेरे ऊपर के डेटा है बट ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेम कोडिफायर हाइफन आई मीन स्पेस थापा कॉमा एज थर्टी सिटी पुणे तो वापस देखो ऑब्जेक्ट को पहले मैंने एरे में कन्वर्ट किया उसको फ्लैट कर दिया एंड देन जो मेरा एरे था ये फर्स्ट वाला उसको मैंने वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दी तो कल की वीडियो में हमने ये देखा कि हम ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर इट्स एम टी और नॉट देन आज हमने देखा ऑब्जेक्ट में ही कि ऑब्जेक्ट को एरे में एंड देन एरे को ऑब्जेक्ट में हम कैसे वापस कन्वर्ट uh, कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन एंड ये आपकी लाइफ को भी बहुत ईजी कर देता है All right, guys. तो आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने जा रहा है क्योंकि अभी तक आई गेस uh, हमने लाइक like, एक सिंपल जो इंटरेस्ट होता है राइट right? बचपन में हमने बहुत पढ़ा है मैथ्स में एंड ये कंपनी में भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है एंड आई गेस ये वीडियो तो अभी तक का ये जो हमारा हंड्रेड डेज जो है ना गाइस उसमें आई गेस टॉप फाइव में आता होगा एकदम सिंपलेस्ट में ठीक है सो देख लीजिए राइट अ फंक्शन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट दैट कैलकुलेट्स दिस सिंपल इंटरेस्ट गिवन दि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम एंड टाइम इन ईयर सिंपल तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एंड देन हमारे पास टाइम इन ईयरस है तो क्या सबसे पहले तो अब आप आपको ये जानना होगा कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला ये तो आप फिर कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे है ना समझ रहे हु? तो अब यहां पे बात यह जाती है कि यार बचपन में हमने जो पढ़ा वो तो कभी काम आया नहीं तो काम आ गया बचपन में जो हमने मैथ्स में पढ़ा था वो काम आ रहा है वो तो नाउ गाइस इट्स योर चांस तो मैं चाहता हूं कि पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योर सेल्फ आप खुद से ट्राई कीजिए जस्ट ये फाइंड आउट कीजिए कि वे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले तो आपको फार्मूला फाइंड आउट करना होगा एंड वंस आप फॉर्मूला को फाइंड आउट कर ले तो देन इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप उसको जावास्क्रिप्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं यहाँ पे चल देता हूँ यहाँ पे मैं पेश कर देता हूँ व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पे एक इमेज मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे दिखा रहा है सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है देन एक फार्मूला है दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम डिवाइडेड बाई हंड्रेड अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो देन क्या आपको आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा और राइट दैट्स गुड दैट्स नाइस यू नो

इन आर इंटू टी एंड देन डिवाइडेड बाई हंड्रेड कर देते हैं एंड आई गेस इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हो या दिस इज इट आई गेस ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था हमारे लिए कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ मैं अब अगर यहाँ पे रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी और आउटपुट इज हाउम वन फिफ्टी एंड आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए वन फिफ्टी तो कैसा लगा गाइस ये था ना बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा इजी इट जस्ट बिकॉज हमें फॉर्मूला पता चल गया हमारा काम हो गया बट अब इसका मतलब ये नहीं कि कल का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा या आने वाले वीडियो और भी ज्यादा सिंपल होंगे मैंने जस्ट फाइंड आउट किया मैंने जस्ट चेकआउट किया ये देखने के लिए कि गाइस कितनों को ये फार्मूला मालूम था जिनको मालूम था उनके लिए तो ठीक है जिनको नहीं मालूम था एटलीस्ट अब पता तो चल गया ना आप एक सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एंड कैसे आप में उसको पुट कर सकते हो ये मेन मकसद आज यही था कि कोई भी फॉर्मूला अगर हो मैथ्स में तो उसको आप इस तरीके से कितनी इजीली जास्किट में राइट कर सकते हो तो मैंने जैसे कि कहा था का आज का वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली अब हम डेट ऑब्जेक्ट के साथ खेलने वाले डेट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है बिलीव मी गाइस तो गाइस वी नीड टू फिगर इट आउट कि ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं मतलब आपको दो डेट दी दे गई है ये पहला डेट आपका ये आपका दूसरा डेट तो इस डेट और इस डेट के बीच में कितने डेज है वी हैव हाउ मेनी डेज ठीक है वो आपको फाइंड आउट करना है अब आप ये सोचिए ये हम कैसे कर सकते हैं इन जास्क्रिप्ट आप अपने हाथों में अगर गिन रहे हो या अगर आप कैलेंडर चेक कर रहे हो डेट्स फाइन बट जाक्रिप्ट की दुनिया में अगर आपको इस तरीके से दो डेट्स दिए गए हो उनके बीच में कितना डेज का डिफरेंस है अगर आपको ये फाइंड आउट करना रहा तो आप कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले फिर से डेट आई गेस मैंने जास्क्रिप्ट एडवांस कोर्स के पार्ट टू ये वाला जो वीडियो है मैंने गाइस इसमें बनाया हुआ है इस वाले वीडियो इसको आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा लिंक मैंने सबका नीचे दिया हुआ है पार्ट वन पार्ट टू एंड देन ई कॉमर्स वेबसाइट का सबका दी गई है आप उसको चेकआउट कीजिएगा ठीक है सो या गाइस दिस इज योर चांस पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योर सेल्फ एंड आई होप गाइस आपने जरूर प्रैक्टिस की होगी एंड आपने जो भी सोल्यूशन लिखा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है एंड ऑल राइट तो देख लीजिए कैसे हम कर सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको डेट्स जो ऑब्जेक्ट है उसमें मेथड्स कौन से हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज है ये आपको समझना जरूरी है सबसे पहले तो एल्स आप कर ही नहीं पाओगे फिर सो इट्स कैलकुलेट डेज बिटवीन डेज जूम कर देता तो आप लोगों के लिए है ना ये इस तरीके से चलो ठीक है वी हैव टोटल टू डेज सो एक मैं डी वन कर देता हूँ दूसरे को डी टू कर देता हूँ डे वन एंड ओके यहाँ पे गड़बड़ हो रखा है ठीक है चलो अभी मेरे पास दो डेट आ गए ठीक है अभी सबसे पहले एक चीज मैं आपको सिंपल बताता हूँ uh, तो हम डेट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वी हैव वन ऑब्जेक्ट तो uh, मैं सिंपल चल देता से डे डे या डेट जो भी आप लिख दो यार है ना करेंट डेट कर देता हूं चलो न्यू कंस्ट्रक्टर एंड देन डेट ऑब्जेक्ट को आपको इस तरीके से हेट करना है ठीक है अगर ये आप करते हो कंसोल डॉट लॉग एंड देन करेंट डेट अगर आप लिखते हो एटलीस्ट आपको देखो ये जो टाइम अभी दिख रहा है दो हजार चौबीस पांच एंड आज तीन तारीख है पांचवा महीना है दो हजार चौबीस है एंड अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हालांकि बना तो मैं ग्यारह बज के बारह मिनट है नीचे बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टाइम फाइव फोर्टी टू थर्टी फोर कुछ इस तरीके से ठीक है तो ये क्या है कि गाइस ये आपका चलो ठीक है कहीं ना कहीं ये अपने को जो एकदम स्टैंडर्ड टाइम वो दे रहा है ठीक है अगर आपको लोकल टाइम चाहिए होगा टू तो लोकल डेट स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है ठीक है इसके मैंने कहा ना अगर आपको मेथड्स नहीं आता होगा तो क्या आपके लिए फिर मुश्किल है ये बात आ रहा है कि फंक्शन जब भी इस तरीके से इट मीन आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया आपको कॉल करना रहता तभी आता आउटपुट फिर तो बराबर मुझे आएगा इट्स लाइक फाइव थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है ऑल राइट ये तो हमें पहले भी आ रहा था बट अब एक प्रॉपर फॉर्मेट में मुझे आ रहा है कि आज जो है ये आ, आज कितना तारीख है बाय द वे ओके सो यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान में रखना कि फ़ाइव जो है ना वो अपना डे नहीं है इट्स अ मंथ बेसिकली फॉरेन में अमेरिकन में ऐसे ही चलता है एंड इंस्टेड ऑफ दिस डेट आप यहाँ पे टाइम के साथ भी खेल सकते थे कंट्रोल एस सेव करता हूँ इसको रन करता हूँ तब आप देख लीजिए ग्यारह बज के तेरह मिनट एंड देन फोर्टी सिक्स सेकेंड अब मैं एक और बार करूँगा तो फोर्टी सिक्स से वो बढ़ के फिफ्टी वन हो गया तो अब आपको पता चल गया कि हम कैसे डेट के साथ खेल सकते हैं हम कैसे आज का डेट पता लगा सकते हैं एंड जो मेरा करेंट टाइम है उसको मैं कैसे पता लगा सकता हूँ अभी जिनको भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये न्यू डेट क्यों लिख दिया भाई अरे ऊपर से कहाँ से आ गए ये दुनिया के ऐसे मेथड्स तो क्लियर कट बोल रहा हूँ फिर से वन मोर टाइम यू नो आप इसको बुरा मत मानिए बट आपको प्लीज़ पहले जो बेसिक्स है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप भी अगर ये सोचते मैं एक प्रोजेक्ट बनाते बनाते मैं कुछ सीख लूँगा या मैं ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते करते सीखूँगा तो भाई नहीं होता फिर वो वो फिर आप उतना ही सीखोगे जितना आपको इस प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा है उसके ऊपर ना नीचे कुछ नहीं आने वाला फिर आपको कभी ठीक है इसलिए एक बार बेसिक सीखना जरूरी चलो ठीक है ये तो मैंने जस्ट आपको दिखाया अब यहाँ पे मुझे बस क्या करना है ना मुझे अभी का करेंट डेट नहीं चाहिए वी हैव ऑलरेडी आवर डेट मैं हो तो मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ दिस इज द ब्यूटी अगर आप उसमें एक आर्गूमेंट ऐड कर देते हो देन वो जो डेट है वही डेट हमें मिलने वाला है ठीक है अब मैं यहाँ पे करेंट डेट ना लिख के मैं डेट वन कर देता हूँ यहाँ पे लेट डेट टू कर देता हूँ ठीक है एंड से वही फॉर्मेट मैं चलूंगा एंड डेट टू पास कर दूंगा चलो ठीक है अब देखो मेरे पास डेट आ गया है मेरे पास दूसरा डेट भी आ गया है मैं पता है बहुत इजीली एक चीज़ कर सकता हूँ जबस्क्रिप्ट की दुनिया में एक रूल uh, है वेन इट कम्स टू डेट जब भी आप दो डेट को माइनस करते हो आपको वो आउटपुट दे देता है हमें वही चाहिए हमें दो डेट के बीच का डिफ्रेंसेस चाहिए था राइट तो मैं क्या कर देता हूँ लेट डिफ डिफरेंस लिख देता हूँ एंड विल बी इक्वल टू इट विल बी लाइक डेट ऑब्वियसली डेट टू माइनस डेट वन ठीक है ये मैंने कर दिया ऑल right अब मैं यहां पे चलता हूं इसको मैं रन करता हूं तो आ, मुझे क्या दिखाई दे रहा है अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि मैंने ना तो इस फंक्शन में कुछ रिटर्न की है और ना ही इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ कंसोल करा रहा हूं सो दैट्स द रीजन वाई ये कंसोल डॉट लॉग इसका मुझे अनडिफाइंड आ गया कोई नहीं उसको रहने दो इसको मैं फिर से हटाता हूं अब ये जो मैंने लेट डीप जो निकाला है उसको मैं आपको दिखाता हूं कि उस पर आपको क्या आउटपुट मिल रहा है माइनस करते हो वो आपको आ, एक टाइम देता है इन मिली सेकेंड्स तो ये जो भी आपको दिख रहा है वो एक मिली सेकेंड्स में दिख रहा है तो जब जब मैं जितना भी इसको रन करूंगा लाइक द वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम क्योंकि ये जो दो डेट्स है वो दोनों कॉन्स्टेंट है टाइम होता तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा होता ठीक है तो इसको मैं हटा देता हूं अब फिर से एक और बार ये जो डेट आई मीन ये जो भी मुझे मिल रहा है ना ये है टाइम इन मिली सेकेंड्स क्या है ये टाइम इन मिली सेकेंड्स तो अब ये जो मिली सेकेंड्स है इसको अगर मुझे डे में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूं आप समझ रहे हो अगर मैं ये बोल दू कि मेरे पास चौबीस घंटे है और मुझे इसको दिन में कन्वर्ट करना है तो एक दिन में कितना घंटा होता है चौबीस होता है राइट right. मेरे पास चौबीस घंटे हैं एंड मैंने बोला कि आ, मुझे इसको डे में कन्वर्ट करके दो तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं चौबीस ही होते हैं so, सो अब 24 जो मेरे पास है डिवाइडेड बाय 24 क्योंकि एक दिन में इतना ही होता है इक्वल टू वन तो मतलब ये एक दिन में इतने घंटे होते हैं बोल के मुझे पता चल गया उसी तरीके से आई नाउ आई हैव टाइम इन मिली सेकेंड तो इस मिली सेकेंड को मुझे डे में कन्वर्ट करना है सबसे पहले देखो मैंने यहां पे हिंट भी दे रखा है आप लोगों के लिए इसको मैं अभी फिलहाल हटाता हूँ ठीक है एक दिन में कितने घंटे होते हैं चौबीस घंटे अब ठीक है अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट चलो ठीक है अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं सिक्सटी सेकंड्स चलो ठीक है अब एक सेकंड्स में कितने मिली सेकेंड्स होते वो होते हैं इस तरीके से वन थाउजेंड मिली सेकेंड्स ठीक है तो अब ये समझ लो वन थाउजेंड मिली सेकेंड्स आपका एक सेकेंड एक होता है अब ये जो सिक्सटी सेकेंड्स आपका एक मिनट होता है अब ये जो सिक्सटी मिनट्स आपका एक घंटा एंड देन चौबीस घंटा जो है आपका एक दिन होता है ठीक है तो ये जो मैंने कैलकुलेट आई मीन इतना लंबा जो नंबर्स मैंने निकाले ये जस्ट ये पता लगाने के लिए कि हाउ मेनी मिनी सेकेंड्स इन वन डे अब मतलब ये कुछ तो 86,400 पता नहीं कुछ तो इतना जाता है नॉट 400 हंड्रेड इट्स एट्टी सिक्स आई डोंट नो जो भी है बट कुछ वो ऐसी वैल्यू जाती है ठीक है तो ये आपको याद में रखना है ऑलवेज सो नाओ मैं एक काम करूँगा यहाँ पे ये जो भी डेट मुझे आ रहा है समटाइम्स इट मे पॉसिबल कि नेगेटिव में भी वैल्यू आ जाए तो वो रिस्क मुझे नहीं लेना है एंड ऑलरेडी हमने मैथ ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ा है मेरे उसमें तो मैथ डॉट एप्सल्यूट करके एक वैल्यू वो मैं लेने वाला हूं मैंने बहुत इन डेप्थ में इसको आपको पूरा ग्राफिक पीपीटी के साथ समझाया था आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है ऑल राइट अब अब बहुत ही ज्यादा इजी है आई जस्ट नीड टू लाइक रिटर्न तो क्या नीड टू राइट डीप डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स के अंदर यही बस अब आपको 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड एक हजार मिली सेकेंड डिस इज इतना अगर आप कर देते हो तो आपका काम हो गया तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो यू विल सी इट्स अ थर्टी डेज ऑब्वियसली है ना ये एक तारीख है एंड देन ये इकतीस तारीख है इनके बीच में कितना दिन बाकी बचा तीस बचा ना अब लेट से ये इकतीस था अब गाइस इसको ना मैं पाँच कर देता हूँ एंड ये जो फाइव जनवरी जो है ना ये मेरा बर्थ डेट भी है बाय द वे है ना कंट्रोल कंडोला सेव कर देता हूँ अब मैं इसको हटाता हूँ लेट्स सी हाउ मेनी डेज सो इस ट्वेंटी सिक्स परफेक्ट ट्वेंटी सिक्स प्लस फाइव अगर करोगे तो इट विल बी योर थर्टी वन तो देखा ना गाइस कितने प्यार से कितने अच्छे तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर कोई भी दो डेट हमें मिलती है उसके बीच में कितना डेज का डिफ्रेंसेस है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो आई रियली वील्यू गैस आज के दिन आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा होगा एंड इस जगह ये वाला जो पार्ट है ना इसको तो कभी मत भूलना ये हर जगह आप यूज कर सकते हो कोई भी आपको डेट मिलता है अगर आप डायरेक्टली एज एन आर्गूमेंट पास कर देते हो तो आपको वही डेट एंड टाइम वो दे देता है राइट एल से आपको ऑलवेज नया डेट जो करेंट डेट है वो मिल रहा होता है गाइस तो बताना चाहूंगा आज का जो वीडियो है ये वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज होने जा रहा है टिल नाउ ठीक है अभी तक जितना भी हमने सॉल्व किया उसके बेस पे क्योंकि फाइनली अब आपको ना एज फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है एज कल के दिन भी हमने गाइस uh, ये जो डेट ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम खेले थे एंड टूडे ऑल्सो विल प्ले विद द डेट ऑब्जेक्ट बट आज का जो वीडियो है ना कसम से मजा आ जाएगा सी uh, यहाँ पे ना हम आपको डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं क्या दे रहे हैं गाइस हम डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं एंड आपको इसके बेस पे फाइंड आउट करना है कि आज के दिन वो जो भी बंदा है या जो भी वो इंसान है उसका एज क्या है अब आप सोचो ये कैसे कर सकते हो लाइक यूजिंग जावास्क्रिप्ट ये कैसे पता लगा सकते कि कोई भी अगर अपना डेट ऑफ बर्थ दे रहा है तो अब आपको एक कोड लिखना है जिसके चलते बहुत ईजी यूँ चुटकी में आप उनका जो एज है उसको एकदम एक्यूरेटली बता सकते हो

चेक इफ करेंट मंथ इज लेस देन बर्थ मंथ इट्स मंथ बट टूडेट इज वो माई गॉट मैं इसको रीड कर रहा था मुझे अजीब सा लग रहा है सेम मंथ बट टूडेज डेट इज बिफोर दर्थ डेट ओके तो uh, ये जो है मैं समझ गया ये मैं समझ गया हूँ जब हम आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों हिंट हमने दे रखी है वहां पे ठीक है सबसे पहले तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना कि आज का डेट क्या है टूडेज डेट करेंट डेट जो सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे ठीक है फर्स्ट स्टेप चलो वो है सो लेट्स राइट आवर प्रो लॉजिक सो कॉन्स्ट कैलकुलेट एज ठीक है तो हम वन बाय वन चलते हैं पहले यहाँ पे ऑल राइट right. तो ये हम एक काम कर लेते हैं ठीक है एंड एक काम करते तो चलो uh, थोड़ा स्टेप लिख लेते हैं मतलब करेंट जो भी अपना डेट है ठीक है करेंट डेट हम फाइंड आउट करेंगे चलो ठीक है सबसे पहला दूसरा होगा क्या अपना ये हमारे पास ऑलरेडी ये जो दिया हुआ डेट है ना ओल्ड बर्थ डेट एंड हमें जब करेंट डेट मिल जाएगा तो हमारे पास एक मेथड है इन डेट ऑब्जेक्ट कि हम उनका जो ईयर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, हम क्या करेंगे करेंट डेट जो है ठीक है करंट डेट में तो आपको डे मंथ ईयर मिल रहा होता है ना तो करंट डेट का जो ईयर है उसको फाइंड आउट करेंगे एंड साथ ही साथ जो हमारा ये बर्थ डेट होगा ठीक है उसका जो ईयर है उसको मुझे फाइंड आउट करना है सिंपल ऑल राइट तो मुझे अब इसका भी आ, साल मिल जाएगा कि कौन सा साल था एंड मुझे अब इसका भी साल मिल जाएगा चलो ठीक है उसके बाद जब मुझे दोनों के साल मिल जाएंगे तब मैं क्या कर सकता हूं मैं बहुत ईजिली एज को फाइंड आउट कर सकता हूँ बाई सैक्टिंग जो भी ये करेंट वाला जो डेट का ईयर है ठीक है मतलब आप ये समझ लो ना वापस इसी का ही जो मुझे ईयर मिला होगा तो आप इसको करेंट ईयर सम इस तरीके से लिख लो माइनस आपका ये जो बर्थ ईयर है ठीक है तो आपको क्या मिल गया एज मिल गया और लग गया तो यहाँ पे हमने ये काम तो कर लिया अब आपको लग रहा होगा यार एज तो निकल गया कितनी इजिली बट ऐसा नहीं है एज निकल गया डेट्स फाइन बट एक प्रॉब्लम है लेट्स इमेजिन ये बंदे का बर्थडे आता है पंद्रह तारीख को ठीक है एंड एक चीज बस आप ये ध्यान में रखना कि ये जो डेट ऑब्जेक्ट है मंथ इन जी ठीक है तो इसको आप ध्यान से रखना ये देखा मैं क्या बोल रहा था इनका जो मंथ है ना वो स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो टू इलेवन तो यहां पे जो इन्होंने फाइव लिखा है ना इट मीन्स ये एक्चुअल में सिक्स है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई एंड देन जून तो ये जून है हाँ ये मे नहीं है ये इसलिए मैं कहता हूं ना कि बेसिक क्लियर होना जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत बहुतों को तो ये मे का महीना लग रहा है बट इन रियलिटी इट्स से जून ठीक है बट right. ये वाला जो थर्ड स्टेप है ना अगर यहीं तक ही करके अगर आप छोड़ देते हो तो लेट्स इमेजिन ये, ये बंदा ना कुछ तो भी नाइनटीन uh, नाइनटी है अभी ये क्या चल रहा है दो तो मतलब कुछ तो भी थर्टी एज बता देगा कितना बता देगा थर्टी है ना बट इन रियलिटी वो 34 का तो वह ही नहीं है मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों थर्टी फोर का ये बेसिकली अभी दो हजार चौबीस चल रहा है ना दो हजार चौबीस में वो थर्टी फोर का तब होगा जब वो इस पर्टिकुलर डेट में ये जो दिख रहा है इसी को मैं कॉपी करता हूं पेस्ट करता हूं तो इसके बदले यहां पे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पांच के बदले यहां पे या तो पंद्रह होना चाहिए पंद्रह भी नहीं यहां पे सोलह होना चाहिए टाइम फिर भी इट्स फाइन अगर ये डेट होता तो हम बोलते कि वो थर्टी फोर हो गया बट नहीं ये आज का डेट तो ये है ही नहीं आज का डेट तो कैसे है यहाँ पे बेसिकली चार एंड यहाँ पे आज है ये ज़ीरो थ्री तो इन रियलिटी वो थर्टी फोर अभी तक हुआ ही नहीं है अभी भी कुछ दिन बाकी है उसको थर्टी फोर होने में तो हमें एक कंडीशन देना पड़ेगा जहाँ पे जो भी करेंट मंथ है क्या अभी भी उसका जो बर्थडे वाला मंथ है उससे कम है देखा अब आपको पता चल गया ना हमारा जो करंट मंथ है करंट तो यही चल रहा है अभी क्या उसका जो बर्थडे था जो कि जून का महीना उससे कम है ऑब्वियसली कम है और इफ इट्स द सेम मंथ बट द टूडेज डेट इज बिफोर इवन अगर महीना सेम भी होता है लेट्स इमेजिन ये आज जून का महीना है लेट्स इमेजिन ये भी पाँच है लेकिन डेट तो अभी भी तीन ही है बर्थडे जो उसका बर्थडे तो पंद्रह को आ रहा है तो जब तक वो पंद्रह तारीख नहीं जाएगा तब तक वो थर्टी फोर नहीं होने वाला है तो इवन दैट डेट ऑल्सो मैटर ठीक है तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया देन इट इट सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द एज बिकॉज द बर्थडे हैज नॉट येट अकर्ड दिस ईयर आई होप आपको ये जो हिंड था यू क्लियर हो गया होगा हो एकदम चुटकी में समझ गए ना महीना एक तो चेक करना है क्या वो करंट के बराबर है या नहीं अगर है उसके बाद फिर आपको डेट चेक करना है कि वो है या नहीं अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्ट हो गया मतलब हमें माइनस कर देना है सिंपल आई होप आप समझ गए होंगे राइट right? तो इसको मैं हटा देता हूँ ऑल राइट तो यही हमारा फंडा है यही हमें करना है एंड ये जो स्टेप है इसके लिए हमें पहले ना बेसिकली ये फिफ्थ स्टेप होगा आ, ये जो अपना फोर्थ स्टेप था वो ये था कि हमें सिर्फ ईयर फाइंड आउट नहीं करना है वी नीड टू फाइंड आउट मंथ ऑफ इच हमें मंथ को भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि दोनों का महीना कौन सा तभी तो हम ये कंपेरिजन कर पाएंगे राइट right? ऑल आट गैस तो आई होप आपको एकदम ब्रीफ बहुत अच्छे से मिल गया होगा है ना तो मैं यहाँ पे अब बर्थ डेट लिख देता हूँ चलो ठीक है अब जो हमारा पहला स्टेप है कि हमें करंट डेट एंड बर्थ डेट को तो वन बाय वन रखना है तो सबसे पहले जो आज का जो डेट है ठीक है तो टुडे uh, डेट या करेंट डेट कुछ भी आप लिख सकते थे वो तो बहुत ईजिली आ जाएगा इस तरीके से चलो ठीक है अब यहाँ पे हमारा जो बर्थ डेट है इट विल भी इक्वल टू अगेन वही सेम फंड अपने को अपनाना ही पड़ेगा नो मैटर वॉट तो बर्थ डेट को मैंने पास कर दी ठीक है तो ये जो मेरा बर्थ डेट था मैंने पास कर दी एंड ये मेरे को एक नया करेंट डेट मिल गया तो मेरा फर्स्ट स्टेप इज डन इट्स डन ठीक है यहां पे मैं आ, जो भी है ये मैं कर देता हूं इस तरीके से ये डन हो गया अब सेकेंड में मुझे ईयर्स को फाइंड आउट करना है स्टेप टू स्टेप टू में क्या करना है गाइस हमें जो ईयर्स है उसको फाइंड आउट करना है तो वो कैसे कर सकते लेट एज विल बी इक्वल टू यू नो तो जो भी टूडे डेट डॉट वी हैव गेट ईयर आई गेस कुछ तो ओके गेट फुल ईयर वाउ ये सही है माइनस जो भी इसका बर्थ डेट डॉट गेट फुल ईयर ऑल राइट तो ये जो भी है मुझे यहाँ पे क्या मिलता है लेट चेक इट आउट ठीक है यहाँ पे हम चलते हैं मैंने क्या कहा था आज का वीडियो सच में बहुत औसम होने वाला है ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक है अब अगर इसको मैं रन करता हूँ इसको हटाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे थर्टी फोर वाओ मैंने तो ऐसे तुक्का मारा था थर्टी फोर बट थर्टी फोर ही है रियलिटी में बट हमें मालूम है कि भाई ये बंदा अभी तक थर्टी फोर का हुआ ही नहीं है क्योंकि अभी तो ये मे का महीना चल रहा है समझ रहे हो एंड वो जो बंदा है वो कब होगा अगले महीने होगा जून के महीने के पंद्रह तारीख को मतलब ये जो है ना ये गलत है ठीक है ऑल राइट right. तो अब हमारे स्टेप बेसिकली थ्री भी डन हो गया है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ये भी डन एंड ये भी डन अब हमें ना महीना को फाइंड आउट करना है अब हम जो हमारा स्टेप है थ्री कर देता हूँ यहाँ पे तो थ्री आ रहा है ना वो राइट तो अब हमें जो मंथ है उसको फाइंड आउट करना है राइट तो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट मंथ डिप कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंड इट विल बी गाइस आप लिख सकते हो कि जो भी आज का डेट है गेट मंथ uh, वाओ कितनी इजीली आ जा रहा है एंड बर्थ डेट डॉट मंथ नॉट डॉट गेट मंथ चलो ठीक ऑल राइट तो इसको भी मैं हटा रहा हूँ तो गई मुझे क्या हुआ यहाँ पे जैसे मैंने पहले पूरा फुल ईयर निकाला एंड देन एज मुझे मिल गई अब उसी तरीके से मैंने मंथ का जो डिफ्रेंसेस है उसको भी फाइंड आउट कर लिया ठीक है थीके? अब मुझे देखो मंथ तो मुझे मिल गया मुझे इसका जो मंथ है एंड देन इनके बीच का जो मंथ है वो तो मुझे बहुत ईजीली मिल गई है तो गई तो अब तो बहुत ईजी हो गया ना हमारे लिए क्योंकि अगर ये जो महीना है ठीक है जो आज का महीना है बेसिकली एंड उसका जो जन्मदिन का जो मंथ था अगर उनको हमने माइनस की एंड इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई इट मीन्स कि ये भी जून का महीना है ये भी जून का महीना है ऑब्वियसली राइट एंड अगर लेट से आज का महीना अगर मे होता तो यहाँ पे तो हमें नेगेटिव वैल्यू आ जाती फिर तो समझ रहे हो ना अब क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया एक कंडीशन uh, लगाना जहाँ पे इफ सबसे पहले हमारा ये जो मंथ का डिफरेंस हो रहा है अगर ये जीरो से छोटा है क्योंकि ऑब्वियसली ये ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि ये जो महीना है कौन सा महीना है ये आई थिंक इट्स अ मे तो इनके लिए ये जीरो फोर हो जाएगा एंड जो बर्थ डेट का जो महीना है वो तो जीरो फाइव है तो जीरो तो क्या ही लिखना तो फोर माइनस फाइव विल भी क्या हो जाएगा गाइस इट विल बी योर नेगेटिव वन तो ये तो इससे छोटा हो ही गया है. मतलब ये है कि भाई माइनस कर दो लेकिन अभी और भी कंडीशन सिर्फ इतना नहीं होगा समझे ना क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो से छोटा है इट मीन्स कि जो महीना है वो अभी तक आया ही नहीं है उस पर्टिकुलर ईयर में लाइक like हमारे केस में मे का महीना है फिलहाल अभी लेकिन जून आया नहीं है तो ऑब्वियसली वो बंदा अभी तक थर्टी फोर हुआ नहीं है तो ये एक कंडीशन वो हम चेक करेंगे अब गैस आप सोचिए और क्या हो सकता है लेट्स इमेजिन लेट्स इमेजिन कि ये जो महीना है ये है जून का जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये महीना है जून का ठीक है एंड जो उसका बर्थडे है वो भी महीना है जून का चलो ठीक है अब क्या हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि चलो महीना तो दोनों का जून जून है लेकिन आज का डेट है कितना पाँच उसका बर्थडे आता है कब पंद्रह तो फिर भी अगर हम देखें दो महीने तो सेम निकल गए लेकिन उसके बावजूद भी जो डेट है अभी भी दस दिन का फर्क है डेट में तो मुझे किसी तरीके से अगर महीना सेम होता है इफ मंथ इज इक्वल राइट देन यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या आने वाली जीरो आने वाली है तो अगर मंथ का डिफरेंस जो है इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू जीरो एंड अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलो ये तो कंडीशन हो गया लेकिन साथ ही साथ एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ अब यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट है, देख लो ये पंद्रह तारीख है लेट से ये सोलह तारीख होता या लेट से ये सत्रह होता है लेट से ये इक्कीस uh, होता तो अब अगर महीना सेम है एंड जो करेंट डेट है आज का अगर वो जो भी बर्थ का जो डेट था उससे अगर बड़ा हुआ उससे अगर बड़ा होता है इट मीन्स भाई वो दिन निकल चुका है मतलब उसका बर्थडे जा चुका है मतलब हम बोल सकते कि भाई वो थर्टी फोर का हो गया समझ रहे हो ना तो ये कंडीशन अब मैं यहां पे लगाऊंगा क्योंकि हमने महीना तो चेक कर लिया है एंड अगर वो जीरो होता है तो हमें डेट को भी चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी तो आज का जो डेट है ठीक है एंड ऑब्वियसली गेट डेट लिखना पड़ेगा आपको आज का जो डेट है अगर वो जो है छोटा है किससे जो भी बर्थ डेट है उसके डेट से गेट डेट इट मीन्स कि भाई अभी भी वो बंदा जो है थर्टी फोर का हुआ नहीं है मैंने यहाँ पे क्या पता था कि अगर जो भी डेट है उससे बड़ा है मतलब वो पार हो चुका है लेकिन अगर यहाँ पे फोर्टीन भी आता है टेन भी आता है या लेट्स से फाइव भी आता है मतलब अभी भी ये जो बर्थडे था उससे उसका जो डेट है अभी भी छोटा है वो अगर ऐसा होता है अगर छोटा होता है मतलब अभी भी उसका जो एज है उसमें हमें एक माइनस करना पड़ेगा तो एज माइनस माइनस दिस इज इट सिंपल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके बाद जस्ट ये वाला जो दो कंडीशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप ये फाइंड आउट कर रहे हो कि बंदा बराबर उसी डेट आई मीन उसी महीने का है यानी एंड वो जो डेट है वो पार हुआ है या नहीं बस इस तरीके से इतना अगर आप कर देते हो तो हमारा ये जो एज है हम उसके साथ खेल रहे थे ये जो फंक्शन है यहाँ पे ख़त्म होता है यू नीड टू रिटर्न एज नो मैटर वॉट ठीक है कंट्रोल एस सेव अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ रन करता हूँ एंड बुम गाइस सी मुझे थर्टी थ्री आ गई यहाँ पे कितनी इजिली अब ये जो बर्थ डेट है इसको मैं टू कर देता हूँ एंड ये पंद्रह तारीख ठीक है अब यहाँ पे नहीं थर्टी फोर हो जाएगा क्योंकि महीना तो फेबररी एंड फेबर तो जा चुका है तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा गाइस ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस मुझे मिलने वाला है वो मुझे पॉजिटिव में मिलने वाला है किस में मिलने वाला है पॉजिटिव में ठीक है तो अगर ये रहता है तो उसका जो एज है वो थर्टी 34 हो जाएगा देखो है ना समझ रहे हो तो गाइस या दिस इज इट आज इस वीडियो लिए इतना ही एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो आज का जो प्रॉब्लम है वो काइंड ऑफ सिंपल भी है लेकिन आपको थोड़ा उसको सोचने पे वो मजबूर करेगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं ठीक है एंड जो कल का जो वीडियो था वो तो बहुत ही ज़्यादा औसम था कि एज फाइंड आउट करना जो वन ऑफ द टफेस्ट मतलब बेसिक लेवल में तो टफ ही था वो बट अब उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा उसको भी ठीक है तो देखिए वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन कॉल जनरेट बार चार्ट ये जो भी है यू you नो know, हमें आपको लग रहा होगा कि यार हमें बार चार्ट बनाना है बेसिकली तो डोंट वरी हम आगे देखेंगे बट आज नहीं बनाना है दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एंड जनरेट अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड बार चार्ट बार चार्ट हमें बनाना है बट किस बेस्ड होगा और टेक्स्ट के बेस्ड पे होगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं एंड हम एक एरे पास कर रहे हैं वहाँ पे अब जो आउटपुट है वो कैसे दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कैसे बोलने से देखना ध्यान से सो हेयर वी हैव अ फाइव जो कि इसको मैच कर रहा है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो आपको तीन दिख रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो आपको नौ दिख रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है एंड यहाँ पे आपको एक जो टू दिख रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखो ना क्या ये वन तो आपको ये जो है ना एक्चुअल में ये आउटपुट है गाइस आपको वन लिखना होगा देन एक कॉलन आएगा एंड यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ है उतने स्टार्स आपको चाहिए फिर यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे आपको थ्री स्टार्स चाहिए लेकिन ये सेकेंड एलिमेंट है ना तो सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे टोटल नाइन लिखा है तो यहाँ पे आपको टोटल नाइन एलिमेंट्स आई मीन नाइन स्टार्स लगेंगे या स्ट्रिक साइन भी कह सकते हो सिंपल ऑपरेटर जो भी एंड देन टू है तो दो आपको तो आ, अब आप सोचिए कि ये आप कैसे कर सकते हो अब आपको दिमाग लगाना होगा ओ माई गॉड ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले में पाँच है दूसरे में तीन है एंड तीसरे में नौ है चौथे में दो तो ये हमें कैसे पता चलेगा और लड़का तो अब आप सोचिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि अब आपको ऑब्वियसली यहाँ पे लूप्स तो लगाना पड़ेगा हाँ मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे आपको लूप लगाना पड़ेगा या तो आप सोचिए कि आप एरे का कौन सा मेथड यूज कर सकते हो क्या फॉर फॉरिच यूज़ करूँ या मैप यूज करूँ फॉर ऑप यूज करूँ या फॉर लूप यूज़ करूँ या वाई लूप यूज करूँ तो मैंने कहा ना आज हमारा चालीसवा दिन कंप्लीट होने जा रहा है ये है तो सिंपल ये है तो सिंपल नो डाउट लेकिन ये जो सिंपल भी तो आपको करना आना चाहिए ना आप जब इसको खुद से यूज चुटकी में करोगे तब आप बोल सकते अरे ये तो सिंपल यार चालीस दिन में भी इतना सिंपल दे रहा है ये लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो तो ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही हुआ ना चालीस डे के हिसाब से फो डे के हिसाब से एंड आई नो आप में से बहुतों ने फिगर आउट कर लिया है तो uh, मैं आपको बताता हूँ चालीसवा दिन है तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है एंड इसको मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा जी जीवन गाइस क्योंकि आज का स्पेशल डे है ना ये तो मैं इसको दो तरीके से करके बताऊंगा लेकिन उससे पहले आज हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड लाइक्स मुझे मालूम है आप कर सकते हैं वीडियो को देख लीजिए अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए कुछ ना कुछ तो कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताना जो दो अल्टरनेट सोल्यूशन बताऊंगा आपको कौन सा बेस्ट लगा या आपने उसको किस तरीके से किया और गैस तो देख लीजिए ये इसमें ज्यादा कुछ ऐसे सोचने वाली बात है ही नहीं आपको डायरेक्टली ट्रायल एंड एरर पर ही जाना पड़ेगा डायरेक्टली ठीक है तो आ, सबसे पहले तो कॉन्स्ट जनरेट बार चार्ट एंड वी हैव आवर पैरामीटर एज एन एरे चलो ठीक है अब ऑबियसली ये एक है दो है तीन है एंड देन चार है ये तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते थे है ना मैं लाइक like, uh, मैं फिलहाल यहाँ पे एक मैप मेथड यूज कर लेता हूँ सो इट्स अ कॉन्स्ट ठीक है एंड मैं न्यू ए आर आर कर देता हूँ मैं जस्ट ऐसे न्यू ए आर आर लिख दे रहा हूँ मैं एंड मैं यहाँ पे मैप मेथड यूज करता हूँ एंड मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ इसी uh, एक सेकेंड ये मैं नहीं कर सकता बेसिकली इसी के अंदर ही कॉल बैक फंक्शन आपको देना रहता है ऑलरेडी मैप फिल्टर रिड्यूस मेथड ये नो मैटर वट आपको आना ही चाहिए मैंने बहुत अच्छे से हमारा ये जो पार्ट वन है यहाँ पे मैंने आपको बताया एंड बता भी रहा है इन जास्किट एवरी थिंग इज एन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे एरे वाला जो पार्ट आएगा सेक्शन चैप्टर्स इंक्लूडेड है तो वो आ, उसको आप एक एपर चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है तो ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ वी हैव अ करेंट एलिमेंट राइट ये हम सबको मालूम ही है एंड वी हैव अ इंडेक्सेस ओवर हियर राइट तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना यहाँ पे क्यों ना कंसोल डॉट लॉग एंड देन ये जो भी इंडेक्स है उसको मैं प्रिंट करा दूँ तो अगर ये मैं करता हूँ राइट अगर ये मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा तो मुझे जीरो वन टू थ्री मिलेगा चलो ठीक है क्योंकि इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन मैं अगर प्लस वन कर दूँ इसको मैं हटाऊँ क्लीन करके वापस रन करूं एंड दूंगा इसी देखो वन टू थ्री एंड देन फोर मुझे आ गया अब इसी को ही इसी को ही अगर मैं आ, इस तरीके से कली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे इस इस तरीके से डॉलर अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या कर रहा है तो कुछ नहीं मैं एक टैंपलेट लिटर्स बना रहा हूँ एंड यहाँ पे अब अगर मैं करता हूँ इस तरीके से कॉलन कंट्रोल एस सेव एंड रन सॉरी अब रन इस तरीके से होगा तो देखो वन कॉलन टू कॉलन थ्री कॉलन फोर कॉलन आ रहा है मतलब वन कॉलन टू कॉलन थ्री कॉलम एंड देन ये जो भी फोर कॉलन जो है मुझे आ गया ऑल ठीक है अब मुझे ये स्टार्स कैसे लेके आऊँ मैं यहाँ पे कहां से मैं ये फाइव है तो इस तरीके से मैं कहाँ से लेके आऊ मैं बताओ कैसे लेके आऊ मैं फाइव करंट एलिमेंट अगर आप ये सोच रहे हो मेरे को जस्ट हिट हुआ क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं करंट एलिमेंट इन टू ये स्टार में स्ट्रिक ऐसा होता है क्या कुछ आई डोंट नो क्या होता है ये नॉट अ नंबर नहीं कर सकते क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते अगर मैं प्लस कर देता तो क्या प्लस तो हम कर सकते हैं प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको फाइव स्टार थ्री स्टार नाइन स्टार एंड देन टू स्टार आ जाएगा लेकिन मुझे तो किसी तरीके से फाइव स्टार चाहिए यहाँ पे सेकंड वाले में थ्री स्टार चाहिए इसमें मुझे नाइन्थ स्टार चाहिए तो अब एक चीज़ बताओ लेट्स इमेजिन मैंने अगर आपको ये वन टू थ्री ये जो दिख रहा है लेट्स इमेजिन कि मैंने ना ये दिया ही नहीं आपको ये जो पार्ट है है ना आप ये समझ लो कि ये है ही नहीं ये है ही नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यू नीड टू क्रिएट कुछ इस तरीके से आपको पांच स्टार बनाना है तीन स्टार बनाना है प्रिंट करना है बेसिकली एंड देन ये इसको एंड देन इसको प्रिंट करना है सिर्फ अगर इतना मैं अगर आपको बोलता आप कैसे करते इसको कैसे करते आप ऑब्वियसली आप लूप चलाते राइट चाहे वो आप फॉर लूप चलाओ डू वाइल्ड चलाओ या वाइल लूप चलाओ फॉर ऑफ फॉर इन जो आपका मानो चलाओ ऑब्वियसली आप लूप चलाते तो आ, मैंने भी वही सोचा क्यों ना नाम यहाँ पे लूप चला दे फिर तो फिलहाल ये जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ वो तो जस्ट डेमो के लिए मैंने दिखाया कि कैसे हम कर सकते थे एंड कहाँ आके अब हमें लाइक थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा लेट uh, स्टारा एक वैल्यू में ले लेता हूँ एम मुझे लगेगा इस्टार दिखाना है ना मुझे एंड मुझे नंबर भी तो बताना पड़ेगा कि पाँच चाहिए कितने चाहिए तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ बाई डिफॉल्ट पहले जीरो चलो ठीक है ये सब के सब मैं, मैं मैप के अंदर कर रहा हूँ अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो फॉल लूप यूज़ कर सकता हूँ वाइल लूप यूज़ कर सकता हूँ बट लेट्स गो विथ वाइल लूप क्योंकि आई गेस मैंने अब तक वाइल लूप यूज नहीं किया पता नहीं किया है नहीं आई I मीन mean, हमारे इस सीरीज में लाइफ में तो बहुत यूज कर लिया मैंने अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कंडीशन देना होता है कंडीशन मेरा ये रहेगा कि मेरा ये जो नंबर है मेरा ये जो नंबर है ये जब तक मेरा ये जो करंट एलिमेंट है उससे छोटा नहीं हो जाता या उस आई I मीन mean, उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको चलाते रहना है तो कहीं ना कहीं ये बेस केस कंडीशन है सिंपल एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो स्टार में मैं स्टार प्लस ये आपको ना कैसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा अगर आप सोच रहे हो डायरेक्टली ये लिख देते तो ये फिर एरर हो जाता है हम नहीं कर सकते तो आपको एज ए स्ट्रिंग की तरह इसको लिखना पड़ेगा तो सिंपल है फर्स्ट टाइम हमारा जो नंबर है वो होगा जीरो करेंट एलिमेंट तो हमारा पहला पांच है तो ऑब्वियसली ये तो फॉल्स आई मीन इट्स ट्रू नॉट सॉरी फॉल्स बोल रहा हूँ मे भी फिर ये तो ट्रू हो गया तो स्टार की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी अब वाई लूप जो है अगर आप इस तरीके से लिख दोगे समझ रहे हो कंडीशन दे दी क्या करना है वो भी बता दिया बट विदाउट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि वापस ये जब हम लूप चलाए तब ये जो जीरो की वैल्यू हो वो बंद हो जाए समझ रहे हो मतलब कुछ तो देना पड़ेगा ना एल सी इन्फिनेट लुक में चला जाएगा सो डैट्स वाई नंबो प्लस प्लस तो ये इंक्रीमेंट मैंने कर दी सेकेंड टाइम इट विल बी लाइक वन राइट क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया था तो अब ये जो मेरा स्टार है तो ऑलरेडी फर्स्ट में ही स्टार बन गया था तो ये कुछ इस तरीके से तो नाउ इट विल बी लाइक टू स्टार समझ रहे हो तो ये अब इस तरीके से चलेगा यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ तो कहने का मतलब है कि जीरो में वी हैव ओनली वन स्टार जब ये वन हो जाएगा देन गाइस वी विल हैव लाइक टू स्टार जब ये टू होगा देन वी विल हैव लाइक थ्री स्टार जब ये थ्री होगा तब वी विल हैव लाइक फोर स्टार जब ये फोर होगा तब हमें कितना मिल जाएगा पाँच स्टार मिल जाएगा इस तरीके से अब जैसे ही पाँच होता है जैसे ही इंक्रीमेंट होगी वैल्यू फाइव हो गई तब यहाँ पे वैल्यू क्यों आ जाएगी फाइव आ जाएगी अब क्या ये जो फाइव है फाइव से छोटा है ऑब्वियसली नहीं है तो वो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा तो मतलब ये हो गया कैंसिल मुझे कितने स्टार मिल गए यहाँ पे मुझे मिल गए टोटल ऑल मच पाँच सॉरी मुझे कितने मिल गए यहाँ पे पाँच मिल गए ना तो इस तरीके से क्या इस आपका ये जो लूप है वो काम कर रहा है सिंपल है ना अब ये जो मेरा पार्ट है वाइल के जस्ट बाहर मुझे चलना है एंड यहाँ पे मुझे रिटर्न करना होगा क्योंकि ये जो मैप मेथड है ये रिटर्न करता है ना तो मैं क्या करता हूँ ये जो मेरा स्टार है सिर्फ फिलहाल इसको मैं रिटर्न करा के दिखाता हूँ आपको ठीक है कंट्रोल सेव न्यू एरे जो है यहाँ पे चल के कंसोल डॉट लॉग न्यू ए आर आर ऑल राइट तो मैं यहाँ पे चल एक सेकेंड चलो ठीक है एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे या सॉरी वही मैं बोलूँ यार ये करेंट एलिमेंट है इधर एंड हेयर वी हैव अ नंबर हेयर वी हैव अ नंबर परफेक्ट तो इसको मैं हटाता हूँ कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे एंड इसको मैं कर रहा हूँ रन एंड इसको एक बार क्लीन कर देते हैं एंड देखते कि हमें मिल क्या है एंड बूम गाइस से ये देखिए ज़रा फाइव स्टार थ्री स्टार ये देखिए कितना है ये दो दो नाइन स्टार एंड देन हियर वी हैव अ टू स्टार बट देर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज कि ये अभी भी एक एरे ऑब्वियसली जब भी आप मैप मेथड यूज़ करोगे आपको एक न्यू एरे वो रिटर्न करता है सिंपल राइट अब मुझे तो एरे में नहीं चाहिए था ये समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे तो ये एरे में नहीं चाहिए भाई तब हम क्या करेंगे यहाँ पे तो ये जो भी स्टार है उसको हम एक काम कर सकते थे एंड डैट इज स्टार सॉरी नॉट स्टार ये जो भी न्यू ए आर आर है है ना तो कंसोल uh, यहाँ पे डॉट वी हैव अ ज्वाइन मेथड एंड यहाँ पे एक न्यू लाइन कर दूंगा मैं अब इसको मैं हटाता हूँ अब अगर मैं रन करूंगा परफेक्ट सी मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया कितनी इजीली मेरा काम हो गया राइट मतलब कुछ नहीं करना था मेरा काम हो गया अब मैं तो पहले खाली स्टार रिटर्न कर रहा था है ना मुझे अब स्टार रिटर्न ना करके मैं बैक यूज कर लेता हूं इसको मैं इस तरीके से कली ब्रेसिस में रख लेता हूं अब मुझे यहां पे और भी चीजें लगेंगी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया वी नीड टू हैव द इंडेक्स प्लस वन एंड यहां पे ये कुछ इस तरीके से दिस इज इट ये मुझे लगने वाला अब मैं कंप्लीट इसको रिटर्न कर रहा हूं इसको हटाता हूं एंड में रन करता हूं एंड बुम गाइस सी वन फाइव स्टार टू थ्री स्टार थ्री नाइन स्टार एंड देन फोर में अगेन मुझे मिला मेरा टू स्टार यही है ना ये जो है एंड यहां जो मुझे मिल रहा है सेम है या नहीं बताओ हो गया ना मेरा काम तो देखो तो कैसा लगा मैंने कहा ना गाइस आज का वीडियो है तो सिंपल लेकिन आपको समझना जरूरी था कि हम इसको कैसे सिंपल बना सकते हैं एल्थ तो ये हार्ड है बहुतों के लिए कि मैप मेथड चलाओ उसके अंदर वाई लूप चलाओ फिर इस तरीके से करो एंड एट द एंड में आपको ये ज्वाइन मेथड यूज करना है या नहीं इसका आइडिया ही नहीं आता आपको बट आपको मालूम है स्प्लिट हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट कोई किसी को भी एरे में कन्वर्ट करने and then again join आ, में के लिए एंड देन अगेन ज्वाइन यूज करते हैं वापस एरे से नॉर्मली उसको नॉर्मल स्ट्रिंग कह लो या कुछ भी कह लो इसमें उसको कन्वर्ट करने के लिए तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको आइडिया आ जाएगा अच्छा ज्वाइन किया तो मेरा काम हो गया अच्छा स्प्लिट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा समझ रहे हो तो ये था आपका तरीका करने का बट अभी भी ये देखो मुझे अनडिफाइंड आता है एट द एंड में क्योंकि मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ना करके मुझे सेम ये डेटा जो है मुझे रिटर्न करना है तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो मुझे बराबर मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया राइट right? तो गाइस ये था मेरा फर्स्ट सोल्यूशन तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आप में से कितनों को ये पसंद आया यू नो एंड लाइक टारगेट तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ इट्स अ हंड्रेड लाइक्स ओनली बट अगर आप टू हंड्रेड वन थाउजेंड भी कर दोगे तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा इफ़ यू वॉन्ट इंस्टाग्राम में भी आप इस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो लिंकड में शेयर कर सकते हो मुझे टैग कर सकते हो कि सर मैंने इसको सर भी क्या है यार थापा भाई मैंने इसको इस तरीके से किया बोल के ठीक है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो यार मतलब यही तो फन है एक प्रोग्रामर के लाइफ में आलतू फालतू मीम शेयर करने से बेटर अगर आप इस तरीके से के जो चैलेंजेस से है उसको शेयर करोगे आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी सामने वाले को भी मजा आएगा चैलेंज होगा यू नो ऑल राइट मैं अब आप आपको एक सेकेंड तरीका बताता हूँ एंड बिलीव मी ये जो सेकेंड तरीका है ये तो मतलब आपको मजा आ जाएगा ठीक है तो देख लीजिए इसको मैं एज एजेटी छोड़ता हूँ अब मैं यहाँ पे आपको सेकेंड अल्टरनेट uh, तरीका बताता हूँ अल्टरनेट ठीक है सोल्यूशन हालांकि ये अल्टरनेट नहीं है मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आप इसको यूज कीजिए ज्यादा बेटर होगा आपके लिए बहुत समय भी आपका बच जाएगा यहां पे सो इट्स अ अंस्ट जनरेट चार्ट ठीक है आप आई गेस ये ना मैंने एक बार हमारे जो भी चैलेंजेस उसमें मैंने किसी एक वीडियो में बताया था है ना एंड मैं आपको बता देखो ये तो आपको मालूम था कि हम रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली हमारा जो मैप है राइट ये तो हमने किया अभी भी सेम मैप मेथड ही है यहाँ पे भी हाँ ध्यान से देखना सेम वही आपका करंट एलिमेंट वही आपका इंडेक्स है ना एंड याद है स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था आपको कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको रिटर्न uh, कर सकता हूँ सेम यही जो पार्ट था मेरा इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ ठीक है अब आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया ठीक है एक काम करते चलो एक काम करते इसको अगर मैं रन करूँगा तो चलेगा नहीं बट करेंट एलिमेंट को मैं यहाँ पर पे पेस्ट कर सकता हूँ तो मुझे कुछ आउटपुट आएगा कुछ ऐसा वन में फाइव टू में थ्री थ्री में नाइन फोर में टू बस मुझे किसी तरीके से फाइव के बदले फाइव स्टार थ्री के बदले थ्री स्टार नाइन के बदले नाइन टू के बदले टू चाहिए आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट एंड ये जो प्रॉब्लम है एरे मुझे मिल रहा तो ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं वी कैन यूज़ द चेनिंग मैथड या मैथड चेनिंग जहाँ पे मैं ये जो ज्वाइन uh, है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपने देखा क्या इस यहाँ पर अब आपको एक और नया फंडा मिल गया कि आप इस तरीके से ज्वाइन मैथड का भी यूज़ कर सकते हो अब जो ऐसा आ रहा था अब आपको डायरेक्टली ऐसा आ गया अब किसी तरीके से मुझे पांच के बदले पांच स्टार चीज अब आप देखना हेट इज दावर एक मेथड है हमारे पास कि भाई मुझे ये जो स्टार है इसको मुझे रिपीट करना है हाउ मेनी टाइम्स नॉट रिप्लेस इसको मुझे रिपीट करना है ये जो भी मेरा करेंट एलिमेंट होगा उतना टाइम्स एंड गाइस से खत्म कितनी इजीली ये वाला जो तरीका था उसमें देखो मेरा काम हो गया मतलब बोलने में भी कितना ज़्यादा इजी है राइट right? हमें देखो मैप मेथड तो चलाना ही था नो मैटर वर्ट रिटर्न में हमें प्लस वन करना ही था ताकि वन टू थ्री मिल जाए कॉलन हमें लगाना ही था उसके बाद ये जो पाँच में पाँच तारा तीन में तीन तारा कितना ईजी है ना मुझे ना पाँच तारा आप रिपीट कर दीजिए ना प्लीज देखो स्टार दिया इसको रिपीट करना है कितने टाइम्स जो भी मेरा करंट एलिमेंट होगा चाहे वो अब जितना भी हो लेट से यहाँ पे पाँच नहीं भाई यहाँ पे बीस थे पाँच नहीं यहाँ पे बीस था ये देखो आपको ये बीस बार रिपीट हो गया समझ रहे हो कैसा लगा आपको ये है ना कितना ज़्यादा औसम कि कितनी इजीली जस्ट बिकॉज आपको अब आप ये ध्यान में रखना है जब भी आप कुछ पढ़ोगे आपको सबसे पहले ये चेकआउट करना है क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जैसे हमारे केस में ये एरे है एरे में क्या कुछ ऐसा तरीका था जिससे मैं पीस ऑफ कोड को रिपीट कर सकूं तो हमें पता चला कि वी हैव अ रिपीट मेथड एल्स जिनको इस मेथड के बारे में नहीं मालूम वो लोग हार्ड कोड करेंगे विद दी हेल्प ऑफ वाई लुप जो मैंने पहले की मैंने भी पहले वाई लुप ही किया फिर मुझे रियलाइज हुआ अरे यार रिपीट तो हम कर सकते थे है ना तो तब मैंने बोला चलो ठीक है फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ सो डेट्स वाई गाइस आज था हमारा चालीस फोर्टीथ डे एंड मैंने कहा ना गाइस अब धीरे धीरे जो चैलेंज का जो लेवल है आई मीन लेवल आई मीन हमारा जो भी चैलेंज का जो डिफिकल्टी लेवल है अब वो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है तो गाइस इन दोनों सोल्यूशन में से आपने से आई मीन I mean, आपने कौन सा किया लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन इतना गाइस मैं अगर आपके लिए करता हूं तो प्लीज एक लाइक like तो बनता है यार अभी तक अगर आप देखो एक लाइक बटन हिट कर दो ना किसका क्या जा रहा है पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी हिट कर दो कुछ तो कर दो कमेंट कर दो यस आई एम वॉचिंग इतना लिख दो या आप असम awesome लिख दीजिए मुझे बहुत खुशी होगी ठीक है और अगर गाइस तो आप देख सकते हो कि दिस इज आवर चैलेंज नंबर फोर्टी वन एंड आज का वीडियो भी मैं बोलूंगा काइंड ऑफ लाइक सिंपल ही है लेकिन सिंपल से थोड़ा सा आगे होगा ठीक है तो आ, देख सकते हो कि हम ये कैसे कन्वर्ट करना है देख लीजिए तो आप देख सकते हो कि क्या इस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है लाइक वी नीड टू क्रिएट अ सिंपल करेंसी कन्वर्ट ठीक है जहाँ पे लाइक like, अगर हम कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं ठीक है तो रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर अपने को समझेगा क्या है यहाँ पे लाइक वी नीड टू राइट अ फंक्शन नेम्ड करेंसी कन्वर्ट ठीक है चलो सबसे पहले हम ये वाला जो लाइन है इसको पढ़ लेते हैं कन्वर्ट करेंसी डेट टेक्स थ्री पैरामीटर्स जिसमें से एक होगा अमाउंट दूसरा फ्रॉम करेंसी एंड देन तीसरा होगा टू करेंसी तो एक फंक्शन है जिसके अंदर तीन पैरामीटर है चलो ठीक है नाउ ये हो गया उसके बाद क्या आप यहाँ पे देख सकते हो यूज अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट टू स्टोर एक्सचेंज रेट रिलेटिव टू बेस करेंसी डेट इज यू एक फिक्स ऑब्जेक्ट को हमें पकड़ के चलना है एंड हेर वी हैव अ फिक्स करेंसी एंड देन यहाँ पे बताया गया सिंपल लाइक ये जो भी पार्ट दिख रहा है आपको ये यहाँ पे द फंक्शन शुड रिटर्न द कन्वर्टेड अमाउंट इन द टारगेटेड या इन द टारगेट करेंसी राइट आई नो अभी इतना पढ़ के आपको इतना कुछ आइडिया नहीं आ रहा होगा बट द मोमेंट आप ये पढ़ोगे आपको पता चल जाए देखो वी नीड टू हैंडल दिस कन्वर्जन थ्रू द यू एस डी एज अ बेस मीनिंग इफ देखो सिंपल है अगर हमें जो यूरो ग्रेट ब्रिटेन के जो पैसे है उसको अगर मुझे यूरो में कन्वर्ट करना हो आई गेस या ग्रेट ब्रिटेन में पाउंड चलता है राइट right? एंड यूरो तो कैसे आपका यूरोपियन मतलब यूरो अलग है पाउंड अलग है अपना ये डॉलर अलग है तो फर्स्ट कन्वर्ट मुझे ये ग्रेट ब्रिटेन को यूरो में कन्वर्ट करना है पाउंड को किस में आ, यूरो में तो हम क्या करेंगे सबसे पहले मेरा ये जो जी ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली जो भी अपना ये जो पाउंड है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे यूएसडी में एंड देन जो वो वैल्यू मुझे मिली इन यू उसको मैं आ, उसकी मदद से मैं उसको यूरो में कन्वर्ट करूँगा समझ रहे हो मुझे अगर पाउंड टू यूरो में कन्वर्ट करना है तो मैं पहले ये जो पाउंड है उसको मैं गाइस किस में कन्वर्ट करूंगा यूएसडी अमेरिकन डॉलर में एंड वो जो यूएसडी मुझे मिला उसको फिर मैं लेके कन्वर्ट करूंगा जो मेरा एक्चुअल टारगेट है एंड दैट इज माई यूरो ये यूरो में कितना होता है समझ गए सो ग्रेट ब्रिटेन टू यूएसडी एंड देन यू एस डी टू यूरो ये हमें इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है ऑल राइट right, अब आप सोच रहे होंगे ये हम कैसे कर सकते हैं ऑल आट गैस तो आप देख सकते हो कि वी हैव दिस कन्वर्जन रेट जो कि एक फिक्सड ऑब्जेक्ट है ठीक है जैसे कि यहाँ पे बताया गया था तो आप देख सकते हो कि अमेरिकन डॉलर आपका अगर एक रुपया होता है देन यूरो में आपका वो जीरो पॉइंट नाइन है एंड ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली पाउंड जो है वो आपका जीरो पॉइंट एट है बट वहीं अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वही एक डॉलर इंडिया में एट्टी टू रुपीज़ की वैल्यू कहलाता है मतलब एक मतलब आप देख रहे हो कि मतलब अगर आप एक डॉलर लेके अगर यूरो में जाते हो या यूरोप साइड में तो जहाँ यूरो बेसिकली जिस भी कंट्री में यूरो चलता हूँ वहाँ पे आपका नब्बे पैसा मतलब वो एक रुपया भी उससे भी कम हो जाता है वहाँ पे अगर आप ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली इंग्लैंड में जाते तो वहां पे पाउंड है वहां पे तो और कम अस्सी पैसे लेकिन जब आप वही एक डॉलर लेके इंडिया आते तब तो आपकी गैस वैल्यू बढ़ जाती तब तो आपकी एट्टी टू रुपीज़ वो oh माई गॉड खैर कोई नहीं चलो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते ठीक है सो so, यहाँ पर सिंपल है कि गाइस हमें एक फंक्शन लिखना है जिसमें से मेरे पास पाउंड दिया है सौ पाउंड तो मुझे उसको यूरो में कन्वर्ट करना है अगर मेरे पास सौ पाउंड है तो यूरो में उसकी क्या वैल्यू होती होगी ये मुझे फाइंड आउट करना है एंड मल्टीपल कुछ भी हो सकता है तो हमें सबको ध्यान में रख के काम करना है ठीक है तो अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी है सो so गाइस अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ईजी है देन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योर सेल्फ एंड साथ ही साथ बताना चाहूंगा कैसे इस वीडियो का लाइक like टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स एंड आई नो ये आप कर सकते हो सो गाइस अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा ऑल लाइट गैस तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट्स को विथ कॉन्स्ट कन्वर्ट करेंसी फैट एरो फंक्शन तीन पैरामीटर कहा है उन्होंने दैट इज योर फर्स्ट इज अमाउंट दूसरे में मैं कहीं फॉर्म कन्वर्टर लिख देता हूँ फ्रॉम करेंसी चलो एफ सी एंड तीसरे में टू करेंसी टू करेंसी हाँ मुझे बेसिकली ये जो भी अमाउंट होगा इस बेसिकली uh, करेंसी uh, से इस करेंसी में मुझे उसको कन्वर्ट करना है उसका जो भी प्राइस होगा तो सबसे पहले तो लेट अमाउंट इन यू ये लिख लेता हूँ मैं अमाउंट इन यू ठीक है मैंने क्यों लिखा ये क्योंकि रूल यही बोल रहा है ना कि अगर आपको ये पाउंड को यूरो में कन्वर्ट करना है तो पहले पाउंड को आप डॉलर में कन्वर्ट करो उसके बाद जाके आप फिर उस डॉलर को जो है यूरो में कन्वर्ट करो ये ऐसा बोल रहे हैं लोग ठीक है लो, थीके? चलो ठीक है तो इसको फिलहाल मैं जीरो कर देता हूँ अब लेट्स इमेजिन हमारे पास कुछ भी नहीं है यूरो में आई मीन डॉलर में अब मुझे किसी तरीके से सबसे पहला ये जो फ्रॉम करेंसी है इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा किस में यूएस डॉलर में ठीक है अब ध्यान से देखना अब आपके माइंड में आ सकता है इफ हमारा ये जो फ्रॉम करेंसी है इफ़ इट इज ट्रिपल इक्वल टू अगर ए जी बी पी है ना नॉट जी जी बी पी इस तरीके से है ना तब हम क्या करेंगे कैसे इट सिंपल एक सिंपल सा बात बताता हूँ जैसे फिलहाल एक डॉलर कितना होता है ग्रेट ब्रिटेन में जीरो पॉइंट एट उसकी वैल्यू है समझ रहे हो ये एक यू डॉलर जो है इतनी उसकी वैल्यू है अब वहीं अगर आपके पास ये कितना है नहीं मालूम लेकिन हमारे पास एक वैल्यू जरूरी है डैट इज हंड्रेड तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे लाइक हमने बचपन में किया है ये कुछ इस तरीके से जो ये ये, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इस कैसे बताओ यहाँ पे मुझे बताओ जैसे कि अगर कोई भी आपको एक अमेरिकन डॉलर देता है तो उसकी वैल्यू ये बन जाती है ठीक है पाउंड में ये हो जाता है अब वहीं पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाउंड है तो अमेरिकन डॉलर में उसकी कितनी वैल्यू होगी वो कैसे पता चलेगा तो कैसे अगर आपको मालूम हो तब तो हम एक फंडा अपनाते थे हैं डैट इज क्रॉस इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एंड जो भी वैल्यू आएगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे समझ रहे हो इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई ये तो कुछ आपका ऐसा हो जाएगा जहाँ पे ये जो भी अमाउंट है लाइक like इसको इससे इंटू करना है सो इट विल बी लाइक वन इंटू इस तरीके से हंड्रेड और डिवाइडेड बाय ये जो है अब ये तो अपने को मालूम नहीं तो इट्स ए जीरो पॉइंट एट सो इट्स ए जीरो पॉइंट एंड देन एट कुछ ये अगर मैं करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलने वाली इन यूएसडी डॉलर ठीक है ये ये आई होप आपको मालूम होगा सिंपल हमने बचपन में कुछ इसी तरीके से की थी अब यहां पे इसलिए मैंने ये पहले लिख लिया दैट अमाउंट इन यूएसडी डॉलर विल बी इक्वल टू हमारा ये जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे हमारा ये जो भी वैल्यू uh, है इसकी ग्रेट ब्रिटेन की कितनी वैल्यू है इट्स ए जीरो पॉइंट एट सो रेट्स डॉट ये सो इट विल बी लाइक रेट्स तो गाइस यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिए चलो ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम हमें ये लग रहा पता है एंड दैट इज़ कि चलो फिलहाल हमारा ये जो क्वेश्चन था उसके लिए तो ये हमने कन्वर्ट कर दी यूएसडी में बट व्हाट हैपन अगर कल के दिन यहाँ पे किसी ने इंडियन रुपीज़ दे दी तो तो ये तो फेल खा गया तो गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा फिर से इसको कॉपी पेस्ट यू नो यहाँ पे आपको चलना होगा इट विल बी लाइक आपको एल्स इफ अगर ये होता है आपका इंडियन तो यहाँ पे आप फिर से ये यहाँ पे इंडियन समझ रहे हो इससे भी काम नहीं चलेगा क्या पता कल के दिन यहाँ पे फिर यूएसडी आ गया क्या पता है यहाँ पे कल के दिन फिर आपका यूरो आ गया तो समझ रहे हो आपको ये जो एल्स कंडीशन है ये आपको गाइस और कम से कम और दो तीन बार लिखना पड़ेगा आपको एक आपका यूरो के लिए आपका बेसिकली अमेरिकन डॉलर के लिए, लिए। ठीक है ये तो गाइस सिर्फ आपने जो भी आपका करेंट करेंसी uh, है उसको यूएसडी में कन्वर्ट करने के लिए इतनी बार आपको लिखना पड़ा अब इसी यूएसडी को वापस आपको ये जो टू करेंसी है उसमें कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको ये चार बार लिखना पड़ेगा समझ रहे हो ये फिर आपको चार बार लिखना पड़ेगा तो एक सिंपल प्रॉब्लम के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें समझ रहे हो सो डैट्स वाई गाइस अगर आपने मेरा ये जो जावास्क्रिप्ट की वीडियो में इस वाले पार्ट में अगर आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि इसको हम सिर्फ दो लाइन में निपटा सकते थे एंड इसमें तो अभी तक मैंने गाइस वो भी नहीं की कि अगर यूएसडी होता है तो ये कंडीशन भी फॉल्स होने वाला है यहाँ पे समझ रहे हो ना हमने एरर टैकलिंग किया है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए क्यों मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा था ताकि आप लोगों को पता चले कि हम और क्या क्या कर सकते थे यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है क्यों ना मैं किसी तरीके से एक सिंपल सा फंडा अपनाऊँ एंड डैट इज यहाँ पे ये जो भी अपना क्वेश्चन आ रहा है ना ये तभी अलाउड होगा जब हमारी ये जो अमाउंट है वो अगर यू में ना हो तो मतलब समझ रहे हो अगर यू को अपने को कन्वर्ट करना रहेगा यूरो में तो हमारा जो सबसे पहला रूल ही यही था ना कि जो भी आपका करेंसी है उसको सबसे पहले यूएसडी में कन्वर्ट करो एंड देन उसको फिर यूरो में करना या जो भी करो करेंसी होगा बट अगर हमें बाई डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर यू मिल गया तो ये तो मुझे करने की नीड ही नहीं क्योंकि यू तो ऑलरेडी है मेरे पास आई I मीन mean, जो भी मेरी वैल्यू है बाई डिफ़ॉल्ट वही होने वाली है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा तो मैं बस अब इतना बोलूँगा अगर मेरी ये जो भी वैल्यू है इफ़ इट्स नॉट इक्वल टू यू एस डी अगर ये यू के बराबर नहीं है अगर इसकी वैल्यू यू नहीं है तब मुझे यही करना था लेकिन अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ना ये जो एक इंडिविजुअल वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये पाउंड एंड देन यूरो मैं पता क्या करूँगा यहाँ पे जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हो एंड अगर आपको डायनेमिक वैल्यू चाहिए देन गाइस यहाँ पे आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो एंड ये जो भी एपसी होगा फ्रॉम करेंसी ये आप लिख दीजिए दिस इज इट कितनी ईजिली चाहे अब आप आपका वो यूएसडी हो चाहे वो आपका पाउंड हो चाहे अब आप आपका जो भी हो इट डजेंट मैटर वो उसको अपने को तो खाली डिवाइड ही करना है ना उस पर्टिकुलर रेट से रेट्स डॉट ये जो भी है तो यहाँ पे आप भी सपोज ये है जी बी पी अपना पाउंड तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एल्स अगर वो यूएसडी है तो अमाउंट इन यूएसडी विल बी इक्वल टू योर अमाउंट मेरा काम हो गया जो मेरा सबसे पहला वाला जो एक पार्ट था वो मेरा काम कंप्लीट जो भी पैसे दिए हैं उसको पहले यू में कन्वर्ट करो ये मैंने इस तरीके से कर लिया एंड एरर हैंडलिंग भी कर ली कि अगर यूएसडी नहीं रहा तो कन्वर्ट कर देना डिवाइड कर देना अगर यूएसडी ही रहेगा तो क्या डिवाइड करना जो प्राइस दिया वही होगा अमाउंट इन यूएसडी अब दूसरा वी नीड टू कन्वर्ट राइट सो लेट अमाउंट इस तरीके से लिख दीजिए सिंपल विल बी इक्वल टू फिलहाल के लिए जीरो कर देता हूँ इसको भी है ना अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा अगर इफ हमारा ये जो भी कन्वर्टेड अमाउंट है राइट right? तो टू करंसी इफ इट्स नॉट इक्वल टू यू अगेन ये अगर यूएस के बराबर नहीं है आई I मीन mean, इसकी वैल्यू अगर यूएसडी नहीं है क्यों क्योंकि जो भी वैल्यू मुझे मिली अगर उसको अब मुझे यूएसडी में कन्वर्ट करना रहेगा तो गाइस हम आई मीन I mean, तो वो तो बाई ही यूएसडी हो गया ना कहने का मतलब ये है एल्स अगर वो यूएसडी होता तो ये जो भी मेरा कन्वर्टेड अमाउंट जो मुझे चाहिए था डेट विल नथिंग बट ये मेरा अमाउंट इन यूएसडी ये तो अगर यूएसडी है तो इस तरीके से हमने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया लेकिन अगर वो यूएसडी में नहीं था तो अब बस हमें इतना ही करना है कि जो भी वैल्यू हमें मिली है उसको अब मुझे टू करेंसी में कन्वर्ट करना है मेरे पास यू है ऑलरेडी ठीक है फिर से इसी कंडीशन पर आते हैं हम लोग ध्यान से देखिएगा इसको हटा रहा हूँ ठीक है अभी हमें मालूम है कि एक डॉलर की वैल्यू ये फिलहाल मैं किस में ले रहा हूँ हमें क्या चाहिए फिलहाल अभी के लिए यूरो में चाहिए एंड यूरो में उसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन ठीक है सो so, डॉलर की वैल्यू अगर 0.9 है एंड हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट इन यू अब मेरे पास यू मिल चुका है है ना तो अब मेरे को मेरे पास लेट्स इमेजिन हंड्रेड रुपीज़ मेरे पास हंड्रेड डॉलर है तो उसकी क्या वैल्यू होगी समझ रहे हो अगर एक डॉलर की वैल्यू इतना यूरो है तो सौ डॉलर की वैल्यू कितनी होगी सिंपल है ना ये तो मतलब बचपन में हमने मैच किया था क्या इस यहाँ पर भी वही रूल अपना हो आप फिर से जूम कर दो ये सेम है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो एंड इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी समथिंग लाइक हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई वन अब वन से क्या डिवाइड करोगे तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना तो मतलब सिंपली जो भी वैल्यू है आपके पास डॉलर में उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इससे पहले ठीक उसका उल्टा था डेट सॉ वी डिड डिविजन बट अब इस समय कंडीशन ऐसा है कि भाई हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा समझ रहे हो तो इसको मैं हटा रहा हूँ अब यहाँ पे ये जो भी पार्ट था इसको कॉपी करो यहाँ पे इसकी नीड नहीं है टैप करता हूँ ये जो भी वैल्यू होगी ठीक है अमाउंट मुझे कन्वर्ट करना है ना तो किस अमाउंट को यूएसडी में जो भी मेरे पास वैल्यू थी उसको मुझे मल्टीप्लाइड करना होगा किस से मल्टीप्लाइड करना होगा सेम जो भी मेरा रेट होगा उससे एंड यहां पे अब मुझे टू कन्वर्जन लिखना होगा सिंपल दिस इज इट तो अगर आप इतना करते हो तो इसमें हमने ये चेकआउट किया कि मुझे जो भी वैल्यू मिल रही है उसको यूएसडी में कन्वर्ट करना था एंड उसके बाद अब जो मुझे यू मिली उसको मैंने वापस वो जो मेरे को जिसमें कन्वर्ट करना था फाइनल कन्वर्जन वो मैंने कर दी एंड दोनों केस में अगर वो अमाउंट रहेगा अमेरिकन uh, डॉलर में तो फिर तो कुछ करने की नीड ही नहीं है ठीक है so, सो यह इतना मेरा काम हो गया है एंड हमारा काम ये कंप्लीट हो चुका है मैं रन करता तो अनडिफाइंड uh, आ रहा है एंड दैट इज़ बिकॉज हमने कुछ रिटर्न नहीं की है सो वी नीड टू रिटर्न रिटर्न एंड दे इट्स आवर कन्वर्टेड अमाउंट लेट सी कितना होता है ये ठीक है देखो ग्रेट ब्रिटेन जो पाउंड की वैल्यू है यूरो में ज्यादा है तो सर, अब कितना ज्यादा होगा वो देख लेते हैं सो so इट्स okay, है ना एक बार हम यहाँ पे चलते हैं ठीक है uh, यूरो इस तरीके से एंड uh, हमने कितना दिया था यहाँ पे पाउंड इज 100 ऑल सो right. so, अगर कोई भी पाउंड देता है हंड्रेड तो वो आपका कैसे एक हो रहा है बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे ये जो प्राइस है ना ये ऊपर नीचे होता रहता है ठीक है तो आज ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज ये सेम ही आएगा एक सौ सोलह कुछ भी हो सकता है बट ये जो तरीका हमने जिस तरीके से की गाइस एकदम परफेक्ट है आगे हम जब कोई रियल प्रोजेक्ट दिखाएंगे है ना तब हम वहाँ पे ई से जो डेटा है वो ले, ले, ले लेंगे जो कि रियल टाइम कन्वर्जन कर रहा होगा बट एटलीस्ट अब आपको आइडिया तो आ गया कि अब आप अपना खुद का एक कैसे करेंसी कन्वर्टर बना सकते हो अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है राइट right? यहां पे आपको लगे यार मुझे एक बार ये देखना कि ये इंडियन जो पैसे है आ, आ, अपना ये जो आई है ठीक है इसका क्या सीन है ठीक है इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो अगर मेरे पास हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज है तो मैं अगर उसको यूरो में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना होता है आप देख सकते हो गाइस ऑलमोस्ट सिर्फ एक रुपया बराबर अगर आप यहां से सौ रुपया लेके जाते हो यूरो वाले जो भी कंट्री जहां पे यूरो चलती हो वहां पे वो आपकी उसकी वैल्यू सिर्फ एक रुपया है इंडियन सौ रुपए की वैल्यू यूरो में सिर्फ एक रुपया है। मतलब सही है बराबर दिखा रहा है ठीक है आजम करने जा रहे गाइस आपका क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन जी हाँ गाइस कार्ड बेसिकली कुछ इस तरीके से कार्ड होता है नो तो ये जो भी कार्ड है कुछ इस तरीके से सो तो गाइस आपने देखा होगा इसमें एक नंबर लिखा रहता है तो वो जो भी नंबर है इज इट वैलिड और नॉट मतलब आपके दिमाग में आता होगा ना कि मेरे पास जो आ, कार्ड है इज इट वैलिड और नॉट राइट

उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप क्या है फोर्थ स्टेप क्या है तो मैंने पूरा एक एक स्टेप रखा था कि एक कंप्लीट होते ही फट से दूसरा आ जाएगा तो इसमें आपको खुद से सोचना नहीं है इट जस्ट आपको जो बोला गया है वो अब आपको करना है इट्स लाइक अ मिनी इंटरव्यू जिसमें दस बीस इंटरव्यू एक ही क्वेश्चन में आ गया क्योंकि पहले रिवर्स करो फिर डबल करो फिर मैप लगाओ फिर ये करो फिर वो करो है ना फिर पता नहीं कितने कंडीशन के बाद जाके पता चलता अच्छा ये वैलिड है या नहीं सो गाइस इसलिए मैंने सोचा आज इतना स्पेशल क्वेश्चन पे फाइनली अपना फेस दिखाना जरूरी ताकि थोड़ा और इंटर हमारे बीच बढ़े यू नो तो या गाइस बिना किसी देर के तरीके स्टार्ट करते हैं मैं चाहता हूं कि इसको तो गाइस जब मैं अभी स्टार्ट करूंगा वन बाय वन टैकल करूंगा लेकिन उससे पहले अभी, के अभी आप वीडियो को कीजिए पॉज एंड आप खुद से इसको रीड कीजिए मैं इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्वेश्चन का आप खुद इसको रीड कीजिए एंड देखिए पहले स्टेप वन कीजिए जैसे रिवर्स हो जाता है फिर उसको आपको देखना है कि जो भी आपके सेकेंड वाले नंबर होंगे

अब जब इतना सब कुछ हो जाता है तो आपका एट दस तरीके का सीरीज मिल जाएगा फिर से तो अब आपको, आपको, आपको क्या करना है जितनी भी सीरीज आपको है, आप आप है. आप है इट मीन आपका वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर है अगर बाई चांस जीरो नहीं आया कुछ भी एक दो तीन चार पांच छह से लेकिन नौ के बीच कुछ भी मतलब वो वैलिड नहीं है तो आपने देखा ना कहीं सिंपल है लेकिन एक काम होने के बाद फिर दूसरा दूसरे के बाद तीसरे तीसरे, तीसरे के बाद चौथा इस तरीके से लूप अंदर चलता जाएगा तो बस यही अब आपको खुद से देखना है कि ये आप कैसे कर सकते हो ठीक है तो अभी तक पॉज नहीं किया तो पॉज कीजिए ट्राई कीजिए मैं बता रहा हूं कम से कम आप इसको कम से कम बीस मिनट तो दे सकते हो आई गेस मिनट में आप फिगर आउट कर लोगे अरे हाँ इसको ऐसे कर सकते थे क्योंकि मेरे हिसाब से बीस मिनट एकदम परफेक्ट इस क्वेश्चन के लिए एज ए बिगिनर ठीक है ऑल राइट तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो जो दो नंबर दिए जिसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है जबकि दोनों देखने में एकदम सही लग रहे है तो हम इसको लेट लेट सॉल्व है ठीक है तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन उसको क्रिएट कर लेता हूं सो कॉन्स्ट इट्स अ वैलिडेट क्रेडिट कार्ड इस तरीके से हम चल देते ठीक है इस पर आप देख सकते हो हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है तो लेट्स गो स्ट्रिंग ठीक है तो सबसे पहला स्टेप क्या है तो वी नीड टू रिवर्स दी डिजिट

इस तरीके से एंड मैं करता हूँ यहाँ पे और राइट इसको क्लीन करता हूँ तो क्या आता है यहाँ पे बता रहा है इज नॉट अ फंक्शन क्या करोगे पापा? तो चलो रिवर्स करके देख लेते हैं I mean, आई मीन अब बहुतों तो को यही लग रहा होगा क्योंकि वी हैव अ रिवर्स ठीक है तो क्या इसी देखो ये भी हम नहीं कर पा रहे इसमें आप अगेन आपको स्प्लिट करके फिर रिवर्स फिर ज्वाइन वो फंडा उतना मेहनत नहीं करना है इसको मैं हटा रहा हूँ मैं क्या करूंगा सिंपल लूप चलाऊंगा ठीक है क्योंकि आपको मालूम है कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट एंड इवन स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट तो इसमें मैं फॉर ऑफ लूप यूज कर सकता हूँ फॉर ऑफ यूज कर सकता हूँ बट मैं फॉर ऑफ भी आई मीन फॉर लूप भी यूज कर सकता हूँ फॉर लेट आई इज इक्वल टू मुझे क्या करना है ये जो नंबर है इसको मुझे पीछे से प्रिंट कराना है सात छः चार छ इस तरीके से सो so, मेरा जो नंबर uh, होना चाहिए वो एकदम लास्ट वाला नंबर होना चाहिए लास्ट एंड कैसे पता चलेगा वी हैव डॉट लेंथ एलियन जी टी एच ठीक है एंड अब ये जो आई की वैल्यू मुझे कंडीशन देनी कब तक चलनी चाहिए ये मुझे एकदम 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 तक तक आना है है मुझे पीछे से लेके आगे पहुंचना ना मेरा क्या रहेगा जब तक ये जीरो ना हो जाए राइट सो इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो सबसे पहले लेट से यहाँ पे टोटल चार मतलब बारह तो बारह होगा पहले फिर ग्यारह फिर दस इस तरीके से एक तक आना चाहिए सो आई माइनस माइनस ठीक है अब यहां पे मुझे जो भी नंबर मिलेगा रिवर्स उसको एक जगह पे स्टोर करके रखना है लेट रिवर्स नंबर या स्ट्रिंग जो भी आप लिख सकते थे है ना uh, फिलहाल के लिए मैं एम uh, टी रख देता हूँ इसको इस तरीके से एंड यहाँ पे तो ये जो मेरा reverse number वे वे रिवर्स नंबर होगा विल बी इक्वल टू रिवर्स नंबर कॉन्केट क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग में है तो हम कॉन्केट कर सकते हैं मैं यहाँ पे ये जो भी मेरा एस ऑफ आई होगा इस तरीके से ठीक है सो या ये मेरा काम हो गया कंसोल डॉट लॉग रिवर्स नंबर में कर देता हूं ये तो सिंपल है अभी तक हम कर चुके हैं सिंपल मैंने अपने कोर्स जाता बताया कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ये तो पहला ही स्टेप है है ना तो रिवर्स ही करना था खाली सो वी आर गेटिंग अनडिफाइंड सबसे पहले के लिए तो पता है क्यों क्योंकि ये जो पार्ट है हम यहाँ पे इंडेक्स पकड़ रहे हैं एंड ऑलवेज एरे में जो इंडेक्स होता है वो लेंथ माइनस वन होता है सो लेंथ माइनस वन करना पड़ेगा ठीक है इसको मैं क्लीन कर देता हूं, हूं देखो पहले का सो आवर कंडीशन विल बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो so, अब फाइनली मैं यहां पे चलता हूं एंड फॉर द टाइम बी मैं एक को जो है कमेंट कर रहा हूं सिर्फ हम एक को ही देखेंगे बाकी अपने आप हो जाएगा इसको मैं अगर रन कर रहा हूं तो ये देखो देखना ध्यान से देखना सो इट्स सेवन सिक्स फोर सिक्स थ्री फोर थ्री जीरो रिवर्स हो गया माय फर्स्ट स्टेप इज डन ठीक है तो क्या कितनों ने यहां तक कंप्लीट की एक लाइक कर दीजिएगा ऑलराइट right, अब इसको मैं हटाता हूं स्टेप टू यहां पे चलते हैं सो so, ये पार्ट हो गया नाउ डबल एवरी सेकेंड डिजिट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान से देखना ये वाला इसको मैं टू डू कर देता हूं ठीक है डबल एवरी सेकेंड डिजिट यहां पे यहां पे भी देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारा ये नंबर है फोर फाइव थ्री नाइन सो ये क्या होगा फोर एज इट इज रहेगा फाइव को मुझे इंटू टू करना पड़ेगा थ्री इट इज रहेगा नाइन को मुझे इंटू टू करना पड़ेगा ये एज इट इज रहेगा ओ माय गॉड एक सेकेंड आई जस्ट रियलाइज की यहां पे एक प्रॉब्लम होने वाला है ओके okay, देखा एक प्रॉब्लम है यहां पे एंड दैट इज ये स्पेस क्या कर रहा है नीड अ स्पेस स्पेस हमें space की नीड नहीं है ठीक है सो हम एक काम करेंगे सबसे पहले रिवर्स करने से पहले हमारा इनिशियल स्टेप होगा इनिशियल स्टेप है ना यहां पे मैं चल देता हूं इनिशियल ऑल राइट सो बी लाइक कि मुझे स्पेस हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो भी स्ट्रिंग है इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेस को हटाना था तो वो बहुत सारे तरीके करने के एक सिंपल तरीका इट विल विल बी बी लाइक इक्वल टू डॉट वी कैन डू रिप्लेस मेथड आई मीन वी कैन यूज द रिप्लेस मेथड जहां पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने जा रहा हूं मैं बोलूंगा जितने भी नॉन डिजिट वाले मेरे नंबर है ग्लोबल फ्लैग यूज कर रहा हूं उसको आप रिप्लेस कर दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग से ठीक है कंट्रोल एस एप ये मैंने सिंपल रखा है ये मेरा स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ये मैंने नॉन डिजिट को पकड़ लिया एंड ग्लोबली पकड़ ली बोले जितने भी नॉन डिजिट नॉन डिजिट मतलब जो डिजिट नहीं है जैसे कि स्पेस है जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको वो हटा के क्या कर देगा बिल्कुल स्पेस खत्म रिप्लेस कर रहा है एम टी स्पेस से ठीक है कंट्रोल सेब अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको रन करता हूँ एंड बूम बूंगा फाइनली सो फाइनली आप देख सकते हो कि ना जो मुझे वैल्यू मिल रहा है उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है

That is, we need to double every second digit. अब आपके में ये आ रहा है कि मैं मेरे ये जो सेकेंड डिजिट है उसको मल्टीप्लाइड बाई टू करके एक वापस से ऐसा ही एरे कैसे निकाल सकता हूँ? ऐसा स्ट्रिंग कैसे निकाल सकता हूँ? आप सोचो आप क्या कर सकते हो आपको हर एक सेकेंड डिजिट को इंटू करना है टू से है ना आप इसको इस तरीके से समझ लो कुछ नहीं करना आपको खाली ये जितनी भी नंबर है इनको वन बाय वन आपको प्रिंट कराना है कर सकते हो ये ऑब्वियसली कर सकते लाइक like यहाँ पे मैंने प्रिंट ही तो करा है उल्टा वो भी रिवर्स में प्रिंट करा दिया यहां पे अब आप आपके माइंड में आ रहा होगा शायद इसको अगर मैं इंटू टू कर देता कुछ ऐसा हम सोच सकते हैं राइट इंटू अगर मैं टू कर देता तो काइंड kind ऑफ of आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मैंने ना क्या सोचा है मैं आपको बताता हूँ करने के बहुत तरीके मैंने एकदम आ, सिंपल तरीके से यह सोचा कि मेरे लिए एकदम ईजी हो जाए तो मैं क्या करूंगा पता है ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं एरे में कन्वर्ट कर दूंगा ठीक है देखो कैसे मैं बताता हूं तो आ, लेट में यहाँ पे डबल नम कर देता हूं ठीक है डबल नंबर बेसिकली एंड हमारा ये जो एस टी आर है मेरे पता पहले क्या सोचा था मैं मैप मेथड यूज करता हूँ ऐसे करके है ना यहाँ पे कैसे आपका आ जाएगा करंट डिजिट या नंबर एंड हियर वी नीड इंडेक्स नंबर तो मेरे माइंड में ये था इफ अब सिंपली हमें बस क्या करना है हमारा जो भी इंडेक्स नंबर है अगर वो इवेन नंबर नहीं होगा तो हमें उसको मल्टीप्लाइड बाई टू करना है राइट क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्यों अब हम इवेन नंबर को टारगेट नहीं कर सकते सो so, अगर हमारा इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाई टू अगर मॉड्यूलस अगर जीरो नहीं आता है अब यहां पे जो भी मेरा नंबर मुझे मिलने वाले हैं वो सब मुझे ऑड नंबर मिलने वाले हैं समझ रहे हो एक तीन पांच ऑब्वियसली ये वही वन है इसका मतलब एन ओ सी को मुझे मल्टीप्लाई करना है एंड एक चीज आई जस्ट रियलाइज कि हमारा ये जो एस टी आर है ना हमें एस टी आर नहीं लिखना है वी नीड टू राइट दिस रिवर्स रिवर्स नंबर नंबर क्योंकि हमने को अब कर दिया था ना तो मैंने इसको रिवर्स कर दी ठीक है ये एक चेंज करना था एंड अब बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड दैट इज कि मेरा जो भी करंट डिजिट होगा इट विल बी इक्वल टू माई करंट डिजिट इन दिस इज इट अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एक काम करता हूँ रिटर्न करेंट डिजिट एंड uh, क्योंकि ये है, जो है रिटर्न करना चाहिए इसको एंड देन है लेट्स यहाँ पे चलता हूं रन करता हूं इसको हटाता हूं रिवर्स नंबर डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन ऑब्वियसली क्यों क्योंकि एक स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग में आप ये मैप मेथड तो यूज नहीं कर सकते नाव वॉर्ड मुझे किसी तरीके से उस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना होगा एंड देन आई आई कैन यूज मैप मैथड राइट So, बहुत ही ज्यादा इजी है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है ताकि मैं मैप मेथड का यूज कर सकूं एंड डेटा को मैं रिटर्न करा सकूं अब आप सोचिए क्या कर सकते हैं right? हम बहुत बार स्टार्टिंग में हमने बहुत किया था मुझे कमेंट्स भी आए थे स्प्लिट मेथड तो मैं कभी नहीं बोलूंगी या बोलूंगा मतलब मुझे ऐसा कमेंट आया था तो फिर से वही है स्प्लिट मेथड एंड दिस इज इट तो अब मैंने उसको स्प्लिट कर दी इनटू एन एरे राइट एंड हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके सब कुछ अब कोई प्रॉब्लम नहीं अब अगर मैं यहाँ चलता हूं इसको क्लीन करता हिट करता है बूम गाइस सी ये देख लीजिए मुझे एरे मिल गया सात बारह देखो इज देरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूँ सेवन एंड देन सिक्स तो सिक्स इंटू टू टूवेल्व फोर एज इट इज या फिर सिक्स इंटू टू आपका ट्वेल्व ये देखो मतलब जो जो हमारा इवन नंबर था वो इंटू हमने टू कर दी ये मेरा काम हो गया अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है देखो थर्ड स्टेप यह बोलता है सब नंबर अब कोई भी ऐसे नंबर जो नौ से बड़े हो उसमें माइनस नाइन कर दो अब मैं आपको बताता जैसे वी हैव दिस एंड ओके बाकी तो कहीं नहीं खाली एक दो एंड देन तीन ये अपने को लेना देना भी नहीं है कि सिर्फ तीन है या पांच है या सबके सब है क्यों क्योंकि मैं आपको बताता हूँ देखो ध्यान से अभी फिलहाल हमारा क्या था वहां पे एक सिक्सटीन था इसका एक और ऑलग्रिदम ऐसे आप अगर चेक करोगे ऑनलाइन तो आपको डिफरेंट अप्रोच मिलेंगे इस जगह पे किसी का कहना है ये कि अगर नौ से बड़ा है नंबर देन जो भी नंबर होता है उसको माइनस कर दो सिक्सटीन इंटू नाइन आई मीन माइनस नाइन इट विल बी आई गेस सेवन ठीक है हमें साथ आ गया अब किसी किसी का पता क्या कहना है एंड ये भी बहुत ऑसम एंड देट इज कि अगर कोई भी नंबर नौ से बड़ा है या डबल डिजिट वाले है देन उनको इंडिविजुअली एड कर दो इट मीन वन प्लस सिक्स One plus six, ये भी आपका सेवन हो जाता है है ना इतना ज़्यादा तो इसी बात पे एक बनता है उसी तरीके से वी 14। nine से बड़ा है बड़ा तो इंडिविजुअली तो ये भी फाइव आता है तो इधर आप माइनस नाइन करो या तो उन डबल नंबर को प्लस कर दो आपस में ही तो जो दोनों के दोनों वैल्यू ऑलवेज सेम आने वाले तो नाव ये जो थर्ड स्टेप है कैन गो विथ ये वाला अप्रोच जहाँ पे माइनस नाइन कर दो एल्स आप उसको क्या बट फॉर माई रीजन आई गेस माइनस नाइन करना बहुत ही ज्यादा ईजी होगा कैसे मैं बताता हूँ ये जो पार्ट है अब यहाँ तो मुझे डिजिट मिल चुका है राइट right? सो so, मैं इसी के अंदर ही मुझे फिर से कंडीशन लगाऊंगा डेट इज मेरा करेंट डिजिट अगर ये नाइन से बड़ा होता है तो मुझे मेरे करेंट डिजिट को यू नो माइनस करना है विथ नाइन सिंपल इस तरीके से Else my current digit करेंट डिजिट विल बी ऑलवेज इक्वल टू डेट सेम क्योंकि अगर नाइन से छोटा है वो तो मेरा करेंट डिजिट जो था उसको एज इट इजी रखना है ठीक है कंट्रोल सेव कर रहा हूं मैं अब मैं वापस इसको रन करता हूं एंड देन मैं क्लीन करता हूं अब देखो अब जो भी है यहाँ पे सब सिंगल डिजिट हो गए यहाँ पे जो भी मेरे डेटा है सारे सिंगल डिजिट हो गए देखो ना कहीं पे भी आपको डबल नहीं मिलने वाली ऑल राइट तो अब ये वाला जो मेरा पार्ट हो गया है इसको अब मुझे क्या करना है इन सब को मुझे अब सम करना है ठीक है ध्यान से देखो ये हो गया नाउ नाउ आवर सीरीज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है डिजिट में नाउ वी नीड टू सम ऑल द डिजिट वी नीड टू सम ऑल द डिजिट एंड जब आप उसको एड करोगे कुछ uh, इस तरीके से है ना तो जो भी वैल्यू आती है देन यू नीड टू चेक दोड्यूल टेन बहुत सारे लोग इसको मॉड्यूलर टैन भी बोलते हैं देखो एंड uh, अगर रिमाइंडर अब आपका जीरो आ गया इट मीनस वो वैलिड है तो अभी मुझे दो काम करना है सबसे पहला कि पूरा मुझे टोटल सम निकालना इट्स लाइक एड टू कार्ट में जब आप टोटल सम निकालते हो एंड दूसरा यू you नो know, जब सम निकलेगा वापस उसका आपको मॉड्यूल ऑपरेटर करके चेक करना है अगर जीरो वैल्यू आती है इट मीन्स वो वैलिड है एल्स वैलिड नहीं है तो आपने देखा ना ये नंबर को चेक करने के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं ऑल राइट तो यहां तक पहुंच गए यहां तक पहुंच गए अब ये जो पार्ट है डबल नंबर हम क्या करेंगे यहां पे मैं डायरेक्टली रेड्यूस जो है मैं कॉन्टेक्ट कर आई मीन मैं चेनिंग मेथड यूज कर जहां पे बहुत इजीली हम ये सॉल्व कर सकते हैं वी प्लीज विनती है आपसे मैंने ना कसम से बहुत मेहनत की इस वीडियो में आपको इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा जहां तक मुझे मालूम है तो कृपया करके ये इस वीडियो को एक बार देख तो लीजिए आप तब आपको पता चलेगा अरे माय गॉड ये मतलब इतना बेटर फ्री में कर दिया भाई ने सब तब आपको रियलाइज होगा इस कोर्स की वैल्यू आप एक बार एक काम कीजिए बाकी का भी देखिए और एक बार इसको भी देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत की इसमें सिर्फ दो से ज्यादा एनिमेटेड स्लाइड्स है गाइस समझ रहे हो अब आप ये आप खुद सोचोगे कितनी मेहनत की मैंने इस पे प्लीज एक बार देखे तो सी लाइक की तो कीजिए दोस्तों को शेयर तो कीजिए अब वहां पे रेड्यूस मेथड मैंने आपको बताया हुआ है एंड देन वी हैव करंट एलिमेंट है ना अब यहाँ पे आ, ये जो पार्ट है अब बाय डिफॉल्ट की भी नीड नहीं है बाय द वे यहाँ पे आप डायरेक्टली आपका ये जो है उसको तो आप एक करंट एलिमेंट से प्लस कर दीजिए एंड एक कॉमा देखिए जीरो वैल्यू दे दीजिए तो ये जीरो वैल्यू क्यों दी क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको एक्यूमलेटर का इनिशियल जो वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है एंड बाय डिफॉल्ट मैंने जीरो कर दी तो अब जितने भी करंट एलिमेंट मुझे मिले होंगे क्योंकि रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं तो मुझे इस तरीके से आ गया डेटा अब यहाँ पे देखना मुझे क्या मिलेगा मुझे कोई तो एक सिंगल डिजिट मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके से मिल रहा है ऑल राइट right. इन्होंने यहाँ पे गाइस इसको क्या किया एडिशन कर दी बट प्रॉब्लम ये हो गया कि इंस्टेट ऑफ एडिशन व्हाट दे डिड इज कॉन्केटिनेशन देखो ना इनिशियल वैल्यू जीरो थी सो वी हैव अ जीरो एंड उसके बाद डबल थ्री सेवन डबल थ्री देखा आपने जो वैल्यू था कॉन्केट हो गया इट मीन्स हम एडिशन तभी कर सकते हैं जब उसका डेटा टाइप हो नंबर बट इन आवर केस इट्स स्ट्रिंग तो मुझे अब वापस यहाँ पे कुछ तो भी कर, करना पड़ेगा uh, इधर मैं इसको चेंज करूं या ये जो मेरा करंट एलिमेंट है इसको ही नंबर में कन्वर्ट कर दू तो जैसे भी करके मुझे कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है ऑल राइट एक्यूमुलेटर इट्स ऑलरेडी जीरो तो कोई टेंशन नहीं बट जो भी मेरी वन बाय वन वैल्यू आ रही है उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दी

इट्स ट्रू एंड हमारा ये काम कम्प्लीट हो गया तो कैसे लगा गाइस देखा ना आज का वीडियो कितना ज्यादा औसम था क्योंकि कितना कुछ करना पड़ा यार हमें देखो करने के बहुत सारे तरीके थे आप डायरेक्टली यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे डिफरेंट अप्रोच के साथ लेकिन मैंने आपको दिखाया कैसे आप यू नो पहले आपने क्या की विद्य हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन बच्चों वाला डिजिट जितने भी नॉन डिजिट को हटाया आपने फिर रिवर्स की आपने ये चेकआउट किया पहले तो उसको एरे में कन्वर्ट की एंड देन आपने ये चेकआउट की कि जितने भी इवन नंबर में जो भी वैल्यू है उसको इंटू टू करना था ठीक है उसके बाद आपको ये देखना था कि जो भी वैल्यू अब डबल डिजिट हो गई है या नाइन से बड़ी है उनको माइनस नाइन करना था माइनस नाइन कर दी एंड अब उसके बाद जितनी भी वैल्यू वापस हमें मिली उन सबको हमने क्या कर दी एडिशन कर दी एडिशन करने के बाद उसको हमने टेन से डिवाइड की यह चेक एट किया कि मॉड्यूल बेसिकली रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं अगर आता है इट मीन वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर है एल्स नहीं है अब ये वाला, इसको मैं करता हूं। सो देखो, एक का एट्टी का दूसरे आज का जो वीडियो वो थोड़ा सा इनके मुकाबले सिंपल होने जा रहा है क्यों क्योंकि मैंने नोटिस की एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है इवन इन हैकर रैंक लीड कोड बाकी मतलब जितने भी आप लो मोस्टली फिज चैलेंज क्या है ये पूछा जाता है है ठीक तो यहाँ पे मैं बता देता तो हूँ क्या है देख लीजिए सो so, आपको एक प्रोग्राम लिखना है मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा यूनिक बनाता हूँ मैं जहां पेस्टेट ऑफ ओनली वन पैरामीटर ठीक है तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो आर्गूमेंट पास कर दिए क्यों मैं बताता हूं ध्यान से देखिए सो वी विल एक्सेप्ट टू नंबर स्टार्टिंग नंबर एंड देन एंडिंग नंबर एज इनपुट द फंक्शन दि फिटर्न एंड एरे रूल्स तो ये रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहला रूल क्या बोलता है हमने ये दो नंबर पास किए वन इज आवर स्टार्टिंग नंबर अनदर वन इज आवर एंडिंग नंबर तो अगर हम स्टार्टिंग नंबर से एंडिंग नंबर की बात करते हैं तो इनके बीच में जो भी नंबर आता है उसको हमें प्रिंट करना है जैसे एक है एंड देन पंद्रह थ्री फोर फाइव सिक्स करते करते आपका वो पंद्रह तक जाना चाहिए अब ध्यान से सुनना इफ द आई आई बेसिकली जो भी हमारे नंबर है एक से लेके पंद्रह के बीच में इफ दे आर डिविजिबल बाय बोथ थ्री एंड देन इंक्लूड फिजबर्स जैसे यहाँ पे पता है एक से लेके पंद्रह के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो लाइक थ्री से भी डिवाइड होता हो एंड देन से भी डिवाइड होता हो

ये जो आउटपुट आया हुआ है लाइक like एक से लेकर पंद्रह है तो हमें एक एरे आ, हमारा में हमारा आउटपुट आएगा गया जिसमें एक दो तीन चार पांच छह लेके कम से कम पंद्रह तक है अब जैसे कि जो थ्री है यहाँ पे इसलिए थ्री होना चाहिए था लेकिन हमने थ्री ना लिख के हमने फीस लिखा क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है उस पर वो फुलफिल हो गया समझ रहे हो में क्या कह रहा हूँ ये वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया सिंपल देन उसी तरीके से फोर एज इट इज वी हैव अ बल्स अब ये बल्ब क्यों हुआ क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है सॉरी नॉट दिस वन ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गया दैट इज कोई भी नंबर अगर आग फाइव से डिवाइड होता तो वहां पर या या आपको बर्ज लिखना होगा नाइन जो है वो थ्री से डिवाइड होता तो यहाँ पे आपका फीस आ गया बर्ज आ गया अगेन बिकॉज ये टेन है तो फाइव से डिवाइड हो रहा है बाकी सब चलता जाएगा सिर्फ एक है जिसमें हमें फीस बर्स दिखाई दे रहा है लाइक सिर्फ एक वैल्यू है जिसमें मुझे फीस बस दिखाई दे रहा है वो क्या है 14 के बाद क्या आता है इट्स अ 15 क्योंकि 15 एक ऐसा नंबर है जो गाइस थ्री और एंड देन दोनों से डिवाइड होती है एंड दोनों से डिवाइड हुआ तो अब आपको वहाँ पे डिवाइडी ना लिख के या थर्टी ना लिख के आपको फीस बस लिखना होगा एंड इसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम भी बनाया हुआ है फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है एक स्टार्टिंग नंबर से लेकर जो भी आपका एंड नंबर है वहां तक आपको पहुंचना होगा एंड देन उसमें आपको ये चेक करना है क्या वो जो नंबर है थ्री से डिवाइड होता है एंड क्या वो फाइव से डिवाइड होता है तो देखो ना अगर ऐसा होता है यस Then guys, आपको प्रिंट करना है फीस बज आपका काम लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ नहीं होता है तब हम एक और condition चेक करेंगे क्या वो जो है थ्री से होता होता है। अगर होता है then guys, हम प्रिंट करेंगे फीज। अगर ये जो है अगर अगर हम करेंगे ये जो से भी डिवाइड नहीं हो रहा है हमारे पास एक और condition, final condition, that is, क्या वो से हो रहा है। अगर फाइव से डिवाइड होता तो यू नीड टू प्रिंट अज एल्स टू प्रिंट नंबर तो एंड हमारा ये हो जाएगा तो कितनी इजी हो जाता है इस तरीके से कोई भी एक फ्लो चार्ट या डायग्राम से समझना राइट एंड इफ यू वांट मोर लाइक इस तरीके का जो डायग्राम्स uh, है चार्ट uh, से मैं अगर इंक्लूड करूँ अपने इस प्रोग्राम में क्वेश्चन में तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारा टारगेट ज्यादा नहीं है सिर्फ फाइव हंड्रेड लाइक सिर्फ पांच बस एक लाइक ही तो करना एंड बाय द वे इंटीरियर अगर आपको चेक करना है घर का तो प्लीज फाइव हंड्रेड लाइक सके ना। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुका है नाउ इट्स योर चांस टू पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योर सेल्फ ऑलर गाइस आई होप आपने ट्राई किया होगा एंड बिलीव मी ये सिंपल है ठीक है देखो कैसे कॉन्स्ट वी हैव अ फीस बस ठीक है अब आपको आंसर तो आयर में चाहिए ठीक है अब यहां पे एक छूट गया और आई थोड़ा सा जूम कर देता हूं सबसे पहले

वन uh, नहीं लिख सकता अगर मेरा ट्रेडिशनल फीजर्स होता तो मैं वन करता बट मेरे को एक स्टार्टिंग मिली हुई है। स्टार्टिंग होगा। मेरा जो वो आई की वैल्यू है कब तक चलनी चाहिए जब तक वो इक्वल टू ना हो जाए मेरे नंबर के।, के बराबर या टू ना हो जाए प्लस प्लस दिस इज इगर इतना भी मैं करता हूँ है ना अगर इतना मैं करता हूँ एंड देन ये जो आई उसको मैं प्रिंट करू कंसोल डॉट लॉग में तब आप देखोगे की मुझे बराबर ये देखो एक से लेके है ना एक से लेके मुझे यहां तक आ चुका है कि जो मेरे नंबर है इसमें से ऐसे इस कौन से नंबर जो थ्री से डिवाइड होता है कौन से नंबर है जो फाइव से डिवाइड होता है कौन से ऐसे नंबर से जो बोथ थ्री एंड फाइव से डिवाइड होते हो ठीक है तो कंडीशन लगाना पड़ेगा देखो कैसे इसको मैं हटाता हूं इफ अगर कोई भी नंबर है basically कोई भी नंबर हो ये वाला, अगर अगर वो वो करता से, होता है, एंड ऑपरेटर लगाना चाहिए क्योंकि दोनों condition मैच होने चाहिए, एंड अगर वो 5 से डिवाइड करने पे भी अगर वो जीरो होता है समझ रहे हो इट मीनस कि गाइस ये हमारा कौन सा नंबर होने वाला है ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा है सो so, अब यहां पे मैं क्या करू यहां पर मुझे किसी तरीके से फिफ्टीन के बदले या ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड uh, हो रहा है उसके बदले उस नंबर के बदले ये पर्टिकुलर बस वाला जो वर्ड है ये मुझे इंक्लूड करना है बट मैं कैसे इंक्लूड करूं कहां इंक्लूड करूं समझ रहे हो तो अब आपको ये सोचना है कि हमें जो आउटपुट आ रहा है क्या है एक एरे एरे में अब आप आपको एक वैल्यू जो है उसको अपडेट करनी है समझ रहे हो एरे में आपको वैल्यू अपडेट करनी है या एड करनी है ऐसा आप समझ जाए जब बात आती है एरे की एंड जब बात आ रही है उसमें अपडेट या एड करने की कोई भी वैल्यू तब आपको यह सोचना है कि अब एरे में कोई ऐसी मेथड है कि जिसके चलते मैं कोई भी वैल्यू को एड कर सकूं तो उसके लिए गाइस अभी भी अगर आपको नहीं आइडिया मैं क्या बात कर रहा हूं एंड एरे में ऐसा कुछ है भी या नहीं देन आई हाईली रिकेमेंड जो मेरा पार्ट वन है वर्ल्ड वेड कोर्स का इसमें एरे वाला जो चैप्टर है उस पर जाके ये जो अपडेट है ना वाले वीडियो को एक बार देख लीजिए एड एंड रिमूव वाला आपको पता चल जाएगा ठीक है हम क्या करेंगे यहाँ चलेंगे मैं यहाँ पे एक और लेट एक, एक एरे बना लेता सिंपल सा एक एम टी ठीक है अब जो भी वैल्यू होगा मुझे इस पे पूछ करना है अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा ए आर आर डॉट पूरी बात खत्म है बेसिकली मुझे वहां पे डालना था बट इंस्टेड ऑफ दैट आई की वैल्यू वट आई विल डू मैं पूस्ट कर दूंगा वो वैल्यू दैट इज योर दिस इज इट तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम ये वाली जो वैल्यू है उसको वहां पे पुश कर दे रहे बेसिकली ऐड कर दे रहे हैं अब उसी तरीके से एल्स इफ अब खाली ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट अगर ये ट्रू होती है देन फिर से यही कॉपी पेस्ट बट इंस्टेड ऑफ फीस बस आई विल ओनली एड बेसिकली पुस फीस फिर से इसे कोई कॉपी करना है फिर पेस्ट पे अब ये थ्री के बदले फाइव जाएगा यहाँ पे फीस के बदले फर्स्ट जाएगा सिंपल अब रही बात रही सिर्फ एक चीज राइट तो कुछ नहीं वहां पे कुछ भी नहीं अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो जो नंबर है वो एज इट इज जाएगा एंड दैट इज योर नंबर तो ये वन एज इट इज प्रिंट होगा टू एज इट इज प्रिंट होगा थ्री आते ही देखेगा ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है बट ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है इट मीन्स उसके बदले फीस आ जाएगा फिर वापस फोर की जब वैल्यू आएगी तो कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं होगा फोर एज इट इज प्रिंट होगा देन जब बात आती है फाइव की तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा ना ही वो थ्री से डिवाइड होता है बट हाँ फाइव जो है वो फाइव से जरूर डिवाइड होता जरूर मिलती है रिमाइंडर हमें जीरो एक एक जा तो आग आगे जाके मुझे याद आता फीसबर्ज तो वो उस समय थोड़ा देर हो जाता बट अभी भी एकदम सही है एटलीस्ट आपको पूस्ट मेथड का फायदा तो पता चला राइट एक सेकेंड ये क्या हो गया आई गेस दिस वन मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे भी क्या चलना वो तो सिंपल इसको रन करना है मुझे राइट right? इसको हटा रहा हूँ एंड देन रन करता हूं अब आप देखो कि मुझे दोनों के दोनों अनडिफाइंड आ रहे हैं द रीजन आई एम गेटिंग अनडिफाइंड इज सिंपली बिकॉज हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे वी नीड टू रिटर्न बिकॉज जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो हमें डेटा रिटर्न करना पड़ता है बट अब हमारे केस में हम क्या रिटर्न करें हम क्या आई को रिटर्न करें क्या रिटर्न करेंगे ऑब्वियसली हम ये हमारा जो एरे है उसको हमें रिटर्न करना है एट द एंड में वी विल रिटर्न आवर एरे दिस इज इट आपको बॉक्स वगैरह कुछ नहीं लिखना टू सिंपली रिटर्न एंड एरे जिसमें ऑलरेडी डेटा पोस्ट हो चुका है सो थ्री टू वन एंड गाइस देखिए मेरा काम हो गया कितने इजीली लाइक फीस 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 बस 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 एंड देन यही तो मुझे चाहिए था राइट फीस थर्टीन फोर्टीन नहीं देखो ना बराबर फीस बस मतलब हो गया मेरा काम इवन एक दूसरे वाले का भी मेरा काम हो गया तो गाइस एक्चुअल में जो फीस बस उसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है जहां पे ऑलवेज हमारा जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होता है मन करेगा ना कि भाई मुझे 33 से लेके 43 तक देखना है। अब इस case में क्या होता ना अगर आप ट्रेडिशनल बस करते तो अब आपका ये वैल्यू सिर्फ फोर्टी थ्री होता मतलब एक से लेके फोर्टी थ्री तक प्रिंट करा। भाई। लेकिन मुझे मतलब ही नहीं मुझे तो खाली थर्टी थ्री से फोर्टी थ्री चाहिए डेट्स वाई मैंने इसको मॉडिफाई करके एक यहां पे कर दी। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो मुझे थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी थ्री इतना कुछ मुझे मिल रहा इस 38, 39, 40. आप देख रहे हो फीस बर्ज वाला जो ये सोल्यूशन है, है तो ये सिंपल लेकिन बहुतों तो को यू नो ये ए आर आर डॉट पोस्ट ये वाले जगह पे आके वो अटक जाएंगे उनको ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करूं यहाँ पे एंड एक और चीज है कभी भी आप जब, जब यूज करते हो मैंने तो यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज किए नो जस्ट गो स्ट्रिक स्ट्रिकवलिटी दैट इज नथिंग बट योर ट्रिपल इक्वल टू जो कि एकदम डेटा टाइप के साथ भी वो आपका चेक करेगा फिर रेगुलर एक्सप्रेशन क्रैश कोर्स जी गाइस तो फाइनली आपने बहुत तो ने बहुत रिक्वेस्ट की थी यू नो जब मैंने ये वर्ल्ड बेस्ट कोर्स बनाया यहाँ पे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बहुत ही कम बताया था बट मैंने सोचा क्यों ना यार जब वर्ल्ड वाइड कोर्स बना चुका हूं तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी तो इम्पोर्टेंट है सो देट्स वाई गाइस आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ क्रैश कोर्स ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन जहां हम सब कुछ जो एकदम बेसिक जो आपको एटलीस्ट मालूम होना जरूरत है कि आप सिंपल ईमेल पासवर्ड मोबाइल नंबर एंड ऑल वैलिडेशन इजीली कर सको तो वो आज सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने मिलने वाला है सो so, गाइस आप लोगों के लिए मैंने मार्कडाउन एकदम रेडी कर रखा है सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है लिंक जो है ये नोट्स सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है

जैसे कि मैंने बताया ना जैसे अगर आपको ईमेल वैलिडेशन करना हो पासवर्ड वैलिडेशन करना हो मोबाइल नंबर यूजर का नाम बराबर है यानी बेसिकली कोई भी इनपुट फील्ड हो तो वहां पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन का बहुत इजिली यूज कर सकते हो तो अब हमें देखना है हमारा बेसिक सिंटेक्स एंड बिलीफ में अगर आप इतना ये जो बेसिक सिंटेक्स जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना आप बहुत इजीली रेगुलर एक्सप्रेशन में अपना काम को जो है स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इतना ही सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है लाइक वेन इट कम्स टू हैव एरेज ऑब्जेक्ट फॉर लूप लूप यू नो इवेंट एंड ऑल सारी चीजें हैं उसी तरीके से यू you नो know, हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ गिने चुने चुनेटेक्स है इसको अगर आप समझ गए लाइव पीजी हो गएगी बहुत औसम तरीके से आपको समझाने वाला विद लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए सो सबसे पहले वी हैव दिस यू नो जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां पे इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट टाइम हमें क्या सिखाया जाता है ए बी सी डी मैथ्स जब हम सीखते तो हमें वन टू थ्री नंबर सिखाया जाता है तो उसी तरीके से यही जो आपके लेटर्स uh, है या कैरेक्टर जो है यू you ना know, जो बेसिकली नॉर्मल कैरेक्टर्स एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स वो आपके लिटरल्स कहलाते हैं इन योर रेगुलर एक्सप्रेशन सो कैसे देख सकते हो तो सक आई एम था पर टेक्निकल इस तरीके से मैंने जो ये लिखा तो यहाँ पे ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है इट मीनस की हमने जो भी ये लिटरल टाइप की है वो इससे मैच कर रहा है सिंपल राइट right? क्योंकि आगे जाके मैं आपको इस वीडियो में ईमेल वैलिडेशन कराऊंगा एकदम कॉम्प्लेक्स वाला मजा आ जाएगा तो उसी तरीके से इन वी हैव दिस मेटा कैरेक्टर्स इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि meanings, बहुत सारे, regex, कुछ, गिने चुने ऐसे है, जिनको कुछ दर्जा दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉट यूज करते हो इट मीनस कोई भी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो एनी कैरेक्टर्स वहीं अगर आप ये जो नेगेशन बेसिकली कैरेट यूज करते हो देन इट रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग कि आप जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हो जिसमें से सबसे पहले आपको ये कैरेट साइन यूज करना पड़ता मतलब अब आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है अपना लिखने जा रहे हो एंड जहां पे वो खत्म हो जाता आपको करना है ताकि ये पता चल कि अब मेरा ये यहां पे खत्म हो रहा है सिंपल सो मेटा कैरेक्टर्स में आपको डॉट कैरेट एंड देन डॉलर साइन को स्पेशली ध्यान में रखना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी देखो बाइटबर्ड यहाँ पे हमें लिखने की नीट नहीं पड़ती इतना कैपेबल है बट स्टार्टिंग मतलब आप आपको इस तरीके से स्टार्टिंग करना होगा एंड एट द एंड में आपको इस तरीके से डॉलर लिखना होगा ताकि ये पता चल जाए कि स्टार्ट मेरा यहां से हो रहा है एंड मेरा यहां पे हो रहा है एंड द मोमेंट मैंने ये किया देखो सभी के सभी चले गए लेकिन वी हैव लेफ्ट विथ ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट सिर्फ अब सिर्फ ये वाला जो ये मेरा एकदम वैलिड आउटपुट मुझे मिल रहा है इसका मतलब अगर आप कल के दिन सिर्फ इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो ये आपका वैलिड हो जाएगा दो ये तो कुछ भी नहीं है अभी आपको पता चल जाएगा मतलब इतना तो पता चल गया ना स्टार्टिंग पार्ट एंड देन एंडिंग पार्ट इसके आगे ना कुछ इसके पीछे ना कुछ दैट्स वाइ सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट हुआ अगर ये अभी अगर मैं हटा देता तो भी वो चला जाएगा पूरा का पूरा ये होना जरूरी है नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज योर कैरेक्टर क्लास कैरेक्टर क्लासेस मतलब क्या नाउ सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक ये पर्टिकुलर फॉर एनी लोअर केस लेटर इसका मतलब ये है कि जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन करते हो तो ऑब्वियसली यूनिट समथिंग राइट लेट्स एग्जाम्पल यूजर नेम यू नो यूजर नेम में आपको बस ये कंडीशन चेक करना है कि यूजर का जो नाम है इट मस्ट बी स्मॉल लेटर एंड वो खाली ए से लेके जेड के बीच में ही होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं होना चाहिए तो उस केस में क्या होना चाहिए वो जो है आपका कैरेक्टर क्लासेस डिफाइन करता है जहां पे आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखना है ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके अंदर स्मॉल ए हाइफन जेड इट मीन ये अब आपका एक रेंज है कि आप ए बी सी डी इस तरीके से जेड तक लेके जाओगे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग मेरा ये है एंडिंग मेरा ये है अब कैरेक्टर क्लासेस में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको चाहिए तो हमें क्या करना होगा अब ये आई एम था पर टेक्निकल इतने सारे लिखने से बेटर क्यों ना एक ब्रैकेट ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग में लिखू है ना एंड यहां पे मैं बोलूंगा स्मॉल ए हाइफन जेड एंड अब मेरा काम हो गया ये कि अब क्या हो रहा है ये सॉरी oh, अंडरस्कोर चला गया यहाँ पे डेट्स वाई इट्स एंड अब मैं अगर यहां पे आपको दिखाऊं तो ए से लेके हाइफन जेड तक जितने भी मेरे कैरेक्टर्स है आप सबको सिलेक्ट कीजिए सिंपल इसका मतलब यह लेकिन अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं लेकिन आपको पता चल गया ना अगर आपको कैपिटल ए से लिख के कैपिटल डेड तो इस तरीके से आपको तो सिंपल इस तरीके से आपको लिखना होगा ठीक है आपको पता चल गया एंड यहां पे आप देख सकते हो जब मैं हवर करता हूं तो बता भी रहा है ध्यान से देखना ये देख लीजिए दिस इज योर कैरेक्टर क्लास मैच अ सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट इन दिस सेट अभी सिर्फ ये सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है मतलब कल के दिन अगर इसके नीचे में सिर्फ एक ए लिख देता या कैपिटल ए लिख देता तो ये मेरा मैच हो जा रहा है ये देखो ये मेरा मैच हो जा रहा है मतलब अब ये जो मैंने कोड लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन वो सिर्फ इन दोनों को एज ए ट्रू वैल्यू मान रहा है ठीक है आपको पता चल गया दिस इज योर कैरेक्टर क्लास उसी तरीके से वी हैव समथिंग कॉल्ड शॉर्ट हैंड इन कैरेक्टर क्लासेस जहां पे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर की चलो हम बात कर लेते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे uh, ये मेरे डिजिट है ठीक है अब कल के दिन में ये लिख सकता हूं कि जीरो हाइफन नाइन जीरो हाँ मतलब ये है कि मुझे मेरा जो नंबर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करना है जहां पे वो जीरो से लेकर नाइन तक होगा अब ये जो अभी हम कर रहे हैं ना यहां पे वो सिर्फ एक सिंगल को ही सिलेक्ट करने वाला फॉर फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे में चलता हूं मैं लिख देता एंड घूम गाइस सी ये देखिए फिलहाल अभी हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा उसका मतलब ये है कि या तो एक लोअर लेटर होगा या तो एक अपर कैरेक्टर होगा या तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट होगी दिस इज इट राइट एंड यहीं पर ही आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पार्टी को मैं एक शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकता था जहां पर अगर मैं स्मॉल डी लिखता हूं इट मीन इंक्लूड ऑल द डिजिट एंड वहीं अगर मैं कैपिटल डी लिखता हूं इट मीन्स एक्सक्लूड ऑल द डिजिट मतलब डिजिट को छोड़ के बाकी को सिलेक्ट करो समझ रहे हो इसका मतलब ये कि इसके बदले मैं फॉरवर्ड स्लैश अगर डी भी लिख देता तो भी मेरा ये काम करता तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ठीक है एंड उसी तरीके से अगर व्हाइट स्पेस की अगर हम बात करते हैं right? कुछ भी इतना लिख रहा है यूजर नेम तो मैं क्या चाहूंगा भाई ये स्पेस क्यों फालतू में लिख रहा है यूजर स्पेस होता है अब आप ये मत बोलिए कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं उसका एक सिंबल नाम था जहां उसके वो फालतू का लिखने चाह रहा था बट हमने इस तरीके से मुझे प्लेन चाहिए देन उस समय बहुत इजिली इंक्लूडिंग स्पेस टैप्स एंड देन लाइन ब्रेसेस ब्रेक्स के लिए अब हाइफन कर सकते हो। तो अब में जो से बहुत ही, ही है क्योंकि अभी तक हम जो भी कर रहे हैं कि यूजर क्या क्या इंक्लूड कर सकता है कौन कौन से टेक्स्ट कौन कौन से डेटा वो एड कर सकता है या लिख सकता है लेकिन कितनी बार लिख सकता है वो तो हमने बताया ही नहीं एंड दैट इज नथिंग बट योर रेंज उसी को हम बोलते क्वेंटिफायर तो डिफरेंट तरीके फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लस यूज करते हो इट मीन वन और मेनी टाइम्स वन और इन्फिनिट वो चीज कितनी भी बार आप लिख सकते हो लेकिन मिनिमम एक बार होना जरूरी है वही अगर आप एस्ट्रिक यूज करते हो इट में जीरो और मोर मतलब ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एस्ट्रिक मतलब आप कितनी भी बार कर सकते हो ठीक है एंड देन दिस रेंज सिलेक्टेड जहां पे कल ब्रेस के अंदर ये जो फर्स्ट वैल्यू है इट रिप्रेजेंट दी मिनिमम वैल्यू कितना तो होना ही चाहिए एंड दिस रिप्रेजेंट योर मैक्सिमम वैल्यू कितना से ज्यादा हाफ नहीं लिख सकते सो so, वी देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ बट दी मोमेंट में एक ऐसा वैलिडेशन आई मीन एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है जिसमें आप कैपिटल ए से जेड स्मॉल ए टू जेड एंड देन जीरो से लेकर नाइन के बीच में कितनी भी बार कुछ भी नंबर आता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ही मैं चलता हियर कुछ भी एंड नंबर देखो मेरा ये काम हो गया ना कितनी इजिली मैंने कि, मतलब बहुत औसम तरीके से लिख दी वहीं पर भी प्लस के बदले आप की यूज कर सकते हो तो भी ये आपका काम करेगा बस डिफरेंस ये कि प्लस वाले केस में एटलीस्ट एक, एक बार होना जरूरी है यू नो एंड एस्ट्रिक में ना हो तो भी चलेगा तो हम प्लस लिख के छोड़ देते हैं ठीक है ये आपको पता चल गया एंड ये रेंज है जहां पे आप रेंज भी इस तरीके से मेंशन कर सकते थे मिनिमम एक मैक्सिमम पांच ये देखो अब कोई भी ऐसा डेटा नहीं अब जब सपोज इसको मैं तीन कर देता हूँ तो ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि अब ये देखो गैप हो गया तो मिनिमम एक एंड देन मैक्सिमम पांच आप जा सकते हो ठीक है देन वी हैव दिस समथिंग कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा वी हैव मेटा कैरेक्टर जिनकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू है उनके पास खुद की कुछ स्पेशल uh, पावर्स होती है ठीक है लाइक इन रिएक्ट वी हैव अ क्लास जो कि बाई डिफॉल्ट एक रिजर्व क्यू वर्ड है That's why react, अगर आपने कभी काम किया होगा रियक्ट डॉट जिसमें तो अब इस टाइल करने के लिए हम क्लास नेम लिखते है हम क्लास नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी यह जो डॉट है लेट्स एग्जाम्पल uh, uh, की हमें एक ऑर्डिनेरी uh, डॉलर चाहिए कि भाई मुझे डॉलर वाला डॉलर नीचे मुझे सिंपल डॉलर चेक करना है कि डॉलर है या नहीं इस तरीके से एक ऑर्डिनेरी डॉलर लगेगा तो अब आप आपको इसको इस तरीके से बैक स्लैस यूज करना है जिसको हम स्केरेक्टर भी कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जब इसको रीड करे उसको बोले अच्छा ये एंड वाला डॉलर नहीं है कोई भी यहाँ यहां जाके एंड हो रही है ऑर्डिनेरी डॉलर सिंपल समझ लो तो ये जस्ट आपको आपको ध्यान में रखना जरूरी था सो so, ये जो बेसिक सिंटेक्स है वो पता चल गया होगा एंड यहां पे मैंने आपको पूरी कोशिश की ए टू जेड बताने के लिए अब मैं आपको एकदम इनडेप्थ एकदम डिटेल में गाइस समझाऊंगा कि आप ये ईमेल वैलिडेशन कैसे कर सकते हो एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है एंड अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा टारगेट सिर्फ हमारा लाइक से आई नो आप ये बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हो एंड एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो या गाइस अगर आप इतना बेसिक सिंटेक्स को भी समझ लेते हो इट इज मोर देन इनफ आप बहुत ईजिली रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम कर सकते हो एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स एनी परफेक्ट तो इतना आप समझ गए आपको प्रैक्टिस करना परफेक्ट हो right, yes. तो इतना हमने समझ लिया नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस एंड हमारा ये कोर्स जो खत्म हो जाएगा इसको मैंने एकदम सिंपल रखा कोई ये एकदम पहाड़ नहीं है माउंट एवरेस्ट नहीं जहां पे चढ़ने में हालत खराब होने वाली बस इतना ही है अब आपको बस प्रैक्टिस करना है एंड ये जो मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं ना इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सी नाउ हमें कैसे वैलिडेट uh, करना होगा सो इन ईमेल वी हैव समथिंग कॉल लोकल पार्ट then we have something called domain part and then we have something called your top level domain ठीक है तो uh, I hope आप, आप आपको पता चल गया होगा so हम हमारे question पे चलते finally mail address validation ठीक है so कैसे देखो तो uh, कुछ इन्होंने to do दिया जो कि बहुत ही ज्यादा important है the local part of the email address before the at can contain at least देखो हाँ guys अल्फा न्यूमेरिक होना जरूरी है देखो ये तो अब आप आपको पता चल गया दिस इज जो व्हाट कैरेक्टर क्लासेस जहां पे कैपिटल ए टू जेड स्मॉल ए टू जेड एंड नंबर जरूरी है देन वी कैन हैव ए स्पेशल कैरेक्टर्स डोंट वरी पे ऑलरेडी uh, मैंने बना के रखा हुआ है वी कैन हैव ए स्पेशल कैरेक्टर तो अब हमें ये एक्जैक्टली exactly नहीं आइडिया इनमें से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है तो मैंने इतने सारे रखे हुए हैं एंड इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे बहुत इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है एंड देन देूटिव पीरियड्स आर नॉट अलाउड इसका मतलब ये तो इसका सिंपल मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो एक दिख रहा है ये आपका वैलिड नहीं है बिकॉज यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव डॉट्स आ गए जो कि वैलिड नहीं है ठीक है एंड देन right. पे बता रहा है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट अपेयर एट द बिगिनिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिगिनिंग और द द एंड ऑफ लोकल पार्ट बिगिनिंग या एंड में वो नहीं आ सकते यू नीड टू मेक श्योर समझ रहे हो पेस्ट एंड एट द रेट में लिख देता हूँ ठीक है और लाइट right.

उट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट रेजेक्स वन ओ वन सब कुछ बता रहा है कि जब मैं हुआ करता हूं इट्स अरेक्टर क्लास एंड हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था वी हैव समिंग कॉल्ड कैरेक्टर क्लास वो माई गॉड सी मैंने कहा ना अब इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दिस इज योअर कैरेक्टर क्लास ऑल राइट ठीक है अब यहाँ पे बता भी रहा है कि यहाँ पे देखो ना इट्स अ कैरेक्टर क्लास मैच अल कैरेक्टर प्रेजेंट इन द लिस्ट Below A -Z. तो है ना कितना औसम लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए देखो ना यहाँ पे अभी तक कहीं पे भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं यहाँ पे आप देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब द मोमेंट मैंने कैपिटल में लिखा वो सिलेक्ट हो गया मतलब अब ये जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है आप ये कह सकते हो कि अगर आपको जस्ट ये चेक करना हो कि आपके इनपुट फील्ड में कोई कैपिटल लेटर्स लिख रहा है या नहीं एंड सिर्फ उनको कैपिटल लेटर ही लिखना है देन आप इतना लिख दो आपका काम हो गया क्योंकि देखो जब भी कैपिटल लेटर्स मिला उसने उसको हाईलाइट कर लिया अब सिर्फ इतने से चलेगा नहीं ए हाइफन जेड ये अब कैपिटल है ये स्मॉल है देखो इतने सारे मेरे सिलेक्ट हो गए इतने सारे मेरे सिलेक्ट हो गए अब मुझे आ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया होगा देखो आई गेस यहाँ पे आ, एक काम करता हूँ इस जगह पे इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ एक और एंड यहाँ पे मैं कुछ डिजिट लिख देता हूँ लेट से वन ओ वन ठीक है अब देखो ये जो डिजिट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसके लिए भी मुझे क्या लगेगा जीरो हाइफन नाइन सो ये हमारे कैरेक्टर क्लासेस है जिसके अंदर मैंने कैपिटल ए टू जेड स्मॉल ए टू जेड एंड देन डिजिट मैंने ऐड कर दी एंड डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट आप इसको हाइफन इस तरीके से डी भी लिख सकते हो तो भी आपका काम करेगा क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है राइट दिस इज योर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बट फिलहाल आपके लिए हो तो मैं इस तरीके से रख रहा हूं अब आपको पता चला होगा शॉर्ट हैंड का भी काम यहाँ पे आ रहा है ठीक हाँ है अब यहां चीज आपको ध्यान में रखना है वी कैन यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स Uh, जिस से मैंने रखा हुआ है वी कैन हैव अंडर स्कोर आई गेस परसेंटेज देन प्लस एंड देन हाइफन ये सब कुछ हम यूज कर सकते हैं समझ रहे ये सब के सब के चीज हम यूज कर सकते हैं बट इसके लिए मैं एक स्पेशल चीज आपको बताता हूँ नाउ बट नाउ अब मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ एंड दैट इज आपको इस तरीके से गाइस uh, लिखना है यू यू नो एंड देन हे नीड टू राइट अ क्वेश्चन मार्क एंड देन आपको एक कॉलन लिख देना इस तरीके से अब देखने क्या होता है अगर इस पे मैं होवर करता हूं सो so नाउ ये अब आपका बन गया है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप क्या ये नॉन कैप्चरिंग ग्रुप है इसका मतलब ये कि इसका होना ना होना उससे हमें कोई लेना देना नहीं है इसका सिंपल मतलब अगर ये हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये हमें लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब मुझे यहां पे एटलीस्ट एक डॉट लगेगा एटलीस्ट वी कैन हैव परसेंटेज एटलीस्ट वी कैन हैव वन प्लस ठीक है ये तो होना जरूरी आई I मीन mean, इतना तो भी ये एक होना जरूरी है ठीक है तब आप देखोगे कि मुझे इस तरीके से डॉट एम डॉट एम ये इस तरीके से मुझे ये मिल रहा है मतलब अब सिर्फ इतने ही वैलिड होंगे ठीक है एंड यहां पे अब मैं क्या चाहता हूं मैंने ये जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स आई मीन मैंने ये जो भी कैरेक्टर uh, क्लासेस के अंदर डिफाइन की है मैं चाहता हूं ये मल्टीपल टाइम्स हो याद है एंड उसके लिए हमने क्या देखा था ट्वेंटी प्लस यूज कर दी है अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लस ये सब के सब सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं बट अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पे ये जो पार्ट हुआ इसके बाद मुझे वापस यहाँ पे एक और ये अपना कैरेक्टर क्लास लगेगा जहां पे सेम ये जो चीज है इसको मैं कॉपी करूंगा मैं पेस्ट कर दूंगा ठीक है अब यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना इस पे मैं ये आ, कौन सा साइन यूज करने जा रहा हूँ एस्ट्रिक देखा क्यों मैंने ये एस्ट्रिक यूज की मैंने ये एस्ट्रिक इसलिए यूज किया ताकि मेरा ये जो पार्ट है नॉन कैचरिंग ग्रुप है ये अगर एक बार आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हजार बार आया तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर कोड आपको दिख रहा है गाइस ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने कैरेक्टर क्लास लिखा है इतना मेक श्योर करना जब भी आप कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हो एंड उसके बाद या तो प्लस या आ, कुछ भी एस्ट्रिक साइन नहीं देते हो इसका मतलब यह कि यह सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा यहाँ पे भी अगर सपोज ये एक बार आ गया है ना मैं एक और डॉट लगा दूंगा अब ये इनवैलिड या कुछ भी अगर मैंने सपोज ये प्लस भी लगा दिया तो अब ये इनवैलिड हो गया क्योंकि ये हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए ठीक है एक ही बार चाहिए मतलब यहाँ पे भी आप प्लस यूज कर सकते हो लेकिन ये कंजीक्यूटिव टॉप डॉट डॉट दो बार नहीं आ सकते इनवैलिड है ना आप लगाओ चलो यहां पे डॉट लगा दो नो no प्रॉब्लम लेकिन एक साथ दो बार नहीं आ सकते डेट्स वाई इसको हमने अलग रखा है यहां पे अगर मैंने यहां पे प्लस कर दी होती देखा प्लस कर दिया होता मैंने यहां पे मतलब वन और मोर टाइम्स तो ये देखो ये सब वैलिड हो गया तो नहीं भाई ये सिर्फ एक बार चाहिए मुझे खत्म इतना मेरा काम अब मुझे यहां पे एट द रेट लगेगा सिंपल एट द रेट लगा फिर से वही फंडा फिर से यही चीज यू नो एट द रेट में तो ऑब्वियसली आपका डिजिट तो आएगा नहीं ये इस तरीके से मेरा काम हो गया एंड यहाँ पे फिर से मैं प्लस कर दूंगा मतलब ये मुझे चाहिए फिर आप एक एस्केप कैरेक्टर एंड देन डॉट क्यों क्योंकि मुझे अब सिर्फ एक ही बार डॉट चाहिए एंड अब फाइनली ये जो मैं करने जा रहा हूँ बेसिकली हमारे डॉट कॉम उसके लिए ठीक है सो so यहाँ पे जाइए क्या ही करोगे <laughs> अब ऑब्वियसली डॉट कॉम है तो यही सेम पीस ऑफ कोड पेस्ट एंड हाँ अब मैं यहाँ पे एक अलग चीज बताता हूँ रेंज वाला जो कि आप इस तरीके से कर सकते दौट इन, दौट दौट हो मिनिमम टू क्योंकि डॉट इन डॉट को डॉट यू के हो सकता है बट मैक्सिमम जितना मर्जी करो भाई फिर ये देखो मेरा काम हो गया कितनी इजीली हमारा ये काम हो चुका है एंड यहाँ पे एक चीज आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है ये वाला इन वैलिड बता रहा है जबकि ये तो वैलिड है ये काम करते गए ये जो एट द रेट जीमेल वाला जो मेरा पर्टिकुलर पार्ट है ना यहाँ पे आप जीरो पॉमन नाइन भी कीजिए क्यों क्योंकि हो सकता है आपका ये जो डोमेन नेम में मे भी कुछ उन्होंने इंक्लूड किया हो ठीक है तो ये भी हो सकता है अब हम क्या करेगा ऐसे आप मुझे बताओ कि देखो सब कुछ सही है इतने सारे हमारे वैलिड भी हो रखे हैं जो कि सही है एक जगह पे प्रॉब्लम है द मोमेंट हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दे रहे तो उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ इश्यू आ रही है ठीक है अब हम एक काम ये कर सकते हैं ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है मैंने देखा यहाँ पे मैं प्लस यूज नहीं कर सकता लेकिन ये वाले जो पर्टिकुलर थिंग है इसको अगर मैं प्लस यूज कर दूंगा एंड बूम इससे अब आप देख सकते हो कि हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट हो चुका है यहां इसको सिलेक्ट नहीं की क्योंकि भाई स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता डबल कन्जिक्यूटिव हम लेके आ ही नहीं सकते तो जस्ट यहाँ पे आपको प्लस एड करना है ताकि ये जो ये मल्टीपल टाइम्स आ सके वन मोर टाइम अगर इसको मैं हटा देता तो ये वाले जो पर्टिकुलर पार्ट part है ये काम नहीं कर रहे थे बट अब अगर मैं प्लस यूज कर देता हूँ तो यहाँ पे सिंपल बस इतना ही है कि ये तो चलो एक ही बार आएगा बट ये तो आप कितनी भी बार दिखा सकते हो इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है सो so, या गाइस दिस इज इट ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन के रेडी है कॉपी कीजिए बोर्ड पे आइए है ना यहाँ पे कितनी इजीली हो चुका अपना ये काम सिस ईमेल ऑल राइट सो राइटर लेट्स गो विद है ना यहाँ पे गाइस स्प्रैट एरो फंक्शन आप दीजिए यहाँ पे आइए एंडिंग so no uh, कैरेक्टर uh, है राइट इतना तो आपको मालूम है राइट स्टार्टिंग कैरेक्टर यूर एंडिंग कैरेक्टर अब यहाँ पे आपको आपका कोड लिखना है इस तरीके से या आपने अपना कोड uh, इस तरीके से लिखा तो एक चीज बहुत ध्यान में आप रख सकते हो कि जब भी आप इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेस यूज करते हो वो आप में कुछ सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा ऑसम सेट ऑफ कोड है मैं आपको बताता हूँ ठीक है एंड दैट इज डॉट टेस्ट एंड उसके अंदर बस आपको ये जो लिख रहा हूं मैं ईमेल जो है आपको पास कर देना दिस इज इट सो गैस ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन चुका है जहां पे अब आप, आप अपने ईमेल को चेक करोगे मैं अगर यहाँ पे चलता हूं तो so इसको मैं एक बार क्लिन करता फिर से रन करता एंड बूम बुम सो इट्स ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड देन फॉल्स देखो बाकी जगह बहुत ही सिंपल बताएंगे लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना हो सकता था मैं इंक्लूड करूं एंड इसमें ये जो कैप्चरिंग वाला जो ग्रुप है आप देख रहे हो ना मतलब यहाँ पे सब बता रहा है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप दिस इज योर कैरेक्टर क्लास ये आपके रेंज मैथ जो भी हो रहा है ये आपके अक्टिफायर्स ये आपके क्वेंटिफायर्स ये तो आपका एक टेक्स्ट हो गया ये भी आपका एक टेक्स्ट हो गया मतलब समझ रहा हूँ मतलब ये आपका क्वेंटिफायर्स फिर से तो सब कुछ जो एक बेसिक सिंटेक्स आपको जानना जरूरी था ताकि आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ अपना काम को स्टार्ट कर सको तो वो फाइनली जो फाउंडेशन है वो आज इस वीडियो के थ्रू पक्का हो गया मैं ये आशा करता हूं आई हाईली रिकमेंड प्लीज इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा क्यों क्योंकि आज हम पासवर्ड वैलिडेशन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन तो अगर आप नॉर्मल पासवर्ड वैलिडेशन करते हो विद हेल्प ऑफ प्योर जावास्क्रिप्ट आपको बहुत सारे लाइन अप कोड लिखने पड़ेंगे बट विथ रेजेक्स सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना एंड आपका काम खत्म इतना पावरफुल है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ये कंपनी कंपनी में में बहुत बहुत सारे बहुं सारे क्या मोस्टली सभी एमएनसी इसका यूज होता है तो प्लीज आप इसको एकदम एंड तक देखिएगा एंड अगर आपको आता हो तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल वेलिडेड पासवर्ड दैट चेक्स इफ अ गिवन पासवर्ड स्ट्रिंग मिट दि फोइंग क्राइटेरिया और नॉट जिसमें से फर्ट वी है टू डू आई मीन नॉट टू डू इट्स मिनिमम लेंथ दी पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट एट कैरेक्टर कम से कम आठ कैरेक्टर लंबा होना जरूरी है लोअर केस लेटर होना जरूरी है एंड देन अगेन कम से कम हमारे पास एक न्यूमेरिक या सिंपल कह लीजिए एक डिजिट होना जरूरी है उसी तरीके से एट दी एंड में वी नीड टू हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर्स चाहे वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो लेकिन एक अपर केस लेटर एक लोअर केस लेटर एक डिजिट एंड एक स्पेशल uh, कैरेक्टर होना जरूरी है एंड इन सब का लेंथ मिला के कम से कम आर्ट होना जरूरी है ठीक है सो नाउ अब ये जो फंक्शन है बेसिकली ये जो वैलिडेशन वाला प्रोग्राम है ये हमें लिखना है हम इसको प्योर जॉब की मदद से भी कर सकते हैं एंड आई गेस में आई uh, थिंक वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट नाउ यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है So, हमारे पास से चार ऑप्शन से पासवर्ड के हमें देखना है कि कौन सा आ, करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है ठीक है तो उसी तरीके से इसमें बताना चाहूंगा वी हैव वन ऑसम वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं है मुझे लगा ये बहुत ही ऑसम प्ले ग्राउंड है आप लोगों के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ खेलने के लिए तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था एंड दैट इज कि अगर आप यू नो पैरेंथिस क्वेश्चन मार्क एंड देन कॉलन लिख देते हो एंड देन आप इसको हवर करते हो तो ये आपका बन जाता है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप जिसमें आप दो तीन ग्रुप्स को एक साथ ऐड करके अपना जो को कर सकते हो इन्होंने इसका क्या मतलब होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है उसी तरीके से आज हमें क्या चाहिए कि एटलीस्ट एक अपर केस एक लोअर केस एक डिजिट स्पेशल कैरेक्टर हो तो अब आपको ये सोचना है कि अब मैं क्या करूं अब मैं कौन सा सिंटेक्स लिखूं रेगुलर एक्सप्रेशन में जिससे ये जो मेरी क्राइटेरिया है ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए तो मैं बताना चाहूंगा समटाइम्स आपको ज्यादा नहीं सोचना है समटाइम्स आपको सबसे पहले तो सर्च करना होगा क्या रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसा कोई सिंटेक्स है जो हमें ये पावर देती हो कि वो सिंटेक्स में यूज करूं तो मिनिमम एक बार आने चाहिए वाला जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए ऑब्वियसली वी हैव वन जिसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं देखो इसमें सिर्फ आपको ये जो कॉलन है उसको हटाना रहेगा

अब यहां पर अगर मैं हवर करता हूं तो ये एक रेंज मैंने सेट कर दी है वी हैव अ पॉजिटिव लुक अराउंड लेकिन कम से कम से एक होना चाहिए वो हम कैसे डिफाइन करें तो उसके लिए आफ्टर इक्वल टू टू वी नीड हैव वन डॉट अब ये डॉट का भी अपना एक स्पेशल पावर है इन रेगुलर एक्सप्रेशन जिसका मतलब होता है एनी कैरेक्टर ये डॉट का मतलब है मैचेस एनी कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर देन उसके बाद हमें क्या चाहिए कि एक स्टार यहां पे लगेगा इस तरीके से सो so नाउ ये स्टार का मतलब ये है कि हमारा ये जो कैपिटल लेटर है इसके पहले कहने का मतलब ये है कि अब आप इस तरीके से ए ये भी लिख सकते हो या आप इस तरीके से आ, आ, पास लिख देता हो ठीक है तो इसमें हो क्या रहा है कि जब आप स्टार ऐड करते हो ना मतलब कि ये जो कैपिटल लेटर के पहले आप कुछ लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है एल्स अगर आप प्लस कर देते तो प्लस लिखने का मतलब ये होता कि एटलीस्ट एक कैपिटल uh, लेटर से पहले कुछ ना कुछ होना जरूरी है एक ना एक डेटा या कैरेक्टर का होना जरूरी है डेट्स वाई एनी लेटर डॉट मीन्स एनी कैरेक्टर देन यहां पे आपको स्टार पास करना है एस्ट्रिक पास करना इट मींस हो या ना हो लेकिन एक स्पेशल नॉट स्पेशल सॉरी एक अपर केस लेटर होना जरूरी है इसका मतलब ये होता है अब इसको वापस कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए अब इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल ए टू जेड आप ए टू आई मीन स्मॉल ए टू जेड लिख दीजिए मतलब अब एटलीस्ट एक स्मॉल कैरेक्टर का होना जरूरी है पेस्ट कीजिए अब एटलीस्ट जीरो से नाइन क्योंकि मिनिमम एक डिजिट भी होना जरूरी है इधर आप इस तरीके से लिख सकते हो एल्स हमारे पास एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है इज स्मॉल अगर आप लिख दोगे तो एनी डिजिट जीरो से नाइन बहुत सेम आप समझ रहे हो तो ये हम कर सकते हैं एंड साथ ही साथ बस एक चीज रह गया है एंड दैट इज फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स तो उसके लिए भी हमारे पास हैंड प्रॉपर्टी एंड इज़ बताया तो मतलब, बाकी जो कुछ भी है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है लेकिन एक चीज ध्यान में रखना ये इंटरव्यू वाले आपसे पूछ सकते हैं अगर आप इससे किसी नॉन वर्ड वाला ये जो शॉर्ट हैंड यूज करते हो तो इसके अंदर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है या नहीं ये आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपको बोलना yes, है यस सब है एक्सेप्ट एक को छोड़ के एंड दैट इज नथिंग बट योर अंडर स्कोर यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि नॉन वर्ड के अंदर आपका ये जो अंडर स्कोर है वो नहीं आता है सो दैट्स सॉय मैं यहां पे खुद से अंडर स्कोर एड कर दे रहा हूं एंड दिस इज इट अब एटलीस्ट एक अपर केस एक लोअर केस एक डिजिट एंड देन एक स्पेशल कैरेक्टर होना है एंड कितना होना चाहिए मैंने कल के दिन आपको बताया था दिस रिप्रेजेंट योर रेंज मैंने बोला मिनिमम मेरे को आठ चाहिए मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है खत्म ये देखो ये से जहां पे हम रेंज बता रहे बस यही है अब कैसे आप सोच रहे होंगे ये तो अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ तो एक चीज बताना चाहूंगा ये जो लास्ट में हमने क्वेंटीफायर जो पास किए क्योंकि हमने इतना सब कुछ लिख दिया है लुक अराउंड एंड जगह जगह हमने डॉट ऑपरेटर यूज किया इट मीन्स की कोई भी कैरेक्टर हो सकता है लेकिन जब मैंने ये क्वांटिफायर पास किया तो उसके पहले भी तो मुझे यहाँ तो इधर एस्ट्रिक्ट या तो मुझे प्लस या तो हमें यहाँ पे डॉट यूज करना पड़ेगा एंड बूम तो समटाइम्स आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा कि मैं क्या यहाँ पे यूज कर सकता हूं अब ये डॉट का मतलब सिंपल यही है कि कोई भी कैरेक्टर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट एक न्यू लाइन अब हो गया ना यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कंडीशन था एंड मैंने डॉट यूज कर दी इट मीन्स कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए तो इन चारों में से एक ना एक होना ही चाहिए एंड उसके बाद जो मैंने मिनिमम आर्ट का है वो कुछ भी लिख दो आप कुछ भी लिख दो लेकिन कम से कम आर्ट होना जरूरी है एंड ये देखो मेरा सेलेक्ट हो गया यहां पे अब अगर मैं यहां पे पासवर्ड लिख देता हूं ये काम नहीं करेगा पास कैपिटल डी लिख दू एंड वाई वन लिख दू ये भी काम नहीं करेगा लेकिन कुछ भी उल्टा फुलटा ये एंड एन एक स्पेशल कैरेक्टर एड कर दी एंड बुक गैस क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें फुलफिल हो रही है तो ये मेरा कोड रेडी है इसको मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे आता हूं कॉन्स्ट

बेसिकली जो भी पैरामीटर uh, है आई I मीन mean, जो भी आर्गुमेंट में पासवर्ड पास pass किया गया है उसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड दिस इज इट तो हमने हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है एंड हमने डॉट टेस्ट मेथड की मदद से ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो पासवर्ड है वो इसको फुलफिल कर रहा है या नहीं अगर नहीं करेगा तो फॉल्स करेगा तो ट्रू एंड मैं अब इसको रन करता हूँ so जो कि बराबर है एकदम ठीक है सो या गाइस दिस इज इट आज जिस वीडियो के ही होप आपको वीडियो पसंद आएगा क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक नॉन कैप्चरिंग ग्रुप क्या होता है आज ये वाला जो सिंटेक्स दिखने में कितना वेड है बट इट्स अ पॉजिटिव लुक अराउंड एंड इसकी क्यों हमें नीड पड़ी वो भी मैंने बताया डॉट का क्या मतलब है वो भी मैंने बताई हमने यहाँ पे ये प्लस यूज ना करके क्यों हम स्ट्रिक यूज कर रहे वो भी मैंने बताया एंड जस्ट कभी भी किसी भी स्ट्रिंग uh, में एटलीस्ट ये एक बार आना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया आंख बंद करो ये कॉपी पेस्ट करके लिख दो मैंने आपको बताया भी खाली कॉपी पेस्ट नहीं करके मैंने बताया भी इसका क्या मतलब होता है एंड ये क्वेंटीफायर आपको मालूम ही है देन हमने कल की वीडियो में देखा कि आप पासवर्ड को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर एंड एकदम अगर स्पेसिफिक बोलूं लाइक वी विल वैलिडेट इंडियन मोबाइल नंबर ठीक है क्योंकि अगर हम कंट्री वाइज देखें तो देन उनकी अपनी खुद की कंट्री कोड होती है देन उनका अपना खुद का एक रूल्स है सेट ऑफ रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना जरूरी है एंड दे आर लाइक टू हंड्रेड सिक्स कंट्रीज सबके अपने अपने रूल्स है तो उसके लिए गाइस uh, और ट्रिकी हो जाएगा बट वो आपके लिए चैलेंज है अगर आप कर पाते हो तो बेटर रहेगा या yeah. right. बिना किसी देर के अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव अ फंक्शन आई मीन वी नीड टू राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन इनपुट रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर एल्स फॉल्स

अब वो 6 से भी स्टार्ट होने लग चुका है सो so, हमारा जो नंबर एट और नाइन स्पेसिफिक आपको चेकआउट करना जरूरी है कि हमारा जो 6, 7, 8, उसके कुछ नहीं हो सकता इन वैलिड नंबर ठीक है बस यार ये दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है एंड uh, वी है मैंने ऑलरेडी रेजेक्स वन वन डॉट कॉम में एड करके रखा हुआ है तो सबसे पहले

आपका बेसिकली क्वेंटीफाइर भी कहलाता है ये तो यहाँ पे आपका ये काम हो चुका है तो अगर आप मोटा मोटा अगर ये भी लिखते हो तो भी ये एकदम वैलिड है कोई प्रॉब्लम नहीं बट यहाँ पे बस अगेन एक प्रॉब्लम आ गया is, कल के दिन अगर मोबाइल नंबर देखो ना एंड साथ ही साथ यहाँ पे फिलहाल तो आप ये नाइन डिजिट है बट अगर एक 5 लिख एंड बूम सी आप देख सकते हो तो कि ये भी वैलिड हो गया बट इन रियलिटी ये तो इन मोबाइल नंबर है बिकॉज द फर्स्ट डिजिट इज फोर रिक्वायरमेंट के अनुसार इट मस्ट बीधर सिक्स सेवन एट एंड देन नाइन तो उसके लिए भी आपको वापस से आपको ये आ, आपको ये कैरेक्टर क्लास यूज करना पड़ेगा देखो पे पे इसको हम कैरेक्टर क्लासेस कहते हैं जहां यू नीड टू राइट इस तरीके से एंड तब ये अब सिक्स सेवन एट एंड नाइन लिखने का मतलब ये है कि हमारा ये जो मोबाइल नंबर है इट मस्ट बी स्टार्ट विद इधर सिक्स सेवन एट और नाइन अब आप आप देख सकते हो कि ये जब मैंने लिखा एंड मैंने यहाँ पे दस लिख दिया अभी काम नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि स्टार्टिंग में इन चार में से कोई एक का होना कंपलसरी है अगर एक नंबर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके इंडियन मोबाइल नंबर में टोटल टेन होते जिसमें से एक मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी लेफ्ट से ये वाला ये uh, ये हम गाइस एक फन फैक्ट है आप इसको इस तरीके से कर ही नहीं सकते दूसरी <«Uneurs> ऑटोमेटिक होती है चलो ये मैंने हटा दी एक तो टोटल कितने बचे वी हैव टोटल लेफ्ट राइट तो यहाँ पे अब आपको दस ना लिख के नाइन लिखना होगा एंड दिस इज इट गाइस तो अब आप देख सकते हो कि इतने सारे मोबाइल नंबर में सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर वैलिड है एंड दैट इज ये फर्स्ट वाला क्योंकि ये फोर से स्टार्ट हो रहा है एंड ये दो नाइन से स्टार्ट हो रहा है आई मीन सिक्स से स्टार्ट हो रहा है एंड देन से स्टार्ट हो रहा है बट इनकी जो टोटल लेंथ है इट्स नाइन ओनली जबकि दस होना चाहिए था यहाँ पे प्लस आ गया तो काम नहीं है एंड यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये अगर आप लिखते है ये आपका काम करेगा एंड ये जो पर्टिकुलर पोर्सन इसको आप सिक्स नाइन भी लिख सकते थे बिकॉज ये ऑलरेडी आपका रेंज डिफाइन करता है so either you you like you can can write write like or it's totally up to you. and property आप digit को target करो देन and then d also ये जो आपका short hand है अगर आप ध्यान से देखते हो जीरो हाइफन नाइन का सिंपल राइट सो या का दिस इज इफ तो हमारा ये जो पर्टिकुलर रेजेक्स था वो कम्प्लीट हो चुका है फॉर आवर मोबाइल नंबर simply पुट दिस एंड अब ठीक है यहाँ पे उसको अप्लाई कर देते हैं सो इट्स अ अ वी हैव वैलिडेट इंडियन मोबाइल नंबर एंड मैं आशा करता हूं गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है बिलीव में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद सोचिए अगर आप नॉर्मल वेनिला जास्क्रूट की मदद से करते तो क्या नहीं करना पड़ता डॉट लेंथ चेक करना पड़ता फर्स्ट लेटर ये सिक्स से स्टार्ट हो रखनी फिर आपको गाइस ऑल या एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ता या तो ये चुटकी में हो गया आप समझ रहे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है यार ये तो कुछ नहीं बट बिलीव में जब आप कंपनी में जाओगे तब आपको एम पता चलेगी इसकी सो गाइस प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक like एंड दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा ठीक है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज लाइक मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न आपको इतना मिक्स्योर करना है कि दो बैग स्लेस आपको देना जरूरी है देन कैरेट सिंबल इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन डॉलर सिंबल इट्स द एंड ऑफ द आवर रेजेक्स जो भी है regex का हमारा है ये कोड है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ

जिसमें से देखो ये तो जीरो हो गया ये क्या हो गया भाई इसको एक दो तीन चार, चार। इसमें शायद नौ है देखो ना दो दो चार से ज्यादा सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा नाउ लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी लाइफ में इजी हो गई ये कोई भी मोबाइल नंबर वैलिडेशन पासवर्ड वैलिडेशन ईमेल वैलिडेशन बचा आपका यूजर नेम वैलिडेशन एंड दो तीन और एंड हमारा जो हाफ सेंचुरी होगा ना मैं कंप्लीट एक वैलिडेशन के ऊपर वीडियो वीडियो लाने वाला ठीक है all guest, अब हम बिना किसी देरी के को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हो तो आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो एल्स अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा मतलब प्योर वेने की मदद से सो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग ठीक है अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है एक्सट्रैक्ट ऑल द नंबर्स फ्रॉम स्ट्रिंग

इसके आउटपुट आने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके है लेकिन आपको जो आउटपुट चाहिए कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए जहां पे अगर कोई नंबर प्रेजेंट होता है इन आवर केस जैसे हमारे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये यह जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ठीक है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर वन टू थ्री जो है ना ये वन टू थ्री ये कंजीक्यूटिव लाइक वन आफ्टर दी अदर लाइक बेसिकली एक के बाद एक आ रहा है ठीक है तो हमें इनको एक ग्रुप बनाना है यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ग्रुप है तो आप कह सकते हो कुछ वो आपका ऐसा होना चाहिए उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो एक पर्टिकुलर पोर्सन है तो इसका एक ग्रुप कुछ ऐसा बनना चाहिए यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर फिर ऐसा आ जाएगा one, two, three, हम ऐसे सिंगल हम ऐसे ग्रुप नीचे अगर एक के बाद एक आ रहा तो उनका एक ग्रुप चाहिए एंड देन कॉमा एंड देन फिर ये समझ गए क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे वन टू थ्री निकालना वो इजी है बट ये वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये अब मैं कैसे करूं समझ रहे हो सो गाइस बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस अभी ये जो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन इन ट्वेंटी मिनट्स है सॉरी ये क्रैश कोर्स इसको आप एक बार जूट चेकआउट कीजिएगा आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी सो आई होप आपने एटलीस्ट वो वीडियो चेकआउट किया होगा तो पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई टू गाइस आप वीडियो को अभी के अभी कीजिए पॉज एंड खुद से सोचिए कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ एंड आपके लिए बेस्ट पार्ट है कि इधर आप प्योर वेनिलास्क की मदद से करना चाहते हो तो भी वेलकम ठीक है लेकिन आपको बहुत ही लंबा कोड लिखना पड़ेगा

आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग्स है सिर्फ दो रखे मैंने सिंपल ठीक है तो आपको ये देखना है कि हम ऐसा क्या रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे जिसके चलते हमारे जो भी डिजिट्स से, है वो सिलेक्ट हो जाए इफ यू रिमेंबर कल के दिन हमने मोबाइल नंबर किया था मोबाइल नंबर भी तो एक डिजिट था ना तो हमने क्या लिखा था बैक स्लैश एंड देन डी एंड गाइस सी द मोमेंट में सिर्फ इतना लिखता हूं तो चाहे जो भी हो मेरे ये जितने भी डिजिट है वो सिलेक्ट हो, हो गए ठीक है मतलब इतना लिखूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा तो अभी मैं इतना लिख लिखता हूँ मैंने क्या कहा था सिर्फ एक लेटर आपका काम तमाम यहाँ पे देख लीजिए सो व्हाट आई विल डू इज विल बी इक्वल टू ये जो सॉरी uh, यहाँ पे नहीं कर सकता रेजेक्स लिखना पड़ेगा सो अगर सिंपली आपको दो फॉरवर्ड तो लिखना ही पड़ेगा ठीक uh, <laughs> <carrot, laughs> है ये स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग आपका बताता है बट इसके हमें नीड नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे डायरेक्टली इतना कैपेबल है है ये ये बस आप आपको वो जो पर्टिकुलर डिजिट पास कर देना इस तरीके से एंड आप मल्टीपल चाहते हो ना डिजिट तो हमें ग्लोबल फ्लैग पास करना ही पड़ता है ठीक है इतना हमने पास कर दिया अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि ठीक है मैंने तो एक ऐसा क्राइटेरिया लिख दिया ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी है जो जहां पे भी आई I मीन mean, कोई भी स्ट्रिंग हो उसके अंदर अगर नंबर प्रेजेंट होंगे तो ये पता लगा लेगा लेकिन ये अपने आप तो पता नहीं लगाएगा हमें कुछ तो ऐसा मेथड या कुछ तो भी करना पड़ेगा ना कोड लिखना पड़ेगा सो so गाइस मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा मेरा ये जो पार्ट वन है का इसमें हमने स्ट्रिंग वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है उसको आप एक बार चेकआउट कीजिएगा उसमें आई I मीन mean, किसी भी चीज में वो पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है या नहीं जब वो पर्टिकुलर चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे तब मैंने दिखाया था बहुत सारे मेथड है इनके पास एंड स्पेशली यहाँ पे हमें डेटा किस में चाहिए एरे में तो एस टी आर में ऐसा कौन सा मेथड है जो एक तो चेक भी कर रहा है ऊपर से जो डेटा वो एरे में भी रिटर्न कर रहा तो है वो रेजेक्ट आपको पास कर देना भरे पड़े है ना? तो अब बस आपको रन करना है एंड बूम का इससे मेरा काम हो गया बट देर इज प्रॉब्लम एंड ये एक कोड लिखने से मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं आ रहा है मुझे क्या चाहिए था मुझे ये चाहिए था जैसे यहाँ पे वन टू थ्री जो है अगर वो एक साथ आ रहा है तो मुझे वन टू थ्री को एक एलिमेंट बनाना है एंड देन ये जो फोर फाइव थ्री था ये मुझे दूसरा एलिमेंट बनाना है ठीक है आपको सोचो दैट्स वाई मैंने कहा ना रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको ये पता चलता है कि कैसे कम वर्ड्स या कैरेक्टर्स लिख के भी आप चीजें मतलब गेट कर सकते हो है ना अब यहां पे एक ऑसम चीज मैं आपको बताता हूँ अगर आपको याद हो हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो था हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्रैश कोर्स जो था इसमें मैंने बहुत चीजें बताई थी जिसमें से एक था आपका ट्वेंटी जहां पे वी हैव अ प्लस एंड देन वी हैव दिस एस्ट्रिक ठीक है तो अगर आप प्लस सेलेक्ट करते हो तो प्लस का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ देखना यहाँ पे बराबर बताया है अगर आप प्लस यूज करते हो देन इट मैचेस वन और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन वन और मोर प्रीसीडिंग टोकन तो जो हमें चाहिए था तो वो हमें ये करके दे रहा है मैंने कहा ना हर चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है इस यहाँ पे समझ रहे हो ना हर चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है इट जस्ट आपको देखना है कि वो चीज हम कैसे कर सकते देखो सिंपल है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस ऐड कर देता हूं नाउ इट विल मैच वन और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन ठीक है अब अगर मैं पे रन करता एंड बूम गाइस ये देखो मुझे जो चाहिए था मुझे मेरा आउटपुट आ गया आई होप आपको दिख रहा है सबको दिख रहा है सो so गाइस कैसे लगा आपको आज का वीडियो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन यू एर एल वैलिडेशन मतलब बहुत सारी चीजें जो मैं लेके आऊंगा एंड एट द एंड में मैं मैं एक एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको वैलिडेशन करके दिखाऊंगा जो कि आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है ठीक तो तो है सो so, आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा क्वेश्चन कोड एक्जेक्ट एसिमल का जो कलर कोड होता है उसको हमें वैलिडेट करना है कि ये वैलिड है या नहीं

ठीक है एंड साथ ही साथ उसके बाद जो दस ग्यारह बारह होता है ना तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन आपको उसके बदले फ्रॉम ए टू एफ ए से लेके अब तक लिखना रहता है दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ए बी सी डी ई e, एफ इस तरीके से आपका ये रहता है ठीक है तो आपको क्या कुछ इस तरीके से समझना है एंड हम सोलह इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये चलो आई होप आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा जीरो से लेकर नाइन और ए से लेकर आपके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो इधर ये तीन होना चाहिए या तो का होना and starting में आपका होना मैं आशा करता हूँ आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है दूसरा एग्जाम्पल ये रख देता हूँ मैं ठीक है एंड एक और एग्जाम्पल इसी को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ ठीक इसके नीचे एंड uh, इसी को ही कॉपी करके एक यहां पे रख देता हूँ लेकिन एक वो इस तरीके से होगा ऑलराइट सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस की uh, सबसे पहले तो मुझे इधर इधर या या तो इधर तीन या तो ठीक है सो वी हैव दिस कैरेक्टर क्लास आप देख सकते हो यहाँ पे जहां पे मैं बोलता हूँ uh, मेरा होना चाहिए कैपिटल ए से कैपिटल एफ या तो स्मॉल ए से सॉरी या स्मॉल ए से स्मॉल एफ क्यू मैंने जेड तक नहीं ली क्योंकि हमें आ, एक्स वाई जेड ये सब चाहिए नहीं हेक्स कलर कोड में ये नहीं आते कभी भी वो सिर्फ ए से लेके अब तक आता है एंड डिजिट हमारा जीरो से लेके नाइन तक सिंपल ये मुझे कितने चाहिए ये मुझे चाहिए होंगे छह या तीन लेट्स गो विथ थ्री एंड अब इतना अगर मैं करता तो आप देख सकते हो कि ये जो है इतना इतना हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे ये 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 एंड देन ये हाईलाइट हो चुका है अब यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर दे रहा हूँ सो नाउ इट्स और ऑपरेटर हाँ और ऑपरेटर आपको आई होप मालूम है से ये अगर ये। एक भी ट्रू हुआ तो हमें आउटपुट आ जाएगा ट्रू अब यहाँ पे सेम इस को पे कर दूंगा बट नाइम गो विथ सिक्स तो अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो क्या ये देखो ये एक सेवन जो है यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हुआ दूसरा यहाँ पे ये जो फाइव है ये सिलेक्ट नहीं हुआ इट मीन्स की ये इन वैलिड है ये इनवेलिड है, है बाकी के दो से इधर तीन या तो छ बस इतने ही चाहिए इससे ना कम ना इससे ज्यादा और ये ही होने चाहिए तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो जैसे डिजिट को हम गाइस डी से दिखा सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसको हम वर्ड्स के थ्रू भी दिखा सकते थे लेकिन फिर उसमें मुश्किल आ जाएगा तो इसको आप इस तरीके से करके डी कर दीजिए ठीक है ये भी आपका काम करेगा ऑनलाइन तो अब आपको इसको कॉपी करनी होगी यहाँ पे चलता हूं ठीक है सो इट्स अ अस्ट जूम कर देता हूँ वी हैव अ वैलिडेट हेक्स कलर कोड ठीक है एंड यहाँ पे हेक्स कलर कर देता हूँ मैं एंड डायरेक्टली मैं रिटर्न लिख देता हूँ इस तरीके से ये एंड वी हैव अ टेस्ट वाला मेथड अभी तक हम पिछली वीडियो में तो देख ही रहे ये जो हेक्स कलर है वो मैं पास कर देता हूँ लेट्स रन एंड ओ माई गॉड सभी के सभी ट्रू क्यू ओ माई गॉड सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है ठीक है एंड आई नो आप समझ चुके आई जस्ट रिले की यहाँ पे ये यह हाइफन आना चाहिए ठीक है ये हाइफन आना चाहिए एंड uh, एक और चीज uh, मैं बताना चाहूंगा कि हाइफन के साथ साथ यहाँ पे वी हैव दिस हैशटैग ना हैशटैग भी तो है तो इसको हटाओ ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको ऐसे करो एंड अब यहाँ पे हम चलते हैं एंड देन हैशटैग लगा देते हैं लेट चेक इट आउट क्या होता है इसको मैं हटाता हूं इसको मैं रन करता हूं तो मुझे अब स्टार्टिंग के तीन ट्रू बट क्यूं? जी जी फिर भी ये जो पर्टिकुलर वाला जो एक चीज है इसमें तो टोटल सेवन कैरेक्टर है या सेवन डिजिट है ये, ये ट्रू कैसे आ सकता है तो मैं आपको बताता हूँ देखिये यहाँ पे एक तो हमने ये जो

ना ये सिलेक्ट हो रहा है समझ रहे हो तो ये आपका बताता कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरा एंडिंग पॉइंट ये है इसके आगे ना कुछ इसके पीछे ना कुछ वरना पहले क्या हो रहा था अगर ये मैं ऐड नहीं करता ये देखो देख रहे हो ये देखो सभी के सभी हाईलाइट हो गए बट द मोमेंट मैंने डॉलर यूज की अब ये सब हाईलाइट नहीं हुए तो मैं कॉपी कर रहा हूँ ये मैंने पेस्ट कर दी सो सोस अब अगर इसको मैं रन करूंगा एक सेकेंड इसको क्लीन करता हूँ Yeah, बट so, आप इन रियलिटी ये क्योंकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन कर रहे अगर आप जाक्रिप्ट के थ्रू करो जरा इसको कैसे करोगे मुझे बताना कमेंट करके प्योर वेनिला के थ्रू तब देखना कैसा होता है ठीक है बट हमने रेगुलर एक्सप्रेशन सीखा समझा तभी अब हमें धीरे धीरे सब इजी लगने लग रहा है एंड आप देख सकते हो पावर यार रेगुलर एक्सप्रेशन तो कसम से सच में कितनी इजीली कोई भी वैलिडेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दे रहा है ठीक है आज का वीडियो होने जा रहा है वी नीड टू वैलिडेट द डेट फॉर्मेट ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट नहीं यूज होता हम मतलब पैदा होते ही बच्चा कौन से तारीख को पैदा हुआ खत्म उधर ही खत्म उधर ही डेट आ गया उसके बाद फिर स्कूल वैलिड स्कूल वैलिडेशन बोलो स्कूल में एडमिशन कराना हो पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन कराना हो आपका आधार कार्ड कराना हो जॉब लगे वहां पे आपका डेट पूछे यू नो आपने कौन से ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की डेट यूज नहीं होता तो डेट वैलिडेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो अगर बिना किसी देर का हम वीडियो को स्टार्ट करते देखो वैलिडेशन करने के बहुत सारे तरीके लेकिन उनमें से एक सिंपल तरीका है विद हेल्प ऑफ प्रेजेक्स जो भी रेजेक्स समझ लेता उनको फिर गाइस वैलिडेशन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे रेजेक्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं तो अभी तक उनको भी चेकआउट नहीं किया तो जोर चेकआउट कीजिएगा बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रॉम डे नंबर फोर्टी या फोर्टी से मैंने कम्प्लीटली पूरा रेजेक्स ही रखा हुआ है क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे इसको जोर चेकआउट कीजिएगा ठीक है गाइस तो गाइस मैं चाहता हूँ कि पहले तो आप रेजेक्स को अच्छे से समझिए एंड देन उसके बाद अभी वीडियो को कीजिए पॉज एंड आप खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि हमें ये जो डेट का फॉर्मेट है उसको आज हमें चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में रखा जैसे कि जीरो वन से लेके थर्टी वन तक होना चाहिए आपका ये जो भी आ, एक सेकेंड पहली बात तो यहाँ पे है कि मंथ का जो वैलिडेशन है वो जीरो वन से लेके वन टू तक होना चाहिए मतलब जीरो वन आपका जनवरी होगा एंड जो वन टू होगा वो आपका दिसंबर के लाएगा ठीक है अब वन थ्री नहीं करना तो आपको एक वैलिडेशन अब यहाँ पे रखना है कि कैसे मैं जीरो वन करू एंड देन ट्वेल्व तक लेके जा सकू मतलब जीरो वन जीरो जीरो फोर टेन इलेवन ट्वेल्व इतना आप यहाँ पे जीरो जीरो उसको नहीं कर सकते तो ये वैलिडेशन आ गया एंड देन उसके बाद आप वैलिडेशन देख सकते हो कि हमारा जो मंथ है वो जीरो वन से लेके थर्टी वन तक होना चाहिए क्योंकि थर्टी वन से ज्यादा तो होगा नहीं और जीरो वन से कम होगा नहीं तो ये आपको ध्यान में रखना है उसके बाद तो लेटर ऑन कोई मंथ ऐसे होते जिसमें से तीस दिन और रह रहते हैं इवन लीप ईयर में तो वी हैव लाइक अट्ठाइस दिन या आई गेस या सॉरी ट्वेंटी नाइन डेज एंड देन बाई डिफॉल्ट बाकी फेब्रवरी का महीना अट्ठाइस रहता है तो ये सारी चीजें ऑप्शनल है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते में आपका जो ईयर का वैलिडेशन होगा वो आपको कंडीशन से तो पॉज आप कीजिए आपने नहीं किया था एंड इसको ट्राई कीजिए कि आप हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट कैसे इसको टैकल कर सकते हो तो आप देख सकते कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डेट्स के फॉर्मेट रखे हैं अब हम बिना किसी देर के इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वी है अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम ये जो पर्टिकुलर रेंज इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके माइंड में आ रहा होगा वन एंड देन ट्वेल्व जो भी हो हम इसको ऐसे भी कर कर सकते थे जीरो फाइव फॉरवर्ड स्लैश बारह फॉरवर्ड स्लैश इसको मैं फोर फाइव डबल जीरो कर देता हूँ ठीक है ये हम ये कर सकते हैं अब ध्यान से देखना यहाँ पे किसी भी तरीके से हम जीरो आगे लगाने वाले हैं तो अगर आप सोच रहे हो कि जीरो से लेके ये तो बेसिकली नाइन भी हो सकते हैं यहाँ पे है ना ये भी हो सकता है तो जीरो से लेके नाइन तक कोई एक वैल्यू है ना ये रेंज हम लगा देते एक का एंड देन दूसरा ये जो है टू वाली जो पार्ट थी इसको हम कर सकते हैं देखो अब ये जो टू है ये तो मंथ यहां इतना याद रखना जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है ठीक है वहां पे कैसा रहता है कि ये जो फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है डेटा ये बेसिकली आपका डे नहीं है बिकॉज इन इंडिया वी हैव लाइक पहले डे फिर मंथ एंड देन क्या आता है आपका ईयर आता है ठीक है एंड इवन यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं एक सेकेंड तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो पर्टिकुलर जगह पे देखिए जरा क्या लिखा है पे आज सोलह तारीख और पांचवा महीना ठीक है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल में पांचवा महीना इवन हमारे जो ये विंडो पीसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपने कभी नोटिस की ना आई मीन I mean, की होगी या नहीं लेकिन स्टार्टिंग का जो डेट का जो फॉर्मेट है वो आपका मंथ है आप कहीं आप ऐसा ना कर दो कि यू नो जल्दबाजी में किसी ने डेट पूछा ना आप महीना बता दो ऑफ डेट क्योंकि इंडिया में हम क्या करते हैं हम सोलह लिखेंगे पहले फिर पांच लिखेंगे फिर दो हजार चौबीस लिखेंगे तो इसको आपको ध्यान में रखना कि इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है ठीक है ऑल आइड तो आप समझ गए होंगे एंड यहाँ पे आप क्या लिख दोगे फिर से अब वही है ये तो आ, या तो एक होगा या तो दो होगा सर एक या दो भी नहीं यहाँ पे वो दस भी तो हो सकता है कुछ इस तरीके से एंड ये भी एक आपके माइंड में कुछ ऐसा रहा होगा एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अब एटलीस्ट जीरो से नाइन के बीच और या तो वो एक या तो जीरो या तो वन या तो टू अब बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन हो गया जीरो से लेके जीरो एंड मैक्सिमम जाएगा वो नाइन्टी टू तक लेकिन ना तो मुझे जीरो से लेके जीरो चाहिए ना तो मुझे नाइनटी टू चाहिए तो ये गलत है समझ रहे हो ये जो हमने कंडीशन की इसमें ये वाला जो मैंने अभी लिखा ना जीरो जीरो एंड देन नाइन एंड देन टू ये भी पॉसिबल है इवन नाइनटी टू क्या ये इवन ये भी पॉसिबल है यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो फिफ्टी टू या फिफ्टी वन या फिफ्टी मतलब समझ रहे ये वाले रेंज पॉसिबल हो जाएंगे यहां पे तो ये हमें नहीं चाहिए तो मैं आपको बताता हूं हम क्या कर सकते हैं सो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग आपका ये जो भी कैरेट है बट इसको हम मेटा मेटास्केप बोलते क्या बोलते हैं मेटास्केप जो कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द लाइन बता रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका लाइन स्टार्ट हो गया अब नो मैटर वॉट आपको जीरो तो लगेगा ही लगेगा ठीक है जीरो लगेगा ही लगेगा एंड जीरो की जो वैल्यू है वो आपको लगने वाली है मैं यहाँ पे बता देता हूँ जीरो वन जीरो वान होगा, जीरो टू हो सकता है जीरो जीरो फोर जीरो फाइव जीरो सिक्स जीरो सेवन जीरो, जीरो एट एंड बेसिकली स्पेस तब नहीं देना चाहता जीरो नाइन ठीक है अब यहाँ पे जीरो वन वापस हो रिपीट हो जाएगा तो एटलीस्ट मुझे जीरो वन से लेके जीरो नाइन तक तो मेरे को चाहिए एनी हाउ उसके बाद दस ग्यारह एंड देन बारह तो ये जो है या तो ये या तो ये ये दो कंडीशन मुझे देना ही पड़ेगा ठीक है ये दो कंडीशन मुझे देना ही पड़ेंगे नो मैटर अब तो जीरो मुझे चाहिए उसके बाद आप ब्रैकेट दो ये आपके कैरेक्टर क्लास है जिसमें आप बोल दो जीरो वन भी हो सकता है जीरो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड देन भी हो सकता है ये मेरा पहला कंडीशन ट्रू आप देख सकते हो ये जो जीरो फाइव है ये सिलेक्ट हो गया एक मैच हो गया बट वहीं ये बारह मैच नहीं हो रहा है अब और ऑपरेटर लगाओ और ऑपरेटर लगाओ एंड ये बोलो कि अब क्या बचा मेरे पास ध्यान से देखना मेरे पास स्टार्टिंग में वन वन एंड देन वन उसके बाद फिर भी चाहे वो जीरो हो या टू हो मतलब नहीं है तो स्टार्टिंग में वन होना जरूरी है और रेंज मेरा जीरो से लेके दो तक है अब यहाँ पे वन हो सकता है लेकिन रेंज में जीरो से लेके दो ही हो सकता है अब बराबर वन टू वन वन जीरो फाइव ये मेरा ही सिलेक्ट हो गया मेरा पहला कंडीशन ट्रू एंड एक काम कर सकते हो आप इसको एक ग्रुप बना सकते हो इसको आप एक ग्रुप बना के ऐसे ऐड करके छोड़ सकते हो अब ग्रुप बना दिया इसका मतलब यह है कि कहीं और से नहीं होगा ये एक साथ होना चाहिए ये देखो बराबर स्टार्टिंग में, में मेरा ग्रुप है जिसमें ये दो सेलेक्ट हो गए तो ये मेरा डेट बन गया अब वी नीड वी नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर स्केप ठीक है ये बैक्सलेस अब मैं डायरेक्ट लगता है मेरा सारा खेल खराब हो गया ये काम नहीं करेगा क्योंकि इन सब का अपना खुद की एक स्पेशल मीनिंग है इन रेजेक्स तो अगर आपको ऑर्डिनरी बैक स्लैश चाहिए देन यू नीड टू यूज यूज दिस फॉरवर्ड स्लैश द मोमेंट आप एस्केप कैरेक्टर करते हो उसके बाद अगर आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दोगे तो आप उसका यूज कर सकते हो तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है एंड देन ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है ये मेरा परफेक्ट हो चुका है नाउ वी नीड टू वैलिडेट ये वाला पार्ट जो कि आपका क्या है एक यहाँ पे जीरो फाइव के मध्य वन फाइव कर देता हूं ये आपका क्या है अब ये आपका डेट है डेट ठीक है अब ध्यान से देखना जो आपका डेट होगा वो भी जीरो और थर्टी वन में जाके खत्म होगा उस बीच क्या सकता है जीरो के केस में ठीक है ये खत्म आई मैं I नहीं mean, चलो यही कर देते इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते जीरो नाइन ठीक है उसके बाद क्या स्टार्ट होगा आपका दस स्टार्ट होगा दस से लेके कि कितना तक जाएगा वो एक नौ तक जा सकता है एक नौ तक जा सकता है फिर आपका बीस स्टार्ट होगा जो कि आपका ट्वेंटी नाइन तक जा सकता है है ना ये हो सकता है ये हो सकता है ठीक है अब उसके बाद बचेगा आपका थर्टी थर्टी वन खत्म अब उसके बाद कुछ नहीं होगा थर्टी टू नहीं होगा तो ये तो बहुत क्लियर है कि स्टार्टिंग का थ्री रेंज में मैं बोल दूंगा इधर जीरो या वन चलो ये मेरा हो गया ये तो हमने अभी जस्ट करके देखा था ये तो अभी हमने किया है ना जिसमें बोलूंगा स्टार्टिंग में जीरो रेंज में एक से लेके नौ लेकिन अब इसका भी चाहो तो आप वही चीज कर सकते हो और ऑपरेटर लगाओ यहाँ पे फिर इसका वही चीज कर दो कि वन एंड देन रेंज में आपका आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से जीरो से लेके नौ ठीक है एंड यहां पे फिर वही सेम चीज टू एंड देन रेंज में आपका जीरो से लेके नौ अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है यहाँ पे आप जीरो और जीरो नहीं कर सकते जीरो और जीरो नहीं कर सकते यहाँ पे आपको लिखना होगा इसमें एक चीज देखो ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है एंड देन ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्सन है बोथ आर सेम सेम अगर ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक करके लिख सकता हूँ इसको एक करके लिखने का मतलब ये है कि मैं वन एंड देन टू बारह हो जाएगा तो मैं इससे वन एंड देन टू लिख दूंगा एंड देन मैं ब्रैकेट में जीरो और नाइन लिख दूंगा तो ये लिखना और ये दो लाइन ऑफ कोड लिखना बोथ आर सेम इधर आप ये भी लिखो तो भी चल जाए एल्स आप ये लिख सकते हो जिसमें एक जीरो एक नाइन टू जीरो टू नाइन ये बारह नहीं है बहुत सभी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे बेसिकली कन्फ्यूज हो जाएंगे एंड इवन भी फर्स्ट टाइम कंफ्यूज ही हुआ तो मुझे भी लगा यार हमने क्योंकि मुझे पता क्या लगा लिटरली देखो अभी हम जो समझ रहे थे या तो जीरो वन हो सकता है जीरो टू बेसिकली नाइन तक हो सकता है मुझे लगा वन ट्वेंटी होगा या वन ट्वेंटी वन होगा या वन टू नाइन समझ रहे हो मतलब मुझे कुछ वैसा लग रहा था कि 120 से लेके हम हमें ये बेसिकली 129 तक आएगा क्योंकि रेंज वही है 12 होगा इधर एंड यहाँ पे जीरो से लेके 9 के बीच में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं बट इन रियलिटी ये 12 नहीं है इट्स वन एंड देन ये बाकी के हमारे रेंज एंड देन टू ये हमारे रेंज इट मीन्स इधर ये आपका टेन हो सकता है या नाइनटीन जा सकता है एंड वहीं दूसरा अगर आपका ये ट्वेंटी जा सकता है या तो ट्वेंटी जा सकता है तो इस तरीके से एंड ये तो बोलने वाली नीड ही नहीं है ठीक है तो फर्स्ट आपका जो है मैंने बताया रेंज दैट इज जीरो वन हो सकता है एंड जीरो नाइनटीन भी हो सकता है जीरो जीरो नाइनटीन नहीं होता सॉरी जीरो नाइन भी हो सकता है जीरो वन जीरो से ठीक है एंड अब दूसरा एक डेट का फॉर्मेट ही हो गया एंड हम और ऑपरेटर इसलिए लगा रहे ना क्योंकि हमें तो सिर्फ वैलिडेट करना है अगर किसी का भी डेट अगर इस रेंज में आता तो वो ये वैलिडेट कर देगा अब किसी का भी रेंज अगर 10 तारीख से लेके 29 तारीख तक है उनके लिए ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है ये वैलिडेट कर देगा अब बचा खाली ये वाले रेंज के बच्चे जिसने 30 और इकतीस लिखा था उनको ये वैलिडेट कर देगा अब यहाँ पे देखो ना कुछ भी इधर उधर के भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो इधर उधर के सिलेक्ट ना हो एंड आफ्टर ये जो बैक स्लैश है खाली एक जो ग्रुप है वही सिलेक्ट हो तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये एंड देन ही सिप सिलेक्ट हुआ पंद्रह नहीं हुआ ना पैंतीस हुआ ना जीरो वन हुआ समझ रहे हो अब रही बात ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है इसको अब हमें सॉल्व करना है जो कि आपका बोल रहा 19 20, है फ्रॉम लेके टू जीरो नाइन नाइन तक अब ऑब्वियसली एक चीज हम देख सकते हैं कुछ हो ना हो इधर नाइनटीन या इधर ट्वेंटी इधर नाइनटीन या इधर ट्वेंटी अब यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ तो चलो दो थे तो मैंने बारह लिख दिया अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे भी चलो एक काम कर देते यहाँ पे भी क्यों इधर इधर है 20 है उसके बाद आप एक रेंज बना दो जिसमें बोल दो कि भाई जीरो से लेकर नाइन तक कुछ भी दो डिजिट आप रख दो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा ये मैं कर सकता हूँ क्यों क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ये तो इजी है बच्चों वाला जिसमें जीरो हाइफन नाइन एंड देन रेंज में दो इसका मतलब ये है या तो जीरो जीरो या तो वन वन या तो नाइन नाइन कुछ भी मतलब टू जीरो 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 टू जीरो नाइन नाइन जो कि हमें चाहिए वो मुझे मिल रहा है यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं तो आपके माइंड में आ रहा होगा ये भी तो मैं कर सकता हूँ ना राइट तो सोचो सोचोगे एक एक काम करते है ना क्या सोचो ना कॉपी करते एंड पहले तो फॉरवर्ड स्लैश एंड देन बैक स्लैश एक ग्रुप uh, बनाते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं ये ये देखो मैंने एंटर तो कर दी ये मैंने एंटर कर दी एंड डॉलर साइन भी लगा के इसको खत्म भी कर देता हूँ पहले तक सब तो सेट था सब तो बराबर थे तो अब ऐसा कहा क्या हो गया कि भाई ये अब मेरा काम नहीं कर रहा तो सबसे पहली बात ये जो नाइनटीन ट्वेंटी आपने जो लिखा है अगर आपके पास सपोज ये दो है तो ठीक था बट अब तो चार हो गया ना तो यहां पे अब आप एक और ऑपरेटर लगा दीजिए अभी भी आप सोच रहे हो कि हमने ये कर दिया उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं तो देखो गाइस जब भी आप ये कैरेक्टर क्लास यूज करते हो ये आप ऑलवेज बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें हम रेंज डिफाइन करते हैं बेसिकली कहाँ से लेके कहाँ तक देखो यहाँ पे वन और टू लिखना और वन हाइफन टू लिखना बोथ आर सेम कोई डिफरेंस नहीं था और लेकिन आप इस तरीके से वन एंड देन टू भी लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिख रहे हो वो आपका मेन है यहाँ पे आप जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे भी कर सकते थे लेकिन इतना लंबा क्यों लिखना आप ये कर दो वही ये वन टू थ्री चाहिए तो आप वन टू थ्री नहीं ये वन से लेके थ्री तक कुछ वो ऐसा फंडा था लेकिन अब ये नाइनटीन एंड देन ट्वेंटी तो आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते ना नाइनटीन एंड देन ट्वेंटी आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते या तो नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी अगर आप ऐसा करते तो पैटर्न इनवैलिड हो जा रहा है बता रहा है कैरेक्टर रेंज इज आउट ऑफ ऑर्डर तो अब हम यहाँ क्या करें तो कहीं सिंपल है ये और ऑपरेटर तो चाहिए ही चाहिए लेकिन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट हम एक ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इट्स अ कैप्चरिंग ग्रुप मैंने उस दिन उसी दिन आपको बताया था वी हैव दिस कैप्चरिंग ग्रुप एंड उसके अंदर या तो 19 या तो 20 एंड जो मेरे एक्चुअल में वैलिड एक सेकेंड सो so गाइस अगर आप देखते हो तो ये एंड देन ये जो है यही दो सिर्फ ट्रू थे एंड ये ही सिर्फ मेरे प्रॉपर तरीके से वैलिड हो गए बाकी सब इन वैलिड है तो so गाइस अभी ये जो हमने कोड लिखा ये था आपका वैलिडेशन एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा क्यों हम इतनी मेहनत करके क्यों मैंने इस वीडियो को इतना लंबा रखा ताकि आपको एक एक चीज में यहाँ पे एकदम डिटेल में बत, बता सकू ठीक है तो डेट फॉर्मेट लिख दीजिए और रिटर्न ये एंड ऑब्वियसली यहां पे आपको नो मैटर वॉट ये स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग लगाना पड़ता है डॉट वी हैव दिस टेस्ट मेथड इसमें आपका ये जो डेट फॉर्मेट है एड कर दीजिए खत्म बस इतना ही करना रहता है एक बार हमारा बन के रेडी कोई टेंशन नहीं है सो so, ये ट्रू है परफेक्ट ये ट्रू है परफेक्ट बट यहाँ पे देखो ट्वेंटी ट्वेंटी ये भी ट्रू है चलो सही है बट ये अट्ठारह सौ हो नहीं सकता यहाँ पे थर्टीन का भी हो ही नहीं सकता क्योंकि मंथ बारह ही रहता है एंड यहाँ पे आई uh, गेस ये जो भी ट्रू है या दिस इज इट सो या गाइस सो आज इस वीडियो के लेते हैं होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा लेकिन एक चीज एक चीज यहाँ पे एक चीज ये है कि uh, वी, uh, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इसमें एक प्रॉब्लम है अभी भी क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ ठीक है सबसे पहले तो ये एक ऐसा डेट अब बन चुका है जिसमें फॉर एग्जाम्पल इट विल कंसिडर देखो जीरो ये जो पर्टिकुलर डेट है वो आप यहां पे अगर एंटर करते तो उसको कंसिडर कर रहे बट इन रियालिटी बट इन रियलिटी जब फेबर के महीने में तो कभी थर्टी वन होता ही नहीं है समझ रहे है? तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया उसी तरीके से लीप ईयर वेन इट कम्स टू योर लीप ईयर देखो ना अगर मैं यहां पे जीरो टू कर देता हूं तब ये सही है लेकिन अगर मैं ट्वेंटी नाइन कर दू एंड लेट्स इमेजिन कि ये लीप ईयर भी नहीं है तो फिर भी ये ट्वेंटी नाइन कैसे हो गया समझ रहे हो तो बेसिकली फेबर के महीने में ही प्रॉब्लम आने वाला एंड बस एक और जगह पे आएगी एंड डेट इज की कोई कोई मंथ ऐसे है जिसमें थर्टी वन डेज नहीं होते थर्टी डेज होते हैं समझ रहे हो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट part है ये देखो ये भी वैलिड है बट इन रियलिटी जो चौथा महीना होता है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि अप्रैल का महीना तो इकतीस नहीं होता है वो तो तीस होता है तो, भी ये है। तो कैसे अब मैं चाहता हूं एज अ चैलेंज आपको है, इसको कर सकते। हमने मुझे गलती से तेरह लिख देगा स्टार्टिंग में तो भी नहीं होगा ये अगर कोई गलती से यहाँ पे बारह के बदले तेरह तेरह तो चलेगा बट ये थर्टी थ्री लिख दोगे तो भी ये काम नहीं करेगा एटलीस्ट डेट फॉर्मेट वाला जो पार्ट है वो तो मैंने रेजेक्स के थ्रू बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए बट ये मे का महीना बेसिकली तीस तारीख वाला महीना एंड देन ये फेब्रवरी का महीने एंड देन ये जो लिप है, इसको आपको टैकल करना है एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन गाइस मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिए तो जब आप प्रैक्टिस कर हो तो, एटलीस्ट एक लाइक एंड कमेंट तो कर दीजिए आपको कैसा लगा या अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना हो ठीक है मुझे बहुत खुशी होगी गाइस तो तो आप चाहे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो लॉग इन फॉर्म हो स्कूल एडमिशन फॉर्म कॉलेज एडमिशन फॉर्म जॉब में वैकेंसी का फॉर्म दुनिया का कोई भी फॉर्म उठा लो वेडेशन आपको करना ही पड़ता है एंड वेन इट कम्स टू योर वेब डेवलपमेंट जाग एंड जा के थ्रू अगर आप वैलिडेशन कर ले तो देख दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी हो ना हो मतलब नहीं आप बहुत इजीली वैलिडेशन करके अपने कलीग या अपने ऑफिस में मेंबर्स को आप इम्प्रेस कर सकते हो सो so, क्या okay, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर लेता हूँ जहां पे अगर मैं सिर्फ तीन कैरेक्टर लिखते हुए काम नहीं करेगा क्योंकि मिनिमम हमें पांच बट इफ यू वॉन्ट आप मिनिमम तीन कर सकते हो लेट से फॉर राम राम भी तो तीन ही में आता है ना तो आप उसके लिए कर सकते हो द मोमेंट मैं पांच करता हूँ मेरा काम हो जाता है मोबाइल नंबर ये इंटरनेशनल uh, फॉर्मेट है बट हम इसको इंडियन फॉर्मेट में करेंगे जहां पे नंबर मस्ट बी टेन एंड देन जो स्टार्टिंग uh, के फर्स्ट कैरेक्टर होगा इट मस्ट बी और क्योंकि अभी 6 से भी स्टार्ट हो चुका है सो so, uh, किसी भी हालत में गाइस इसको मैं आई थिंक ज्यादा हो गया ठीक है वो भी चला गया अब मेल बहुत इंपॉर्टेंट है लेट से थापा अगर मैं लिखूंगा काम नहीं करेगा वी नीड एटलीस्ट वन एट द रेट कुछ भी नहीं काम करेगा फिर एटलीस्ट हमें एक डॉट लगने वाला है एंड एट दी लास्ट में गाइस वी हैव एक डी एंड इट ठीक है सो so, फॉर्मेट है ये एंड बाय द वे मैं ऑलरेडी ईमेल वैलिडेशन पासवर्ड वैलिडेशन मोबाइल वैलिडेशन यूजर नेम वैलिडेशन सबके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं तो उसी को ही आज मैं यहाँ पे कंप्लीट पैकेज बना के आपको दिखा रहा हूँ सबको लगा होगा यार ये क्या चीज है ठीक है अब पासवर्ड ध्यान से देखिएगा एटलीस्ट एक अपर केस एक लोअर केस एक स्पेशल कैरेक्टर एंड देन वन मोबाइल नंबर मस्ट बी देयर मोबाइल नंबर से मेरा मतलब था नंबर डिजिट ठीक है सो ये करता हूँ देन uh, मैं लिख देता हूँ वन टू थ्री देन एट द रेट देन क्यू डब्ल्यू ई ठीक है अब uh, एक काम कर लेते हैं ये जो मैंने लिखा वो जस्ट बोल दिया मेरे को आइडिया नहीं इसका तो यहाँ पे हम चलते हैं ये जो भी एंड गाइस दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज जहाँ पे ओके okay, देखा दोनों सेम हो गया था सो so, ये कर देता हूं ठीक है इसको मैं कॉपी कर रहा हूं अब ध्यान से देखना ये तो मैंने लिख दिया द मोमेंट हिट करूंगा वो तो ठीक हो गया लेकिन अब फाइनली अगर आपने पासवर्ड लिखा एंड देन कंफर्म पासवर्ड की जब बारी आती तो है ना इसलिए अभी तक हमें इसका एरर नहीं आ रहा था क्योंकि जब तक कोई इस पर्टिकुलर फील्ड आई मीन ये जो फील्ड है इसको फिल नहीं कर लेता है तब तक ये काम नहीं करता बट अब हाँ मैं अगर ये कर देता हूँ फिल सो थ्री टू वन बूम गाइस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ठीक है आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा अब आपके मन में आ रहा होगा कहाँ गया डेटा कहीं नहीं गया डेटा डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया है देखिए विनोद ये जो भी है इस तरीके से आपका यहाँ पे डेटा बहुत क्लियरली देख सकते हो सो so गैस ये ना बहुत ही ज्यादा ऑसम सो so, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विथ कम्प्लीट वैलिडेशन जितना लगने वाला हम सब कुछ स्क्रैच से करने वाले एंड गाइस एक और ऑसम न्यूज है कि एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप इसको लाइव होस्ट कर सकते हो विद पोस्टिंग जी हाँ तो आप देख सकते हो कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा था ऑलरेडी ये लाइव होस्ट कर चुका हूँ एंड मेरा लाइव होस्ट करने का मेन मकसद ये था क्योंकि बहुत बार वीडियो में हम आपको जो दिखाते हैं बट रियलिटी में जब आप उस कोड को कॉपी पेस्ट करते हो वैसा नहीं दिखता है आपको लगता है अरे ये क्या हो गया टेंशन आ जाता है आपको सो so, वैसा टेंशन आपको ना आए मैं लाइव होस्ट कर चुका हूँ ये पर्टिकुलर यूआरएल को आप हिट करना तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा आप चेकआउट कीजिएगा सोच कोड भी मैं बिल्कुल फ्री करने वाला हूँ उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा एंड बताना चाहूंगा अभी होस्टिंग में सेल भी चल रहा है मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरा ऑसम कूपन कोड है थावन जिसमें आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ऑन एक्जिटिंग डिस्काउंट तो उस कूपन कोड को भी अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलेगा बाकी ये सब कुछ एट दी एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा ठीक है तो आई होप आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे एंड मैं तो लिटरली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2024 में में फाइनली फॉर्म वैलिडेशन लेके आ गया हूँ आज से सा छह साल पहले मैंने ये बनाया था ठीक है so, सो देखिएगा इस ये बहुत ही प्यारा डिजाइन uh, मैंने रखा एकदम मॉडर्न यू नो तो uh, एक चीज तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा दैट इज फ्रॉम माई एंड सी एस एस एंड एसटेमल कोड ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट का मेन फंक्शनैलिटी जो वैलिडेशन है वो कैसे हो रहा है ठीक है तो सीएसएस अगर आपको नहीं आता है डोंट वरी मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट एस एस कोर्स पार्ट वन एंड देन पार्ट टू अपलोड कर चुका हूँ इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा सब कुछ फ्री है यहाँ पे भी एच टमएल का कोर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका है इसको भी चेकआउट कीजिएगा जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसको भी चेकआउट कीजिएगा मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है मैं लिख के दे सकता हूँ वन ऑफ दी बेस्ट नहीं ये वर्ल्ड बेस्ट कोर्सेस है बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है प्लीज आप इसको एक बार चेकआउट आप कीजिएगा आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों को भी भर भर के शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड फाइनली आफ्टर थ्री डेज में रिएक्ट सीरीज भी लेके आने वाला हूँ तो उसी बात पे एक लाइक like एंड दोस्तों को भर भर के शेयर जरूर कर दीजिएगा आई नो बहुत बातें हो गई अब जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं so, सो देख लीजिए सिंपल है अगर आप इस पर्टिकुलर डिजाइन को देखते हो है ना तो आपको क्या दिखता है वी हैव वन फॉर्म जो कि एक्चुअल फॉर्म यहाँ पे है ठीक है देन वी हैव वन टेक्स्ट ओवर हियर सिंपल कोई टेंशन नहीं है ना एक हमारे पास बॉक्स है एक डीप है उसके बाद एक टेक्स्ट है डी आप किसी में भी ले लो सेक्शन ले लो या डीप टैग ले लो जो आपको हो ले लो देन वी हैव ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एच वन ले लो पैराग्राफ ले लो किसी में भी ले लो बट हम क्या लेंगे हेडिंग टैग लेंगे उसके बाद गाइस व्हाट वी हैव वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट ये एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है क्या ये आपका एक फॉर्म है एंड वेन इट कम्स टू योर एचटीएमएल वी हैव अ फॉर्म टैग तो कितना ज्यादा इजी है चलो और फर्दर डी और डाइव करते हैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर छोटी छोटी चीजें आपको जो दिखाई दे रही है ये है आपके आईकन्स जो हम एक लाइब्रेरी की मदद से यूज करने वाले सो लाइक वी मल्टीपल ऑप्शन जहां पे अब आपको कुछ करने की नीड नहीं ऑलरेडी वी हैव अ पैकेजेस वी हैव अ ऑनलाइन रिसोर्सेस डिलीवरी नेटवर्क मतलब यू चुटकी में काम हो जाता है ठीक है ये आपको पता चला एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर आप ये एक जो पर्टिकुलर फील्ड देख पा रहे हैं यहाँ पे नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये है हमारा एक्चुअल में इनपुट फील्ड एंड आई नो अब इनपुट फील्ड हम कैसे बनाते हैं सिंपल वी है इनपुट टैग सिंपल राइट एंड उसमें ये जो यूजर नेम ये जो फोन नंबर ऐसे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है ये कुछ नहीं ये आपके प्लेस होल्डर से सिंपल एंड फाइनली एट द एंड वी हैव दिस ऑसम बटन जिसमें हमने हुबर इफेक्ट भी बहुत प्यारा रखा हुआ है जिससे ये मतलब मजा आ जा रहा है एंड बटन पाने के लिए आप या तो इनपुट टाइप सबमिट लिख सकते हो या तो बटन टैग यूज कर सकते हो एंड बाकी ये जो एक प्यारी सी यू uh, नो you know, uh, लड़की जो है ये हम एक आइकन है एंड ओवर हियर इट्स आल्सो एन आइकन एंड गेस ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये मैंने कलर लिप से लिया था क्योंकि वहां पे आपको फ्री में बहुत सारे मिल जाते हैं तो मैंने सोचा जब इतना प्यारा सा हमें मिल रहा है तो क्यों ना हम इसको यूज कर लिया है ना सो या अब मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ थ्योरी आपको पता चल गया अब नाउ इट्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल ठीक है सो वी हैव दिस फॉर्म एक्शन ठीक है जिसपे अगर आप एक्शन टैग ना भी लिखो तो भी चलेगा

और टाइटल टैग यूज किया होगा कहीं तो भी प्लीज फिल आउट दिस फील्ड वैसे तो आई डोंट नो ये टाइटल टैग यूज करने पे आता था, था बट यहां पे नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमने यहां ये जो आ, एक एट्रीब्यूट है डेट इज योर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इट मीनस नो मैटर वॉट आपको ये अगर मैं छोड़ दूंगा ना चलो ये तो मेरा अपना खुद का ऑलरेडी लाइव हो चुका है बट इनिशियली कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है जिसमें अगर आप जावास्क्रिप्ट का एक भी वर्ड फिल नहीं करते हो

एक तो टाइप आप देखना है ध्यान से कोई भी इनपुट फील्ड हो वहां पे टाइप सबसे पहले आपको देखना है एंड सेकेंड आपको ये देखना है कि उस पर आप आईडी दे रहे हो या नहीं एंड एक और रहता नेम एट्रीब्यूट बट वो हम जब रिएक्ट में करेंगे तब बताऊंगा बट इन जावास्क्रिप्ट हमें उसकी नीड नहीं है अभी जब तक हम इसको से कनेक्ट नहीं करते ठीक so है सो वी हैव दिस टाइप एंड देन वी हैव दिस आईडी ही इंपॉर्टेंट है एंड एट दी एंड में आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये एरर कैसे मुझे ठीक उसी के नीचे आ रहा है उसी का ही एरर कैसे आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ हर एक फॉर्म होल्डर जो कि एक इंडिविजुअली एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक उसके अंदर जो फॉर्म डेटा है वो यहाँ पे खत्म होता है ठीक उसके बाद मैंने एक और डीप ली है हर एक एरर को भी मैंने एक ID में एक आईडी में पर्टिकुलर एरर आईडी दी रहे आई मीन दिया हुआ है इट्स सेपरेट आईडी क्योंकि आईडी हम सेम नहीं रख सकते हम अपने क्लासेस को सेम रख सकते बट आईडी को नहीं रख सकते ठीक है तो सेम फॉर्म के साथ वही किया फोन एरर ईमेल एरर पासवर्ड एरर एंड देन वी हैव दिस कंफर्म पासवर्ड एरर बाकी सब कुछ सेम है टाइप मैंने बताया अगर आप पासवर्ड के साथ खेले तो यू नीड टू गो विद विध पासवर्ड वाला फील्ड यू नो अगर आप uh, फोन के साथ खेले तो आप नंबर लिख सकते थे बट टेक्स्ट भी काम करेगा एंड ईमेल के पास वी हैव ईमेल आल्सो बट हम वैलिडेशन कर रहे हैं, तो हम टेक्स्ट लिखेंगे तो भी काम करेगा अगर आप बिना वैलिडेशन प्योर एस्टिमल के साथ जाना चाहते हो देन यू कैन गो विथ ईमेल मेल यहाँ पे ठीक है टाइप ईमेल इस तरीके से ये भी आप कर सकते हो था एस्टेम मैंने आपका देखो कितना समय बचाया है ना बनना बहुत लंबा हो जाता है वो, मैं लिखता तो यही जो एट दी एंड 90 परसेंट लोग आप में से इसको कॉपी पेस्ट करने वाले कोई भी इसको टाइप नहीं करने वाला है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ठीक है इसलिए मैंने सोचा आप मैं आपका टाइम बता देता हूं एंड सी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सीएसएस right. तो, uh, अगर मैं आपको बता दू तो इट्स डे नंबर फिफ्टी फाइनली अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ये है ना सो वी हैव है सी पे एस का पार्ट देख सकते हो सी एस एकदम ईजी है प्योर सी है हमने कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज नहीं की है मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट सी कोर्स अपलोड कर चुका हूँ तो इसको अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा मजा आ जाएगा ये तो फिर एक बार ये वीडियो देख लिया ना मेरा मैं लिख के देता तो हूँ ये वीडियो को अरे ये तो बच्चों वाला आप ऐसा बोलोगे मैं गारंटी देता हूँ ठीक है सो या दिस इज इट बाकी इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है तो अब हम यहाँ पे चलते हैं वी हैव दिस स्क्रिप्ट टैग ठीक है एक काम करते हैं ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है आ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड वी हैव दिस जीएस एंड मेन डॉट देता हूँ ठीक है हम इस पे काम करेंगे तो लेकिन हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते वी नीड टू गिव दिस सोर्स जहां पे डॉट फॉरवर्ड स्लेस वी हैव दिस जी एस एंड देन मेन डॉट जीएस ठीक है एक काम करते हैं क्या ये काम कर रहा है लेट चेक इट आउट एंड यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम

तो आ, सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि हर एक इनपुट फील्ड में आई मीन यूजर ने डेटा लिखा है या नहीं हमें उसको मेक श्योर करना है सिंपल सबसे पहले मुझे हर एक इनपुट फील्ड का डेटा चाहिए आई मीन एक्सेस चाहिए या वैल्यू चाहिए ठीक है तो आप देख सकते हो मैंने हर एक इनपुट फील्ड को एक आई दे रखी है जिसके थ्रू मैं बहुत ईजिली गेट कर सकता फॉर एग्जाम्पल फॉर आवर टेक्स्ट यूजर नेम वी हैव दिस आई डी नेम आई डी कॉल यूजर नेम ठीक है तो uh, बहुत सारे तरीके जिसमें से दो एकदम इंपॉर्टेंट है गेट एलिमेंट बाई आई में से किसी को भी यूज कर सकते हो ये डोम के अंदर आता है एंड ये जो डोम मैंने बहुत इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन की है प्योर uh, हमारा जो डोम ट्री होता है ना उसके साथ कहीं नहीं मिलेगा तो इसको एक बार कीजिएगा डोम का ठीक है तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बिटवीन गेट एलिमेंट बाई आई डी वर्सेज क्वेरी सिलेक्टर सो लेट्स गो को विस्ट मैंने यहाँ पे चलो यूजर नेम ही रखा हुआ है ना सॉरी यू यूनिट टू राइट फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड यहाँ पे चल के आपको पेस्ट कर देना है एंड गाइस अगर आप इसको क्वेरी सिलेक्टर की मदद से करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ है ना एक चीज यहाँ पे याद रखना नो मैटर डॉक्यूमेंट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि डोमी वो एक ऐसी मीडियम है जिसके चलते जावास्क्रिप्ट जो है एचटीएमएल के साथ इंटरेक्ट कर पाता है कनेक्ट कर पाता है मैंने बहुत अच्छे से डोम एक्सप्लेन की मेरे कोर्स पे प्लीज देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा अरे डोम बहुत ईजी है ठीक है सो वी नीड टू गो विथ क्वेरी सिलेक्टर अब एक चीज बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे भी आप यूजर नेम लिखोगे बट क्वेरी सिलेक्टर में आप आई भी यूज कर सकते हो आप क्लासेस भी यूज कर सकते हो तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका अपना अपना एक सिग्नेचर है डेट इज की आई के लिए हम हैश टैग यूज करते फॉर क्लासेस वी यूज डॉट ठीक है तो यहाँ पे आपको हैश टैग इस तरीके से यूज करना पड़ता तो दोनों आप करोगे तो कैसे आपको काइंड ऑफ सिमिलर ही रिजल्ट आएगा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा बट इस तरीके से आप कर सकते हो लेकिन मैंने सोचा क्यों एक एक्स्ट्रा ये हैशटैग यूज करूँ मैं फिलहाल के लिए है ना जब हम डायरेक्टली आई की मदद से मुझे उस एलिमेंट को गेट करके दो डायरेक्टली ये जब हमारे पास तो हम इसका यूज कर सकते हैं राइट नाउ एक काम करता हूं मैं जल्दी से यहां पे चलता हूँ आपको यूजर नेम दिखाता दिखा अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है मैंने जो अभी कोड लिखा ऑब्वियसली आपको मैं चाहता हूँ ये एकदम बेस्ट वीडियो हो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए एंड दिस इज इट तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट यूजर नेम क्योंकि मैंने यूजर नेम को च, uh, चाहा था मुझे वो मिल गया बट वॉट इफ अगर मैं यहाँ पे लिख दू लेफ्ट से थापा ठीक है फिलहाल तो आपको मिलेगा नहीं बट एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड डॉट वैल्यू तो ऑलवेज मेक श्योर करना जब भी आप इनपुट फील्ड के साथ खेलते हो देन आपके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज डॉट वैल्यू तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट है जिससे यूजर जो भी यहाँ पे टाइप करता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है सो so, फिलहाल तो आ, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ एंड बाय द वे मुझे कुछ अभी मिलेगा नहीं क्योंकि वैल्यू बिल्कुल भी एम आई मीन वैल्यू टोटली एम्प्टी है बट uh, अभी मैं आपको बताता हूं जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब दिखाता हूँ मैं ठीक है बट एटलीस्ट आपको इतना पता चलिए एंड बाय द वे ये अब बाकी सेम चीजें बाकी के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जहां पे ईमेल फोन पासवर्ड एंड देन वी हैव दिस कंफर्म पासवर्ड जहां पे सेम हुई है गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल हमारा जो ईमेल uh, का फील्ड है मैं वो सात बाई सा दिखाई भी देता हूँ सो वी हैव दिस ईमेल मेल हाँ इनपुट टाइप ई है फोन के लिए वी हैव दिस फोन पासवर्ड के लिए वी हैव दिस पासवर्ड एंड देन फॉर आवर कन्फर्म पासवर्ड वी हैव दिस कन्फर्म पासवर्ड एंड ये सारे के सारे आपके इनपुट फील्ड है आई कैन यूज डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट ताकि मुझे उनकी वैल्यू मिल जाए अब ये सभी के सभी चीजें तो चलो हमें मिल गई लेकिन ये हमें कब चाहिए रहता है जब भी कोई फॉर्म को सबमिट uh, करेगा तब अब आप देख सकते हो मैंने इसको प्योर जबस्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने नॉट इवन लाइक एस में जो हम बाय डिफॉल्ट जो इवेंट ऐड करते हैं वो भी मैंने नहीं की मैंने क्या किया डायरेक्टली हमारा जो बटन है ठीक है आपको टाइप सबमिट लिखने की भी नीड नहीं है बाय डिफॉल्ट फॉर्म में एक uh, एक डिफॉल्ट बिहेवियर है एंड दैट इज अगर आप फॉर्म टैग यूज करते हो एंड उसके अंदर अगर आप कोई भी बटन ऐड कर देते हो एंड अगर आप उसको प्रेस करते हो बाई डिफॉल्ट वो फॉर्म को सबमिट कर देता है तो यू नीड टू मेक श्योर की बटन एक ही हो फॉर्म टैग के अंदर टाइप सबमिट लिखो ना लिखो वो सबमिट कर देगा एक और डिफॉल्ट बिहेवियर ये है जब वो सबमिट कर देता है तो वो पेज रिफ्रेश भी कर देता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये क्या हो रहा है एक डिफॉल्ट बिहेवियर है दो तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट टाइम जो बिगिनर्स होते हैं वो यहां पे अटकेंगे ही अटकेंगे तो मैंने बटन को एक क्लास दे रखा है ये यहां पे मैं चलता हूं अब ध्यान से देखना इसको करने के डिफरेंट तरीके में कैसे करता हूँ सो इट्स अ डॉक्यूमेंट डॉट वो क्या था इज इट अ और अ क्लास इट्स अ क्लास अब ध्यान से देखना ये क्लास था सो so, मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर यूज करूंगा क्योंकि गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम भी है बट वो फिर लाइक like आपको एक एस्टेमल कलेक्शन दे देगा हालांकि एक ही है तो प्रॉब्लम नहीं बट फिर भी रिस्क नहीं लेना है so, सो यहाँ पे मैं क्लासेस के साथ जाऊंगा ठीक है तो ये भी आपको मेक श्योर sure करना है कि कब हमें क्वेरी सिलेक्टर यूज करना है कब गेट एलिमेंट बाई आईडी या बाई क्लास नेम या टैग नेम या ये या वो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ठीक है ऑलराइट सो वी हैव दिस फॉर्म सबमिट परफेक्ट

बाई डिफॉल्ट हमें भी मिलता भी है उसको मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट ये आपकी इवेंट ऑब्जेक्ट है इवेंट ऑब्जेक्ट बाई डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हो वेन एवर लाइक आप इवेंट कॉल करते हो या डिफाइन uh, करते हो तो ये आप यूज कर सकते हो और राइट तो uh, इतना लिखते ही बाई डिफॉल्ट सब एज इट इज है अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखा सकता हूँ एंड दैट इज कि ये जो मेरी यूजर uh, है वो अब आप मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि जब भी कोई फॉर्म को करेगा क्लिक उसके बाद

जो हमें ध्यान में रखना है कि नहीं मुझे तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया को भी एज एन वैलिडेशन में ऐड करना है तब हम अपना कस्टम वैलिडेशन यूज करते हैं ठीक है इसको में एंड बताऊंगा डोंट वरी चलो ये मेरा काम हो गया हमें सभी की वैल्यू मिल गई अब नाउ गाय सब हमें क्या करना होगा हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है फॉर इच इनपुट फील्ड ठीक है सो हम जल्दी से चलते हैं हमारे uh, यहाँ पे ऑल राइट होस्टिंगर पे फिलहाल बाद में जाएंगे बट ये जो रेजेक्स वन ओ वन है तो गाइस यहाँ पे मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा मैं जस्ट ये बता रहा हूँ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ खेल सकते हो ठीक है लेट्स से दिस इज माय यूजर नेम ठीक है तो कभी भी अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो देन गाइस आपका ये दो फॉरवर्ड स्लैश देना जरूरी है ये आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग बेसिकली ये करना है बट यहाँ पे आपको उसके साथ साथ आपको कैरेट साइन देना है फॉर स्टार्टिंग एंड देन डॉलर फॉर एंडिंग इसके बीच में आपको अपना कोड लिखना है तो ये क्या गाइस इट्स अ टोटली स्ट्रिंग ओनली तो मैं कैरेक्टर क्लास ले सकता हूँ मैं बोलूंगा फ्रॉम ए टू हाइफन हाइफन देना एंड देन स्मॉल ए टू जेड एंड देन सिंपल अब है ना जीरो से नाइन भी आप इंक्लूड कर दो क्योंकि कोई अपने नाम में ये भी लिख एक काम करो नाम में कभी ये तो होएगा ही नहीं जो भी हो एंड देन एक स्पेस आप एड कर सकते हो यहाँ पे एंड आप बोल सकते हो कि ये जो है कम से कम तीन चाहिए एंड देन अब आपको कितना चाहिए लाइक like, तीन तो मिनिमम हो गया बट उसके अलावा कितना चाहिए पंद्रह में एक काम करते हैं पंद्रह बीस कर देते ठीक है एंड अगर आपको लगता है कि एक चीज ध्यान में रखना अगर मैं वन आई मीन मैंने अगर वन ऐड कर दी देन ये काम नहीं करेगा क्यों क्योंकि एक न्यूमेरिक डिजिट है एंड हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ अपर आ, केस एंड देन लोअर केस में ही आप यूज कर सकते हो एंड एक स्पेस ऐड कर सकते हो क्योंकि अगर आप ये देखो ना अगर मैंने हटा मैं रहा हूँ तो अब ये परफेक्ट है अभी भी ये परफेक्ट है अगर मैंने यहां से स्पेस हटा दी ये काम नहीं करेगा ये इनवैलिड हो जाएगा बट इन रियलिटी नाम तो मेरा विनोद स्पेस था है क्योंकि एक मेरा एक मेरा मेरा फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म वैलिडेशन में फर्स्ट नेम अलग लास्ट नेम अलग करते है बट ये कोई कंपलसरी नहीं कि हमें अलग अलग ही करना है बहुत सभी लोग तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम भी करते तो इसलिए मैंने स्पेस ऐड कर दी ताकि ये आपका काम कर दे आप ये भी कर सकते ऐसे भी आप कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आप इजीली ट्रिम मेथड यूज कर सकते हो यू नो उसको हटाने के लिए मतलब बहुत ऑप्शन है अपने पास बट हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं एंड चलो ठीक है यार अगर आपको लगता है कि नहीं कोई किसी ने अपना नाम भी यू नो इस तरीके से वन लिख दिया हो सकता है कोई ऐसा कर दे तो चलेगा हम उनको अलाउड कर देते तो ये जो है ना ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है फॉर वॉट फॉर आवर यूजर नेम यूजर नेम को पाने के लिए सो so गाइस हम कॉन्स्ट यूजर नेम और एजेक्स ना इस तरीके से मैं लिखी देखो आपको ये दो फॉरवर्ड स्लैश देना जरूरी है कैरेट साइन ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका एंडिंग पॉइंट है एंड जो हमने लिखा सो so लिखा बाय द वे हम ऑलरेडी हमने कैरेट वहां पे भी लिखा ही था तो इसको मैं हटा देता हूँ या दिस इज इट सो ये जो पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये हमने बनाया है टू वैलिडेट वेदर द यूजर नेम इज वैलिड और नॉट

रेगुलर एक्सप्रेशन बताया तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए बहुत हेल्प होगी पूरी लाइफ पड़ी है यार मतलब मजा आ जाएगा आप, आपका जो नजरिया है वैलिडेशन वो चेंज हो जाएगा पासवर्ड वैलिडेशन मोबाइल नंबर वैलिडेशन एंड कहीं तो भी मैंने ईमेल वैलिडेशन भी बहुत इन डेप्थ में किया हुआ है प्लीज इन वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड वहीं से ही मैं अपना ये जो कोड है आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो जिनको आता है तो कैसे आप इसको स्किप कर सकते हो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर से वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो मतलब वीडियो को स्किप नहीं करना है जस्ट चैप्टर्स मैंने दिए आप थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो बट जिनको नहीं आता मुझे उनका भी चिंता है मैं उनका भी टेक केयर करना अच्छा है ना तो सबसे पहले देखना ये थोड़ा आपको फैंसी बहुत वो माय गॉड क्या लग सकता है बट मैं आपको बता देता हूँ ये जो मैंने कोड लिखा है इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं कोई भी इस तरीके से कैपिटल लेटर लिख सकता हूँ सिंपल ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तो भी ये हाईलाइट मैच हो रहे हैं दोनों के दोनों बट लेट से अब मुझे कम से कम एक स्मॉल कैरेक्टर भी तो चाहिए स्मॉल लेटर भी तो चाहिए पासवर्ड में राइट right? तो हम क्या करेंगे ये मैंने ले ली ठीक है देन एक एक क्वेश्चन मार्क लूंगा मैं यहाँ पे. आ, एक मैं पे क्या करने वाला हूं? यहाँ पे फिर, गैस, एक कर दूंगा. तो अब होगा ये कि अगर मैं इसको तो नाउ ये सिंटेक्स है जो कि बन जाता आपका so, guys, यहाँ पे जो का है कि आपने अभी एक ऐसा सिंटेक्स लिख लिया अब यहाँ पे आप जो भी डेटा फिल करने जा रहे हो ये मेक्श्य sure करेगा कि वो मैच हो रहा है या नहीं कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए जब भी आपसे कोई भी पूछे कि इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में ये एक पर्टिकुलर चीज जो है वो एटलीस्ट एक बार आना ही चाहिए तब आप इस सिंटेक्स को आंख बंद कीजिए एंड यूज कीजिए अब मैं आपको बताता हूँ देखो इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे अब आपको सिंपल एक डॉट यूज करना है डॉट का सिंपल मतलब होता है एनी कैरेक्टर अब आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो ठीक है इन रेजेक्स देन हम एक एस्ट्रिक यूज करेंगे अब ये एस्ट्रिक भी अपना इसका एक मतलब वैल्यू है जो एस्ट्रिक है इन रेजेक्ट इसको हम क्वेंटीफायर कहते हैं इसका मतलब होता है ये मैच करता है क्या मैच द प्रीवियस टोकन बिटवीन जीरो एंड देन अनलिमिटेड ठीक है अब मैं आपको बताता हूं क्यों लिखा है क्योंकि अब इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं स्मॉल ए से लेके जेड तक इसका सिंपल मतलब ये है कि अब अगर कल के दिन मुझे पासवर्ड लिखना रहा तो मैं अब स्मॉल ए से स्टार्ट कर सकता हूं अपने पासवर्ड को क्योंकि अगर आप ये स्टार नहीं लिखते यहाँ पे एंड आपने ये तो डॉट यहाँ पे लिख दिया एंड हमें लिखना पड़ता है तो डॉट मतलब कुछ भी मुझे एक चीज लिखना पड़ता चाहे स्मॉल ए ही हो या कैपिटल ए हो या नंबर हो या स्पेशल कैरेक्टर कुछ ना कुछ एक लिखना ही पड़ता उसके बाद फिर मैं ये जो है अपना स्मॉल लेटर लिख पाता था बट अब मैंने एस्ट्रिक यूज कर दी है एस्ट्रिक का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर आप लिखो ना लिखो चलेगा लेकिन ये आप जरूर लिखिए समझ रहे हो मतलब एस्ट्रिक का मतलब यही है कि उससे पहले जो भी एलिमेंट है देखो ना यहाँ पे लिखा भी है ना मैचेस प्रीवियस टोकन बिटवीन जीरो एंड अनलिमिटेड तो ये वो पावर दे रहा है कि इससे पहले कुछ ना भी हो तो भी ये ओके कर देगा मतलब चलेगा वही इसके बदले अगर आप प्लस यूज करते तो क्या इसका है कि कम से कम एक तो भी चाहिए कम से कम एक तो भी कुछ कैरेक्टर होना कंपलसरी है इसका मतलब क्या कि आपको स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में कुछ भी लिखने से पहले एक कैरेक्टर लिखना ही पड़ता नो मैटर चाहे वो आप स्मॉल ही लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं बट फिर भी आपको लिखना ही पड़ता वो एक चीज तो वो पावर ना मतलब वो झंझट ना हो इसलिए हम ये लिखते तो आप इतना समझ लो जब भी कोई आपसे बोले एटलीस्ट ये होना ही चाहिए आप इस तरीके से ये पैटर्न बनाइए और ये जो डब्बा खाली इसके अंदर ये लोअर केस के लिए हो गया कॉपी करो है ना इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो ये अब आपको लेट से नंबर चाहिए तो जीरो हाईफन नाइन कर दो है ना तो गाइस साहब आई होप आप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे तो अब मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ एंड देन पेस्ट तो यहाँ पे जीरो कॉमन नाइन को आप इस तरीके से हाइफन डी भी लिख सकते हो इट मीनस एनी डिजिट अगर आप बड़ा डी होता तो मतलब फिर नॉन डिजिट हो जाता वो ठीक है एंड ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज फॉर योर स्पेशल कैरेक्टर एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब अगर आप कैपिटल डब्ल्यू ली कैपिटल uh, डब्लू लिखते हो इट मीन्स एनी नॉन वर्ड बट एक प्रॉब्लम इसमें ये है फिर कि ये जो नॉन वर्ड में ना एक अंडे स्कोर को भी ये लोग ने इंक्लूड कर दिया है ठीक है मतलब ए से लेके जेड चाहे वो स्मॉल हो कैपिटल हो नहीं होना और वन टू थ्री भी नहीं होना ठीक है अच्छी बात है अगर ये नहीं लिख रहे इसका मतलब ऑब्वियसली हम स्पेशल कैरेक्टर लिख रहे वो मुझे हो गया लेकिन साथ ही साथ ये जो अंडे स्कोर है ये भी कहीं ना कहीं हम स्पेशल कैरेक्टर में मानते हैं वोतों को आई I मीन mean, हम मानते ही है चलो ये मान लेते हैं इन रेजेक्स अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आप अगर आप यूज करोगे तो वो एरर आ जाएगा क्योंकि ये इसको एक वर्ड मानता है नॉन वर्ड नहीं मानता है डेट्स वाई यहां पे अगर आप फोकस करोगे तो मैंने एक एक्स्ट्रा अंडरस्कोर दिया हुआ है ताकि इसको भी आप इंक्लूड कर दीजिए सिंपल एंड देन वी हैव दिस डॉट सिंपल मैचेस मैच कराने के लिए एंड मिनिमम आरटी रेंज है आपका क्वेंटीफायर बोलते कम से कम आर्ट हो ना मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हो ठीक है एंड गाइस सेम आई होप आप समझ गए होंगे एंड देन गाइस वी हैव दिस पासवर्ड आई मीन सॉरी दिस इज योर ई मेल जहाँ पे गाइस ये जो पर्टिकुलर पोर्सन दिख रहा है तो ये नॉन कैप्चरिंग ग्रुप है यहाँ थोड़ी देर पहले हमने पॉजिटिव लुप हैड देखा था नाउ दिस इज योर नॉन कैप्चरिंग ग्रुप एंड इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे अब मैं uh, ये वाला जो पर्टिकुलर ई मेल आई डी है इसका यूज कर सकता हूँ

कुछ नहीं बिगड़ा है मैं आपको कहीं इस वीडियो से उस वीडियो में नहीं लेके जा रहा हूँ मेरा अपना खुद का ही वीडियो है मैंने बहुत मेहनत करके ऑलरेडी ईमेल आईडी आई डी पे आ, मैंने आई गेस गलती कर दी मैंने लिखा नहीं बट मैं लिंक शेयर कर दूंगा इनमें से कोई एक वीडियो है जिसमें मैंने एकदम डिटेल में आप ओ सॉरी ये जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो देखने जा रहे हो ना इसी पे ही मैंने एट द एंड में ईमेल मेल आई भी आपको बताई है प्लीज एक बार चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत मजा आएगा एल्स आप अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है एंड गेस मोबाइल नंबर तो क्या बोलना वो तो बच्चा है मोबाइल नंबर तो मैं अगर सिर्फ पेश कर दूंगा अब आप समझ गए अब आप समझ चुके हो हो आप समझ चुके हो यहाँ पे क्या हो रहा है है ना इस के से सिंपल मैंने बोला मुझे एक चाहिए आईफन मतलब इनमें से कुछ भी एक हो सकता है उसके बाद डिजिट होगा जो कि कम से कम नाइन होना चाहिए ना कम ना ज्यादा सिर्फ नाइन होना चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी एक सिक्स सेवन एट हो जाएगा बाकी नौ कैरेक्टर ये आपका मोबाइल नंबर हो गया सिंपल है ना ये देखो ना यहाँ पे सिलेक्ट भी हो चुका है एंड दिस इज इट अगर आप एग्जैक्टली exactly आप दस वर्ड दस कैरेक्टर लिखोगे आपका ये काम हो गया ठीक है सो आई होप गाइस ये जो मेन वैलिडेशन था ये तो आपको पता चल गया है फिर से इनको आप कीजिएगा एंड वाला वीडियो को जरूर कीजिए बहुत मजा आएगा आपको ठीक है हम यहाँ पे चलते हैं ऑल राइट हमारा कोड यहाँ पे है तो ठीक है अब इन सब के पास एक मेथड है जिसका नाम है डॉट टेस्ट अब हम वो करेंगे तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ लेट्स चेक इट आउट आवर यूजर नेम हम सबसे पहले चलो यूजर नेम को वैलिडेट करके देखते हैं ना मजा आ जाएगा अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा गाइस इफ ये जो पार्ट है ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है ठीक है इस पे हमारे पास एक मेथड है जो मैंने अभी आपसे कहा टेस्ट इस पे अब मुझे क्या पास करना है यूजर ने जो भी लिखा होगा यूजर नेम पे दिस इज इट अगर ये ट्रू नहीं होता है मैंने नॉट यूज कर दी मतलब अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुआ तब मैं क्या करूंगा वी हैव आवर एरर है ना तो वी हैव आवर एरर वाला डिव यहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यूजर नेम एरर यहां पे आइए देखिए ध्यान से देखना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी यूजर नेम एरर एंड देन टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट कंटेंट या इनर टेक्स्ट uh, या इनर एस्टेमल uh, इनमें से गैस आप कुछ भी लिख सकते हो बट अगेन अब आपको नहीं आइडिया कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है सो फॉर डैट प्लीज ये जो जांच केट वाली वीडियो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा इसमें चाहता हूँ आप उसको जरूर देखिए ठीक है अब यहाँ पे अब ये लिख दीजिए यूजर नेम इज नॉट वैलिड कंट्रोलाइ सेव कीजिए एंड ठीक uh, है कितना मैं करता हूँ फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ एंड हो माई गॉट हो माई गॉट नेम इज नॉट वैलिड गाइस वाह मजा आ गया है ना यूजर नेम इज नॉट वैलिड ये काम करता हूँ. ये देखो अब अब ये ये क्या हो गया भाई ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये देखो. प्रॉब्लम ये है कि सब एकदम सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट तो अब यहां पे प्रॉब्लम बस इतना ही है कि अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो एरर दिखाओ लेकिन अगर यूजर बराबर नाम लिख रहा है तो उसको हटा दो रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं तो वो तो हमने लिखा ही नहीं ना तो अब एक काम करते हैं। सबसे पहले ही हम टॉप पे एक मेरे पास एक चीज है जो कि होगा वी नीड टू क्लियर आवर प्रीवियस एरर्स अगर यूजर ने उसको बराबर लिख दिया है तो अब हम कैसे करेंगे देखो एक चीज ध्यान में रखना वी हैव दिस एरर है ना ये class है ये एक class है तो मैं अब इस क्लास को ना लूप में चला दूंगा एल्स मुझे यूजर नेम का डेटा लेके उसको फिर डिलीट कर दो Uh, फिर मुझे ई uh, मेल का डिलीट करो पासवर्ड का डिलीट करो कन्फर्म पासवर्ड का डिलीट करो मोबाइल नंबर का डिलीट करो इट्स हेक्टिक राइट एंड वो तब काम आता है जब आप चेक कर रहे हो वैलिड है या नहीं एंड देन उसके बाद आप हटाओ हम तो डायरेक्टली बोल रहे हैं। अगर वैलिड नहीं है खत्म एरर दिखाओ ठीक है तो हम यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते वाला पर्टिकुलर पार्ट तो मैं क्या करता हूँ एक ऑसम चीज मैं आपको बताता हूँ बहुत मजा आएगा सो वी हैव अ डॉक्यूमेंट मैं डायरेक्टली क्लियर करके दिखाता हूँ ठीक है गेट वी हैव एक सेकेंड क्वेरी selector ऑल यूज करने जा रहा हूँ अगर क्वेरी selector आप uh, देखो हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है सिलेक्टर एंड सिलेक्टर ऑल का मतलब ये है कि सिलेक्टर ऑल में आप मल्टीपल instance को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो एंड हमारा ये जो क्लास है एरर ये तो मल्टीपल जगह पे है अब हमने इसको select कर दी है एंड अब यहाँ पे मुझे क्या करना है लूप चलाना कि जितने भी ये एरर है उन सबको लूप चलाओ एंड उनका जो डेटा है उसको empty कर दो सो गो फॉर अब ये भी सिंपली ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो भी आपका करंट एलिमेंट रहेगा तो उस करंट एलिमेंट का जो टेक्स्ट कंटेंट रहेगा एम कर दो सिंपल हमने ये बोला एंड ये कुछ नहीं चेनिंग मेथड में नहीं यूज किए सिंपल सा फॉर फॉरिच में ये आपका करंट एलिमेंट रहता ही है एंड उसका टेक्स्ट कंटेंट इनपुट फील्ड होता तो मैं यहाँ वैल्यू यूज करता ठीक है आप ध्यान से देखना इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा पहले तो ये आपको आ जाएगा बट अब अगर मैं बराबर अपना नाम लिखता हूँ एंड फिर से एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी वो चला गया क्योंकि अब मैंने एकदम करेक्ट डेटा यहाँ पे फिल्ड की है ठीक है दिस इज इट ये मेरा काम हो रहा है एंड यहाँ पे एक और चीज है जो मुझे एट दी एंड में ये मेक श्योर sure करेगा क्या यूजर ने सारे के सारे डेटा एकदम बराबर लिखा है या नहीं वी नीड वन कंडीशन एक कंडीशन मुझे लगने वाला है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑल राइट right, उसका चलो कोई कमेंट नहीं था उसका लेट इज uh, And by default मैं true रख रहा हूं, अब guys मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि हम बस यही चेक कर रहे हैं क्या वो गलत है। अगर है तो भाई डायरेक्टली दिखा दो अब मैं यहाँ पे क्या मतलब वो registration कराना ही नहीं है तो अब मैं सिंपल लास्ट में रख सकता हूँ खत्म ये जो कोड होगा ये मेरा एक्चुअल कोड होगा एंड यहाँ पे आप अलर्ट करा दीजिएगा तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेस success. ये सक्सेसफुल की स्पेलिंग लिखना है भी गैस एक झंझट वाला काम है है ना ऑल राइट कोई बट मैंने लिख दिया है तो सिंपल है ना ऑल राइट परफेक्ट अब यूजर नेम का काम मेरा हो गया है गाइस सेम मुझे पासवर्ड के लिए भी वही करना है है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं कर लेता हूँ कॉपी क्योंकि आपको पता चल गया देखो ना पासवर्ड रेजेक्स डॉट टेस्ट पासवर्ड जो एक्चुअल हमारे इनपुट फील्ड है ये है ना क्या अगर वो ट्रू नहीं है मतलब अगर वो मैच नहीं हुआ यूजर ने प्रॉपर पासवर्ड नहीं लिखा है तो फिर वही क्या पासवर्ड एरर लिया मैंने प, आ, बेसिकली हमारा पासवर्ड वाले फील्ड का हमने आईडी ली टेक्स्ट कंटेंट में लिख दिया पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट इतना कैरेक्टर वन अपर केस लेटर होना जरूरी है एंड एटलीस्ट वन चलेगा ये भी चलेगा इस तरीके से एरर मैंने लिख दी एंड फिर से इस वैल्यू को फॉल्स कर दी उसी तरीके से मैं यहाँ चलूंगा ई मेल के लिए गए सेम वही पार्ट मैंने ई मेल के लिए की प्लीज एंटर अ वैलिड खत्म एंड एंड देन एट वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट मोबाइल नंबर जहां पे फोन नंबर मस्ट बी टेन डिजिट एंडार्ट विथ सिक्स सेवन एट वन नाइन सिंपल ऑल आइट परफेक्ट इतना मेरा काम हो गया सिर्फ एक चीज रह गया है एंड तो वो मैं जल्दी से कर देता हूं वैलिडेट कंफर्म है ना पासवर्ड ऑल आइट परफेक्ट अब देखो इफ सिंपल है ना क्या कन्फर्म पासवर्ड में जो भी यूजर लिख रहा है या जो लिख चुका है एंड देन पासवर्ड वाले फील्ड में जो वो लिख चुका था क्या दोनों सेम है या नहीं देखो ना मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड वाले फील्ड की वैल्यू है कन्फर्म वाले पासवर्ड फील्ड की वैल्यू है तो मैं बस इतना ही बोलूंगा ना क्या मेरा जो कन्फर्म वाला पासवर्ड की वैल्यू है ये इट इज ट्रिपल इक्वल टू तो जो पासवर्ड वाली वैल्यू है या नहीं अगर ये नहीं है अगर ये नहीं है तो सेम यही चीज मैं अपनाऊंगा सेम यही चीज मैं करने जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे एक काम कहीं से भी उठा लो यार उठाओ समझ लो मैंने ये चेक नहीं किया कि वो आ, दोनों बराबर है यानी मैंने बस ये चेक किया क्या दोनों सेम नहीं है अगर नहीं है देन हमारा ये जो कन्फर्म पासवर्ड है एरर में कहाँ है इधर है ये हमारा एरर है फॉर कन्फर्म पासवर्ड इसकी वैल्यू मैंने कॉपी की आई डी यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर दूंगा एक सेकेंड कॉपी यहाँ पे पेस्ट अब मैं बस ये बोलूंगा पासवर्ड इज नॉट मैचिंग ख़त्म एंड दिस इज इट या खत्म मेरा काम हो गया अगर ये सब के सब अगर कितने पर कोई भी एक गलत हुआ तो इस वैलिड जो है उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कभी हमें नहीं मिलने वाला ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ अभी सबके सब में मुझे एरर आने वाला बेस्ट पार्ट ये है कि जब तक मैं पासवर्ड फील्ड एंटर नहीं करता मुझे कंफर्म पासवर्ड में एरर नहीं आएगा अब आप समझ चुके क्यों नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसा है कि दोनों का होना जरूरी है वो एरर को पाने के लिए ठीक हो जाएगा फोन नंबर में गैस आप कितना हो गया ये ऑल राइट मेल में आप लिख दीजिए गाइस विनोद एट द रेट था डॉट कॉम मेरा नहीं है मेल बाय पासवर्ड में अरे यार यही तो झंझट है अब मुझे खुद नहीं मालूम मैंने क्या लिखा अभी जस्ट एक सेकेंड है ना कॉपी आठ है या नहीं इसमें एक काम करता हूँ सिर्फ ये लिख के अगर मैं एंटर हिट करूंगा तो ये तो परफेक्ट है लेकिन यहाँ पे देखो पासवर्ड इज नॉट मैचिंग ये एंटर हिट करता हूँ एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड दूंगा इसी मेरा काम हो गया बट एक प्रॉब्लम है ये जो सारे के सारे डेटा अभी भी इधर ये मुझे वो भी हटाना एंड ये मुझे तभी हटाना है जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा मतलब इस जगह पे अब यहाँ पे अब आप, आप मुझे एक बात बताओ क्या आप ये सोच रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है ये जो यूजर नेम है अगर बारह होता है तो यूजर नेम डॉट वैल्यू विल बी इक्वल टू ये ये क्या आप ये सोच रहे हो एंड देन वही पासवर्ड डॉट वैल्यू मेल डॉट वैल्यू फोन ये मत करिए आई मीन ऐसा मत लिखिएगा बिल्कुल वेस्ट है वो हम क्या करेंगे लूप चला सकते हैं ना किसी भी हालत में हमने हर एक इनपुट फील्ड में अगर आप देखोगे वी हैव वन क्लास फॉर्म कंट्रोल ठीक है अब मैं आपको यहाँ पे एक और मजेदार वाली चीजें बताता हूं ध्यान से देखिएगा हमने एक बार लूप चलाया था यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ ऑल क्वेरी सिलेक्टर ऑल लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल जब आप यूज करोगे तो फॉर फॉरिच आप यूज कर सकते हो नो प्रॉब्लम बट जब बात आती है गाइस आपकी क्लास वाला जो भी एट्रीब्यूट है तब उसमें आप यूज करोगे तब आप आपको एस्टेमल कलेक्शन मिलता है क्वेरी सिलेक्टर में आपको नोड एलिमेंट्स मिलती है या नोड लिस्ट मिलती है तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है दिमाग खाता है इसलिए प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए मैंने बहुत मेहनत की है आप एक बार देखोगे आप खुद बोलोगे अच्छा कैसे बार बार बोल बोल के इस वीडियो में आ गया ये वीडियो देखोगे आपका जो होता है ना खुल जाएगा आप फिर जाओ स्क्रिप्ट आपको ईजी लगने लगेगी तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ सो वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नॉट दिस पार्ट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम है ना एंड Uh, मैं इसको कंसोल डॉट लॉक तो एक काम करता हूँ लेट क्या फॉर्म ठीक है एक काम करता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉक फॉर्म क्लास एंड एक काम करूँगा यार मैं <laughs> ये इस वैलिड पे रखने गया तो वापस पूरा मुझे सब कुछ फिल करना पड़ेगा मैं वो नहीं चाहता मैं जल्दी से यहाँ चाहता हूँ कंसोल पे एंड एक बार क्लिक करूँगा ये देखो सो so, गाइस आप एक चीज़ देख सकते हो ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ये क्या मिल रहा है मुझे अब आपको पता चला ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे जब आप अगर क्लास नेम यूज करते हो ना गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम या गेट एलिमेंट बाई आइडिया जो भी हो तब आपको वो एस्टेमल कलेक्शन देता है बट जब आप क्वेरी सिलेक्टर या क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करते हो देन गाइस वो आपको नोड लिस्ट देता है सेम ये डिफरेंस भी आपको पता चलेगा जब आप टेक्स्ट कंटेंट या इनर एस्टेमल या इनर टेक्स्ट जो भी हो तब आप उसमें भी यही सारे डिफरेंसेस आपको पता लगाना है ये मिक्स और sure करना जब भी आप एस्टेमल कलेक्शन के साथ खेलोगे तो ये एरे नहीं है दिस इज नॉट एन एरे भाई आप एक कंफ्यूज मत हो जाना इंटरव्यू आपसे पूछेगा आ, इसका लुप चलाओ आप फॉरिच मैप चला दोगे बट काम नहीं करेगा एस्टेमल कलेक्शन इट्स लुक्स लाइक एन एरे बट इट्स नॉट एक्चुअल एरे ये आपको ध्यान में रखना है तो आपको इसको एक्चुअल एरे में पहले कन्वर्ट करना होगा ठीक है तो ये सब कुछ गाइस वैसे तो ज्यादा कोई बताएगा नहीं बट ठीक है तो देख लीजिए यहाँ पे एरे डॉट फॉम तो ये एरे डॉट फॉर्म मैथड से अब मैं क्या करूं जो एरे लाइक ऑब्जेक्ट जो होता है या एरे लुक लाइक जो होता है लुक लाइक एंड एरे टाइप वाले जो भी है तो अब यहाँ पे इस मेथड के थ्रू आप उसको एरे में कन्वर्ट कर दोगे मैंने कन्वर्ट कर दी अब मैं यहाँ पे फॉरच यूज कर सकता हूँ या तो मैं फॉर ऑफ यूज कर सकता हूँ या मैं मैप यूज कर सकता हूँ बट यहाँ पे जो मैंने किया सॉरी ये नहीं ये वाला कॉपी है ना तो कॉपी तो की है मैंने डॉट खत्म सिंपली मेरा काम हो गया है एंड मैं एक और चीज ये करना चाहूंगा लेट्स क्रिएट यूज़र डेटा अब मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूं अब मैंने ये इसलिए क्रिएट की ताकि देखो ना ये क्या कौन सा पार्ट है ये जब सक्सेसफुली यूजर डेटा फिल कर लेता है जब यूजर ने डेटा फिल कर लिया तो ऑफिस उसका डेटा आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे तो वो भी जरूरी है ना तो मैं क्या करूंगा मेरे पास ये जो फॉर्म क्लास है इसको कॉपी करूंगा इसको मैंने एरे में बनाई एंड सिंपल कैस यहां पे भी मैं क्या करूंगा फॉर फौरी चूज करूंगा ठीक है एंड मैं इसलिए कर रहा हूं कि जितने भी इसके वैल्यू होंगे आई I मीन mean, देखो ना ये फॉर्म क्लास में ना मुझे एक एक करके वैल्यू मिलने वाली है एक एक एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी उसको मैं पुश करके इसमें स्टोर कर दूंगा सिंपल यही और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाला मैं करेंट एलिमेंट तो ये जितने भी मेरे करेंट एलिमेंट है सॉरी नॉट करेंट एलिमेंट ये जितने भी मेरे यूजर डेटा है आई I मीन mean, मेरा जो यूजर डेटा जो मेरा एरे उस पर मैं पुश कर दूंगा मेरा ये जो भी करंट एलिमेंट डॉट वैल्यू दिस इज इट खत्म तो एक तो मैं क्या कर रहा हूँ औ सॉरी इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा पहले मैं स्टोर कर रहा हूँ फिर उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ ठीक है सिंपल इतना ही है अब आप जो चाहते तो थे वो आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है सो so, uh, अब आई एम कॉन्फिडेंट आप ध्यान से देखना अभी यहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा अब ये रजिस्टर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल इससे पहले ये क्लियर नहीं हुआ था क्लियर होगा एंड डेटा भी मुझे मिलेगा ओके okay. कुछ तो गड़बड़ हुआ है कुछ तो गड़बड़ हुआ है एंड दैट इज फॉर्म क्लास वी कंट्रोल फॉर्म क्लास ठीक है uh, एक काम सॉरी यूजर डेटा तो मैंने आपको अलर्ट करके दिखाया आई मीन कंसोल करके दिखाया ही नहीं है ना सो यूजर डेटा तो मैं ऐसे दिखा सकता था आपको एंड uh, मुझे पता चल गया इस यहाँ पे हम इनपुट फील्ड के साथ खेल रहे हैं ना यहाँ तो मैंने वैल्यू लिख दिया था तो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट क्यों यार वो वैल्यू है वो हमें उसकी इनपुट फील्ड का हमेशा वैल्यू होता है एंड अगर आप इनपुट फील्ड के अलावा लेफ्ट से पैराग्राफ आपका हेडिंग या अगर डीप है तब तो वहाँ पे आप टेक्स्ट कंटेंट इनर एस्टेम या इनर टैक्स के साथ जाना बट आपको वैल्यू लिखना जरूरी है तो अच्छी बात है ये ये अभी तक अगर सबमिट नहीं हुआ अब मैं क्लीन करूंगा ध्यान से देखना अभी क्लीन होगा एंड डेटा भी गॉड oh ये क्या हो रहा है ये अच्छा इसको मुझे रिफ्रेश वो गॉड मुझे रिफ्रेश तो करना था ये ऑलऑट गैस तो मैंने फिर से डेटा फिल कर दी है एंड दिस टाइम आई एम श्योर कि अब मिस्टेक नहीं होगी ठीक है देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड बूम गैस सी मुझे सारा का सारा डेटा भी आ गया ये भी क्लीन हो गई है एंड या दिस इज इट सो या गाइस हमारा वैलिडेशन पार्ट कंप्लीट हो गया लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इतनी मेहनत करके आपने अपने लोकल सिस्टम पे बनाई आप इसको लाइव होस्ट कैसे कर सकते हो होस्टिंग कब में तो सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूंगा होस्टिंग कब में सेल चल रहा है ये जो प्राइज इसको, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली ठीक है आप देख सकते हो प्रीमियम बिजनेस क्लाउड स्टार्टअप में ऑलरेडी इनके ऊपर पूरा प्ले अपडेट अप्डे, कर चुका हूँ उसको चेकआउट कीजिएगा आपको सब कुछ पता चल जाएगा ये डोमेन क्या होता है होस्टिंग क्या होता है वाई वी नीड सर्व यू नो एंड आप कैसे इसको बाय कर सकते हो एंड कैसे आप इसमें डायनेमिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट मन वेबसाइट सब होस्ट कर सकते हो मैं ऑलरेडी सबके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्लीज चेकआउट कीजिएगा एंड मैं बताना चाहूंगा अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे देन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि सेल चालू है इससे प्राइस कम आपको नहीं मिलने वाला एकदम सर्विस एक है बेस्ट पार्ट है कि इनका डेटा सेंटर इधर मुंबई में ही है जो कि बाकी लोगों का यूएस पता नहीं कहां कहाँ होता है तो आपका स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगा ठीक है एंड गाइस यहाँ पे एक और ऑसम न्यूज ये है कि आई है स्पेशल कूपन कोड ओनली फॉर यू गाइस जहां पे अगर आप यूज करते हो थापा देन यू विल गेट एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट तो गाइस फॉर माई फैमिली आवर थापा फैमिली के लिए मैंने कूपन कोड रखा है क्योंकि देखो नो मैटर वर्ट अगर आपको सबा बाय करना पड़े आप बाय करोगे जो प्राइस है उसी में लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जहां पे अगर आप क्लिक करके बाय करते हो देन वहां पे अगर आप कूपन कोड ऐड करते हो था पास 7, तो जो भी प्राइस है उसमें टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर दस हजार का है तो एक हजार ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा तो और क्या चाहिए आपको इस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड ये वाली जो प्ले है इसको चेकआउट कीजिए आपको पता चल जाएगा कैसे आप बाई एंड ऑल कर सकते हो बेस्ट पार्ट है कि कैसे अगर आप इनमें से कोई भी यूज करोगे तो आपको कैसे फ्री आप देख सकते हो आपको डोमेन मिलेगा ई मेल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे कैसे ये वेबसाइट बिल्डर बहुत सारी चीजें आप टू हंड्रेड वेबसाइट आप पोस्ट कर सकते हो इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा जस्ट आप बाय कीजिए लॉगिन कर लीजिएगा जब आप लॉगिन करते हो तो आप कैसे अपने डैशबोर्ड पे आइएगा ये सी एस कोर्स वाला पार्ट है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे आप अपना यू नो सी एस कोर्स डॉट ऑनलाइन तो मैंने अपने सी कोर्स में ये ऑसम वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो वो बताया था तो इसके ऊपर बेसिकली ये भी लाइव है आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो ये आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा इससे बेटर वीडियो नहीं मिलेगा कहीं पे भी मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ठीक है तो इसी में ही मैं एक सब डोमेन क्रिएट करने जा रहा हूँ अब तो होम पे आ चुका हूं मैं अब ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो बाय कर ली है तो आपने जो भी डोमेन बाई किया होगा तो आपको डोमेन के अंदर वो दिखाई देगा बट मैं क्या करूंगा ना मैं यहाँ पे जो आपको वेबसाइट दिख रहा है मैं उस पर क्लिक करने वाला हूँ क्योंकि जब आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तब भी आपको वो चीज दिखने वाली है तब आप यहां पे नई जो डैशबोर्ड है उस पर जाइएगा ठीक है जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो वी हैव दिस डोमेन यहां डोमेन आपको दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना बेस्ट पार्टी के अनलिमिटेड सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो मैं यहां पे एक सब डोमेन बनाता हूँ वैलिडेशन ठीक है ये वैलिडेशन नहीं फॉर्म लिख देता हूं मैं एंड मैंने इस पे क्लिक करके एक पब्लिक अंडर स्कोर एस्टेमल पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया एंड मैं क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ

यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे पेजेस है जिसमें से मैंने बनाया था जे फॉर्म इसके अंदर मैं जाऊंगा ये जो जो है उसको आप डिलीट कर दो ठीक है एंड अब मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करने जा रहा हूँ फोल्डर पे क्लिक करने जा रहा हूँ मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है इसका लिंक मैं आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये वो सारे फाइल्स है जो अभी हमने काम किया जिसपे एंड मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ एंड मैंने अपलोड पे क्लिक कर दी तब आप देख सकते हो ये देखो टॉप पे ओ माई गॉड मतलब मैं जा ही रहा था ये हो गया फॉर्म के अंदर जाऊंगा अब ये जो पार्ट है जो भी डेटा ये मेरे को जेस फॉर्म के अंदर चाहिए क्योंकि ये मेरा सब डोमेन है तो मैं कंट्रोल ए सेलेक्ट कर रहा हूँ सब कुछ एंड देन ये जो अपलोड वाला बटन आई मीन नॉट अपलोड सॉरी मूव पे क्लिक करूंगा इस पर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इट मीनस ये हमारा आ, रूट है उस पर मैं मूव कर दूंगा मेरे जेस के अंदर सब कुछ आ गया मतलब मेरा काम खत्म मेरा काम खत्म मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे जेस फॉर्म डॉट देखो कुछ नहीं किया मैं इधर ही हूं ना एक सेकेंड की देरी ना कुछ सॉरी ये एस टी टी पी एस मुझे यहाँ चाहिए बस एंड या दिस इज इट मैंने एक की एंड बोम से ये वही फॉर्म है मैंने जो अभी क्रिएट की थी मैंने अब देखो अब आपको बिलीव नहीं होता यहाँ पे देखना क्या है क्या ये फॉर्म डॉट सी एस एस कोर्स डॉट ऑनलाइन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है जे एस फॉर्म डॉट सी एस एस कोर्स डॉट ऑनलाइन मतलब एक सेकेंड नहीं लगा मेरा ये लाइव हो चुका है एंड यहाँ पे भी ये देखो एंड ओह माय गॉड है ना इतना ज्यादा ऑसम सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही आ, हमारा होस्टिंगर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सोर्स कोड का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जरूर चेकआउट कीजिएगा बट आई हाईली रिकमेंड प्लीज आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिएगा अगर नहीं होता है तब जाके आप कोड को एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है ऑल आर गाइज दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा गाइस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा एंड इफ यू हैव मोर इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों को बार बार के शेयर कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ बताना चाहूंगा हमारा ये जो वर्ल्ड बेस्ट जास्क्रिप्ट कोर्स को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा सोर्स को टू में चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले ताकि आप ऐसे ऑसम awesome वीडियोस को मिस ना करें सो गैस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गैस थैंक यू सो मच टेक केयर